नमस्ते दोस्तों आज हम न्यूरल नेटवर्क्स पढ़ेंगे सबसे पहले शुरुआत करते हैं कि हम समझेंगे कि आखिर न्यूरल नेटवर्क्स पढ़ने की मोटिवेशन क्या है न्यूरल नेटवर्क्स न्यूरॉन्स और उनके इंटरकनेक्शन से बनता है इसीलिए हम सबसे पहले पढ़ेंगे कि एक न्यूरॉन क्या है और फिर एक आर्टिफिशियल न्यूरोल नेटवर्क के कॉम्पोनेंट्स क्या हैं इस आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क को कई बार हम मल्टीलेयर परसेप्ट्रॉन भी कहते हैं या शॉर्ट में न्यूरल नेटवर्क भी कहते हैं तो ए एन और एम सारे ही न्यूरल नेटवर्क की शॉर्ट फॉर्म्स हैं फिर हम समझेंगे कि इसके ट्रेनिंग प्रोसेस के कंपोनेंट्स क्या होते हैं जनरली इसमें तीन कंपोनेंट्स होते हैं फॉरवर्ड पास बैकवर्ड पास और वेट्स को अपडेट करना इसी के साथ हम देखेंगे कि बाइनरी और मल्टी क्लास क्लासिफिकेशन के लिए हम न्यूरल नेटवर्क कैसे बनाएंगे तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं मोटिवेशन क्या है जैसा कि हमने फर्स्ट वीक के लेक्चर में भी सुना था कि न्यूरल नेटवर्क्स इंसान हमेशा से ही चाहता था कि उस तरह की मशीनें बनाए जो कि इंसान की तरह ही सोच सकती हैं और डिसीजंस ले सकती हैं क्योंकि हम मनुष्यों में आ, ब्रेन होता है और ब्रेन के अंदर हम कहते हैं कि नर्व सेल्स होते हैं और उनके इंटरकनेक्शंस होते हैं इसी आइडिया को कैप्चर करते हुए न्यूरल नेटवर्क बनाया गया जिसमें हम ये कहेंगे कि कुछ नर्व सेल्स हैं जिसे कि हम कहते हैं न्यूरॉन और उनके बीच के इंटरकनेक्शंस हैं तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि ये वो मशीन लर्निंग एल्गोरिथम है जो कि स्ट्रक्चर ब्रेन uh, के स्ट्रक्चर और फंक्शन से इंस्पायर्ड है इसके अंदर न्यूरॉन्स होंगे और फिर उनके इंटरकनेक्शंस होंगे इन इंटरकनेक्शंस के ऊपर कुछ वेट्स होंगे <coughs> इन वेट्स को हम कहते हैं लर्नेबल वेट्स और इन्हीं को हमें लर्न करना होता है जब हम एक मशीन लर्निंग क्लासिफायर या एक रिग्रेशन का मॉड्यूल न्यूरोल नेटवर्क से ट्रेन करते हैं तो आप समझते हैं कि एक न्यूरॉन क्या है एक न्यूरॉन के अंदर दो ऑपरेशंस होते हैं पहला है वेटेड लीनियर कंबाइनर और दूसरा है एक नॉन लीनियर एक्टिवेशन फंक्शन तो अब आप मेरी स्क्रीन पर यहाँ पर एक नव सेल्स का डायग्राम देख पा रहे हैं ये हमारा है एक न्यूरोन अब इस न्यूरोन में आप देखिए पहला कॉम्पोनेंट जो है जो समर है ये है समर और दूसरा कॉम्पोनेंट है नॉन लीनियर एक्टिवेशन हम यहाँ पर भी इसको इस तरीके से लिख देते हैं अब हमारे पास इनपुट्स आए एक्स आई वन और एक्स आई टू और हमने इन इनपुट्स को एक समर में या वेटेड लीनियर कंबाइनर में फीड कर दिया है तो अब हमारे पास वेटेड लीनियर कंबाइनर का अगर हम यहाँ पर कहेंगे कि आउटपुट हमारा जेड आई है तो हमारा जेड आई क्या बनेगा जेड आई बनेगा हमारा एक्स आई वन मल्टीप्लाइड बाय थीटा वन प्लस एक्स आई टू मल्टीप्लाइड बाय थीटा टू प्लस एक कांस्टेंट भी है टर्म बी तो ये हम कहेंगे कि यहाँ पर कांस्टेंटली वन को अप्लाई किया हुआ है और यहाँ पर बी उसका उस लिंक का वेट है तो ये हमारा बन गया जेड आई जिसमें कि आई की नोटेशन हम डिनोट करते हैं आईएथ सैंपल से या डेटा सैम्पल से थीटा वन और थीटा टू जो है और बी ये हमारे हैं लर्नेबल पैरामीटर्स और एक्स आई वन और एक्स आई टू ये हमारे हैं फीचर्स तो अब अगर हम फीचर स्पेस में देखेंगे तो हम कहेंगे हर आई एच के यहाँ पर दो फीचर्स हैं एक एक्स वन और एक एक्स टू अगर ये आई एच है तो यहाँ पर ये यह जो सैंपल है इसकी जो ये वेट है इसको हम कहेंगे एक्स आई वन और इसको हम कहेंगे एक्स आई टू इस तरीके से ये जो ब्लू हैं और ये जो स्टार्स हैं आप देख सकते हैं ये हमारे डिफरेंट डेटा सैंपल्स हैं तो सबसे पहले तो हमारा एक वेटेड लीनियर कंबाइनर है जो इस तरीके से फीचर्स को वेट करेगा और वे करने के बाद उनको सम कर देगा उसके बाद हमारे पास एक नॉन लीनियर एक्टिवेशन फंक्शन आता है तो ये हमारा हो गया पार्ट वन पार्ट टू में हम इस इनपुट को जेड आई को आउटपुट में डाल देते हैं और वो हमारा देता है वाई आई कैप वाई आई कैप क्या है ये है वन प्लस ई टू दीपार माइनस जेड आई और जेड आई क्या है जेड आई हमारा इससे डिनोटेड है और इसको फंक्शन को हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं हम इसको कह सकते हैं कि ये हमारा क्या है एक्स आई ट्रांसपोज थीटा प्लस बी बी हमारा कांस्टेंट है जो कि है और एक्स आई ट्रांसपोज थीटा का मतलब हुआ कि हमने एक्स आई बनाया जो कि क्या है एक्स आई वन एक्स आई टू और हमने एक थीटा वेक्टर बनाया जो है थीटा वन थीटा टू अब हमने एक्स आई वेक्टर और थीटा वेक्टर का इनर प्रोडक्ट लिया जो हमारा होगा एक्स आई ट्रांसपोज थीटा अगर आप याद करेंगे तो हमने लॉजिस्टिक रिग्रेशन में भी ये फंक्शन यूज़ किया था तो इस तरीके से ये हमारा जो आउटपुट होता है इसको हम कहते हैं अगर एक सिंगल न्यूरॉन से ही हम एक क्लासिफायर बनाएं, तो हम इससे भी एक बाइनरी क्लासिफायर बना सकते हैं जो कि कुछ नहीं है बल्कि एक बाइनरी लॉजिस्टिक रिग्रेशन की तरह दिखेगा और वाई आई कैप उस सिनेरियो में हमारा आउटपुट होगा जिसको हम कहेंगे कि वो प्रोबेबिलिटी है ऑफ वाई आई इक्वल टू वन गिवन क्या गिवन है इनपुट फीचर्स एक्स आई थीटा पैरामीटर्स और बी लॉजिस्टिक रिग्रेशन में भी हम इसी को सोल्व करते हैं लेकिन न्यूरॉन नेटवर्क में अब हम इसे आइट्रेटिवली सोल्व करेंगे तो इस तरीके से एक न्यूरॉन में हमारे दो ऑपरेशन होते हैं जो हमारा ये सेकेंड ऑपरेशन है जो नॉन लीनियर एक्टिवेशन फंक्शन है यहाँ पर हमने सिग्मोइड फंक्शन को यूज़ किया है लेकिन हम देखेंगे कि हम टेन हाइपरबोलिक रेलू अलग अलग तरह के हम नॉन लीनियर एक्टिवेशन फंक्शन यूज़ कर सकते हैं तो ये सिग्मोइड फंक्शन को अगर हम समझें तो ये हमारा Z है जो कि X एक्सेस पे है और Y पे हमारा Y एक्सेस पे ये हमारा YI आई कैप है तो जिस तरीके से अगर ZI इस तरीके से वे चेंज होगा तो जब ZI आई इक्वल टू ज़ीरो है तो हम देख सकते हैं यहाँ पर वैल्यू क्या होगी वन अपॉन वन प्लस ई रेस टू दिपार माइनस जीरो जो कि हो जाएगी वन अपॉन हाफ़ वन अपॉन टू इज इक्वल टू हाफ जब हमारा जेड आई इन्फिनिटी की तरफ टेंड करेगा जैसे जैसे ये इन्फिनिटी जाएगा जेड आई टेंड्स टू इन्फिनिटी तो वाई आई कैप हमारा हो जाएगा वन अपॉन वन प्लस ई रेस टू दी पार माइनस इन्फिनिटी ये हो जाएगा हमारा वन और जब जेड आई हमारा टेंड करेगा माइनस इनफिनिटी की तरफ तो वाई आई कैप हो जाएगा वन अपॉन वन प्लस ई रेज टू दारी इन्फिनिटी वन अपॉन ई रेज टू दारी इन्फिनिटी इज इक्वल टू जीरो तो उसी तरह का हम ये नॉन लीनियर एक्टिवेशन फंक्शन देख पा रहे हैं तो अब हमारा टास्क क्या है अगर हमारे पास एक सिंगल न्यूरॉन हो तो वो इस तरह का हाइपर प्लेन निकाल पाने में सक्षम है तो इस तरह का हम हाइपर प्लेन निकालना चाहते हैं बाइनरी क्लासिफिकेशन है तो हम चाहते हैं कि अगर स्टार्स हमारी एक क्लास है लेट्स से क्लास वन और ब्लू कलर के सर्कल्स जो हैं दीज सैंपल्स बिलोंग टू से क्लास ज़ीरो तो हम चाहते हैं कि हम इस तरह का हाइपर प्लेन निकाल लें जो कि हमारी हमारे जो कि हमारी दोनों क्लासेस को सेपरेट कर सके तो ये हम ट्रेनिंग डेटा से करेंगे और जब हम टेस्ट डेटा आएगा तो क्योंकि हम तब तक थीटा वन थीटा टू और बी को लर्न कर चुके होंगे तो हमारे पास सब कुछ अवेलेबल होगा जैसे ये टेस्ट डेटा का एक्साई आएगा हम इस इक्वेशन में उसे डाल देंगे और फिर हम वाई आई कैप आउटपुट लेंगे अगर वो वाई आई कैप हमारा तो अगर क्लोजर टू वन है ग्रेटर देन जीरो पॉइंट फाइव है तो हम कहेंगे क्लास वन को सैम्पल बिलोंग करता है और अगर लेस देन पॉइंट फाइव है तो हम कहेंगे क्लास जीरो को बिलोंग करता है इस तरीके से हम उसको बाइनरी क्लासिफिकेशन भी कर सकते हैं लेकिन एक सिंगल न्यूरॉन सिर्फ इसी तरह का एक लीनियर हाइपरप्लेन लर्न कर सकता है हमारा पास इन जनरल हमारा डेटा जो है वो कॉम्प्लेक्स बाउंड्री का भी हो सकता है तो जब कॉम्प्लेक्स बाउंड्री का आएगा तो हम नेटवर्क ऑफ न्यूरॉन्स देखेंगे उससे पहले हम दोबारा एक क्विक रीकैप करते हैं ये हमने लॉजिस्टिक रिग्रेशन में भी पढ़ा था कि हम इसकी ट्रेनिंग कैसे करेंगे तो जैसा कि हमने पहले देखा कि वाई वा कैप क्या है वो हमारा इस तरह का फंक्शन है अब हम क्या करेंगे कि हम लॉस डिफाइन करेंगे तो जिस समय हम ट्रेनिंग करते हैं उस समय ट्रेनिंग सैम्पल्स का हमारे पास एक्चुअल क्लास लेवल अवेलेबल होता है जो हम कहते हैं वाई आई तो हमारे पास क्लास लेवल है हर आ, हमारे पास जो ट्रेनिंग डेटा है अगर हम उसको देखें तो हमारे पास एक्स आई है और वाई आई ये हमारे पास पेयर्स अवेलेबल हैं तो क्योंकि हमारे पास एक्चुअल ग्राउंड ट्रुथ या जी टी वाई आई है इसको हम कहते हैं जी टी अवेलेबल है तो हम इ, 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 वाई आई और जो हमारा आउटपुट वाई आई कैप आता है इन दोनों के बीच में हम लॉस फंक्शन डिफाइन करते हैं तो हम इस केस में बाइनरी क्रॉस एंट्रोपी फंक्शन डिफाइन करते हैं और बाइनरी क्रॉस एंट्रोपी लॉस फंक्शन किस तरह गिवन है माइनस ऑफ लॉग ऑफ लाइटलीहुड फंक्शन जो कि इस तरीके से भी लिखा हुआ है ये लॉग जो है ये नेचुरल लोगे है इसलिए आप देख पा रहे हैं कि हमने एल एन टर्म यूज किया है और इसको अगर हम आई एच सैंपल के लिए सिर्फ आई एच सैंपल के लिए देखें तो हमने यहाँ पर सब्सक्रिप्ट आई लगाया टू डिनोट किए आई एच सैंपल का लॉस है इसको हम लिखेंगे माइनस एलेन ऑफ एल आई थीटा और हर सैंपल के लिए एक सैंपल के लिए एल आई थीटा किस तरीके से गिवन होगा माइनस वाई आई एलेन ऑफ प्रोबेबिलिटी ऑफ वाई आई इक्वल टू वन गिवन एक्स आई थीटा एंड बी माइनस वन माइनस वाई आई तो ये हमारा जो लॉस है ये करस्पॉन्डिंग टू है क्लास वन सैंपल लॉस और ये वाला जो लॉस है ये हमारा है करस्पॉन्डिंग टू क्लास ज़ीरो सैम्पल लॉस इसको हम कैसे देखेंगे इस टर्म को प्रोबेबिलिटी ऑफ वाई आई इक्वल टू वन ये हमारी वाई आई कैप है तो हम इसको लिख सकते हैं माइनस वाई आई एलेन ऑफ़ वाई आई कैप माइनस वन माइनस वाई आई ऑफ वन माइनस वाई आई कैप अब इसको दोबारा समझते हैं सपोज़ करिए कि हमारा जो सैंपल था वो क्लास वन को बिलोंग करता था तो हम पाएंगे वाई आई इक्वल टू वन जब वाई आई इक्वल टू वन होगा तो ये वाली टर्म जो है सेकेंड टर्म हमारी ज़ीरो हो जाएगी और वाई आई इक्वल टू वन है तो हम पाएंगे कि हमारा लॉस कितना हुआ माइनस ऑफ एलेन ऑफ वाई आई कैप तो अब अगर वाई आई कैप भी हमारा वन की तरफ जाता है या वन होता है तो लॉग ऑफ वन इज इक्वल टू ज़ीरो तो हमारा लॉस ज़ीरो हो जाएगा लेकिन अगर वाई आई कैप हमारा जीरो की तरफ टेंड करता है तो ln ऑफ वाई आई कैप एलेन ऑफ वाई आई कैप हमारा माइनस इंफिनिटी की तरफ टेंड करेगा और क्योंकि एक नेगेटिव साइन बाहर भी है तो माइनस ऑफ एल एन ऑफ वाई आई कैप हमारा प्लस इनफिनिटी की तरफ टेंड करेगा इसका मतलब क्या हुआ कि अगर हमारा सैंपल क्लास वन को बिलोंग करता है लेकिन प्रिडिक्शन हमारी क्लास जीरो की तरफ जा रही है तो हमारा लॉस इन्फिनिटी की तरफ बढ़ जाएगा इसी तरह अब आप देखिए वेन वाई आई इक्वल टू जीरो तो क्या होगा जब वाई आई जीरो है तो पहली टर्म ये वाली टर्म जीरो हो जाएगी और हम सेकेंड टर्म में से हमारे पास सिर्फ वन माइनस जीरो तो हमारा हो गया वन तो हमारे पास रह गया माइनस ऑफ एलेन ऑफ वन माइनस वाई आई कैप अब दोबारा फिर वही फिन होगा अगर तो हमारा प्रिडिक्टेड वाई आई कैप भी हमारा जीरो है तो वन माइनस जीरो इज वन तो एलेन ऑफ वन इज इक्वल टू जीरो तो अगर प्रिडिक्टेड वाई आई कैप भी जीरो है और हमारी एक्चुअल क्लास भी जीरो है तो हमारा लॉस जीरो हो जाएगा लेकिन अगर प्रिडिक्टेड हमारी वैल्यू वाई आई कैप मूव्स टुवर्ड्स वन वन की तरफ जाती है तो ये हमारा लॉस फिर प्लस इंफिटी की तरफ चला जाएगा और हम पाएंगे कि लॉस फिर बहुत ज़्यादा हो गया तो अब अगर हमारे पास इन नंबर ऑफ ट्रेनिंग सैम्पल्स हैं तो टोटल बाइनरी क्रॉस एंट्रोपी लॉस हम कैसे निकालेंगे हम सारे ही सैंपल्स का टोटल लॉस को ऐड कर देंगे जो कि हमारा नीचे इस फॉर्मूले से अवेलेबल होता है तो हम जे थीटा को लिखेंगे और हम सारे एन सैंपल्स के लिए इस लॉस को हम ऐड कर देंगे और इस तरीके से ये वाला हमारा एक्सप्रेशन काउंट करेंगे तो हम अब टोटल लॉस निकालेंगे और फिर उसके बाद ग्रेडियंट निकाल के और बैक प्रोपेगेट करके न्यूरल नेटवर्क की ट्रेनिंग करेंगे जो कि हम आगे समझेंगे उससे पहले अब हम समझते हैं एक टू लेयर बाइनरी ए एन एन हमें क्यों चाहिए तो सपोज करिए कि हमारा जो फीचर स्पेस है उसके अंदर हमारे सैंपल्स कुछ इस तरीके से डिस्ट्रीब्यूटेड हैं तो अब हम पा रहे हैं कि हमारी जो डिसीजन बाउंड्री है वो लीनियर नहीं है इस तरह की कुछ डिसीजन बाउंड्री हमारी है जो कि हमारे डेटा को सेपरेट करती है अगर हमें इस तरह का कोई डिफरेंट डिसीजन बाउंड्री लर्न करना है तो अब हम क्या करेंगे हम नेटवर्क ऑफ न्यूरॉन्स बनाएंगे और उन सबके इंटरकनेक्शन से हम एक न्यूरल नेटवर्क सेटअप करेंगे तो सिंगल न्यूरॉन तो जो हम हमारा है वो बाइनरी लॉजिस्टिक रिग्रेशन की तरह एक सिंपल लाइन से सेपरेट कर देता है लेकिन अगर हमारा हायर डिमेंशनल स्पेस है और इस तरह का हमारा कॉम्प्लेक्स डिसीजन बाउंड्री है तो हम नेटवर्क ऑफ न्यूरॉन्स को यूज़ करेंगे और एक कॉम्प्लिकेटेड फंक्शन अब लर्न होगा तो अब हम यहाँ पर देख सकते हैं हमने कितने यूज़ किए हमने तीन न्यूर यूज़ किए तो ये हमारा इनपुट लेयर है जो ये हमारा जहाँ पर इनपुट फीचर्स आते हैं इसको हम कहते हैं इनपुट लेयर उसके बाद हम देख पा रहे हैं कि ये हमारी इसको हम बोलेंगे फर्स्ट हिडन लेयर क्योंकि ये हमारी फर्स्ट लेयर है जिसमें कि हमारे न्यूरॉन्स हैं और उसके बाद हमारी है आउटपुट लेयर क्योंकि इसके बाद हम आउटपुट ले रहे हैं और फिर इस फर्स्ट हिडन लेयर में भी हमारे न्यूरॉन में दो ऑपरेशन होंगे हमारे पास दो न्यूरॉन है पहला न्यूरॉन ये है दूसरा न्यूरॉन ये है और तीसरा न्यूरॉन ये है और पहले न्यूरॉन में भी दो ऑपरेशन है एक तो वेटेड लीनियर कॉम्बिनेशन है और फिर एक हमारे पास नॉन लीनियर एक्टिवेशन है दूसरे न्यूरॉन में भी हमारे पास वेटेड लीनियर कॉम्बिनेशन है और हमारे पास एक नॉन लीनियर एक्टिवेशन है तो इस तरीके से अब अगर हम यहाँ पर देखें तो लर्नेबल पैरामीटर्स क्या होंगे जो हमारे इनपुट फीचर्स हैं वो पहली फर्स्ट हिडन लेयर के दोनों न्यूरॉन्स को फीड होगा तो हम यहाँ पर देख पा रहे हैं कि जब ये फीड हो रहा है तो यहाँ पर हमारे दो पैरामीटर हैं तो जब हम डब्ल्यू आई जे लिख रहे हैं तो इसमें या फिर हम ऐसे कहेंगे लेट से wkl के एल क्योंकि आई को हमने सैम्पल के लिए यूज किया है तो अगर हम इसको लिखते हैं डब्लू के एल तो हमारा K जो है वो डिनोट करेगा हमारा इनपुट साइड और L डिनोट करेगा हमारा आउटपुट साइड तो अगर हम देखें कि W11 जो वेट है ये हमारा कनेक्ट कर रहा है फर्स्ट फीचर को फर्स्ट न्यूरॉन से और W12 जो है वो हमारा ये वाला लिंक है ये कनेक्ट कर रहा है हमारा फर्स्ट फीचर को सेकेंड न्यूरॉन से तो ये सेकेंड न्यूरॉन आउटपुट साइड की तरफ चला गया और फर्स्ट फीचर जो है वो इनपुट साइड की तरफ चला गया तो डब्ल्यू के एल की हम नोटेशन यूज करेंगे यहां पर भी हमने टर्म यूज करी तो हमारे पास बी वन और बी टू दो टर्म है जो पहले दो न्यूरॉन्स में है, जो हमारा आउटपुट लेयर का न्यूरॉन है उसके बायस्टम है बी थ्री अब बताइए इसमें लर्नेबल पैरामीटर्स कौन से हैं हमारे तो हमारे पास लर्नेबल पैरामीटर्स हैं डब्लू वन वन डब्लू वन टू डब्लू टू वन डब्लू टू टू बी वन बी टू ये तो हमारे फर्स्ट हिडन लेयर के समय है और जब हमारी आउटपुट लेयर की तरफ हम देखते हैं तो V1, V2 और B3 ये हमारे टोटल ये हैं हमारे लर्नेबल पैरामीटर्स जिनको हमें लर्न करना है यूजिंग द ट्रेनिंग डेटा और इन शॉर्ट अब हम डब्लू मैट्रिक्स लिखेंगे डब्लू को हम कहेंगे W हमारा मैट्रिक्स कुछ इस तरीके से है डब्लू वन वन डब्लू वन टू डब्लू टू वन डब्लू टू टू और हमारे पास एक V वेक्टर है जो कि हमारा ये है जिसमें कि हमारे हैं v1 और v2 जो कि हमारे आउटपुट लेयर की तरफ के लर्नेबल पैरामीटर्स हैं तो इस तरीके से अब हमने तीन न्यूरॉन का एक आर्किटेक्चर सेटअप कर दिया लेकिन इस आर्किटेक्चर में इम्पॉर्टेंट चीज ये है कि हमारे पास एक इनपुट लेयर है जहाँ पर फीचर्स इनपुट आते हैं आउटपुट लेयर है क्योंकि ये बाइनरी क्लासिफिकेशन है तो एक ही न्यूरॉन लगा रखा है जो हमारा आउट दे रहा है और हमारे पास बीच में हिडन लेयर है अगर हमें थोड़ा सा और ज्यादा लेयर्स का नेटवर्क सेटअप करना है तो हम एक लेयर की बजाय दो हिडन लेयर लगा सकते हैं लेकिन अब कितने न्यूरॉन्स होंगे एक हिडन लेयर में वो हमारे हाइपर पैरामीटर कहलाते हैं जैसे कि यहाँ पर हमने दो न्यूरॉन ही लिए लेकिन आप यहाँ तीन न्यूरॉन भी लगा सकते हैं एक और हिडन लेयर लगा सकते हैं जिसमें दो न्यूरॉन हो तो इस तरीके से हम अपना एक आर्किटेक्चर सेटअप कर सकते हैं तो अब हम थोड़ा सा और थोड़ा सा समझते हैं कि इसमें डेटा का फ्लो किस तरीके से जा रहा है तो हमने जैसे कि कहा कि हमने W मैट्रिक्स डिफाइन कर दिया W मैट्रिक्स हमने कहा W11 W12 W21 W22 डब्लू टू वन डब्लू टू टू तो जब हम इस आउटपुट को देखेंगे ये वाला जो हमारा आउटपुट आया तो DI हमारा क्या बनेगा तो DI बनेगा अगर हम DI को इसको देखें तो यहाँ पर इसके इसको हम लिख सकते हैं DI आई इज इक्वल टू डब्लू ट्रांसपोज एक्स आई मैं नीचे एक बार लगा रही हूं क्योंकि मैं इसे बोल्ड नहीं लिख पा रही हूं टू डिनोट दैट इट इज अ वेक्टर इट ऑफ इट्स अ वेक्टर डब्लू कैपिटल है तो डिनोट किए ये matrix है प्लस बी वेक्टर अब बी वेक्टर क्या होगा तो अब इसे खोल लेते हैं ताकि हमें यह समझ में आए तो ये क्या बनेगा इसमें डी में क्या है डी आई वन और डी आई टू डी आई वन यहाँ पर है और डी आई टू हमारा यहाँ पर है तो ये क्या बना अब डब्लू ट्रांसपोज क्या बना इस डब्लू मैट्रिक्स का हम ट्रांसपोज लेंगे तो डब्लू वन वन डब्लू टू वन डब्लू वन टू डब्लू टू टू और ये मल्टीप्लाई होंगे हमारे XI1, XI2 वन और फिर हमारा ऐड होगा B1 और B2 अब इसको समझ लेते हैं इसे खोल के देख लेते हैं हमारा क्या बनता है तो ये हमारा बना ऊपर बना W11 Xi1 प्लस W21 Xi2 प्लस B1 और नीचे क्या बना ये है हमारा Di1 और ये बना हमारा Di2 नीचे क्या बना हमारा W12 Xi1 प्लस डब्लू टू टू एक्स आई टू प्लस बी टू अब हम देख पा रहे हैं कि जो पहली टर्म है ये वाली जो टर्म है वो इंडीड एक्स आई वन मल्टीप्लाइड बाई डब्लू वन वन अब हम डायग्राम से भी देख पा रहे हैं एक्स आई टू मल्टीप्लाइड बाई डब्लू टू वन प्लस बी वन इज इक्वल टू तो ये हमारा डी आई आउटपुट आया डी आई आउटपुट आने के बाद हर इंडिविजुअल डी आई वन क्योंकि एक न्यूरॉन तो ये पूरे से एक न्यूरॉन बना है तो डी आई वन ए आई वन कैसे बनेगा तो ए आई वन क्या है अब हमारा ए आई वन इज अ फंक्शन ऑफ डी आई वन सो नाउ ए आई वन क्या है ए आई वन इज इक्वल टू वन अपॉन वन प्लस ई रेस टू दी पार माइनस डी आई वन इसी तरह ए आई टू इज इक्वल टू वन अपॉन वन प्लस ई रेस टू दी पार माइनस डी आई टू और ये क्या है और इसको हम लिख सकते हैं एस डब्लू इसको हम लिख सकते हैं w1 वन वैक्टर इस डायरेक्शन में और w2 टू वैक्टर इस डायरेक्शन में तो ये हमारा बन गया w1 वन वैक्टर इस तरीके से ठीक तो ये जब हम इसको इस लिखेंगे W1 वन ट्रांसपोज एक्स आई प्लस बी वन डब्लू टू ट्रांसपोज एक्स आई प्लस बी टू ये हमारा बन गया डी आई वन तो हम इसको ये भी लिख सकते हैं वन अपॉन वन प्लस ई रेस टू दी पार माइनस का साइन डब्लू वन ट्रांसपोज एक्स आई प्लस बी वन और यहाँ पर भी हम लिख सकते हैं वन प्लस इरेज टू दाइनस डब्लू टू ट्रांसपोज एक्स आई प्लस बी टू ये हमारे आ गए ए आई वन ए आई टू तो अब हमने ए आई वैक्टर बनाया वो क्या है ए आई वन और ए आई टू अब ए आई वन ए आई टू आ गए उसके बाद अब हम क्या करेंगे अब हम यूज करेंगे ए आई को यूज करके अब हम जेड आई निकालेंगे तो जेड आई हमारा क्या होगा अब हमारा जेड आई होगा ए आई वन मल्टीप्लाइड बाय वी वन प्लस ए आई टू मल्टीप्लाइड बाय बी टू प्लस बी थ्री इसको हम लिख सकते हैं ए आई ट्रांसपोज वी प्लस बी थ्री या फिर ट्रांसपोज ए आई किसी तरह भी आप लिख सकते हैं इनर प्रोडक्ट दोनों तरह से आप लिख सकते हैं अब हमारा वाई आई कैप क्या है वाई आई कैप है वो फिर सिग्मोइड आएगा तो ये हमारा थर्ड न्यूरॉन है ये हमारा थर्ड न्यूरॉन है लेकिन ये आउटपुट न्यूरॉन भी है तो ये हो गया वन अपॉन वन प्लस वन प्लस e raised to माइनस upon आई plus इज इक्वल टू the अपॉन minus of v ऑफ ए i plus b थ्री इस तरीके से अब हमने y i कैप निकाल लिया तो एक बाइनरी क्लासिफायर में इस तरीके से हमारे सारे स्टेप्स हैं तो हम अगर हमने इनिशियली हम सबसे पहले जब हम पहला फॉरवर्ड पास करते हैं तो हम क्या करते हैं कि हम सारे वेट्स को कुछ रैंडम नंबर से इनिशलाइज़ कर देते हैं अब हम पहला सैम्पल डालेंगे और उसे यहाँ पर पहले डी आई वन डी आई टू तो फर्स्ट सैम्पल हमने डाला तो हमने यहाँ पर डी वेक्टर निकाला फिर हमने ए वेक्टर निकालेंगे फिर हम आ, अपना जेड आई निकालेंगे और फिर हम उसका वाई आई कैप निकालेंगे और क्योंकि हमारे पास ट्रेनिंग डेटा का वाई आई अवेलेबल होगा उन दोनों के बीच में बाइनरी क्रॉस एंट्रोपी लॉस निकालेंगे और जब सारे डेटा का सारे ट्रेनिंग डेटा का निकाल लेंगे तो हम उस लॉस को टोटल सम करेंगे और फिर उसको ग्रेडियंट लेके बैक प्रोपिगेट करेंगे उस समय हम अपने वेट्स को अपडेट करेंगे तो इस तरीके से अगर हमें एक मल्टी क्लास क्लासीफायर बना रहे हैं हम एम उसको बोलेंगे मल्टी क्लास मल्टी लेयर परसेप्ट्रॉन क्लासीफायर तो हमारी आउटपुट की क्लासेस जो हैं बाइनरी होने की बजाय दो होने की बजाय मोर देन टू हैं तो फॉर एग्जांपल अब हम क्या करेंगे अब हम सॉफ्ट मैक्स लेयर यूज करेंगे लॉजिस्टिक रिग्रेशन पढ़ते समय हमने सॉफ्ट मैक्स लेयर का भी जिक्र किया था और हमने उसे भी समझा था तो अब अगर इस तरह के एम एल पी क्लासीफायर को आप देखिए तो अब हमने क्या किया है हमने ये माना है कि हमारा जो इनपुट डेटा है उसमें तीन फीचर्स हैं तो ये है एक्स आई वन आई डिनोट्स द आई एथ सैंपल डेटा सैम्पल और वन टू एंड थ्री डिनोट्स here द फीचर numbers। तो हमारे पास एक्स आई वन एक्स आई टू एक्स आई थ्री ये पूरा हमारा एक एक्साई जो सैंपल है फीचर वेक्टर है इसके ये हमारे फीचर्स आ गए पहला दूसरा और तीसरा फीचर कॉम्पोनेंट उसके बाद फर्स्ट हिडन लेयर में हम देख पा रहे हैं अब हमने यहाँ पर चार न्यूरॉन्स लगाए हैं ये पहला न्यूरॉन है ये दूसरा न्यूरॉन है फिर हमारा ये तीसरा न्यूरॉन है और फिर ये हमारा चौथा न्यूरॉन है हमने एक हिडन लेयर लगाई है और उसमें हमने चार न्यूरॉन लगाए हैं अब उसके बाद हमने आउटपुट लेयर लगाई है आउटपुट लेयर हमारी यहाँ से और यहाँ तक जा रही है तो जो हमारी हिडन लेयर है उसमें हर न्यूरॉन में हमने एक नॉन लीनियर एक्टिवेशन फंक्शन लगाया जिसको हम सिग्मोइड या टेन हाइपरबोलिक कुछ भी यूज़ किया वो हमने यूज़ कर रखा है लेकिन जो आउटपुट लेयर है उसमें हमने पहले न्यूरॉन्स लगाए जिनमें सिर्फ अभी हमारा वेटेड लीनियर कॉम्बिनेशन हो रहा है और फिर हमने नॉन लीनियर एक्टिवेशन जो है वो हमने इस तरह की ये वाली लेयर ये हमारी सॉफ्ट मैक्स की लेयर है जो कि हमारी नॉन लीनियर एक्टिवेशन की तरह काम कर रही है तो क्योंकि हमारी यहाँ पर है थ्री क्लास क्लासिफिकेशन तो थ्री क्लास क्लासिफिकेशन में हमारे तीन आउटपुट्स आएंगे वाई आई वन वाई आई टू वाई आई कैप वन वाई आई Y cap आई टू एंड दिस तो हमारा Y I cap जो है वो भी अपने आप में एक विक्टर है अगर हमारा suppose करिए कि class टू का सैंपल है और हमारा करेक्ट प्रिडिक्शन हो जाती है इस क्लास टू तो सपोज करें इसको हम कह रहे हैं क्लास जीरो क्लास वन सैंपल और इसको हम कह रहे हैं क्लास टू सैंपल तो अब अगर हमारा क्लास टू का ही सैंपल था और हमारी प्रशन भी आई हमारी प्रोडिक्शन आई वन जीरो तो तो मतलब वाई आई भी हमारा था जीरो जीरो वन क्योंकि हम वन हॉट इनकोडिंग करते हैं आउट लेबल की और हमारा प्रिडिक्टेड भी यही है तो अब हमारा लॉस जो होगा वो इक्वल टू जीरो होगा तो इस तरीके से अब हमारा पूरा सेटअप है और अब इसके अंदर सॉफ्ट मैक्स लेयर में भी अगर आपको याद होगा तो हम पहले एक्सपोनेंशिएट करते हैं ई आर आई वन जो भी इनपुट आ रहे हैं तीन उनको एक्सपोनेंशिएट करेंगे रिस्पेक्टिवली और एक्सपोनेंशिएट करने के बाद उनको हम नॉर्मलाइज करते हैं तो जो वाई आई वन है कैब वन वो है हमारा ई ऑफ आर आई वन डिवाइडेड बाई ई ऑफ आर आई वन प्लस ई ऑफ आर आई टू प्लस ई ऑफ आर आई थ्री इसी तरह हमने वाई आई कैप टू और वाई कैप आई थ्री इस तरह से हम तीनों कंपोनेंट निकालेंगे तो मल्टी क्लास एम एल पी क्लासीफायर बनाते हुए भी यहाँ पर हमने एक ही हिडन लेयर यूज़ किया लेकिन हम दो हिडन लेयर भी यूज़ कर सकते हैं हम यहाँ पर जो फर्स्ट हिडन लेयर है उसमें हमने चार न्यूरॉन लगाए लेकिन हम ज़्यादा न्यूरॉन भी लगा सकते हैं लेकिन अगर हमारा थ्री क्लास क्लासीफिकेशन है तो हमारी आउटपुट लेयर में तीन ही न्यूरॉन लगेंगे अगर सपोज करिए कि हमने एमनेस का डेटा सेट यूज़ किया जो एक डिजिट्स का डाटा सेट है उसमें हमारी टेन क्लासेस होती हैं तो अगर हमारा टेन क्लास क्लासिफिकेशन है तो आउटपुट लेयर में हमारे टेन न्यूरॉन्स होंगे और टेन आउटपुट्स इस तरीके से हमारे आएंगे जो कि सॉफ्ट मैक्स लेयर हमें देगी तो ट्रेनिंग करते समय हम न्यूरल नेटवर्क में क्या देखते हैं तो ट्रेनिंग के कुछ स्टेप्स होते हैं पहला स्टेप होता है फॉरवर्ड प्रोपिगेशन इसमें हम पूरे ट्रेनिंग डेटा को अपने नेटवर्क के थ्रू पास करते हैं और उसका करस्पॉन्डिंग वाई आई कैप हम निकालते हैं उसके बाद हम उस वाई आई कैप को ओरिजिनल ग्राउंड रूथ वाई आई से कंपेयर करेंगे और फिर हम लॉस निकालेंगे और लॉस निकालने के बाद जो जो भी जो भी एरर निकालेंगे एरर से हम लॉस बनाएंगे उसके बाद हम एरर का हम ग्रेडियंट्स या इस लॉस का हम ग्रेडियंट्स लेते हैं विद रिस्पेक्ट टू

जिस समय हम इसको बैक प्रोपेगेट करते हैं तब हम इन पैरामीटर्स को एडजस्ट भी करते हैं तो इन पैरामीटर्स को अपडेट करते रहते हैं हम डेटा को डालते रहते हैं जब तक कि हमारा पूरा लॉस ये सारे वेट्स और बाइसिस हमारे एडजस्ट नहीं हो जाते और हमारा लॉस हमारी तसली के मुताबिक कम नहीं हो जाता और जब हमारा ये थोड़ा सा स्टेबलाइज हो जाता है और हमें लगता है कि लॉस काफ़ी कम हो गया या एक्यूरेसी सपोज़ करिए आप आ, क्लासिफिकेशन का टास्क कर रहे थे और आपकी एक्यूरेसी ऑलरेडी 90 परसेंट से ऊपर है और आपको लगता है कि इस डेटा पे इससे ज़्यादा इम्प्रूवमेंट आपकी नहीं आ रही है और ये बहुत अच्छी परफॉर्मेंस है तो फिर आप वहीं पर रुक जाएंगे और आप कहेंगे कि आपका नेटवर्क ट्रेन हो गया अब आप जो टेस्ट डेटा है उस पर उसकी परफॉर्मेंस को चेक करेंगे तो इन समरी हमने इस मॉड्यूल में क्या सीखा हमने सबसे पहले समझा कि न्यूरल नेटवर्क्स को पढ़ने की मोटिवेशन क्या है फिर हमने एक न्यूरॉन को देखा और उसको कंपेयर भी किया हमने बाइनरी लॉजिस्टिक रिग्रेशन से उसके बाद हमने एक आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क के कंपोनेंट्स देखे जो कि क्या हैं न्यूरॉन्स और उनके इंटरकनेक्शंस हमने उनमें लर्नेबल पैरामीटर्स का कॉन्सेप्ट देखा जो कि कुछ नहीं है वेट्स और बायसेस हैं जो कि इस न्यूरोल नेटवर्क को डिफाइन करते हैं उसके बाद हमने ट्रेनिंग के पासेस समझे सिर्फ ये देखा कि फॉरवर्ड पास किसे कहते हैं और हमने बैकवर्ड पास और अब वेट अपडेट्स की स्लाइटली बस थोड़ा सा बात किया लेकिन अब हमने उन्हें डिटेल में नहीं देखा जो कि हम नेक्स्ट मॉड्यूल में समझेंगे लेकिन हाँ हमने बाइनरी ए और एक मल्टी क्लास ए के स्ट्रक्चर को भी समझा थैंक यू चलिए मिलेंगे अगले मॉड्यूल में नमस्ते दोस्तों तो अब हम न्यूरल नेटवर्क में आगे बढ़ते हैं इस मॉड्यूल में हम बैक प्रोपिगेशन एल्गोरिथम समझेंगे और हम ये समझेंगे कि हम अपने वेट्स को न्यूरल नेटवर्क में अपडेट कैसे करते हैं तो आइए चलते हैं बैक प्रोपिगेशन एल्गोरिथम से तो हमने पिछले मॉड्यूल में हमने एक मल्टी क्लास एम एल पी क्लासीफायर का आर्किटेक्चर बनाया था अब यही आर्किटेक्चर हम दोबारा बना रहे हैं तो हमारे पास इनपुट में तीन फीचर्स हैं जो कि हमारा एक्स आई क्या है उसमें हमारे पास तीन फीचर्स हैं एक्स आई वन एक्स आई टू और एक्स आई थ्री और उसके बाद अब हम देख पा रहे हैं कि हमने फर्स्ट हिडन लेयर लगाई फर्स्ट हिडन लेयर के अंदर हमने चार न्यूरॉन्स लगाए और उन चारों न्यूरॉन्स का जो आउटपुट है वो हमने इस वेक्टर यू आई में कैप्चर किया है तो ये क्या है आउटपुट ऑफ फर्स्ट हिडन लेयर इसको हम हिडन लेयर क्यों कहते हैं हम इसको हिडन लेयर इसलिए कहते हैं क्योंकि पर से इसका आउटपुट हमारे पास अवेलेबल नहीं है ये हिडन है हमारे पास क्या अवेलेबल है एक्स आई अवेलेबल है और हमारे पास एंड में जो वाई आई आए आएगा आए वो अवेलेबल है ये मिडिल टैपिंग्स है जो कि हमारे को पर से बॉक्स में से न्यूरल नेटवर्क के बीच में से आउटपुट की टैपिंग नहीं है आउटपुट हमारे पास वाई है ये हमारा है आउटपुट तो अब हमारे पास यू जो है आउटपुट ऑफ फर्स्ट हिडन लेयर हैं हमने चार न्यूरॉन्स लगाए हैं तो हमारे पास यू आई वन यू आई टू यू आई थ्री और यू आई फोर चार हमारे पास आउटपुट आ रहे हैं ये अब हमने आउटपुट लेयर में डाला क्योंकि ये मल्टी क्लास क्लासिफिकेशन है और ये हमारा है थ्री क्लास क्लासिफायर तो थ्री क्लास क्लासिफायर में थ्री आउटपुट्स हैं इसलिए आउटपुट लेयर में हमारे तीन न्यूरॉन हैं और ये हमारी सॉफ्ट मैक्स लेयर लगी हुई है यहाँ पर तो इस तरह अब हमने पूरा स्ट्रक्चर बना लिया है तो अगर इन जनरल अगर आप एम क्लासिफायर का मॉड्यूल या डायग्राम बनाते हैं तो हम समर को और नॉन लीनियर एक्टिवेशन को अलग अलग नहीं दिखाते हैं हम सिर्फ एक सर्कल बना देते हैं जो कहता है हमारा न्यूरॉन वन न्यूरॉन टू न्यूरॉन थ्री न्यूरॉन फोर और आउटपुट लेयर में भी हमारे पास तीन न्यूरॉन्स हैं न्यूरॉन फाइव सिक्स और सेवन लेकिन इस आउटपुट लेयर में सॉफ्टमैक्स हमारा एक्टिवेशन फंक्शन है और हिडन लेयर में हर न्यूरॉन पे हमारे पास सिग्मोइड या टेन हाइपरबोलिक जैसा एक्टिवेशन फंक्शन है इस पूरे मॉड्यूल में हम सिग्मोइड एक्टिवेशन फंक्शन को एज्यूम कर रहे हैं तो और जो वेट्स हैं हमारे जो इंटर हैं तो जैसे ये वाले जो इंटर हैं जो ये W1 वन मेट्रिक्स है ये W1 वन मेट्रिक्स हमारे डिनोट करेगा इंटर को तो पहला फीचर हमने नोटेशन डिफाइन करी थी कि दो सब्सक्रिप्ट होंगे यहाँ पर पहला सब्सक्रिप्ट बताएगा इनपुट साइड को और सेकेंड सब्सक्रिप्ट बताएगा हमारी आउटपुट साइड को तो W11 जो है हमारा फर्स्ट फीचर को फर्स्ट न्यूरॉन से कनेक्ट करेगा और फर्स्ट फीचर को सेकेंड न्यूरॉन से अगर कनेक्ट किया जाएगा तो हम उसे कहेंगे W12 अगर हमारा फर्स्ट फीचर हमारा थर्ड न्यूरॉन से कनेक्ट हुआ तो उसको हम कहेंगे W13 और अगर फोर्थ न्यूरॉन से कनेक्ट हुआ डब्लू वन फोर और अगर हमारा थर्ड फीचर फोर्थ न्यूरॉन से कनेक्ट हुआ तो हम उसे कहेंगे डब्लू थ्री फोर तो इस तरीके से हम W1 वन मेट्रिक्स को पॉपुलेट करेंगे और डब्लू वन मेट्रिक्स में हमारे पास एंट्रीज होंगी डब्लू वन वन टिल डब्लू कितनी है हमारी हमारे पास हैं वन 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 टू वन थ्री एंड वन फोर और फिर W21 से W24 और W31 से W34 क्योंकि हमारे पास तीन ही इनपुट हैं तो ये हमारा होगा थ्री क्रॉस फोर मैट्रिक्स इनपुट साइड और ये है हमारी आउटपुट साइड तो ये हमारा लर्नेबल आ, फीचर ये हमारा पूरा लर्नेबल पैरामीटर्स का मैट्रिक्स है कन्वीनियंस के लिए हम यहाँ ये यह मान लेते हैं कि बायस टर्म्स सबकी ज़ीरो हैं सो फॉर कन्वीनियंस हम इस पूरे सेक्शन में जब हम डेरिवेशन करेंगे वी एज्यूम कि हमारी बायस टर्म्स आर ज़ीरोज़ लेकिन जब आप प्रोग्रामिंग करते हैं तो ज़रूरी नहीं है कि आपकी बायस्टम ज़ीरो हों आप बड़े आराम से उसे नॉन ज़ीरो बायस्टम भी यूज़ कर सकते हैं तो हमारे 12 तो फीचर्स 12 लर्नेबल पैरामीटर्स तो यहाँ पर आ गए W1 पे। इसी तरह यहाँ पर हमारा ये हम कह सकते हैं W2 टू मेट्रिक्स डब्लू क्या है हमारा फर्स्ट हिडन लेयर को और हमारे आउटपुट लेयर के साथ जो कनेक्शनज हैं उनको डिफाइन कर रहा है और इस सिनेरियो में भी ये जो हमारे पूरे इंटर हैं तो हमें इनको लर्न करना होगा तो यहाँ पर हम क्या कहेंगे W2 टू की हम यहाँ पर पॉपुलेट करेंगे तो ये हम सपोज करते हैं थीटा वन वन और यहाँ पर हम कहेंगे थीटा फोर थ्री क्योंकि ये हमारा फोर्थ इनपुट को थर्ड जो है आउटपुट लेयर के थर्ड न्यूरॉन से कनेक्ट कर रहा है तो इस तरीके से हम इनको फीचर्स को और मेट्रिस को डिफाइन करेंगे तो अब हम देखते हैं फॉरवर्ड पास में हम क्या करेंगे फॉरवर्ड पास में हमारा जो ट्रेनिंग डेटा है हम उसके हर सैम्पल को पास करेंगे और आउटपुट कम्प्यूट करेंगे लेकिन उससे पहले हमें ये जो हमने पीछे जितने भी वेट्स हमने डिफाइन किए W11 ये सारे हमें वेट्स इनिशियलाइज करने पड़ेंगे तो W2 मैट्रिक्स जो कि हमारा होगा थीटा वन वन से थीटा वन थ्री थीटा टू वन से थीटा वन टू थीटा टू टू थीटा टू, थीटा टू थ्री और ये हमारा होगा थीटा फोर वन क्योंकि यहाँ पर फोर इनपुट्स हैं और थ्री आउटपुट्स हैं हमें डब्लू वन और डब्लू टू को इनिशियलाइज करना होगा और इनिशियलाइज करने के बाद हम अपने ट्रेनिंग डेटा का फॉरवर्ड पास लेंगे तो उसको बोलते हैं हम फॉरवर्ड पास तो अब इसको एक बार फिर से दोबारा से समझ लेते हैं कि हम इसको कैसे कम्प्यूट करेंगे तो हमारा क्या है इनपुट फीचर है हमारा एक्साई इनपुट आया अब ये हमारा डब्लू वन का मैट्रिक्स है जो कि हमारा यहाँ पर इन इंटरकनेक्शंस पे है ये हमारा डब्लू वन मैट्रिक्स है तो वो डब्लू वन से पास हुआ यहाँ पर हमारा जेडाई वेक्टर आया ये हमारा जेड आई वैक्टर आया जेड आई वन टू ये सिर्फ समेशन के आउटपुट है लेकिन उसके बाद हर एक न्यूरॉन में एक नॉन लीनियर एक्टिवेशन है वो यू आई है तो ये नॉन लीनियर एक्टिवेशन का आउटपुट यू आई आया जिसके पहले न्यूरॉन का आउटपुट यू आई वन दूसरे का यू आई टू इस तरीके से निकाला और फिर हमने आउटपुट लेयर आई ये हमारी आउटपुट लेयर है आउटपुट लेयर में भी समेशन होगा और नॉन लीनियर एक्टिवेशन होगा लेकिन हमारी नॉन लीनियर एक्टिवेशन इस समय सॉफ्ट मैक्स लेयर है क्योंकि हम थ्री क्लास क्लासिफिकेशन कर रहे हैं तो हमारा W2 होगा और फिर S2 के बाद हमारा वाई आई कैप आएगा W1 जैसे कि हमने बताया W11 से W41 तो ये है हमारा थ्री क्रॉस फोर मैट्रिक्स और जब हम जेड आई कम्प्यूट करेंगे तो जेड आई होगा डब्लू वन ट्रांसपोज मल्टीप्लाइड बाय एक्स आई तो जेड आई की हम देख सकते हैं डायमेंशन हो जाएगी हमारी फोर क्रॉस वन ये हमारा इस तरीके से आउटपुट आएगा और एक कोई भी जेड आई जे अगर हम लिखेंगे तो जेड आई जे क्या होगा वो होगा हमारा डब्लू जे ट्रांसपोज एक्स आई क्यों इसको हम कह रहे हैं डब्लू वन वैक्टर W2 टू वैक्टर ये कॉलम को हम कह रहे हैं W3 वेक्टर और इस कॉलम को हम कह रहे हैं W4 वेक्टर। तो जब हम इसका पूरे का ट्रांसपोज करेंगे तो I डिनोट्स दी आईएथ सैंपल और J डिनोट्स दी आउटपुट ऑफ जे एथ आउटपुट ऑफ इंटरमीडिएट इंटरमीडिएट आउटपुट ऑफ इंटरमीडिएट आउटपुट ऑफ जे न्यूरॉन बीच का जो हम निकाल रहे हैं समर के बाद जो निकाल रहे हैं इंटरमीडिएट आउटपुट ऑफ जेथ न्यूरॉन तो वो क्या होगा डब्लू जे ट्रांसपोज अगर ये तीन है तो जेड आई थ्री क्या होगा वो होगा डब्लू थ्री ट्रांसपोज एक्स आई तो आप देख सकते हैं डब्लू थ्री ट्रांसपोज क्या होगा ये है हमारा ये कनेक्शनज होंगे हमारे थर्ड न्यूरॉन के तो थर्ड न्यूरॉन हम देख सकते हैं थर्ड न्यूरॉन में आउटपुट साइड थर्ड न्यूरॉन है और इनपुट साइड वन टू और थ्री डिनोट कर रहे हैं जो तीन फीचर्स आ रहे हैं तो ये हमारे थर्ड न्यूरॉन के लिंक्स हैं और जो कि हमारे मल्टीप्लाई होंगे एक्साई इनपुट फीचर से जिससे कि हमारा जेड आई थ्री बनेगा आई होप कि आपको ये अच्छे से समझ में आ गया तो अब ये जेडाई हमारा निकल हमारे पास जेडाई आ गया जेडाई आने के बाद अब हम क्या करेंगे अब फिर हम हर जेडाई को एक नॉन लीनियर एक्टिवेशन से यहाँ पर हमने सिग्मोइड यूज़ किया तो ये हमारा आउटपुट होगा तो जेडाई जे जब जाएगा इनपुट तो यू आई जे बनेगा आउटपुट और यू आई जे क्या है वन अपॉन वन प्लस जेड माइनस जेड आई जे जब यू आई जे ये यू आई सारे कैलकुलेट हो गए ये कैलकुलेट होने के बाद अब हम डब्लू टू मैट्रिक्स है तो यहाँ पर जो हमारे वेट्स हैं जो कि हमारे इस पे लगे हुए हैं ये जो हमारे वेट्स हैं ये जो इंटर हैं ये सारे वेट्स हमारे डब्लू टू हैं तो ये वेट्स हमारे डब्लू टू हैं तो अब हमारा क्या बना डब्लू टू क्या है ये क्योंकि इनपुट फोर है और आउटपुट में न्यूरॉन आउटपुट लेयर के न्यूरॉन थ्री हैं तो हमारा बना फोर क्रॉस थ्री मैट्रिक्स और इसके वेट्स को हमने डिफाइन किया है थीटा वन वन थीटा वन टू वन थ्री एंड सो ऑन तो ये हमारा पहला कॉलम जो है वो थीटा वन कॉलम वेक्टर है दूसरा कॉलम थीटा टू वेक्टर है और तीसरा थीटा थ्री थी है तो अब हमारा आर आई वन आर आई टू और आर आई थ्री क्या बनेगा आर आई जे इन जनरल क्या होगा जैसे कि हमने अपना यू आई जे जेड आई जे देखा था उसी तरह आर आई जे होगा आर आई जे भी होगा थीटा जे ट्रांसपोज यू आई यू आई उसका इनपुट है तो ये जब हम निकाल लेंगे तो उसके बाद हम क्या करेंगे अब हमने आर आई भी कंप्यूट कर लिया आर आई करने के बाद अब हम क्या करेंगे अब हम आउटपुट को कंप्यूट करेंगे तो पहले हम एक्सपोनशिएट करेंगे आर आई को यहाँ पर तीनों में और उसके बाद हम उनको नॉर्मलाइज करेंगे तो वाई आई के क्या होगा आर आई के इन जनरल अगर हम देखें वट इज़ वाई आई वन कैप वो होगा हमारा ई रेस टू दी आर आई वन डिवाइडेड बाय तीन है इनपुट ई रेस टू दी आर आई वन प्लस ई रेस टू दी आर आई टू प्लस ई रेस टू दीपार आर आई थ्री और इन जनरल अगर हमने के लिया तो सिर्फ यहाँ पर के हो जाएगा नीचे तो हमने तीनों ही इनपुट का सम किया हुआ है तो इस तरीके से हम आर आई के निकाल लेंगे वाई आई के निकाल लेंगे वाई आई वाई कैप आई के हम बाहर निकालेंगे तो ये हमारा आउटपुट आया और हर आउटपुट क्या बता रहा है ये हमारा बता रहा है प्रोबेबिलिटी दैट वाई आई के इज इक्वल टू वन गिवन वॉट हमारे पर ट्रेनिंग डेटा और हमारा डब्लू वन और हमारा डब्लू टू इन सब को यूज़ करते हुए ये हमारा वाई आई आई एथ सैंपल की क्लास प्रिडिक्शन की प्रोबेबिलिटी बता रहा है तो जब हम इस तरीके से वाई आई कैप के निकाल लेंगे उसके बाद हमने क्या करना है कि हमारे पास टोटल सैंपल्स कितने हैं हमारे पास लेटस से स्मॉल एन नंबर ऑफ सैंपल्स हैं तो हम स्मॉल एन एन नंबर ऑफ सैंपल्स देखेंगे ये हमारे टोटल ट्रेनिंग सैंपल्स हैं और हमारे पास तीन क्लासेस हैं तो हमने डिनोट किया k इज़ इक्वल टू वन टू थ्री ये है हमारी नंबर ऑफ क्लासेस अब हम टोटल डेटा पर इस तरीके से हम अपना नेगेटिव साइन के साथ लॉस कैलकुलेट करेंगे तो ये हम लॉस डिफाइन किया और हम इसको कंप्यूट कर लेंगे तो टोटल लॉस हमारा j W1 W2 ये हमारा टोटल लॉस आ जाएगा तो फॉरवर्ड पास में हम क्या करेंगे कि हमने इनिशियली सारा अगर ये हमारा पहला फॉरवर्ड पास है तो हम सारे वेट्स को रैंडमली इनिशलाइज़ करेंगे अब सबके ऊपर कुछ वैल्यूज़ है हो सकता है आपने कहा कि नहीं नहीं सारे ही वेट्स को इनिशलाइज कर दो विद लेटर से वैल्यू इक्वल टू जीरो पॉइंट टू तो सारे ही वेट्स पे जीरो पॉइंट टू वैल्यू हो गई डब्ल्यू मेट्रिक्स में भी जीरो पॉइंट टू जीरो पॉइंट टू हो गई डब्ल्यू टू मेट्रिक्स में भी जीरो पॉइंट टू जीरो पॉइंट टू हो गई अब इनपुट ट्रेनिंग सैंपल आएंगे वो इसके नेटवर्क के थ्रू प्रोफिगेट करेगा आउटपुट पर हम वाई वाई आई कैप निकालेंगे और उससे लॉस कंप्यूट करेंगे हर सैंपल के लिए कर लेंगे तो हमारे पास ये टोटल लॉस आ जाएगा ये हुआ जब हमने पहला फॉरवर्ड पास किया और पहले फॉरवर्ड पास के बाद हम इस तरीके से लॉस को कंप्यूट कर सकते हैं अब उसके बाद हमें क्या करना होगा अब हम लगाएंगे डिसेंटल एल्गोरिथम ग्रेडियंट डिसेंट एल्गोरिथम क्या है ये एक ऑप्टिमाइजेशन एल्गोरिथम है टू मिनिमाइज द लॉस आइटिवली एंड एज अ फंक्शन ऑफ पैरामीटर्स तो हम पैरामीटर्स को के रिस्पेक्ट में ग्रेडियंट निकालेंगे लॉस का और फिर उससे हम वेट्स को अपडेट करेंगे तो हम क्या करते हैं वी कंप्यूट द ग्रेडियंट तो जो हमारा जे लॉस है हम इसका ग्रेडियंट कंप्यूट करते हैं विद रिस्पेक्ट टू लेट से एनी वेट सपोज करिए आप आई जे एथ वेट को अपडेट कर रहे थे तो आपने कहा कि हमने डब्ल्यू आई जे को हमने इसके रिस्पेक्ट में ग्रेडियंट निकाल लिया तो अब आप क्या करेंगे हम अपडेट करेंगे वेट को एज़ डब्ल्यू लेट से आई जे इन टी प्लस वन एथ हाइड्रेशन इज इक्वल टू डब्ल्यू आई जे इन टी एथहाइट्रेशन माइनस ईटा ईटा डिनोट्स दैट इट्स योर लर्निंग रेट एंड नेगेटिव बिकॉज़ यू वुड लाइक टू मूव इन द डायरेक्शन ऑपोजिट टू द ग्रेडियंट इस तरीके से तो आपका अगर सपोज करिए आपका एक ही वेट था डब्लू यहाँ पर और ये आपका लॉस था तो कुछ इस तरीके से आपका कर वोगा हो सकता है आप यहाँ पर बैठे हैं तो आप यहाँ पर ग्रेडियंट कंप्यूट करेंगे ग्रेडियंट इस डायरेक्शन में पॉइंट करेगा लेकिन आप किस डायरेक्शन में मूव करेंगे यू विल मूव इन द डायरेक्शन ऑपोजिट टू द ग्रेडियंट तो आप इस तरीके से मूव करेंगे और ये जो आप हाइट लेंगे दिस विल बी करस्पोंडिंग टू ईटा इस तरीके से फिर आप इस पॉइंट पे आ जाएंगे फिर आप ग्रेडियंट कम्प्यूट करेंगे और नेगेटिव डायरेक्शन में मूव करेंगे और फिर आप इस पॉइंट पे आ जाएंगे। इस तरीके से आप यू मूव करते करते यू विल कम डाउन ऑन दिस एंड यू वुड लाइक टू रीच हियर दिस पॉइंट इट्स योर डब्लू लेट्स से डब्ल्यू ज़ीरो इस पॉइंट पे जब आप पहुँचे तो आपने कहा लेट से इट इज़ डब्लू वन एंड सो ऑन और इसको आप कहेंगे W ऑप्टिमम। इस तरीके से आप नीचे आइट्रेट हो सकता है आप इनिशियली यहाँ से शुरू करें तो जब हम रैंडम इनिशलाइज कर इनिशलाइजेशन करते हैं तो हम कर्व पे कहीं पर बैठे होते हैं और उसके बाद हम धीरे धीरे उसका ग्रेडियंट के ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव करते हुए हम उस पर नीचे आते हैं और इस तरीके से हम अपने वेट्स को अपडेट करते हैं अनटिल कि हम उस वेट को फर्दर हम उसको कितने भी ई पॉक चलाएं या कितने भी बार 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 बार, बार इस प्रोसेस को करें फॉरवर्ड पास बैकवर्ड पास फॉरवर्ड पास बैकवर्ड पास वो हमारे अब और अपडेट नहीं होगा तो अब हम बैक प्रोपिगेशन एल्गोरिथम को देखते हैं तो अब हम समझते हैं कि हम इसको बैक प्रोपिगेशन को लगाएंगे कैसे तो यहाँ पर हमने देखा कि हमारी तीन क्लासेज हैं के इज़ इक्वल टू वन टू थ्री हम इसको पूरा एक्सपैंड करके इस तरीके से भी लिख सकते हैं माइनस आई इज इक्वल टू वन टू एन और फिर हम ये पूरा तीनों टर्म्स को एक्सपैंड करके अपना लॉस फंक्शन लिख दें तो यही हमने यहाँ पर किया कि हमने जे अब लॉस क्या है हमारा फंक्शन ऑफ W1 W2 क्योंकि W1 और W2 ही हैं जो कि हमें लर्न करने हैं इन्हीं का इन्हीं का ये अब लॉस हमारा टोटल फंक्शन है तो अब हमने यहाँ पर इसको पूरा एक्सपेंड करके लिख लिया और हमारे पास ट्रेनिंग सैम्पल्स कितने हैं I इज़ इक्वल टू वन टू टिल एन आर आई के क्या हैं अब हमारे आर आई के हमने देखे थे तो आर आई के हमारे यहाँ पर डिफाइंड हैं और ये हमारे फंक्शंस ऑफ हमारे आर आई के जो थे वो फंक्शंस ये यहाँ पर डिफाइंड है और ये किसके फंक्शंस हैं ये यहाँ पर हमारा डब्लू टू डिफ़ाइंड था डब्लू टू के फंक्शंस है ये हमारा डब्लू वन के वेट्स यहाँ पर इन लिंक्स पर हैं तो आर आई के क्या है हमारा आर आई के हमने देखा था थीटा के ट्रांसपोज यू आई ए तो अगर हम लॉस को देखें तो लॉस में आर आई वन ये हमारा है फंक्शन ऑफ थीटा वन आर आई टू फंक्शन ऑफ थीटा टू और आर आई थी फंक्शन ऑफ थीटा थ्री और वो हम इस एक्सप्रेशन से भी देख सकते हैं तो जब हम डेल जे बाय डेल थीटा वन करेंगे तो हमारा क्या आएगा हम इसका डेरिवेटिव अगर लॉस का लें विद रिस्पेक्ट टू थीटा वन तो हमने क्या किया हमने आउटपुट कम्प्यूट किया आउटपुट पे लॉस दिया तो आप देखिए सॉफ्ट मैक्स लेयर में कोई लर्नेबल पैरामीटर नहीं है लर्नेबल पैरामीटर हमारा कहाँ पर है या जिसके रिस्पेक्ट में हम ग्रेडियंट कंप्यूट करेंगे जिसको लर्न करना है वो हमारा डब्लू टू है तो सबसे पहले जब हम लॉस को पीछे लेके जाते हैं तो हमारे जो वे जो हमारे ग्रेडिय जो हमारे लर्नेबल पैरामीटर्स हैं वो W2 में हैं तो हम W2 के जो वेट्स हैं उनके रिस्पेक्ट में अब हम इसको डेरिवेटिव को कंप्यूट करेंगे तो हम डेल जे बाय डेल थीटा वन लेंगे तो जे यहाँ पर है हमारा अब आर आई वन हमारा फंक्शन ऑफ थीटा वन है तो आर आई वन हमारा क्या है थीटा वन ट्रांसपोज यू आई आर आई टू हमारा क्या है थीटा टू ट्रांसपोज यू आई दिस इज़ नॉट अ फंक्शन ऑफ नॉट अ फंक्शन ऑफ थीटा वन तो हमारा थीटा वन का फंक्शन सिर्फ आर आई वन है तो आर आई वन के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव कंप्यूट होगा आर आई टू आर आई थ्री के रिस्पेक्ट में वो ज़ीरो हो जाएगा वाई आई वन प्लस वाई आई टू प्लस वाई आई थ्री ये क्या होगा दिस सम विल ऑलवेज बी इक्वल टू वन तो ये भी हमारा नहीं दिखाई देगा तो हमारी सिर्फ यही टर्म हमारी दिखाई देगी और इसमें तो पहले हम डेरीवेटिव पहली इसमें भी विद रिस्पेक्ट टू तो आर आई वन लेंगे इसका विद रिस्पेक्ट टू तो, विद रिस्पेक्ट टू तो आर आई वन ये जीरो हो जाएगा डेरीवेटिव विद रिस्पेक्ट टू तो आर आई वन यहाँ पर जीरो हो जाएगा और जब लास्ट टर्म का कंप्यूट करेंगे तो वो हमारा आएगा यू आई आर आई वन तो अब इसका डेरिवेटिव खुद कंप्यूट करिए तो आप पाएंगे आई इज इक्वल टू वन टू एन तो समेशन एज इट इज रहा वाई आई वन मल्टीप्लाइड बाय यू आई क्योंकि डेरिवेटिव आर आई के का क्या है आर आई डेरीवेटिव ऑफ दिस विद रिस्पेक्ट टू थीटा वन इज नथिंग बट इक्वल टू यू आई तो इसलिए हमारा बना वाई आई वन यू आई माइनस यू आई ई रेस टू दर आर आई वन डिवाइडेड बाई दस और इसमें यू आई बाहर निकाल लें तो पहली टर्म हमारी वाई आई वन है और जो लास्ट टर्म है ये जो टर्म है ये वाली ये टर्म हमारी कुछ नहीं है बल्कि वाई आई वन कैप है तो इस तरीके से ये हमारा एक्सप्रेशन आ गया डेल जे बाई डेल थीटा वन का थीटा वन यहाँ पर क्या है पूरा वेक्टर है अब इसको हम दोबारा ध्यान से देखते हैं तो ये हमारा पूरा लॉस टोटल लॉस है अब इस लॉस का हमने विद रिस्पेक्ट टू एनी थीटा के जब हम डेरिवेटिव लेंगे तो वो हमारा वाई आई करस्पॉन्डिंग वाई आई के आएगा तो हम देखेंगे यहाँ पर क्योंकि आर आई के ये है तो डेल आर आई के बाई डेल थीटा के विल बी इक्वल टू यू आई लेकिन आर आई के का आर आई जो डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू थीटा के है सो फॉर के बट डेल आर आई जे अपॉन डेल थीटा के इज इक्वल टू जीरो फॉर जे नॉट इक्वल टू के तो ये हमारा एक ये भी हमारी वैल्यू मेंटेन होगी और इसके कारण हमारा डेल जे बाय डेल थीटा के हमारा ये एक्सप्रेशन आएगा और उसको हम इस तरीके से ये के हमारा फिगर आउट करेगा अगर ये के के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव है तो जैसे अगर थ्री के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव है तो ये हमारा यहाँ पर थ्री दिखाई देगा अगर ये थ्री के रिस्पेक्ट में है इस तरीके से अब जब हमारा ये आ जाएगा तो थीटा के क्या होगा अब हम अपडेट करेंगे टीएथ आइट्रेशन ये आइट्रेशन नंबर है टी डिनोट्स दी आइट्रेशन नंबर तो हम क्या करते हैं आइट्रेशन कैसे हम कंप्यूट करते हैं पहली आइट्रेशन में हम फॉरवर्ड पास गए और हमने फॉरवर्ड पास जाके एरर निकाला अब वो एरर हमने निकाल लिया अब हम बैक प्रोपेगेट करेंगे तो इनिशियली t इक्वल टू वन पे हम यहाँ से यहाँ गए अब हम बैक प्रोपेगेट करेंगे बैक प्रोपेगेट करते समय अब हम वेट को अपडेट करेंगे और जो अपडेटेड वेट होगा उसको हम नेक्स्ट आइट्रेशन में यूज़ करेंगे तो हम नेक्स्ट इटरेशन का थीटा क्या होगा तो इनिशियली अगर थीटा t इक्वल टू वन है पहली आइट्रेशन है तो थीटा के फॉर द सेकेंड आइट्रेशन जो कि हम सेकेंड फॉरवर्ड पास में यूज़ करने वाले हैं वो हम कैसे निकालेंगे थीटा के ऑफ द फर्स्ट पास प्लस ईटा टाइम्स जो हम हमने ये फंक्शन निकाला तो आप देखिए एक नेगेटिव साइन पहले है एक नेगेटिव साइन हमारा यहाँ पर था ये हमारा था माइनस ईटा ऑफ यहाँ पर लॉस तो ये नेगेटिव साइन और ये वाला नेगेटिव साइन दोनों मिलके पॉजिटिव हो जाएंगे और हमारे पास ये एक्सप्रेशन बचेगा तो इस तरीके से और अगर इसमें हम थीटा के क्योंकि एक वेक्टर है अगर इसका हम जेत कंपोनेंट देखें तो वो जेत कंपोनेंट हमें इस तरीके से दिखाई देगा तो जैसे कि सपोज़ करिए कि हम ये वाला वेट अपडेट करना चाहते हैं ये वेट क्या होगा इनपुट तो फोर्थ न्यूरॉन है और आउटपुट थर्ड पे जा रहा है तो ये है थीटा फोर थ्री तो थीटा फोर थ्री क्या होगा थीटा फोर थ्री इन द प्रीवियस फॉरवर्ड पास प्लस ईटा टाइम्स अब ये होगा हमारा यहाँ पर यू आई था तो आप देखिए कौन सा यू आई कनेक्ट होगा यू आई फोर कनेक्ट होगा यू आई फोर तो आई जे ये जे जो था हमारा ये इनपुट साइड थी और ये के जो थी हमारी आउटपुट साइड थी है ना ये इनपुट साइड है इनपुट साइड और ये आउटपुट साइड है अब आउट इनपुट पे क्या आ रहा है यू आई इनपुट साइड पे क्या आ रहा है यू आई और आउटपुट साइड पे क्या जा रहा है हमारा आर आई या वाई आई तो इसीलिए अब आप देखेंगे थीटा फोर थ्री प्लस ईटा टाइम्स इनपुट है यू आई फोर और आउटपुट क्या हो रहा है ये आउटपुट का ये आउटपुट साइड है और ये हमारी इनपुट साइड का नंबर है इस तरीके से हम जे और के को समझ सकते हैं तो ये यू आई फोर इस तरीके से हम इसको पूरे को निकालेंगे इस तरीके से अब हमने क्या किया हमने डब्लू टू को हमने निकाल लिया फॉर टी प्लस वन में अब इसको हम और भी कैसे देख सकते हैं हम नॉर्मली कहते हैं कि बैक प्रोपोगेशन में चेन रूल इस्तेमाल किया जाता है तो बेसिकली हम ये भी कह सकते हैं हमने डेल्टा जे हर सैम्पल के लिए हमने डेरीवेटिव लिया विद रिस्पेक्ट टू आर आई के और फिर हमने आर आई का डेरीवेटिव लिया विद रिस्पेक्ट टू थीटा के और इस तरीके से हमने फिर डेल जे बाय डेल थीटा के निकाला तो ये हमारा है चेन रूल तो ये इस तरीके से हम चेन रूल से डेरिवेटिव निकालेंगे तो जे आई क्या है जे आई हमारा ये एक्सप्रेशन है वाई फॉर आई एच सैंपल अब हमने समेशन नहीं लगा रहे हैं आई एच सैम्पल के लिए यही हमारा जे आई है हमने अभी देखा है और आर आई के क्या है वो हमारा ये फैक्टर है तो डेल जे बाई डेल आर आई के क्या होगा अगर हम इधर देखें तो जिस भी आर आई के रिस्पेक्ट में हम निकालेंगे उसी का डेरीवेटिव हम ले लेंगे तो के तो ये हो जाएगा वाई आई के पहली टर्म वाई आई के और दूसरी ये आई है यहाँ से इनमें से आएगी और ये वाली दूसरी टर्म जो आएगी ये वाली ये आएगी इसके डेरिवेटिव से और ये हमारा क्या हो गया वाई आई के माइनस वाई आई वाई कैप आई के और यहाँ पर जब हम डेरिवेटिव लेंगे आर आई के का विद रिस्पेक्ट टू तो थीटा के तो ये हमारा हो जाएगा यू आई और इसलिए अब हम इसको कैसे कंप्यूट करेंगे अब इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो और आप यहाँ पर लिख दो

और जे डिनोट कर रहा है ये इनपुट साइड का नोट डिफाइन कर रहा है और ये आउटपुट साइड की नोट डिफाइन कर रहा है ये याद रखेंगे तो हम आराम से इस पर सब्सक्रिप्ट लगा पाएंगे अब हमने यहाँ तक पहुँच गए लेकिन अब हमने पहले W2 तो हमने अपडेट कर दिया लेकिन अभी हमारा W1 अपडेट होना बाकी है तो W1 अपडेट की भी वही इक्वेशन होगी तो सपोज करिए हम W12 देखते हैं तो W12 वन कहाँ होगा ये इनपुट साइड है तो इसका मतलब इनपुट फीचर इज़ वन और आउटपुट न्यूरॉन इज़ टू तो ये वाला जो लिंक है ये लिंक जो है इस पे है हमारा W12। ये हमारा ये वाला वेट हम अपडेट करेंगे तो क्या करेंगे टी प्लस वन एथ हाइड्रेशन पर निकालेंगे जो टी एथ हाइड्रेशन में है माइनस ईटा टाइम्स अब क्या होगा दोबारा हम वही करेंगे टोटल एन सैम्पल्स हैं और थ्री क्लासेज हैं तो डेल जे आई बाई डेल आर आई के मल्टीप्लाइड बाई डेल आर आई के बाय डेल यू आई टू क्योंकि अब ये टू आ गया हमारा राइट तो ये हमारा आ, इ, इस जो आउटपुट साइड है वो टू है तो यहाँ पर टू फिक्स हो जाएगा फिर आई टू क्योंकि ये जो ये जो वेट है ये सीधा हमारा इसी लिंक पे जा रहा है यहाँ जा रहा है यहाँ से ये प्रोपिगेट करेगा और फिर ये इधर भी जाएगा इधर भी जाएगा इधर भी तीनों में जाते हुए यहाँ जाएगा राइट तो ये इस तरीके से जाएगा इसलिए हम क्या करेंगे जब हम बैक प्रोपिगेट करेंगे तो हम वाई आई वन से भी आएंगे तो इस बात से भी वापस आएंगे और हम इधर से भी वापस आएंगे और हम तीसरे से भी वापस जाएंगे तीनों से हम वापस जाएंगे और जाते हुए फिर हम यहाँ पर जाते हुए इसको हम अपने को अपडेट करेंगे इसलिए हमने k इज इक्ल टू वन टू थ्री भी यूज़ किए और आर आई के बाई यू आई टू और यू आई टू फिर हमारा यू आई टू हमारा किस पे जा रहा है जेड आई तो यहाँ से हम आए डेल जे आई बाय आर आई के आर आई वन आर आई टू आर आई थ्री फिर आर आई के से हम आएंगे यू आई पे करस्पॉन्डिंग यू आई टू पर आना होगा हमें आर आई वन से भी यू आई टू पर आर आई टू से भी और आर आई थ्री से भी यू आई टू पर आने के बाद हम जाएंगे जेड आई टू जो हमारी ये वाली टर्म है जेड आई टू जाने के बाद फिर हमें निकालना है डेल जेड आई टू बाय डेल वन टू या Uh, W12 वन टू इस तरीके से हमें निकालना है अब हमें ये सारी निकालनी है डेल जे आई बार डेल आर आई के ये हमने निकाल ली है ये हमारी ये वैल्यू होती है हमने पीछे ही निकाला है आर आई के हमारा इस तरीके से लिखा हुआ है अब हमने ट्रांसपोज भी लगाया और टीएथ हाइड्रेशन भी लगाई क्योंकि फॉरवर्ड पास जाते हुए ये टी एथ हाइड्रेशन के जो वेट्स थे वो हमें लेने हैं जो हम यहाँ पर ग्रेडियंट कंप्यूट करते हुए जो भी वैल्यू आएंगे उसमें डालेंगे तो ये हो गया आर आई के बाई यू आई टू थीटा टू ट्रांसपोज थीटा टू थीटा टू के एट द टी एथ हाइड्रेशन उसके बाद यू आई जे लिखा वो हमारा ये एक्सप्रेशन है जब हम यू आई का डेरिवेटिव लेंगे विद रिस्पेक्ट टू तो डेल जेड आई तो यू आई जे का डेरिवेटिव डेल जेड आई जे के करस्पॉन्डिंग ये होता है तो अगर हमने यहाँ पर टू ले रखा है जेड आई टू ले रखा है तो हम यू आई टू का जब जेड आई टू की लेंगे तो हम जे की जगह टू सब्सटीट्यूट करके ये वैल्यू निकालेंगे अब जेड आई जे हमारा क्या है जेड आई जे हमारा लीनियर कंबाइनर के बाद आउटपुट है वो हमारा ये एक्सप्रेशन है ठीक तो डेल जेड आई जे बाय डेल एल जे क्या होगा वो हमारा होगा आई एल और इस तरीके से डेल जेड आई यहाँ पर हमें क्या निकालना है डेल जेड आई टू बाय डेल डब्लू वन टू तो वो होगा हमारा एक्स आई वन तो इस तरीके से अगर आप ध्यान दें तो हमने पहली टर्म निकाली वो ये है फिर हमने दूसरी टर्म निकाली वो हमने यहाँ से निकाली ये यह वाली यहाँ से ये निकाली हमने ये सेकेंड टर्म है हमारी इसको लिखते हैं हम फर्स्ट इसको लिखते हैं सेकेंड फिर ये है थर्ड और ये है फोर्थ तो हमारी फर्स्ट ये है सेकेंड ये है थर्ड हमारी ये टर्म है और फोर्थ हमारी यहाँ पर आई है फोर्थ टर्म अब इन चारों को हम सब्सटीट्यूट कर देंगे तो चारों को जब सब्सटीट्यूट करेंगे तो पहली टर्म डाली दूसरी थीटा के, तीसरी ये और चौथी ये इन चारों को हम यहाँ पर डाल देंगे तो इस तरीके से अब हम अपना डब्लू को अपडेट कर लेंगे क्योंकि एक नेगेटिव साइन हमारा यहाँ था और एक नेगेटिव साइन हमारा यहाँ था तो टोटल हमारा ये पॉजिटिव साइन बन जाएगा इस तरीके से अब हमने इसी तरह हम सारे डब्लूज़ को अपडेट कर लेंगे तो इन जनरल हम डब्लू एल जे कैसे लिख सकते हैं डब्लू एल जे को हम इस तरीके से इन एक्सप्रेशन से लिख सकते हैं एल हमारी इनपुट साइड है और जे हमारी आउटपुट साइड है तो जो हमारे यू होंगे वहाँ पर हम देखेंगे तो यू के अंदर हमने यहाँ पर एल जो है वो हमारा यहाँ पर आ रहा है और बाकी सारे हमारे जे हैं जो कि हमारे आउटपुट साइड हैं तो सिर्फ एल जो है ना हमारा इस साइड पर आएगा ये है हमारा एल तो क्योंकि ये जब जेड से पीछे जाएंगे, तो वो फीचर की तरफ जा रहे हैं वहाँ पर हमारा ये एल लगा हुआ है तो यहाँ पर ये एल है और बाकी सारे यू आई जे और इस तरीके से हैं और आउटपुट क्लास की तरफ जब हम जाने लगेंगे तो हमने के सिंबल डिनोट किया ये क्लासेस के लिए है आउटपुट क्लास के लिए है ठीक इस तरीके से हम इसको बैक प्रोपिकेशन करेंगे तो हमने देखा कि हम बैक प्रोपिकेशन से W1 के भी वेट्स अपडेट कर सकते हैं जो कि डब्लू वन टू डब्लू इस तरीके से हैं W2 के भी वेट्स अपडेट कर सकते हैं जो कि हमारे थीटा वन टू थीटा वन थ्री एंड सो ऑन इस तरीके से हैं और ये जब हम सब्सटीट्यूट करेंगे तो ये हमारा एक्सप्रेशन आ गया डब्ल्यूज के अपडेट्स का अब ग्रेडियंट डिसेंट के भी डिफरेंट टाइप्स होते हैं हम कई बार कहते हैं कि हम अलग अलग तरह के यूज कर सकते हैं तो जैसे पहला हुआ बैच ग्रेडियंट डिसेंट बैच ग्रेडियंट डिसेंट का मतलब ये है कि हम सारे ट्रेनिंग डेटा को पहले फॉरवर्ड पास करेंगे पूरे ट्रेनिंग डेटा को और जब सारा ही ट्रेनिंग डेटा से पूरे ट्रेनिंग डेटा से हमारा लॉस कंप्यूट हो जाएगा तो हम टोटल लॉस बनाएंगे फिर ग्रेडियंट कंप्यूट करेंगे बैक प्रोपिगेट करेंगे और वेट्स को अपडेट करेंगे तो हम यहाँ पर कॉन्सेप्ट हमारा ई का बहुत हेल्पफुल है तो वन ई किसे कहते हैं वन ई हम कहते हैं वेन एंटायर ट्रेनिंग डेटा इज एंटायर ट्रेनिंग डेटा इज यूज डेटा इज यूज इंटायर ट्रेनिंग डेटा इज यूज वंस राइट तो अग पर हमारा बैच ग्रेडियंट डीसेंट है तो एक ही पॉक में कितनी बार वेट अपडेट होंगे सो नंबर ऑफ टाइम्स द वेट्स एनी वेट इज अपडेटेड एनी वेट इज अपडेटेड ड्यूरिंग एन ईपॉक ड्यूरिंग वन ईपॉक इज इक्वल टू वंस क्योंकि पूरा डेटा आपने पहले फॉरवर्ड पास किया टोटल लॉस कंप्यूट किया फिर एक बार ग्रेडियंट बैक प्रोपिगेट किया और बैक प्रोपिगेट करते समय वेट्स अपडेट किए

जब तक पूरा डेटा नहीं चला जाएगा तब तक अपडेट नहीं करेगा तो बड़ा स्लो हो जाएगा बहुत धीरे 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 अपडेट होगा तो कई बार आप कहते हैं कि नहीं ये अपडेट भी इतना स्लो अपडेट काम नहीं कर रहा तो स्टोकेस्टिक ग्रेडियंट डिसेंट भी यूज़ कर सकते हैं स्टोकेस्टिक ग्रेडियंट डिसेंट क्या कहता है कि एक बार में एक सैंपल को फॉरवर्ड पास करो उसका लॉस कंप्यूट करो बैक प्रोपेगेट करो और वेट्स अपडेट करो तो इसका मतलब कितनी बार

तो ये भी बड़ा स्लो हो जाएगा क्योंकि और बड़ा जिक्जैक्ट जिक्गैक्ट चलेगा क्योंकि अब एक सैंपल इधर डालेगा एक सैंपल उधर फेंकेगा तो आपका जो लॉस वर्सेस ई का कर्व है वो बड़ा सा हम एक लॉस वर्सेस ई का कर्व बनाते हैं न्यूरल नेटवर्क के केस में तो ये जो लॉस वर्सेस ई का कर्व है जो नीचे आना चाहिए तो बैच ग्रेडियंट डिसेंट में बड़ा स्मूथ होगा लेकिन अगर स्टोकेस्टिक ग्रेडिएंट डिसेंट है तो बड़ा ही किंकी सा और बड़ा धीमे धीमे ऊपर नीचे जाते हुए होगा और ये स्लो भी हो जाएगा कॉम्पिटिशनल कॉस्ट भी इसकी बढ़ जाएगी तीसरा तरीका होता है हमारा मिनी बैच ग्रेडिएंट डिसेंट इन दोनों के बीच में अब हम कहेंगे हम अपने पूरे ट्रेनिंग डेटा के ना थोड़े से बैचेज बना लेते हैं तो हो सकता है आप आप दिव... बताएंगे हो सकता है आपने कहा माई बैच साइज इज लेटेट से थर्टी टू इज़ इक्वल टू अ बैच साइज तो ये मिनी बैच का साइज़ होगा अब आप क्या करेंगे ट्रेनिंग डेटा को छोटे छोटे बैचेस में डिवाइड करेंगे एक बार पूरे बैच को फॉरवर्ड पास करेंगे और उस पर लॉस कंप्यूट करेंगे और उसे अपडेट करेंगे तो अब कितनी बार एक बार में ड्यूरिंग वन ईपॉक हाउ मेनी टाइम्स यू विल अपडेट अब ड्यूरिंग वन ईपॉक यू विल अपडेट एन बाई थर्टी टू टाइम्स यू विल अपडेट अपडेट द ये इन दोनों के बीच में लाई करता है लेकिन अब ये जो मिनी बैच साइज है ये आपका हाइपर पैरामीटर हो जाता है तो न्यूरल नेटवर्क्स में हम दो तरह के पैरामीटर्स की बात करते हैं पैरामीटर जो कि हम लर्न करेंगे हाइपर पैरामीटर जो कि हम फ्रंट ट्रेनिंग शुरू होने से पहले डिसाइड करेंगे और ये हाइपर पैरामीटर जो होता है ये हमारी चॉइस ऑफ द नेटवर्क होती है तो इसको हम लेकिन ड्यूरिंग ट्रेनिंग ये अपडेट नहीं होगा ये डेटा को देख के अपडेट नहीं होगा लेकिन हाँ अगर आपने एक हाइपर पैरामीटर सपोज करिए आपने मिनी बैच साइज इनिशियली थर्टी चूज़ किया बहुत अच्छी परफॉर्मेंस नहीं आई तो आप इसको ऑप्टिमाइज़ ज़रूर करना चाहते हैं फिर आप दोबारा स्क्रैच से ट्रेनिंग करेंगे लेकिन हो सकता है इस बार आप कहें कि मैं अपना हाइपर पैरामीटर 64 रखना चाहते हैं तो इस तरीके से आप डिफरेंट हाइपर पैरामीटर्स को चूज करते हैं लेकिन हाइपर पैरामीटर आप चूज करते हैं और पैरामीटर्स आप लर्न करते हैं तो एक नेटवर्क को बिल्ड करने के लिए न्यूरल नेटवर्क के क्या करेंगे कि आपको नंबर ऑफ लेयर्स डिसाइड करनी होंगी नंबर ऑफ न्यूरॉन्स इन ईच लेयर डिसाइड करनी पड़ेगी तो यह भी आपके क्या है हाइपर पैरामीटर्स आपको एक लॉस फंक्शन यूज़ करना होगा ऑप्टिमाइज़र चूज़ करेंगे हमारे पास डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑप्टिमाइजर्स होते हैं जैसे आ, हमने कहा एस जी डी स्टोकैस्टिक रेडियंट डिसट या हमने कहा कि हम एडम आडा ग्रेड बहुत तरह के ऑप्टिमाइज़र्स हैं तो हम ऑप्टिमाइज़र चूज़ करते हैं हम इवेलुएशन मेट्रिक्स चूज़ करते हैं तो अगर क्लासीफिकेशन है तो एक्यूरेसी या डिफरेंट मेट्रिक डिसाइड करेंगे हम इनिशियली वेट्स को इनिशलाइज़ कैसे करें ये भी हमारी चॉइस होती है तो कई तरह की वेट इनिशलाइजेशन स्ट्रैटेजीज हैं तो हम वेट इनिशलाइज करेंगे हो सकता है हम ये कहें कि रैंडमली हमने गौशियन नंबर से जीरो से वन के बीच में लेके और उन्हें इनिशलाइज कर दिया हम एक लर्निंग रेट चूज करेंगे हम अपने डेटा को ट्रेन वैल और टेस्ट में भी डिवाइड करेंगे फिर हम अपना नेटवर्क सेट करके हम उसकी नेटवर्क की ट्रेनिंग करेंगे जिनमें हम इन वेट्स और बाइसेस को लर्न करेंगे फाइनली जब हमारा लॉस वर्सेस ई का जो ग्राफ है ये जो लॉस वर्सेस ई है जब ये हमारा कन्वर्ज कर जाएगा इस तरह स्टेबल हो जाएगा तब हम कहेंगे और अगर ये लॉस भी हमारा कम हुआ तो हम कहेंगे नेटवर्क ट्रेन हो गया अगर ये लॉस बहुत ज़्यादा है तो भी हम कहेंगे नेटवर्क ट्रेन नहीं हुआ तो हम हाइपर पैरामीटर फिर बदल देंगे और इस तरीके से करते हुए जब हमारा ट्रेन हो जाएगा तब हम प्रडिक्शन अपनी टेस्ट डेटा पर लेंगे तो इस मॉड्यूल में हमने क्या देखा इस मॉड्यूल में हमने न्यूरो नेटवर्क की ट्रेनिंग के बारे में समझा हमने बैक प्रोपिगेशन एल्गोरिथम देखी हमने चेन रूल समझा जो कि हमारा ग्रेडियंट कंप्यूट करने में हमारी मदद करता है इसके अलावा हमने ग्रेडियंट डिसेंट एल्गोरिथम को भी समझा और हमने ये समझा कि इसके डिफरेंट टाइप्स क्या हैं जो कि स्टोकेस्टिक ग्रेडियंट डिसेंट बैच ग्रेडियंट डिसेंट और मिनी बैच ग्रेडियंट डिसेंट हैं और हमने थोड़ा बहुत ट्रेनिंग स्ट्रैटेजी के बारे में बात किया चलिए अब हम मिलेंगे अगले मॉड्यूल में जिसमें हम थोड़े एक दो एग्जाम्पल्स एक भी करेंगे नमस्ते दोस्तों आइए अब हम कुछ एग्जाम्पल्स पढ़ते हैं तो इस मॉड्यूल में हम क्या सीखेंगे इस मॉड्यूल में हम दो एग्जाम्पल्स करेंगे एक हम करेंगे थ्री क्लास क्लासिफिकेशन का और दूसरा करेंगे हम रिग्रेशन का दोनों के लिए ही हम न्यूरल नेटवर्क्स का इस्तेमाल करेंगे तो आइए चलते हैं हमने पिछले मॉड्यूल में सीखा कि एक थ्री क्लास मल्टीलेयर परसेप्ट्रॉन क्लासीफायर या न्यूरल नेटवर्क मॉडल कैसा होता है हमने इन्हीं इसी आर्किटेक्चर या ये जो आप डायग्राम देख रहे हैं हमने इसी की सारी इक्वेशंस लिखी थी और हमने इसी के लिए बैक प्रोपिगेशन भी स्टडी किया था तो अब हम इसको थोड़ा सा रिकैप करते हैं हमारे पास इनपुट फीचर्स किस साइज का है थ्री क्रॉस वन का इसका मतलब है कि हमारा हर सैम्पल में तीन फीचर्स हैं उसके बाद हमने पहली हिडन लेयर लगाई पहली हिडन लेयर में हमारे चार न्यूरॉन्स हैं पहला न्यूरॉन ये हमारा दूसरा न्यूरॉन ये हमारा तीसरा न्यूरॉन और फिर ये हमारा चौथा न्यूरॉन और इसके अंदर जो इनपुट लेयर है और जो फर्स्ट हिडन लेयर है उसके बीच में जो हमारे वेट्स आ रहे हैं जो लिंक्स आ रहे हैं उनको हमने डिनोट किया W1 से और W1 इन कनेक्शंस पर वेट्स हैं उसके बाद हमने फर्स्ट हिडन लेयर के बाद हमने सीधा आउटपुट लेयर लगाई हमारा थ्री क्लास क्लासिफिकेशन है तो आउटपुट में हमारे पास आउटपुट लेयर में हमारे पास तीन न्यूरॉन हैं और हम इस बार सिग्मोइड एक्टिवेशन की जगह हमारे पास सॉफ्ट मैक्स लेयर है जो कि हमारी पूरी आउटपुट लेयर आप यहाँ पर देख पा रहे हैं तो ये हमारा पहला न्यूरॉन है फिर दूसरा और फिर तीसरा जो कि हमारे इस आउटपुट लेयर को कॉन्स्टिट्यूट करते हैं तो इतना समझने के बाद अब इसको थ्री क्लास एम एल पी क्लासीफायर को हम कुछ इस तरीके से भी ड्रा कर सकते हैं अब ये जो डब्बा है जो हम, हमने ये वाला देखा ये हम कह रहे हैं न्यूरॉन वन टू थ्री एंड फोर और यहाँ पर भी न्यूरॉन, लेट से फाइव सिक्स और सेवन टोटल सात न्यूरॉन है इसके अंदर पहले न्यूरॉन के अंदर क्या क्या है एक तो ये हमारा समेशन है और फिर सिग्मोइड है इसमें भी समेशन और सिग्मोइड दो फंक्शन है ये दो फंक्शन है और समेशन और सिग्मोइड दो फंक्शन है यहाँ पर समेशन है प्लस ये जा रहा है हमारा सॉफ्ट मैक्स में उसके बाद आउटपुट आ रहा है समेशन प्लस तो सॉफ्ट मैक्स सब इस इस लेयर पे सॉफ्ट मैक्स जो है वो कॉमन है सॉफ्ट मैक्स यहाँ पर ये जो सॉफ्ट मैक्स है ये हमारी एक कॉमन लेयर है तो जो हमने देख लिया उसके बाद हमारे आउटपुट निकल रहे हैं ये हमारा है थ्री क्लास न्यूरल नेटवर्क क्लासिफायर इसी तरह हम न्यूरल नेटवर्क से रिग्रेशन का मॉडल भी बना सकते हैं अगर रिग्रेशन करना है तो आउटपुट लेयर जो है हमारी उसके अंदर हमारे पास सिर्फ समेशन होगा नॉन लीनियर एक्टिवेशन कुछ नहीं होगा और एक हमारे पास आउटपुट आ रहा है अब दोबारा देखते हैं हमारे पास हर इनपुट सैम्पल में तीन फीचर्स हैं एक्स आई डिनोट्स दी आई एथ इनपुट डेटा और सैम्पल और हर एक सैंपल में तीन फीचर्स हैं पहली हिडन लेयर में हमारे पास चार न्यूरॉन लगे हैं और ये चारों में इस तरह का फंक्शन है तो ये मैं अंदर भी डाल देती हूँ तो एक तरीके से ये फंक्शन है उसके बाद हमने एक और हिडन लेयर लगा रखी है उसमें फिर हमारे इस तरह के फंक्शंस हैं ये हमारा नॉन लीनियर सिग्मोइड लगा दिया और लास्ट आउटपुट लेयर सिर्फ हमारे पास वेटेड लीनियर कॉम्बिनेशन आ रहा है तो इस तरीके से अब हमने अपना पूरा सेटअप आर्किटेक्चर सेट कर दिया है अब हम आगे चलते हैं अब हम एग्जाम्पल देखेंगे तो अगर थ्री क्लास एम एल पी क्लासीफायर बनाया तो वो हमारा सेटअप कुछ इस तरीके से है इसी को हमने इसमें हमने लास्ट टाइम हमने इसकी इक्वेशंस लिखी थी तो यहाँ पर ये हमारा W1 वन के वेट्स हैं और ये हमारा पहला वेट है W11, वन वन दूसरा है डब्लू से 2। तो हमें याद होगा कि हम ये डिफ़ाइन कर रहा है इनपुट साइड को और ये दूसरा सब्सक्रिप्ट डिफाइन कर रहा है आउटपुट साइड को तो ये हमें ध्यान रखना है इसी तरह अगर हम इस वाले लिंक को देखें तो ये है इनपुट साइड है थ्री कोफिशेंट और आउटपुट साइड है चार तो ये है डब्लू थ्री फोर तो हमारा जेड आई जो हमने यहाँ पर ट्रैप किए तो जेड आई क्या है डब्लू वन ट्रांसपोज एक्स आई अब सपोज करिए कि हमने रैंडमली वेट्स डाल दिए हमने अपना x वेक्टर भी डिफाइन कर दिया सपोज़ कीजिए कि हमने इसको कहा 0.6, 0.2, 0.8 तो हम कहते हैं i इज़ इक्वल टू वन पहला सैम्पल है और x हमने क्या लिया एक्स आई हमने लिया 0.6, 0.2, 0.8 ये हमने एक्स आई ले लिया पहली आइट्रेशन है और उसके अंदर हमने W1 को जो है वो हमने इनिशलाइज़ किया तो ये जो है हमारा जेड आई ये होना है हमारा एक्स आई ठीक है ये होगा हमारा जेड आई तो डब्लू वन ट्रांसपोज ये हमने फिल किया तो ये क्या है हमारा ये है डब्लू वन ट्रांसपोज लेकिन पहली आइट्रेशन में ये हमने रैंडमली कुछ नंबर से इसको इनिशलाइज़ कर दिया अब हमने क्या किया इसको मल्टीप्लाई करेंगे हम एक्स से एक्स हमने ये ले रखा है जीरो पॉइंट सिक्स टू इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा जेड आई बन गया जेड आई बनने के बाद हमने क्या करना है यू आई बनाना है यू आई कैसे बनेगा हर एक यू का कॉम्पोनेंट इस तरीके से बनेगा तो इसका मतलब यू आई हमारा क्या है ये होगा हमारा वन प्लस वन अपॉन सॉरी वन अपॉन ये होगा वन अपॉन वन प्लस ई रेस्टू दीपार माइनस जेड आई वन वन अपॉन वन प्लस ई रेस्टू दीपार माइनस जेड आई टू और इस तरीके से और लास्ट एंट्री होगी वन प्लस ई रेस्टू दीपार माइनस जेड आई फोर और जेड आई वन क्या है ये हमारी जो एंट्रीज़ भरी हुई हैं ये है जेड आई वन जेड आई टू जेड आई थ्री और जेड आई फोर तो ये हमारी ZI1 है 0.1, ZI2 है 0.0840 ये हमने इस तरीके से लिया तो अब हमने अगर W1 वन ट्रांसपोज को इनिशियल initial, उसमें इनिशलाइज़ किया रैंडम नंबर से तो ये हमारा पहला मैट्रिक्स आया XI इनपुट सैम्पल के हमारे को वैल्यूज़ पता हैं तो अब हमने ZI निकाल लिया ZI निकालने के बाद हमने UI निकाल लिया यू आई निकालने के बाद अब हम क्या निकालेंगे अब हम निकालेंगे यहाँ तक हम पहुँच गए अब हमें आर आई निकालना है यहाँ पर जो वेट्स हैं वो हमने कहा डब्लू टू हैं तो डब्लू टू ट्रांसपोज इस तरीके से भरा हुआ था वो इस तरीके से है तो हमने डब्लू टू ट्रांसपोज ये भी हमारा जो मैट्रिक्स है ये है डब्लू टू ट्रांसपोज इन द फर्स्ट आइट्रेशन ये हमने रैंडम नंबर नम्ब से इनिशलाइज़ कर दिया और यू हमने पिछली उसमें कैलकुलेट किया ये हमारा यू था यू को हमने यहाँ सब्सटीट्यूट किया और हमने आर आई निकाल लिया आर आई निकालने के बाद अब हम क्या करेंगे एक्सपोनेंशियल अब हम ये क्वांटिटी ये और ये निकालेंगे ठीक है तो अब हमने क्या किया हमने ई ऑफ आर आई निकाला तो ई ऑफ़ आर आई इस तरीके से वेक्टर भर गया तो ये है हमारा ई ऑफ आर आई वन ई ऑफ आर आई टू e of आर आई थ्री ये अब हमने निकाल लिया इसके बाद हम क्या करेंगे उसको नॉर्मलाइज करेंगे ये अब हमारा एक्सप्रेशन है जो हमारा दे रहा है वाई आई वन फॉर क्लास वन वाई आई टू फॉर क्लास टू वाई आई थ्री फॉर क्लास थ्री तो ये हमने रिस्पेक्टिवली निकाला ई आर आई वन आई टू आई थ्री से तो ये हमारा आ गया yi आई कैप अब सपोज़ कीजिए कि हमने फर्स्ट सैम्पल के लिए हमने वाई आई एज्यूम किया था जीरो वन ज़ीरो तो अब लॉस कैसे निकालेंगे तो हम लॉस के लिए जाएंगे इस टर्म पे अब हम ये भी मान लेते हैं कि हम यूज़ कर रहे हैं स्टोकेस्टिक ग्रेडियंट डिसेंट स्टोकेस्टिक ग्रेडियंट डिसेंट में हम क्या करते हैं हम पहले एक इनपुट सैम्पल लेते हैं उसे आउटपुट तक फॉरवर्ड पास करते हैं उसके बाद हम उसका लॉस निकालते हैं और उसी से बैक प्रोपेगेट करते हुए वे वेट्स को अपडेट करते हैं फिर हम दूसरा ट्रेनिंग सैंपल डालेंगे तो हम मानते हैं कि पहला हमने ये ट्रेनिंग सैंपल डाला है अब हमारे पास आउटपुट आया आउटपुट का लॉस अब हम कैसे निकालेंगे तो हर इंडिविजुअल सैंपल के लिए हमें लॉस निकालना है तो लॉस हमारा हो जाएगा लॉस होगा हमारा लॉस इज़ इक्वल टू माइनस ऑफ अब हमें तीन हमारे पास समेशन है आई तो हमें वन ही लेना है तो हमने कहा के इज़ इक्वल टू वन टू थ्री क्योंकि हर एक सैम्पल के लिए निकालना है वाई आई के एल एन ऑफ वाई आई के कैप तो ये अब हमारा कितना हो गया अब हम इसको यूज़ करेंगे और इसको यूज़ करेंगे तो ये हो गया हमारा पहले वाई आई वन इज इक्वल टू ज़ीरो तो माइनस ऑफ ज़ीरो इन टू एलेन ऑफ वाई आई वन कैप माइनस वन इंटू एलेन ऑफ वाई आई टू कैप माइनस ज़ीरो इंटू एल ऑफ़ वाई आई थ्री कैप ये ज़ीरो हो गई ये भी टर्म ज़ीरो हो गई अब हमारे पास बचा माइनस वन इंटू एल ऑफ ज़ीरो पॉइंट टू टू वन ज़ीरो और वो आएगा हमारा 1.5094 जो मैंने यहाँ पर लिखा तो ये अब हमारा आ गया लॉस लॉस निकालने के बाद अब हम क्या करेंगे अब हम बैक प्रोपिगेशन करेंगे जो हमने पीछे किया तो सबसे पहले हमने यहाँ जो हमारे वेट्स हैं वो हमारे W2 के हैं और W2 के वेट्स हमने किस तरीके से लिखे थे ये हमने थीटास के फॉर्म में लिखे थे W1 के वेट्स हमने थी डब्लूज की फॉर्म में लिखे थे तो ये कैसे है तो डब्लू टी वन अब हमारा क्या है ये है हमारा थीटा वन वन ये है हमारा थीटा वन टू थीटा थीटा टू वन सॉरी थीटा टू वन टू वन थ्री वन थीटा फोर वन और लास्ट वाला क्या है वन 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 टू वन थ्री थीटा टू टू वन टू 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 थ्री थीटा थ्री वन थ्री टू थ्री थ्री थीटा फोर वन फोर टू थीटा फोर थ्री इस तरीके से हमारा आ गया तो ये हमारा डब्लू टू फर्स्ट आइट्रेशन में हमने रैंडमली लिया यू आई हमने कम्प्यूट किया फॉरवर्ड पास में वाई आई कैप भी हमने कंप्यूट किया फॉरवर्ड पास में वाई आई भी निकाल लिया अब हमारी इक्वेशंस क्या है अब हमारी अपडेट की इक्वेजन है तो ये जो है हमारा ये वाला पहला वेक्टर जो है ये इसको अगर हम देखें तो ये है हमारा ये वेक्टर जो है ये है हमारा थीटा वन और ये है हम ये हमने निकाला है सेकेंड आइट्रेशन में ट्रांसपोज और सेकेंड आइट्रेशन का ये जो है थीटा टू ट्रांसपोज सेकेंड आइट्रेशन का थीटा थ्री वेक्टर ट्रांसपोज थर्ड आइट्रेशन का ठीक तो इस क्यों क्योंकि डब्लू टू जो है हमारा वो हमारा बना होता है थीटा वन थीटा टू थीटा थ्री और जब हम उसका डब्लू टू ट्रांसपोज लेते हैं तो ये बनता है हमारा थीटा वन ट्रांसपोज थीटा टू ट्रांसपोज थीटा थ्री ट्रांसपोज तो अब हम देख रहे हैं टी हम हमारा छोटा टी जो है वो आइट्रेशन नंबर है तो हम कह रहे हैं टी इज़ इक्वल टू वन तो टी प्लस वन इज इक्वल टू टू तो ये अब अगर, अगर हम इक्वेशन देखें तो हम क्या पा रहे हैं तो पहले डेल जे बाय डेल थीटा के देखते हैं तो ये वेक्टर है तो वो क्या होगा डेल जे आई बाय डेल आर आई के इन टू डेल आर आई के बाय डेल थीटा के डेल जे आई बाय डेल आर आई के हमने पिछली क्लास में निकाला था उसका ये एक्सप्रेशन है और डेल आर आई के बाय डेल थीटा के उसका ये एक्सप्रेशन है दोनों को जब कंबाइन करेंगे चेन रूल से तो हमारा थीटा के ऑन द सेकेंड आइट्रेशन इज इक्वल टू तो हम कह रहे हैं थीटा के ऑन द सेकेंड आइटरेशन इज इक्वल टू थीटा के फॉर द फर्स्ट आइटरेशन प्लस ईटा टाइम्स समेन आई यू आई वाई आई के माइनस वाई आई के कैप ये हमारा पूरा बनेगा ठीक तो अब हम इसको देखेंगे तो अब हम क्या करते हैं कि हमने इस तरीके से अपनी सारी वैल्यूज़ निकाल ली तो अब हमने अब हमें W2 टू ट्रांसपोज डब्लू टू निकालना है फॉर द सेकेंड आइट्रेशन तो हम इस इक्वेशन को हर एक के लिए यूज़ करेंगे थीटा वन के को अपडेट करेंगे थीटा टू को अपडेट करेंगे थीटा थ्री को अपडेट करेंगे तो हर एक के लिए हम ये वाली इक्वेशन यूज़ करेंगे वैल्यूज़ हमारे पास सारी कंप्यूटेड हैं उनको सब्सटिट्यूट करेंगे और हम अपडेटेड के बाद आप ये पाएंगे ये हमारा सेकेंड आइट्रेशन का अपडेटेड मेट्रिक्स है आप इसे खुद भी वैल्यूज़ डाल के देखिए तो इसी तरीके से अब अगर हमें यहाँ पर अपडेट करने हैं वेट्स तो हम फिर चेन रूल देखेंगे ये चेन रूल इस तरीके से जा रहा है अब हर एक सैम्पल का डेल जे आई बाई डेल आर आई के ये है हमारे पास डेल आर आई के बाय डेल यू आई जे ये है डेल यू आई जे बाई डेल जेड आई जे ये है और डेल जेड आई जे बाय डेल डब्ल्यू आई एल जे ये है तो एक एल और जे के लिए जब हम इसे अपडेट करेंगे T प्लस वन सेकेंड आइट्रेशन में तो ये होगा WL एल डब्ल्यू एल जे इन द फर्स्ट आइट्रेशन और हमें इसको ये करना है यहाँ पर हम क्योंकि एस जी डी यूज़ कर रहे हैं तो आप n इज़ इक्वल टू आपका वन हो गया आपने एक ही सैम्पल के लिए इसको निकाला है तो ये समेशन जो ये यहाँ पर समेशन है वो आपका चला जाएगा इस आइट्रेशन uh, इस के लिए सेकेंड आइट्रेशन में हम सेकेंड सैंपल लेंगे थर्ड आइट्रेशन में थर्ड सैंपल लेंगे लेकिन एवरी टाइम हम वेट्स को अपडेट करेंगे तो डब्लू एल जे हमारा इस तरह का एक्सप्रेशन बन गया क्योंकि हमने ये लिया ये टर्म ली ये टर्म ली और ये लास्ट टर्म ली कंबाइन किया तो हमारी ये इक्वेशन आ गई अब सपोज करिए डब्लू वन टू वेट कहाँ है डब्लू वन टू वेट कहाँ पर है इस लिंक पर है जो आप देख पा रहे हैं और इस लिंक का अब हम जब वेट अपडेट करेंगे तो हम क्या करेंगे एल हमारा वन हो गया एल हो गया वन जे हो गया हमारा टू तो अब वन टू तो यहाँ पर आ गया यहाँ पर आई तो हमारा एक ही सैम्पल है के हमारा आ गया के हैं हमारी क्लासेस तो वो होंगी वन टू थ्री तो तीनों के ऊपर समेशन करेंगे वाई आई के माइनस वाई आई के, के कैप थीटा टू के यहाँ पर जे की जगह आप टू रख देंगे यहाँ पर भी जे की जगह टू रख देंगे यहाँ पर एल की जगह आप वन रख देंगे क्योंकि हमने वन लिया है इस तरीके से ये नीचे वाला एक्सप्रेशन फिर आ जाएगा इसमें भी समेशन चला जाएगा और बेसिकली डब्लू वन टू टी प्लस वन विल बिकम इक्वल टू डब्लू वन टू टी प्लस ईटा के इज इक्वल टू वन टू थ्री क्योंकि एक ही सैंपल ले रहे हैं हम तो ये हो जाएगा वाई आई के माइनस वाई कैप आई के थीटा टू के ट्रांसपोज यू आई टू वन माइनस यू आई टू एक्स आई वन इस तरीके से ये हमारा एक्सप्रेशन आ गया अब हम इसको भी जब पूरा लिखेंगे तो इस तरीके से हमारी ये दो इक्वेशन बन गई हैं जिनको हमें सॉल्व करते हुए वे वे वेट्स को अपडेट करना है अब हमने क्या किया अब हमने w12 वन टू को ये फिर पूरा एक्सपैंड कर लिया हमने k इज इक्वल टू, टू डाल दी अब सपोज करिए ई ईटा हम चूज़ कर लेते हैं जीरो पॉइंट वन तो डब्लू वन टू फर्स्ट आइट्रेशन में क्या है टी इज इक्वल एंड टी इज इक्वल टू वन तो ये हो गया डब्लू वन टू टू इज इक्वल टू डब्लू वन टू फर्स्ट आइट्रेशन में क्या है ये है हमारा वेट डब्लू वन टू और ये है फर्स्ट आइटरेशन में अब ये क्या बनेगा ज़ीरो पॉइंट वन प्लस ज़ीरो पॉइंट वन ईटा जीरो पॉइंट वन है अब वाई आई वन माइनस हम वाई कैप आई वन डालेंगे तो वट इज़ वाई आई वाई आई हमारा क्या है वाई आई इज इक्वल टू वाई आई वन वाई आई टू वाई आई थ्री ये हमने लिया था ज़ीरो वन जीरो इस एग्जाम्पल के लिए एक्स क्या लिया हमने एक्स आई क्या लिया वो हमने लिया ज़ीरो पॉइंट सिक्स जीरो पॉइंट टू ज़ीरो पॉइंट एट और ये क्या है एक्स आई वन एक्स आई टू एक्स आई थ्री इस एग्जाम्पल के लिए सेट किया तो अब हम यहाँ पर वाई आई को डालेंगे वाई आई कैप हमारे पास है तो हमारे पास ये वैल्यू है हमारे पास ये वैल्यू है हमारे पास ये है वॉट इज़ थीटा टू वन थीटा टू वन कहाँ लोकेटेड है ये हमारा है थीटा टू वन राइट सो दिस इज़ थीटा टू वन इन द फर्स्ट आइट्रेशन तो थीटा टू वन हमारे पास है फिर यू आई टू है फिर हमारे पास यू आई टू कौन सा है ये है हमारा यू आई टू तो ये यू आई टू भी है एक्स आई वन भी है हमारे पास फिर प्लस ईटा अब सेकेंड क्लास के लिए वाई आई टू वाई आई टू माइनस वाई कैप आई टू थीटा टू टू ये है ये है हमारा थीटा टू थ्री इन द फर्स्ट आइट्रेशन ये वैल्यू क्या है हमारी थीटा टू टू इन द फर्स्ट आइट्रेशन तो हमारे पास सारी वैल्यूज़ हमें पता हैं अब हमने सिर्फ यहाँ पर वैल्यू सब्सटीट्यूट करनी है और सब्सटीट्यूट करने के बाद हम ये निकाल लेंगे तो ये अपडेटेड आ जाएगा इस तरीके से अब हम सारे वेट्स जब हमारे अपडेट हो जाएंगे अब हम नेक्स्ट सैंपल को लाएंगे फिर फॉरवर्ड पास करेंगे लेकिन अब की बार हम सारे वेट्स अपडेटेड वेट्स यूज करेंगे जो हमने फर्स्ट आइट्रेशन के बैक प्रोपिगेशन के बाद अपडेट करके निकाले थे फिर हम लॉस निकालेंगे और फिर उसको बैक प्रोपेगेट करेंगे तो इस तरीके से हम करते जाएंगे जब तक कि वेट कन्वर्ज ना हो तो आप देख सकते हैं w12 जो है फर्स्ट आइट्रेशन में 0.1 है W12 वन टू फर्स्ट आइट्रेशन में जीरो पॉइंट वन है और W12 वन टू सेकेंड आइटरेशन में हमारा अपडेट हो गया हो गया जीरो पॉइंट वन जीरो थ्री फोर अब हम एक एग्जाम्पल देखते हैं रिग्रेशन का रिग्रेशन के एग्जाम्पल में सपोज करिए इस तरह का सेटअप है तो हमारे पास कितनी है हमारे पास ये है फर्स्ट हिडन लेयर ये है हमारी सेकेंड हिडन लेयर और ये है हमारा आउटपुट ये है हमारा आउटपुट लेयर उसमें एक न्यूरॉन है ये है हमारी इनपुट लेयर तो हमने सपोज कहा कि हमारे पास इस तरीके से आउटपुट भी हमारे पास ग्राउंड ट्रोथ अवेलेबल है तो हमारे पास पेयर क्या है हमारे पास होगा एक्स आई वाई आई का पेयर ये है हमारा ट्रेनिंग डेटा हम एक ही सैंपल के लिए प्रॉपिगेट करके दिखाएंगे और ये हमारा क्या है वैल्यू ये है हमारी टू वन पॉइंट फाइव और इसके करस्पोंडिंग ग्राउंड ट्रूथ है हमारा टू पॉइंट थ्री ये हमारे को गिवन है अब हम यहाँ पर अपने वो भी डाल देते हैं पैरामीटर्स भी डाल देते हैं तो सपोज़ करिए ताकि हमें ट्रैक रहे ये हम कहते हैं थीटा वन इसको हम कहते हैं थीटा टू इसको हम कहते हैं थीटा थ्री इसको बोल देते हैं थीटा फोर इसको बोलेंगे थीटा फाइव इसको कहेंगे थीटा सिक्स ये हमारा डब्लू वन है यहाँ पर होगा हमारा डब्लू टू इसको कह देते हैं थीटा सेवन फिर ये है हमारा थीटा एट थीटा नाइन थीटा टेन थीटा इलेवन थीटा ट्वेल्व थीटा थर्टीन थीटा फोटीन अब ये सेटअप हम याद रखेंगे अब इसी सेटअप को हम यूज़ करते हुए अपनी सारी कंप्यूटेशंस करेंगे आगे तो अब हम इन कंप्यूटेशंस को देखते हैं तो हमने मैट्रिक्स बनाने हैं और आउटपुट बनाना है और हमें एंड में हमारे पास आएगा ये तो हमारे पास है जी इसको हम कहेंगे ये है हमारे पास ग्राउंड ट्रुथ और हम निकालेंगे वाई cap corresponding to using यूजिंग एक्साई हम निकालेंगे वाई आई कैप तो ये अब हमें निकालना है तो अब हम सेटअप करते हैं इक्वेशंस लिखते हैं तो यहाँ पर लेटर से हम हर एक उसके आगे अपनी इक्वेशंस को लिखना शुरू करते हैं तो इसको हम कह देते हैं ये है हमारा पहले यहाँ पर क्या क्या है हमारा समेशन है और फिर सिग्मोड है समेशन सिग्मोइड सिग्मोइड इस तरीके से फिर समेशन सिग्मोइड फिर है हमारे पास यहाँ पर भी होगा समेशन सिग्मोइड और यहाँ पर भी होगा समेशन सिग्मोइड ये सिर्फ़ हमारा लास्ट में समेशन है तो हम मान के चलते हैं कि समेशन के बाद हमारा है मैं इसको डिफरेंट कलर देती हूँ ताकि हम ठीक से समझ सकें जेड आई फिर हमारा आएगा यू आई फिर हमारा आएगा यहाँ पर इसके एंड में आर आई फिर हमारा आएगा लेट से एस आई और फिर हम लेंगे यहाँ पर यहाँ पर होगा हमारा आउटपुट आएगा वाई आई कैप इस तरीके से अब हम इसको सेटअप करते हैं तो अगर इस तरीके से, से सेटअप करेंगे और फिर हम इनिशियली कुछ वैल्यू से इनिशलाइज़ भी करेंगे तो मान के चलते हैं कि मैंने रैंडमली कुछ वैल्यूज़ इनिशलाइज़ करी तो मैंने कुछ थोड़ा सा कॉम्पिटिशन किया हुआ है तो मैं अपनी कॉम्पिटिशन के हिसाब से दिखाती हूँ मैंने क्या इनिशलाइज़ किया तो मैंने पहले W1 को इनिशलाइज़ किया वो मैंने इस तरीके से किया मैंने रखा 0.1, 0.4, माइनस ज़ीरो पॉइंट टू माइनस ज़ीरो पॉइंट थ्री ज़ीरो पॉइंट नाइन माइनस ज़ीरो पॉइंट नाइन फिर मैंने रखा इसको आ, W1 कितना है हमारे दो नोड्स हैं और तीन आउटपुट्स हैं तो यही हमारा साइज़ होगा ठीक है और हमने पहले इस एंट्री को हमने कहा है अब हम इस पर नंबर भी डाल देते हैं इसको हमने कहा है थीटा वन और वन से टू के बीच के कनेक्शन को हमने कहा है थीटा टू वन से थ्री के बीच के कनेक्शन को हमने कहा थीटा थ्री ये हमने कहा थीटा फोर ये हमने कहा थीटा फाइव ये कहा थीटा सिक्स ये हमारा इनिशलाइजेशन है तो इसको हम कहेंगे फर्स्ट आइट्रेशन में हमने ये वैल्यूज़ इसकी अज्यूम कर ली हैं ठीक है थीके? ये है फर्स्ट आइट्रेशन का अब हम देखते हैं डब्लू टू फर्स्ट आइट्रेशन का इसका साइज़ क्या होगा थ्री क्रॉस टू ये होगा थ्री क्रॉस टू का क्योंकि ये इधर है ठीक है ना तो ये ये अब हम दोबारा इसको भी सेट करते हैं तो इसको हमने क्या लिखा लिया वैल्यू ज़ीरो पॉइंट टू ज़ीरो पॉइंट सेवन ज़ीरो पॉइंट फाइव ज़ीरो पॉइंट ज़ीरो वन माइनस और -0.9 ये क्या है इसको भी भर देते हैं अब हमने क्या किया इसको माना थीटा सेवन थीटा एट ये देखिए थीटा सेवन और थीटा एट फिर हमने माना थीटा नाइन थीटा टेन थीटा इलेवन और थीटा ट्वेल्व ये हमने इसको इनिशियलाइज़ किया अब हमारा जो यहाँ पर मैट्रिक्स आया ये जो आया इसको हमने कह दिया डब्लू अब W थ्री वन क्या है हमारा ये है हमारा टू क्रॉस वन का इसकी वैल्यूज़ क्या हैं थीटा थर्टीन थीटा फोर्टीन ये भी फर्स्ट आइट्रेशन में तो हमें इनिशलाइज़ करनी पड़ेगी हमने रैंडमली इनिशलाइज़ कर दी हैं माइनस ज़ीरो पॉइंट फाइव ये अब हमने थीटा सारे डिक्लेयर कर दिए हैं पूरा सब कुछ सिस्टम सेटअप कर दिया है अब हम क्या करेंगे टू फाइव को डालेंगे और इनसे मल्टीप्लाई करेंगे ठीक तो अब हम कैसे निकालेंगे तो हमारा क्या होगा ये हमारा जेड आई है फिर है हमारा यू आई फिर हमने लिया आर आई फिर हमने लिया एस SI, आई फिर हमने लिया वाई आई कैप तो अब हमारी इक्वेशन क्या बन गई जेड आई क्या हुआ ये हो गया डब्लू वन ट्रांसपोज फर्स्ट आइट्रेशन का मल्टीप्लाइड बाय एक्स आई XI ये है XL. ठीक है तो हमने मैट्रिक्स पीछे सेटअप किया है उससे मल्टीप्लाई करेंगे मल्टीप्लाई करने के बाद आप पाएंगे मैंने इसे कंप्यूट करके रखा है ये आएगा आपका ये वैल्यूज़ आ गई. ये पहले हमने ये निकाल लिया फिर हम निकालेंगे यू आई अब यू आई क्या होगा ये सिग्मोइड के बाद है तो यू आई क्या है ये है हमारा वन अपॉन वन प्लस ई रेस टू पार माइनस जेड आई वन वन प्लस ई रेस टू माइनस जेड आई टू और वन अपॉन वन प्लस ई रेस टू पार माइनस जेड आई थ्री अब मैंने इन वैल्यूज़ को सब्सटीट्यूट किया तो मेरा वेक्टर आया जीरो पॉइंट फोर थ्री सेवन एट जीरो पॉइंट एट नाइन फाइव सेवन और ज़ीरो पॉइंट वन फोर एट जीरो ये हमारा आ गया यू आई अब उसके बाद हम क्या निकालेंगे आर आई आर आई क्या होगा आर आई है हमारा डब्लू टू ट्रांसपोज जो डब्लू टू मेट्रिक सेटअप किया था मल्टीप्लाईड बाय यू आई लेकिन डब्लू टू कौन सा फर्स्ट आइट्रेशन का ठीक है ना अब हमने इसको भी मल्टीप्लाई कर दिया डब्लू टू हमने पीछे सेटअप किया है ये रहा हमारा डब्लू टू इसको मल्टीप्लाई करेंगे जो हमारा यू आई आ गया अब ये मैंने जब आउटपुट निकाला इसका आउटपुट का साइज़ क्या होगा ये होगा हमारा टू क्रॉस वन राइट तो ये आ गया हमारा जीरो पॉइंट फाइव टू ज़ीरो सिक्स और जीरो पॉइंट वन एट टू टू ये भी आ गया अब ऐसा SI ही क्या है ऐसा SI ही क्या है ऐसा SI ही है हमारा इसके भी दो साइज़ हैं वन अपॉन वन प्लस ई रेस टू दी पार माइनस आर आई वन वन अपॉन वन प्लस ई रेस टू दी पार माइनस आर आई टू ये अब जब हमने निकाला ये वैल्यू आ गई हमारी ज़ीरो पॉइंट सिक्स टू सेवन थ्री ज़ीरो पॉइंट फाइव फोर फाइव फोर ये भी निकाल लिया अब उसके बाद वाई आई क्या है वाई आई कैप वाई आई कैप है थीटा थर्टीन इंटू एस आई वन प्लस थीटा फोर्टीन इंटू इंटू एस आई टू राइट ये है हमारा एस आई वन एस आई टू अब जब इसको कंप्यूट किया तो अब हम इसकी वैल्यू भी कंप्यूट करके लिखते हैं ये हो गया हमारा ज़ीरो पॉइंट वन फोर सेवन थ्री अब हमारा कितना था वाई आई हमारा ये है और वाई आई कैप हमारा ये है तो इन दोनों के बीच में अब एरर है अब उस एरर को हम देखते हुए लॉस को प्रॉपिकेट करेंगे अब पहले लिखते हैं इक्वेशंस कैसे लिखेंगे और फिर उसको अपडेट कैसे करेंगे अब इक्वेशंस कैसे लिखेंगे हम अब हमारा लॉस क्या होगा लॉस है हमारा सपोज करिए हमने लॉस डिफाइन किया स्केयर लॉस वाई आई माइनस वाई आई कैप होल्सकेयर तो सबसे पहले ये हो गई हमारी इक्वेशन वाई आई माइनस वाई आई कैप होल स्केयर की ये हमने कह दिया इज इक्वल टू लॉस इज इक्वल टू इज इक्वल टू एल इज इक्वल टू दिस अब हम जब ये लिख दिया अब हम सारी इक्वेशंस लिखते हैं अब वाई आई कैप क्या है वाई आई कैप क्या है ये था हमारा जेड आई यू आई आर आई एस आई और फिर हम वाई आई कैप पे आए थे ठीक तो वाई आई कैप क्या है वो है हमारा थीटा थर्टीन इंटू एस आई वन प्लस थीटा फोर्टीन इंटू एस आई टू अब हमारा सपोज करिए हम थीटा सेवन और थीटा थर्टीन को ही अपडेट करेंगे तो पहले उसी के इक्वेशंस हम लिख लेते हैं अब हमारी आ, वाई आई कैप आ गया अब एस si आई क्या है हमारा एस si आई है हमारा एस आई वन क्या है हमारा एस आई वन इज इक्वल टू वन अपॉन वन प्लस ई रेस टू दी पार माइनस आर आई वन एस आई टू है हमारा वन अपॉन वन प्लस ई रेस टू दी पार माइनस आर आई टू ये आ गया हमारा एस si. आई अब आर आई क्या है आर आई अगर हम देखेंगे तो यहाँ पर आउटपुट आर आई वन क्या होगा आर आई वन होगा हमारा यू आई वन इन थीटा सेवन प्लस ये आउटपुट यू आई वन है यहाँ पर यू आई टू है यहाँ पर यू आई थ्री है यू आई वन इंटू थीटा सेवन प्लस यू आई टू इंटू थीटा नाइन प्लस यू आई थ्री इंटू थीटा इलेवन इसी तरह हम आर आई वन आर आई टू दोनों को लिख सकते हैं आर आई टू क्या है हमारा यू आई वन थीटा 8 प्लस यू आई 2, थीटा 10 प्लस यू आई 3, थीटा 11. ये भी आ गया हमारा अब हम एक बार इसका लॉस का हम अब डेरिवेटिव लेते हैं तो अगर मुझे थीटा 13 को अपडेट करना है तो थीटा 13 इन द सेकेंड आइट्रेशन विल बी इक्वल टू थीटा 13 इन टू फर्स्ट आइट्रेशन माइनस ईटा टाइम्स ग्रेडियंट लॉस हमारा डेरिवेटिव होगा डेल एल बाय डेल थीटा थर्टीन नाउ व्हाट इज डेल एल बाय डेल थीटा थर्टीन अब ये निकालते हैं डेल एल बाय डेल थीटा थर्टीन इज इक्वल टू डेल एल बाय डेल वाई आई कैप इनटू डेल वाई आई कैप वाई आई कैप हमारा थीटा थर्टीन का फंक्शन है थीटा थर्टीन ये है चेन रूल राइट इसी तरह अगर हमें थीटा सेवन को अपडेट करना है तो थीटा सेवन क्या होगा थीटा सेवन इन द फर्स्ट आइट्रेशन माइनस ईटा टाइम्स डेल एल बाय डेल थीटा सेवन और डेल एल बाय डेल थीटा सेवन क्या होगा डेल एक तो हमारा ये आ गया अब डेल एल बाय डेल थीटा सेवन होगा हमारा डेल एल बाय डेल वाई आई कैप इंटू डेल वाई आई कैप बाय थीटा सेवन यहाँ जा रहा है तो हमें ये पाथ जाना है ठीक है ना वाई आई कैप बाय अब ये पाथ के लिए हमें यहाँ से एस आई से होते हुए पीछे जाना है एस आई वन से यहाँ पर हमारा एस आई वन है यहाँ पर हमारा एस आई टू है आउटपुट डेल एस आई वन फिर डेल एस आई वन बाई डेल आर आई वन इन डेल आर आई वन डेल आर आई वन है हमारा थीटा सेवन का फंक्शन ये देखिए आर आई वन है हमारा थीटा सेवन का फंक्शन इं डेल थीटा सेवन ये है हमारा सेकेंड फंक्शन करेक्ट अब हम इन दोनों को कंप्यूट करेंगे इन दोनों की वैल्यू सब्सटीट्यूट करेंगे सो व्हाट इज डेल एल बाय डेल वाई कै कैप यहाँ से आएगा तो वो क्या होगा वो होगा हाफ इंटू टू इंटू वाई आई माइनस वाई आई कैप और एक नेगेटिव का साइन आगे आ जाएगा बिकॉज माइनस वाई आई कैप है इस इक्वेशन से डेल एल बाय डेल वाई सॉरी डेल वाई आई कैप इधर से हम निकालेंगे डेल वाई आई कैप बाय डेल एस आई वन वो हमारा आएगा इक्वल टू थीटा थर्टीन ठीक एक ये इक्वेशन आ गई हमारी एक ये इवेलुएट कर लिया और हम आगे कंप्यूट करेंगे अब इसी तरह तो ये और हमारा क्या होगा डेल वाई आई कैप बाय डेल थर, थीटा थर्टीन वो क्या होगा दोबारा इस इक्वेशन पे देंगे वो आएगा एस आई वन ये भी हमने निकाल लिया तो हमने ये निकाल लिया ये निकाल लिया ये हमारे को निकाल लिया ये निकाल लिया वट अबाउट डेल एस आई वन बाई डेल आर आई वन ये कितना होगा इसके लिए हम इस इक्वेशन पे जाएंगे ये होगा हमारा एस आई वन इंटू वन माइनस एस आई वन ये भी हमारा आ जाएगा फिर व्हाट इज़ डेल आर आई वन बाय डेल थीटा सेवन वो हमारा आ जाएगा इस इक्वेशन को यूज़ करेंगे तो वो आ जाएगा यू आई वन ठीक है तो हमने यहाँ पर सारी वैल्यूज़ निकाल ली तो इसका मतलब डेल एल बाय डेल थर्टीन थीटा थर्टीन है डेल एल बाय डेल थीटा सेवन है उनको हम इन इक्वेशंस में सब्सटीट्यूट करेंगे हमने कुछ वैल्यूज़ इनिशियली ले रखी हैं अब बाकी सर इन इधर से सारी वैल्यूज़ को सब्सिट्यूट करेंगे और हमारे पास सेकेंड आइट्रेशन के सारी वैल्यूज़ इस तरीके से अपडेट हो जाएंगी तो मैंने सिर्फ थीटा थर्टीन और थीटा सेवन का अपडेट दिखाया इसी तरह आप थीटा वन का अपडेट कर सकते हैं थीटा वन के अपडेट के लिए हमें इस पाथ से भी जाना पड़ेगा लेकिन हम इस पाथ से भी चले जाएंगे क्योंकि ये भी यू आई में जा रहा है तो ये दोनों पाथ काउंट करेंगे जब हमें थीटा वन को अपडेट करना है इसी तरह यहाँ पर भी जब थीटा टू को अपडेट करना है तो आप कहाँ से जाएंगे मैं एक बार ड्रॉ कर देती हूँ पाथ को फिर आप इसको सेट कीजिएगा तो हम जब थीटा टू को अपडेट करेंगे तो हम आउटपुट से इस तरीके से भी जाएंगे और हम आउटपुट से यह भी एक पाथ बनेगा हमारा ठीक है ना इन दोनों पाथ से हम यहाँ पहुंचेंगे और फिर हम उसको अपडेट करेंगे तो अब आप अपनी सारी इक्वेशंस लिखिए और इस तरीके से इनको अपडेट कीजिए तो अंत में अगर हमें एक न्यूरल नेटवर्क बनाना है तो हम क्या करेंगे हम पहले न्यूरल नेटवर्क का आर्किटेक्चर डिसाइड करेंगे उसमें हम क्या करेंगे हम नंबर ऑफ़ लेयर्स बताएंगे कि कितनी हिडन लेयर्स हैं कितने नंबर ऑफ़ न्यूरॉन्स हैं हर हर लेयर में कितने न्यूरॉन्स हैं उन्हें सेट करेंगे लॉस फंक्शन निकालेंगे तो हमने मीन स्क्ड एरर लॉस फंक्शन लिया या स्क्र्ड एरर लॉस फंक्शन लिया क्योंकि मैंने एक ही सैम्पल एस जी डी टाइप का आ, मैंने अपडेट को डिसाइड किया इसलिए मैंने एक ही सैंपल का लॉस एरर से लॉस बनाया और उसको बैक प्रोपिगेट किया लेकिन अगर आप मिनी बैच यूज़ कर रहे हैं तो आप मीन एरर पे आ जाएंगे तो हम लॉस फंक्शन डिफाइन करेंगे ऑप्टिमाइजर बनाएंगे इवेल्युएशन मेट्रिक्स डिफाइन करेंगे तो अब हमारा इवेलुएशन मीट्रिक्स क्लासिफिकेशन के लिए अलग होगा और हमारा रिग्रेशन के टास्क के लिए अलग होगा रिग्रेशन के टास्क के लिए हम मीन के एरर टाइप को लॉस को बता सकते हैं हम इनिशियली वेट्स इनिशियलाइज करेंगे तो हमने रैंडमली इनिशियलाइज कर लिए थे और पहली आइट्रेशन में हमने सैम्पल को आगे प्रोपिगेट किया इनिशियली हम लर्निंग रेट चूज करेंगे तो मैंने ईटा को 0.1 चूज़ किया फिर हम डेटा सेट को डिवाइड करेंगे ट्रेन वैल एंड टेस्ट में जो हम मानते हैं कि हमने कर रखा होगा अपने इस एग्जैम्पल में और हमने ट्रेन डेटा सेट का पहला सैंपल अंदर डाला फिर हम फॉरवर्ड जाएंगे फिर हम बैक प्रोपिगेट करते हुए वे वेट्स वे अपडेट करेंगे फिर दूसरा सैम्पल डालेंगे फिर बैक प्रोपिगेट करते हुए अपडेट करेंगे और हर बार जब नेक्स्ट फॉरवर्ड पास पे जाएंगे तब हम अपडेटेड वेट्स को इस्तेमाल करेंगे तो हमारा पहला सैंपल जब किया फर्स्ट सैंपल जब किया तो हमने इस समय हमने रैंडम रैंडम वेट इनिशलाइज थे जिनको हमने कहा W11, ये हमारे थे और W21 ये हमारे वेट्स थे बैक प्रोपिगेट करेंगे तो ये अपडेट हो जाएंगे अब ये बन जाएंगे W12 वन टू और W22 टू टू मेट्रिक्स अब सेकेंड सैंपल आएगा अब फॉरवर्ड पास करेंगे तो अब यूज़ करेंगे हम W12 वन टू और W22 टू टू बैकवर्ड जाएंगे ये हैं अपडेटेड अब अपडेट हो जाएंगे और ये बन जाएंगे अपडेटेड क्या हो जाएंगे अपडेटेड हो जाएंगे W13 और W23 लेकिन इधर भी अपडेटेड वेट्स कंप्यूट करते समय हम यही वाले वेट्स फॉरवर्ड पास वाले वेट्स यूज़ करेंगे या फिर अपडेटेड वेट्स कंप्यूट करेंगे अपडेटेड वेट्स नेक्स्ट इटरेशन के फॉरवर्ड पास में इस्तेमाल होंगे तो मैं उम्मीद करती हूँ आपको ये प्रॉब ये इस तरीके से कंप्यूट करना समझ में आ गया तो इस मॉड्यूल में हमने क्लासिफिकेशन और रिग्रेशन दोनों का एग्जाम्पल समझा अब हम आगे के मॉड्यूल में अब हम समझेंगे कि किस तरीके से हम प्रैक्टिकल टिप्स यूज़ करते हुए ट्रेनिंग और सारी प्रोसीजर्स को सेट करते हैं एक न्यूरल नेटवर्क को ट्रेन करने के लिए हमें क्या क्या चीज़ मशीन लर्निंग में ध्यान रखनी होती हैं थैंक यू नमस्कार आज के ट्यूटोरियल का विषय है मल्टीलेयर परसेप्ट्रॉन आज हम सबसे पहले केरास, टेंसर फ्लो और पाइटॉर्च के बारे में सीखेंगे जानेंगे कि ये मॉड्यूल्स क्या हैं और इनका यूज़ क्या है फिर हम मल्टीलेयर परसेप्ट्रॉन को कैसे एक पब्लिक डेटा सेट पर लगाया जाए ये जानेंगे हम ये भी देखेंगे कि जो हमारा डेटा सेट है अगर वो इमेज टाइप का हो तो कैसे हमारे को उसको डील करना है उसकी ईडीए कैसे होगी उसमें क्या क्या चैलेंजेस आ सकते हैं उसको हमें सॉल्व कैसे करना उसके अलावा हम वैलिडेशन सेट का क्या यूज होता है ये भी जानेंगे और फाइनली हम लॉस वर्सेस एपॉक का जो कर्व होता है उसको समझेंगे इस ट्यूटोरियल को करने में आपको पाँच से दस मिनट का समय लग सकता है जो भी आपके मल्टीलेयर परसेप्ट्रॉन के हाइपर पैरामीटर्स होंगे उसकी जो कॉम्प्लेक्सिटी होगी उसके बेसिस पे आपका ड्यूरेशन जो है वो बढ़ भी सकता है और अकॉर्डिंगली अगर कॉम्प्लेक्सिटी कम होगी तो वो घट भी जाएगा तो जानते हैं केरास, टेंसर फ्लो और पाइटॉर्च के बारे में टू स्टार्ट विथ पाइटॉर्च जो है वो हमारी एक ओपन सोर्स लाइब्रेरी है पाइथन में ही जो कि टॉर्च लाइब्रेरी पे बेस्ड है अब ये फेसबुक ए ने स्टार्ट करी थी डेवलप कर रहे हैं वो आज भी और उसी का ही कॉरेस्पॉन्डिंग वर्जन गूगल में भी डेवलप हुआ जिसको टेंसर फ्लो कहा गया दोनों ही लाइब्रेरीज बहुत कॉमन हैं दोनों की अपनी अपनी बहुत बड़ी कम्युनिटीज़ हैं और वो इन सब चीज़ों पे डी से लेकर आर से लेकर सारी चीज़ों पे डील करती हैं उसके अलावा जो कैरास है कैरास हमारी टेंसर फ्लो के ऊपर ही एक रैपर की तरह है जो कि एक्सपेरिमेंटेशन पर्पसेस के लिए या जो लोग जल्दी अपने काम को करना चाहते हैं सीखना चाहते हैं कि हम कैसे इंटरेक्ट कर सकते हैं डीएल मॉडल से उसके लिए कैरास बहुत यूजफुल रहती है और वो काफ़ी सिंपलर है एज़ कम्पेयर टू टेंसर फ्लो यहाँ पे ये बात भी जानना ज़रूरी है कि टेंसर फ्लो और पाइटॉर्स जो है वो लो लेवल लैंग्वेजेस ज़्यादा हैं तो वहां पे ज़्यादा आपको फ्लेक्सिबिलिटी मिलती है कि आप अपने मॉडल को कैसे ट्रेन करें उसमें क्या क्या चीज़ें आप ट्यून कर सकते हैं चेंज कर सकते हैं ये फैसिलिटी आपको कैरास में नहीं मिलेगी कैरास में लिमिटेशन आ जाती हैं क्योंकि हमारे को वो ज़्यादा यूज़र फ्रेंडली चाहिए थी इसलिए हमने कैरास को हाई लेवल रखा और उसमें ज़्यादा फ्लैक्सिबिलिटी हम नहीं दे पाए उसी के कंपैरिजन में हमारे पास ये एक कंपैरिजन टेबल है आप इसको स्टडी कर सकते हैं समझ सकते हैं जो और ज़्यादा क्यूरियस है ब्लॉग का लिंक भी यहाँ पे गिवन है और अदरवाइज़ भी आप कम्युनिटीज़ में जाएंगे तो आपको बहुत सारी चीज़ें गूगल पे मिल जाएंगी आपको टेंसर फ्लो के बारे में ऑन जानकारी चाहिए वो कैसे यूज़ होती है या फिर आप आ, पाइटॉर्च के बारे में जानना चाहते हैं ये सब आपको बहुत अच्छे से डिटेल में मिल जाएगा उसके अलावा भी हम जब हम लेटर हाफ ऑफ द वीक्स में जाएंगे जब हम लास्ट में डी उठाएंगे तो हमारे को इनकी दोबारा ज़रूरत पड़ेगी क्योंकि PyTorch और टेंसर फ्लो में अधिकतर डी का, का काम होता है तो वो हम जब इंट्रोडक्शन टू डी करेंगे उसमें जानेंगे अच्छा यहाँ पे आप ये भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि भाई साइकिट लर्न हम आज तक यूज़ करते आए मशीन लर्निंग के लिए तो साइकिट लर्न का यूज़ क्यों नहीं किया गया वहाँ पे क्या ये इम्प्लीमेंटेशन अवेलेबल नहीं है न्यूरल नेटवर्क की तो आप जानेंगे कि मशीन लर्निंग की लाइब्रेरीज़ के साथ साथ थोड़े बहुत न्यूरल नेटवर्क की इम्प्लीमेंटेशन जो कि डी एल साइड आ जाता है वो भी अवेलेबल है यहाँ पे, पर यहाँ पे चीज़ क्या है कि हमारी साइकिल लर्न जो है जी के साथ कंपैटेबल नहीं थी जी एक तरीके से एक हार्डवेयर होता है जो कि आपके कंप्यूटर को कॉम्पटिशन्स करने में ज़्यादा हेल्प करता है और इजीली वो फास्टर कॉम्पिटेशन कर पाता है ये हमारे प्रोसेसर की एक फीचर हो जाती है तो वो चीज़ साइकिट लर्न में हमारे को अवेलेबल नहीं है वो साइकिट लर्न उसके लिए कंपैटिबल नहीं है इसलिए हमारे को टेंसर फ्लो और Python जैसी लाइब्रेरीज बनानी पड़ी तो अब आते हैं प्रॉब्लम स्टेटमेंट में हमारे को यहां पे मल्टीलेयर परसेप्ट्रॉन लगाना है हैंड रिटन डिजिट्स की इमेजेस पे जो कि ग्रेट स्केल है तो इसमें करना क्या है कि आपको शून्य से लेकर नौ तक के डिजिट्स लिखे हुए हैं हमारे एक इमेज के ऊपर एक डिजिट ही लिखा हुआ होगा और वो हैंड रिटन डिजिट है तो आपके कंप्यूटर को या आपके मॉडल को ये पहचानना है कि वो जो डिजिट लिखा हुआ है वो कौन सा डिजिट है यहाँ पे हमारे को लगभग सत्तर हजार इमेजेस इन टोटल मिली हुई हैं जिसमें से साठ हजार इमेजेस जो हैं हमारी ट्रेन के लिए पड़ी हैं और दस हजार इमेजेस हमारी टेस्टिंग के लिए पड़ी हैं और सब में लेवल्स अवेलेबल है तो कंप्लीटली सुपरवाइज्ड फॉर्म में हम यहाँ पे मॉडल की ट्रेनिंग कर सकते हैं हर एक इमेज का साइज इक्वल ही है ट्वेंटी क्रॉस ट्वेंटी एट पिक्सल्स ये अगर ऐसा होता कि पिक्सल्स के डिफरेंस आ जाता कि भाई एक इमेज में कुछ पिक्सल है कुछ और इमेजेस में सेम डेटा सेट के अंदर कुछ और पिक्सल है तो उसकी भी एक डिफरेंट अप्रोच होती है कि इमेज डेटा सेट में अगर आपके सैम्पल्स जो हैं सेम साइज साइज के नहीं हैं, तो आप उससे कैसे डील करेंगे तो वहां वो चीज हमारे को यहां पे डील करने की जरूरत नहीं पड़ी हमेशा की तरह अब हम पैकेजेस को इंपोर्ट करने से स्टार्ट करते हैं तो हमने यहाँ पे पैंडास numpy और मैट प्लॉट लिब जो हम हमेशा यूज़ करते हैं बार बार हमारे को इनकी ज़रूरत पड़ती है ई के लिए हमारे को कोई कैलकुलेशन करनी होती है उसके लिए हमारे को कोई विजुअलाइजेशन करनी होती है उसके लिए तो ये लाइब्रेरीज़ तो हमारी हैं कि हम ये यूज़ करेंगे ही उसके अलावा हमारे पास इस बार टेंसर फ्लो और उसका जो रैपर वर्जन है यानी कैरास ये दोनों भी हम इंपोर्ट कर लेते हैं आमतौर पर हम अब कैरास का ही यूज करेंगे इस पूरे मॉड्यूल में तो स्टार्ट करते हैं लोडिंग ऑफ द डेटा सेट से लेकर तो लोडिंग के लिए हमारे पास कैरास में एमनेस डेटा सेट ऑलरेडी अवेलेबल है वो हमने डायरेक्टली एक फंक्शन से कॉल कर लिया एमनेस डॉट लोड डेटा सेट जो फंक्शन है उसके उससे हमने एक्स ट्रेन वाइट ट्रेन एक्स टेस्ट और वाइट टेस्ट को डायरेक्टली इन्वोक कर लिया यहाँ पे हमारे को वो मेहनत भी नहीं करनी पड़ी कि पहले हमारे को पूरा डेटा सेट कॉल करना है फिर हमारे को उसको स्प्लिट करना है ये सब चीज़ें हमारे को ईस के लिए ऑलरेडी ये इनबिल्ट फंक्शन के तौर पे दे दी गई है तो इससे हमारा काम बहुत आसान हो गया फिर हमने टेस्टिंग करी कि हाँ भाई हमारी एक्चुअली हमारे को जो इन्फॉर्मेशन दी गई थी जो डिस्क्रिप्शन में दी गई थी वो वैलिड है या नहीं एक्चुअली में तो हमने देखा कि ट्रेन डेटा सेट की जो शेप है वो सिक्सटी थाउजेंड कॉमा ट्वेंटी एट कॉमा ट्वेंटी एट है इसका मतलब है कि हमारे पास सिक्सटी थाउजेंड इमेजेस हैं जो कि लेंथ ट्वेंटी एट और ब्रेथ ट्वेंटी एट की हैं मतलब हमारे इमेज का साइज़ ट्वेंटी एट क्रॉस ट्वेंटी एट हो गया वैसे टेस्टिंग में देखें तो वहाँ पे भी हमारी सारी इमेज़ का साइज़ जो है वो ट्वेंटी एट क्रॉस ट्वेंटी एट है और वहीं हमारा जो आ, टेस्टिंग इमेज़ के नंबर्स हैं वो टेन थाउजेंड है हाँ तो ये वैलिडेट हो गया कि हमारे को जो डिस्क्रिप्शन में इंफॉर्मेशन मिली थी हमारे पास वही है हमेशा याद रखें ये एक प्रैक्टिस बना के चलें कि भले ही आपको कोई भी कंपनी uh, में आप जहाँ पे मशीन लर्निंग का मॉडल लगा रहे होंगे आपको कोई भी डिस्क्रिप्शन दिया हुआ होगा कि हमारा डेटा ऐसा है हमने ये ये चीज़ें करके ऑलरेडी आपको दी हैं तो आप उसको वैलिडेट जरूर करें एज अ डेटा इंजीनियर जब भी आप मशीन लर्निंग में कहीं पर भी कोई चीज़ यूज कर रहे हैं तो आपको अपने डेटा की सारी इन्स एंड आउट्स पता होने चाहिए ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप ये सोचें कि हाँ भाई ऐसा उन्होंने लिखा है तो ज़रूरी है कि वैसा होगा ही हो सकता है कि डेटा में कुछ डिस्क्रिपेंसीज हो जो कि जो बनाने वाले हैं उसने वो चेक नहीं करी या उससे वो चीज़ मिस हो गई तो वो चीज़ आपको हमेशा अपने डेटा को एक्सपेरिमेंट के थ्रू वैलिडेशन के थ्रू चेक करते जाने हैं कि हाँ जो मेरी इंफॉर्मेशन पता है वही सारी इंफॉर्मेशन मेरे को डेटा से भी मिल रही है उसके अलावा आपको एडिशनल इन्फॉर्मेशन है जो आपको दी नहीं गई थी बट आप इन सब चीज़ों के बेसिस पे ये एडिशनल इन्फॉर्मेशन भी डेटा में से निकाल सकते हैं वो आप एक्सपीरियंस के साथ ही कर पाएंगे तो आप इसीलिए ज़्यादा से ज़्यादा डेटा सेट्स उठाइए जो पब्लिकली अवेलेबल हैं जो भी जिसका भी आपको एक्सेस है और उन एक्सप्लोर कीजिए कि उन डेटा सेट्स में क्या है जो आप यूज़ कर सकते हैं एडिशनल इंफॉर्मेशन है कोई ऐसी चीज़ है जिस पर आप एक्सपेरिमेंट करके कोई नई फाइंडिंग निकाल सकते हैं उस डेटा सेट के बारे में तो एम कम्युनिटी जो है वो काफ़ी अप्रिशिएट करती है इन सब चीज़ों को आप कैगल पे जाइए आप अलग अलग डेटा सेट्स उठाइए आप गवर्नमेंट की वेबसाइट भी है भारत भारत सरकार की भी एक वेबसाइट है जहाँ पे आपको डेटा सेट्स बहुत सारे अवेलेबल हैं आप वहाँ से भी जाकर डेटा सेट्स उठा सकते हैं आप रिक्वेस्ट करेंगे तो वो उसका एक्सेस भी आपको मिल जाएगा बहुत सारे डेटा सेट्स का जो ओपनली अवेलेबल हैं और आप उन्हें डाउनलोड करिए और उनको यूज़ करिए ऐसे ही आप डिफरेंट वेबसाइट्स ढूंढिए वहाँ से डेटा निकालिए और ज़्यादा से ज़्यादा एक्सप्लोर करिए अगर आप रिसर्च में हैं तो वहां पे आपको और ज्यादा डेटा के सेट के बारे में जानना जरूरी है तो आपको जो भी डेटा सेट्स अलग से अलग तरीके के डेटा सेट्स कोई नई प्रॉब्लम स्टेटमेंट के साथ या करंट डेटा सेट पर ही आप कोई नई प्रॉब्लम स्टेटमेंट लगाना चाहते हैं तो वो काफी इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम्स हो जाती है जो आप फाइंडिंग के तौर पर अपने रिसर्च पेपर्स में भी लिख सकते हैं और वर्ल्ड में दिखा सकते हैं कि हाँ आपने भी एम सीखी है और उसके बेसिस पे कोई इंफ्रेंसेस आई हैं जो कि अभी तक किसी और ने नहीं निकाली थी आगे चलते हैं तो हम यहाँ पे ये तो हमने देख लिया कि भाई हमारी हर एक इमेज 28 क्रॉस 28 एट पिक्सल्स की साइज की है और क्या उनके नंबर्स हैं वो भी हमने क्रॉस वेरीफाई कर लिया अब हम ये देख लेते हैं कि जो हमारा इमेजेस आई हैं उनमें जो लेबल्स पड़े हैं क्या वो लेबल्स वही हैं जो हमारे को बताए गए थे तो देखते हैं तो हमने वाइट रे की यूनिक वैल्यूज निकाली तो हमें पता चला कि हमारे जो लेबल्स हैं वो शून्य से लेकर नौ तक हैं तो ये सारे लेबल्स हमारे पास हमारे इमेजेस में अवेलेबल हैं आगे चलते हैं तो अब हम ईडीए पे आते हैं हमेशा की तरह ईडीए एक हमारी बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रोसेस रहती है इसमें आप बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं जो आप यूज करके अलग अलग इंफ्रेंसेस निकाल सकते हैं डेटा के बारे में तो वही हम यहाँ पे देखेंगे अब सबसे पहले तो क्योंकि एक इमेज डेटा है तो हमारे को सबसे पहले ये देखना होगा कि हमारी इमेजेस दिखती कैसे हैं। हम ह्यूमंस हैं तो हमारी विजुअल जो अंडरस्टैंडिंग होती है वो माना जाता है आमतौर पर कि वो बेस्ट अंडरस्टैंडिंग होती है तो आप देखिए कि आपकी इमेजेस एक्चुअली दिख कैसी रही हैं तो हमने वही प्रिंट करा ली तो हमने देखा कि हाँ भाई ये तो हैंड रिटन डिजिट्स हैं और कुछ कुछ को पहचानने में जैसे कि ये एक पर्टिकुलर तो इमेज में देखूँ तो इसमें तो बहुत बड़ी डिफ़िकल्टी हो सकती है भाई ये अगर देखा जाए तो ये एक सिक्स भी हो सकता है कोई जल्दी जल्दी लिख रहा हो तो ये फाइव भी हो सकता है तो आप खुद भी कंफ्यूज हैं तो आप ये देखिए कि मॉडल को कितनी प्रॉब्लम होगी जो कि ये ह्यूमन इवॉलमेंट के साथ आया ही नहीं है उसको कोई इवोल्यूशन ही नहीं हुआ है कि वो ये चीज समझ सके कि हाँ नंबर्स क्या होते हैं उसके लिए तो सब ये डेटा ही है तो आप वो कैसे स्पेसिफाई करेगा कि ये पर्टिकुलर इमेज जो है वो कैसी दिखती होगी तो ये सब चीजें आप एक्सप्लोर कर सकते हैं कि आपका मॉडल इन इनको कहा जाता है कॉर्नर केसेस तो ऐसे कॉर्नर केसेस पे जहां पे हमारे को बहुत ज्यादा प्रॉब्लम के लिए भी हो सकती है वहाँ पे हमारा मॉडल कितना अच्छा उनमें भी देख सकते हैं तो ये हमारी इमेजेस विजुअलाइज हो गई अब हम क्लास डिस्ट्रीब्यूशन देख लेते हैं तो क्लास डिस्ट्रीब्यूशन को हमने यहां पर स्टैटिस्टिकली भी लिख दिया और उसको विजुअलाइज भी करके देख लिया तो हमने देखा कि हर इमेज ऑन एन एवरेज जो हर लेबल के लिए है वो 6000 इमेजेस तो हर लेबल की लगभग लगभग अवेलेबल ही है जो कि एक सफिशियंट डेटा होना चाहिए हमारे एक न्यूरल नेटवर्क को ट्रेन करने के लिए यहाँ पे हम वाइट ट्रेन को भी देख पा रहे हैं कि वाइट ट्रेन जो है हमारा वो हमारे को एक एक लेबल दे रहा है जैसे कि जीरो वन फाइव सेवन तो इसका मतलब यह है कि अब हमारे मॉडल को हमारे को उन कैटेगोरिकल लेबल्स को कन्वर्ट करके देना पड़ेगा किसी और फॉर्म में आप लेबल इंकोडिंग कर सकते हैं वन हॉट इंकोडिंग कर सकते हैं वो आपकी चॉइस है यहाँ पे हमने जो किया है वो टू कैटेगोरिकल फंक्शन यूज करके वन हॉट इंकोडिंग कर दिया तो अब हम देख पा रहे हैं कि भाई हमारा डेटा जो है कुछ ऐसा दिख रहा है अब वेरीफाई करने के लिए चलिए एक बार देखते हैं तो फिफ्थ फर्स्ट जो इमेज है हमारी वो फाइव लेबल की है तो यहाँ पे हम फाइव लेबल तो नहीं देख पा रहे हैं क्योंकि हमारे पास दस कॉलम्स होंगे और फर्स्ट कॉलम जो होगा वो जीरो के लिए रिप्रेजेंट होगा सेकंड कॉलम वन के लिए रिप्रेजेंट होगा एंड सो ऑन लास्ट कॉलम जो होगा हमारा नाइन के लिए रेप्रेजेंट होगा वन हॉट में तो अब हम ये देख रहे हैं कि फाइव तो हम चेक नहीं कर पा रहे हैं लेकिन एक क्विक चेक के लिए हम देख लेते हैं कि जो जीरो है उसके लिए तो फर्स्ट कॉलम होना चाहिए तो क्या कॉरेस्पॉन्डिंगली वन हॉट इनकोडिंग में वहां पे वन आ रहा है तो हम देख पा रहे हैं कि बिल्कुल यहाँ पे हम वन देख देख रहे हैं और वही चीज हमने यहाँ पे भी देखिए कि भाई जो लेबल था वो जीरो था और कॉरेस्पॉन्डिंगली इसका फर्स्ट कॉलम होना चाहिए था वही है। आप चाहें तो उसका एक एक रो प्रिंट करके भी आप वेरीफाई कर सकते हैं उसमें आपको पता चल जाएगा कि हाँ भाई ऐसा भी हो सकता है ना कि भाई कोई फंक्शन जो है आपने कॉल तो कर लिया या हो सकता है आपने एक कस्टम टू कैटेगोरिकल फंक्शन बना लिया जो वन हॉट एन में कन्वर्ट करता है लेकिन पता चला जी वो तो एक ही लेबल को दो जगह दो कॉलम्स में वन दे रहा है तो इसका मतलब तो वन हॉट तो हमारी खराब हो गई वो तो वन हॉट एक् कोडिंग रही नहीं तो आपको वो चीज अगर वेरीफाई करनी है तो आप एक एक कॉलम भी प्रिंट करके या एक एक रो प्रिंट करके भी देख सकते हैं और एक एक सैंपल के लिए आपको वो चीज वेरीफाई हो जाएगी आगे चलते हैं अब आते हैं हम मॉडल बिल्डिंग प्रोसेस पे तो वन हॉट इंकोडिंग हो गई लेबल हो गए हमने क्लास डिस्ट्रीब्यूशन देख लिया हमने ये देख लिया कि हमारी इमेजेस जो हैं ग्रे स्केल की हैं अब हम सीधा मॉडल बिल्डिंग प्रोसेस में चलते हैं अब मॉडल बिल्डिंग प्रोसेस में जाने से इमीडिएटली पहले आपको ये भी नोटिस करना है कि भाई जो मैं मॉडल बना रहा हूँ जो कैरास में अवेलेबल है उसको कैसा डेटा चाहिए क्या मैं उसको डायरेक्टली इमेजेस दे सकता हूँ या उसको किसी और फॉर्म में वो डेटा चाहिए डेटा वही रहेगा लेकिन क्या वो एग्जैक्टली exactly उस इमेज को इमेज की तरह रीड कर पाएगा हो सकता है कि वो उस चीज को वैसे ले ही ना उसकी पात्रता जो है वो इसी चीज में है कि वही वो सिक्वेंशियल डेटा ही ले सकता है तो भाई उस फंक्शन में हमारे को सिक्वेंशियल डेटा देना पड़ेगा तो वो हम कैसे देंगे हमारी इमेजेस तो टू हैं तो उसमें तो लेंथ वर्सेस ब्रेथ होगा और यहाँ पे हमारे को फंक्शन को सिक्वेंशियल डेटा देना है कैरास में ऐसा हो सकता है और किसी फंक्शन में ऐसा हो सकता है टेंसर फ्लो के किसी फंक्शन में ऐसा हो सकता है तो आप उसको करेंगे कैसे तो वही चीज़ यहाँ पे दी गई है कि हम डेटा को रिशेप कर सकते हैं ये एक रिशेप फीचर है जो कि एक्सट्रेन डॉट रीशेप करके हम यूज कर सकते हैं और जहाँ हमारा डेटा पहले साठ और ट्वेंटी और ट्वेंटी थ्री डायमेंशन वहां पे थी उसी को हमने अब टू डायमेंशन में कर दिया यानी साठ हज़ार इमेजेस तो नहीं बट हमारी जो हर एक सैंपल है वो 28 क्रॉस 28 का हो गया तो 28 क्रॉस 28 की हमारी एक सीक्वेंस बन गया क्रॉस का यहाँ पे मतलब है मल्टीप्लीकेशन तो so, 28 एट मल्टीप्लाइड बाई का एक सीक्वेंस हमारे को मिल गया और कॉरेस्पॉन्डिंगली ऐसे साठ हजार हमारे को एक्सट्रेन के लिए मिल गए वैसे ही हम एक्स टेस्ट में भी थाउ टेन थाउजेंड एक रख लेंगे और ट्वेंटी एट प्लस ट्वेंटी एट एक रख लेंगे तो हमारा हर एक सैंपल अलग अलग भी रहा और वहीं हमने वैसे हर एक सैंपल के लिए एक सीक्वेंस भी जनरेट कर लिया ये हम कर पाए एक्सट्रेन का टाइप भी हमारे को चेंज करना पड़ा जो भी हमारी रिक्वायरमेंट रही उस फंक्शन की जो हम अभी कॉल करने वाले हैं उसको डॉक्यूमेंटेशन में जाके देखा गया कि भाई उसको कैसी वैल्यूज चाहिए तो हमने माना कि भाई उसको फ्लोट वैल्यूज चाहिए थी तो फ्लोट वैल्यूज हमने अकॉर्डिंगली यहाँ पे डाल दिया एक और चीज जो है जो कि न्यूरल नेटवर्क्स में काफी हेल्पफुल होती है कि भाई जब हम ट्रेनिंग कर रहे हैं तो हम चाहेंगे कि न्यूरल नेटवर्क्स के अंदर जाके वो ट्रेनिंग जो है वो वैलिडेट भी हो सके टेस्ट सेट आपका अलग पड़ा है नहीं हम मान के चलेंगे कि टेस्ट सेट हमारे पास एग्जिस्ट ही नहीं करता है बात आती है यहाँ पे ट्रेन की तो हमारे पास ट्रेन में सफिशियंटली हाई नंबर ऑफ इमेजेस पड़ी हुई हैं तो हम ये चाहेंगे कि हमारा जब मॉडल ट्रेन भी हो रहा हो हम तब भी मॉडल को एक बार और टेस्ट भी कर सके अब यही चीज आप कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचिए कि भैया आप एक कंपनी में बैठे हैं आपकी कंपनी में एक क्यूसी डिपार्टमेंट होता है क्वालिटी चेक का भाई वो तो अलग ही बैठा है वो तो आपकी टेस्टिंग के लिए या फिर कोई टेस्टिंग का डिपार्टमेंट होगा तो वो तो भाई बैठेगा कि भाई आप जो काम करके दे रहे हैं उसकी क्वालिटी कैसी है आप जो काम करके दे रहे हैं उसकी वैलिडेशन कैसी है वो टेस्टिंग डिपार्टमेंट करेगा अब टेस्टिंग डिपार्टमेंट जो डेटा सेट या जो आपके डिफरेंट डेटा सेट्स के ऑप्शन जो वो बनाकर रखेगा वो तो डिफिकल्ट प्रॉब्लम रखेगा तो आप चाहेंगे कि भाई मेरा जो मॉडल है वो तो हर उस डिफिकल्ट प्रॉब्लम के लिए तैयार रहना चाहिए तो आपके पास टेस्टिंग डेटा तो अवेलेबल ही नहीं है मेन आपकी जो मॉडल की रिपोर्ट कार्ड निकलेगी तो उस टेस्टिंग डेटा पे निकलेगी जो आपके पास कभी है ही नहीं तो आप क्या करेंगे आप ये सोचेंगे कि चलो वो जो टेस्टिंग डेटा पड़ा है वो तो मैं यूज नहीं कर सकता बट जो मेरे पास करंटली डेटा अवेलेबल है क्या उसमें से मैं थोड़ा सा डेटा निकाल के मान के चलूँ कि भाई मेरे पास ये वाले जो डेटा है वही टेस्टिंग डेटा है और मैं अपने मॉडल को ये जो टेस्टिंग डेटा है वो नहीं दिखाऊंगा और मैं मान के चलूंगा कि जितना रिमेनिंग ट्रेनिंग डेटा है उससे ही मैं उसकी ट्रेनिंग कर रहा हूँ और उसकी वैलिडेशन जो है यहाँ पे उसकी टेस्टिंग की जगह पे उसको वैलिडेट कर रहे हैं क्योंकि आपके पास अभी भी टेस्टिंग डेटा अवेलेबल नहीं है तो उस बेसिस पे आप कहते हैं कि हाँ भाई मैंने इस चीज़ को वैलिडेट कर लिया अब वो जो वैलिडेशन है वो चीज़ यहां पे वैलिडेशन सेट के तौर पे आ गया तो यहां पे हमने वही चीज करी है एक्सट्रेन और एक्सपैल में हमने एक्स वैल में टेन थाउजेंड जो लास्ट की इमेजेस थी वो रख ली और बाकी सारी हमारी एक्स ट्रेन में ही पड़ी रही वही हमने कॉरेस्पॉन्डिंगली लेबल्स भी वाई ट्रेन और वाई वैल में डाल दिया आगे चलते हैं तो अब हम मॉडल का स्ट्रक्चर एक बार डिफाइन कर लेते हैं तो मॉडल का स्ट्रक्चर ऐसा है कि हमने एक डेंस लेयर डाली उसके बाद हमने एक रेलू डाला उसके बाद हमने फिर एक डेंस लेयर डाली और फाइनली एक सॉफ्ट मैक्स लेयर लगा दी तो ये हमारा सिंपल सा एक मॉडल है जिसमें दो डेंस लेयर्स हैं पहली डेंस लेयर में रेलू है सेकंड डेंस लेयर में फाइनली सॉफ्ट मैक्स लग जाता है और उसके बाद हमारा मॉडल तैयार है यहीं पर हमने ऑप्टिमाइजर्स होते हैं जिसके बारे में आप प्रैक्टिकल वीक में ज़्यादा पढ़ेंगे जो वीक सिक्स है प्रैक्टिकल नॉलेज में आप डिफरेंट ऑप्टिमाइजर्स के बारे में सीखेंगे लॉस फंक्शन हमने यहाँ पे कैटेगोरिकल क्रॉस एंट्रोपी यूज़ किया है वो तो जाहिर है क्योंकि हमारे पास टेन डिफरेंट क्लासेस हैं एवेलुएशन मीट्रिक हमारा एक्यूरेसी रहेगा बैच साइज हमारा सिक्सटी रहा और टोटल नंबर ऑफ इपॉक्स जो थे वो हमने ट्वेंटी रखे फ़ाइनली हम आते हैं मॉडल ट्रेनिंग पे यहाँ पे हमने कैरास के सीक्वेंशियल मॉडल का यूज़ करा है डेंस लेयर फ्लैटन लेयर फ्लैटन करने का जो फंक्शन होता है वो जाना है और यहाँ पे रेगुलराइजर भी कॉल किया तो हमने L2 टू रेगुलराइजेशन यहाँ पे यूज़ करी है वहीं हमने डेंस लेयर लगाई हमने एक्टिवेशन लगाया हमने इनपुट शेप डाली और अकॉर्डिंगली अगली डेंस लेयर के लिए हमने ये अकॉर्डिंगली एक्टिवेशन भी डिफाइन कर दिया तो ये हमारा सिंपल सा एक मॉडल बन गया अब यहाँ पे चल क्या रहा है यहाँ पे ये यह हो रहा है कि भाई हमने पहले मॉडल के अंदर सीक्वेंस फंक्शन लगा दिया अब सीक्वेंस फंक्शन क्या करेगा जब भी मैं उस मॉडल को डॉट ऐड करूँगा तो ऐड का मतलब यहाँ पे है कि भाई मेरे लेयर ऐड हो रही है तो लेयर कैसे ऐड होगी कि तो भाई कौन सी लेयर ऐड करनी है उसके अंदर लिखा होगा फिर हमने यहाँ पे लिखा कि भाई डेंस लेयर ऐड करनी है जिसमें फाइव वन टू न्यूरोन्स हैं उसकी एक्टिवेशन रेलू की है उसकी इनपुट शेप ये रहेगी उसकी रेगुलराइजेशन जो है वो ये रहेगी अब उसमें ये है कि भाई एक लेयर तो आपकी डिफाइन हो गई अब नेक्स्ट लेयर कैसे ऐड होगी तो जो आपकी एक लेयर का आउटपुट है वो नेक्स्ट लेयर में जाएगा Sequential का जो फंक्शन है ये काम ही इसलिए आता है और ये यहाँ पे काफ़ी इफेक्टिव हो जाता है क्योंकि वो कहते हैं कि जो एक लेयर है उसका आउटपुट दूसरी लेयर में इनपुट बन जाएगा अब वही हुआ कि मॉडल डॉट ऐड किया तो मैंने सेकेंड टाइम जब मॉडल डॉट ऐड किया तो वहाँ पे जो डेंस लेयर टेन न्यूरॉन्स की निकल के आई है वो पिछले का आउटपुट ले लेगी एज इनपुट और फाइनली अपना आउटपुट दे देगी और वही चीज़ अगर इसके आगे एक और मॉडल डॉट ऐड करके एक और लेयर लगी होती शायद मैं सेकेंड लेयर में सॉफ्ट मैक्स नहीं लगाता और कोई और लेयर लगा देता और फिर मैं लास्ट में फिर से क्लासीफिकेशन की इन्फ्रेंस लेने के लिए सॉफ्ट मैक्स लगाता और एक डेंस लेयर लगाता तो वही चीज़ हो जाती कि भी अब मैं जो सेकेंड हिडन लेयर है उसका आउटपुट ले रहा हूँ और वो मैं थर्ड लेयर में जो कि हमारे आउटपुट लेयर बन जाएगी उसमें डाल रहा हूँ तो हमने मॉडल को कंपाइल करा अब यहाँ पे एक बार मेरी लेयर्स डिफाइन हो गई अब पूरे मॉडल के लिए मेरे को कुछ स्पेसिफिक चीज़ें चाहिए जैसे कि ऑप्टिमाइज़र कौन सा रहेगा यहाँ पे मैं एडम ऑप्टिमाइज़र का यूज़ कर रहा हूँ और भी ऑप्टिमाइज़र्स अवेलेबल होते हैं उनके ऑप्शंस होते हैं आर एम प्रॉप है जिसके बारे में हम सीखेंगे भी और उसके अलावा एडम है एडाग्रेड है ये सब ऑप्टिमाइज़र्स जो हैं उसके बारे में हम आगे सीखेंगे थ्योरी में यहाँ पे हम एडम ऑप्टिमाइजर का यूज कर रहे हैं वैसे ही लॉस फंक्शन जो है वो कैटेगोरिकल क्लास एंट्रोपी हमने सेल पहले ही सिलेक्ट कर लिया था और मीट्रिक जो है हमारा एक्यूरेसी रहा यहाँ पे हम एक से ज़्यादा मीट्रिक भी दे सकते थे और वो कैलकुलेशंस हमारे को सारी एक के बाद एक देगा जो यहाँ पे आप देख भी रहे हैं जैसे कि हमने यहाँ पे मॉडल डॉट फिट करा जिसमें एक्स ट्रेन डाला वाई ट्रेन डाला याद रखिए ये जो है ये अपडेटेड एक्स ट्रेन और वाइट ट्रेन है जिसमें जो हमारे वैलिडेशन सेट की इमेजेस थी वो हमने अलग करके रखे हैं वो इसमें नहीं है उसके अलावा हमारा एपॉक्स जो है वो हमने डिफाइन कर दिए बैच साइज डिफाइन कर दिया और वैलिडेशन सेट का एक और पैरामीटर है जो वैलिडेशन सेट है उसमें हमने एक्सपेल -well और वाई वेल -well रख दिए हैं तो इससे हमारी एक और एडिशनल फीचर है अगर आपके पास एक्स वैल और वाई वैल नहीं है जो तो आप इस पैरामीटर को छोड़ भी सकते हैं तो आपका एक मॉडल फिटिंग प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगी अब यहाँ पर मैंने इस पूरी जो भी हमारा निकल के आया है फंक्शन का आउटपुट इस फिट फंक्शन के आउटपुट को मैंने हिस्ट्री में स्टोर कर लिया है तो ये जो हमारी वैल्यूज़ यहाँ पे नीचे आप देख पा रहे हैं जो ट्रेनिंग हो रही है। तो ट्रेनिंग में फर्स्ट एपॉक में आउट ऑफ ट्वेंटी ये हमारी ट्रेनिंग प्रोसेस रही इतना टाइम लगा ये लॉस फंक्शन रहा ये एक्यूरेसी की वैल्यू रही ये वैल लॉस रहा और वैल एक्यूरेसी रही ऐसे करके हर एक पॉक के लिए वो प्रिंट कर करके दिखाएगा आपको ठीक है तो ऐसे ही आप 20 से पॉक तक जाएंगे और वैलिडेशन सेट अगर यहाँ पे नहीं होता तो क्या होता भाई यहाँ पे एक्यूरेसी तक ही आता कि भाई हम मान के चलेंगे ये ट्रेन एक्यूरेसी है ये लॉस जो उस पर्टिकुलर ऐपॉक के लिए था और वहां पे वैल की कोई जरूरत ही नहीं है हमने डाला ही नहीं है वैल अब यही चीज हमारी बी सी पॉक तक तो चली वंस बी सी पॉक कंप्लीट हो जाते हैं तो हमारे को फाइनली पता चल जाता है कि हमारी जो ट्रेन एक्यूरेसी रही वो ये रही हमारी जो वैल एक्यूरेसी वो रही ये रही कमाल की बात ये है कि हमारे जो वैलिडेशन के पैरामीटर्स पड़े हैं उनकी एक्यूरेसी की वैल्यू हमारी जो ट्रेन एक्यूरेसी उससे भी ज्यादा आ रही है जो कि बहुत अच्छी बात है आई I मीन mean, हमारा मॉडल वो भी कैप्चर कर पा रहा है जो कि हमारे शायद ट्रेन डेटा में भी नहीं थी तो ये काफी कॉम्प्लेक्स आर्किटेक्चर्स में ये एक चीज हो सकती है कि आप देख पाए कि हमारा एक्यूरेसी जो है स्लाइटली वेरिंग है मे बी एक या दो इमेजेस के बेसिस पे या फिर पांच छह ऐसी इमेजेस थी जो कि आ, शायद ट्रेन में कुछ ज़्यादा ही डिफिकल्ट रह आ गई हैं जो कि अभी भी कैप्चर नहीं हो पा रही लेकिन जो हमारा वैलिडेशन है वो कंपैरेटिवली एक ऐसा सेट है जिसमें सिंपलर इमेजेस पड़ी हैं तो हाँ भी वो कह रहे हैं कि भाई सिंपलर इमेजेस तो मैं बहुत इजीली अभी मैंने सारी वेरिएंसों से इमेज कैप्चर कर रखी है तो मैं वैल्यू अच्छी दे पा रहा हूँ जहाँ तक कि ट्रेनिंग में वहाँ पर कुछ ऐसी इमेजेस पड़ी हैं जिसकी अभी भी कैप्चर नहीं हो पाई मे बी वो चाह रहा है कि हमारा मॉडल और ज्यादा थोड़ा कॉम्प्लेक्स हो जाए ताकि वो वेरिएंसेस भी हमारा मॉडल कैप्चर कर पाए तो वो चीज आप अपने लेवल पे भी ट्राई कर सकते हैं और लेयर्स बढ़ा के देखिए और हाइपर पैरामीटर्स हैं उनको ट्यून करके देखिए कि आपका मॉडल कैसा परफॉर्म कर रहा है तो यहां पे हम एक चीज और देखेंगे जो हमने नंबर ऑफ लर्नेबल पैरामीटर्स है उसको भी समझना बहुत इंपॉर्टेंट है तो यहाँ पे आप स्पेशली जब आप थियरी में जाते हैं तो आपको ये जानना जरूरी हो जाता है कि भाई मेरे जितने वेट्स हैं वो कितने हैं और अगर आपको कैलकुलेशन करनी पड़ गई कि भाई अगर आप इतने मिलियन वेट्स वेट्स हैं और इतने मिलियन बैसेज हैं बहुत बड़े डीएल मॉडल में और आपको कैलकुलेट करना है कि अच्छा अगर मैं इस मॉडल को ट्रेनिंग में लगाऊंगा तो मेरे कितने पैरामीटर्स होंगे जो ट्रेन होंगे और हर एक पॉक में मेरे को कितने पैरामीटर्स के ग्रेडियंट्स निकालने पड़ेंगे तो उस सब चीज़ की कैलकुलेशन के लिए जब आप करने बैठते हैं तो आपको ये जरूर पता होना चाहिए कि भाई आपके नंबर ऑफ लर्नेबल पैरामीटर्स किस कितने हैं इसलिए हर एक एम जो भी आप कोर्स लेंगे ये चीज़ आपको सिखाई जाएगी कि आप नंबर ऑफ लर्नेबल पैरामीटर्स कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं एक पर्टिकुलर मॉडल के लिए ताकि वो अगर आपको दे भी रखे हो तो आपको एक आइडिया हो कि जब आप एक लेयर हटा दोगे तो कितने बच जाएंगे अगर आप दस लेयर और डाल दोगे तो कितने हो जाएंगे तो वो सब चीज़ें आपको नंबर ऑफ लर्नेबल पैरामीटर्स को कैलकुलेट करने से आएगी तो यहाँ पर जो हमारी फर्स्ट डेंस लेयर थी वहां पर नंबर ऑफ इनपुट न्यूरस जो न्यूरोन् के वेट्स हैं वो इन जो हिडन लेयर है मतलब जो पहली लेयर थी कॉरेस्पॉन्डिंगली जो दूसरी लेयर थी उसमें जितने इंटर थे सब में हमारे कोई वेट्स रहे होंगे तो वही वेट्स का मल्टीप्लीकेशन हमारे दोनों न्यूरोन्स का मल्टीप्लीकेशन हमारे को ये बता देगा कि भाई इतने जो हैं हमारे वो वेट्स हैं और बायस हमारे पास रहेगी ही तो हमारी हिडन लेयर की जो बायस थी हर एक न्यूरॉन में जाएगी तो वो हमने ऐड कर दी तो हमने पाया कि जो हमारी फर्स्ट इनपुट था 28 क्रॉस 28 जो कि 784 होता है मल्टीप्लाइड बाय जो हमारी सेकेंड हिड सेकेंड लेयर थी जो कि एक हिडन लेयर थी उसमें फाइव वन थे तो भाई हर एक न्यूरॉन के कॉरेस्पॉन्डिंग जो कनेक्शंस हुए होंगे तो उसमें एक वेट बैठा होगा तो ये हमारे कॉरेस्पॉन्डिंगली सेवन एटी फोर इन फाइव वन टू तो हमारे वेट्स हो गए और बायस भी पढ़िया तो वो हमारे बायस इन वेट्स के साथ ऐड हो जाएगी लर्नेबल पैरामीटर्स के लिए तो हमारे बायस निकल के आए फाइव वन टू तो टोटल हो गया फोर जीरो वन नाइन टू जीरो इतने हमारे लर्नेबल पैरामीटर्स सिर्फ बिटवीन फर्स्ट लेयर एंड सेकेंड लेयर है ऐसे ही हमने जो सेकेंड डेंस लेयर लगाई है जो कि हमारी थर्ड लेयर निकल के आई है वो हमारी हो जाएगी हिडन न्यूरॉन वेट्स इंटू आउटपुट न्यूरॉन वेट्स, यानी हिडन लेयर का जो वेट है और जो आउटपुट लेयर बन गई है जो हमारी सेकंड लेयर डेंस लेयर बन गया उसके बाद सॉफ्ट मैक्स आ जाएगा तो सॉफ्ट मैक्स में तो कोई लर्नेबल पैरामीटर्स होते ही नहीं है तो हम ये देखेंगे कि भाई हमारे जो हिडन लेयर से लेकर जो आउटपुट लेयर तक है वो कितने हैं तो अब उसी के लिए हमने क्या किया फाइव वन टू जो हमारे नंबर ऑफ न्यूरॉन्स थे इंटू टेन क्योंकि हमारे टेन क्लासेस हैं तो आउटपुट न्यूरॉन्स जो होंगे वो टेन होंगे तो भाई फाइव वन टू इंटू टेन और प्लस जो टेन बायसेज होंगे तो वो चीज़ हमने कैलकुलेट करी और हमने देखा कि वो फाइव वन थ्री जीरो आई है तो अब इन दोनों को ऐड कर लेते हैं आप तो हमारा कुछ आंसर जो आना चाहिए वो फाइव जीरो सेवन ज़ीरो फाइव ज़ीरो आना चाहिए तो आप ऐड करके देख सकते हैं कि वो वैल्यू आ रही है या नहीं और आप ऐसे ही वेरीफाई कर सकते हैं आगे चलते हैं अब हमारे नंबर ऑफ लर्नेबल पैरामीटर्स भी हमने सीख लिए कैसे कैलकुलेट करते हैं तो हम हम रिजल्ट्स एंड इंटरप्रिटेशन पे आते हैं तो हमने देख लिया था कि भाई हमने एक हिस्ट्री स्टोर कर ली थी अपने लॉस की तो हम, उसी से हम यूज़ करके हम अपना लॉस वर्सेस कर्व बना सकते हैं अब ये दो तरीके से होता है यहाँ पे जो हम सीखेंगे वो स्टैटिक तरीका है कि भाई हमारे पास एक बार पूरा मॉडल लर्न हो गया उसके बाद हम जाएंगे और प्लॉट करके देखेंगे कि हमारी जो परफॉर्मेंस थी मॉडल की वो कैसी रही दूसरा तरीका ये हो सकता है कि टेंसर बोर्ड एक फैसिलिटी है ऐसी आ, लॉस के लिए भी और भी बहुत सारे मॉड्यूल्स अवेलेबल है पाइथन में जो कि क्या करेगा आपको हर एक पॉक के लिए वो प्लॉट करता जाएगा और देखता जाएगा कि भी लॉस कितना रहा हर एक पॉक के लिए और इपॉक वाइज वो अपडेट होता रहता है तो यहाँ पे हमने जो स्टैटिक यूज किया है प्लॉट उससे हमारा कुछ ऐसा डेटा दिख रहा है अब ये डेटा सेट में हमारे को ये पता चला कि ओवर टाइम हमारा लॉस जो है कम हो रहा है जो कि अच्छी बात है होना भी चाहिए और शायद अगर हम ये और भी अगर हम ट्रेन करना चाहते और हम जाते कि भाई हम और एपॉक्स तक ट्रेन करें तो हम ये पाते हैं कि भाई वो एपॉक्स जो हैं बढ़ गए तो हम चेक कर सकते हैं कि अब हमारा लॉस जो है वो कितना रहा वैलिडेशन के लिए और ट्रेनिंग के लिए कहाँ पे कम हो रहा है कहाँ पे ज़्यादा हो रहा है मोटी तौर पर देखा जाए तो हमने ये पाया कि हाँ भाई हमारा जो वैलिडेशन लॉस रहा है वो कंपेरेटिवली कम ही रहा ट्रेनिंग लॉस से तो हम यहाँ पर ये चीज़ समझ पाए और उसके अलावा हमने ये देखा कि भाई हमारी ट्रेनिंग जो हो रही है वो प्रॉपरली हो रही है अगर ये प्रॉपरली नीचे की तरफ ना जाके ये जिग्जैक हो रहा है या फिर ये वैल्यूज जो हैं बार बार चेंज हो रही हैं ऊपर जा रहा है कभी लॉस कभी कुछ पॉक्स के लिए बहुत नीचे आ रहा है तो वो जो जिग्जैक फैशन है इसका मतलब ये है कि भाई आपकी ट्रेनिंग में कुछ प्रॉब्लम है हमारा डेटा जो है शायद होमोजेनस नहीं है या फिर कुछ भी रीज़न हो सकता है जिसकी वजह से कुछ ऐसा हो रहा है कि आपकी जो लॉस है वो अच्छे से ट्रेनिंग नहीं हो रही है तो लॉस बार बार चेंज हो रहा है कभी बहुत तेज हो रहा है बहुत कम हो रहा है तो उस चीज को हम अवॉइड करना चाहते हैं हम चाहेंगे कि हमारा जो लॉस वर्ष से पॉक है वो जितना स्मूथ हो सके उतना ज्यादा अच्छा है ये चीज हमने यहां पे देखी हमने अब फाइनली टेस्ट लॉस को देखा टेस्ट एक्यूरेसी प्रिंट करके देखी तो हमने टेस्ट डेटा को डाला उसके लिए हम मॉडल डॉट इवेल्युएट फंक्शन का यूज करते हैं और हमने प्रिंट करके देखा तो हमारी जो टेस्ट एक्यूरेसी है वो पॉइंट नाइन सिक्स फाइव ये निकल के आई है तो जी जो कि काफी अच्छी टेस्ट एक्यूरेसी है मान के चले कि जो हमारे ट्रेन का एक्यूरेसी था जो टेस्ट का एक्यूरेसी है वो लगभग बराबर ही आया तो हमारा मॉडल काफी अच्छे से ट्रेन हो गया है ये हम मान सकते हैं इसके अलावा अगर आप चाहें तो और भी अपने लेवल पे वो चीज़ करके देख सकते हैं कुछ और पैरामीटर्स डाल के देखिए शायद आप मेरे से भी यहाँ पे जो मैंने दिखाई है उससे भी अच्छी एक्यूरेसी निकाल के दिखाएं आप अगर अपने फ्रेंड्स के साथ पीयर्स के साथ ये चीज़ कर रहे हैं आप दोनों जो हैं अभी मशीन लर्निंग सीख रहे हैं और आप चाह रहे हैं कि भई हमने एक डेटा सेट उठा लिया और आप कंपेयर करेंगे कि कौन ज़्यादा अच्छा मॉडल एक्यूरेसी या कोई और एवेल्यूशन मेट्रिक जो भी आप चूज करते हैं वो ला सकता है तो एक बहुत अच्छी एक्सरसाइज आप पीयर लेवल पे भी कर सकते हैं कि भई देखेंगे कौन अच्छा इम्प्रूवमेंट ला सकता है अपने मॉडल पे और आपको उसी में वो जो लर्निंग होगी वो जो उसमें से आप कॉम्पिटेटिवली बेटर परफॉर्म करने की कोशिश करेंगे तो आप पाएंगे कि आपको बहुत सारी अलग अलग इंसाइट्स मिल रहे हैं डिफरेंट हाइपर पैरामीटर्स के बारे में जो कि आपके डेटा के हिसाब से बहुत अच्छी है और आप उसको यूज कर सकते हैं अब यहाँ पे हम विजुअली भी देखना चाहते हैं कि हमारे जो टेस्ट के सैंपल्स हैं उनकी वैल्यूज क्या निकल के आए तो विजुअली हमने टेस्ट करा कि भाई ये जो है ये प्रिडिक्टेड आया जो कि विजुअली हम चेक कर सकते हैं कि हाँ ये वन ही है ऐसे ही हम फाइव देख सकते हैं टू देख सकते हैं एट देख सकते हैं तो हाँ हमारा मॉडल जो है इंडीड बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहा है ये हमने आज देख लिया तो कंक्लूजन में हम ये कह सकते हैं कि आज हमने एक टेन क्लास एम क्लासिफायर मॉडल को ट्रेन करा उसको टेस्ट करा अपने हंड्रजन डिजिट्स पे और उसकी टेस्ट एक्यूरेसी जो थी ज़ीरो पॉइंट नाइन सिक्स रही जो कि काफ़ी अच्छी टेस्ट एक्यूरेसी है इसके अलावा हम आप हम हमेशा की तरह आपको इस बार भी एक ट्राइट योर सेल्फ एक्सरसाइज दे रहे हैं कुछ सिमिलर सा ही डेटा है यहाँ पे हंड्रेड डिजिट्स की जगह पे अब आपको फैशन एमनिस्ट का डेटा दिया गया है फैशन एमनिस्ट में आपको कुछ ऐसे इमेजेस मिलेंगे जो कि डिफरेंट डिफरेंट अपेर की होगी शूज हैं शर्ट है बैग uh, है, है ये सारी आपको अपेर गिवन है और आपको अब एक मॉडल ट्रेन करना है जो कि इन सबको क्लासीफाई कर पाए तो ये आपकी टेक होम एक्सरसाइज होगी आप इसको जरूर ट्राई करें और नए नए डेटा सेट्स अब आप क्योंकि एक नए डोमेन में घुस चुके हैं कि अब आप इमेज डेटा सेट पर भी वर्क कर सकते हैं तो आप उसको भी एक्सप्लोर करें और देखें कि आपके पास जो नया डेटा निकल के आ रहा है वो कैसा है और उस पर आप क्या क्या कर सकते हैं फाइनली समरी है जिसमें हमने आज ये देखा कि हम एम को कैसे यूज करते हैं उसको एक पब्लिक डेटा सेट पर कैसे अप्लाई करते हैं फिर हमने ये भी जाना कि कैरास क्या है टेंसर फ्लो क्या है पाइटॉच से दोनों चीजें कैसे अलग हैं उसके अलावा हमने रास को यूज करके एक न्यूरल नेटवर्क मॉडल भी बनाया उसके अलावा हमने एक वैलिडेशन सेट को कैसे यूज करते हैं और उसकी क्या यूटिलिटी है उसको जाना उसके अलावा हमने लॉस वर्सेस एपॉक के कर्व को भी प्लॉट करा तो यहाँ पे हमारा ट्यूटोरियल समाप्त होता है धन्यवाद नमस्ते दोस्तों आइए अब हम इस मॉड्यूल में कॉन्ुशनल न्यूरल नेटवर्क पढ़ेंगे जो कि एक तरह के डीप लर्निंग आर्किटेक्चर्स हैं कॉन््यूशनल न्यूरल नेटवर्क को शॉर्ट में हम सी भी कहते हैं और सी बहुत ही इंपॉर्टेंट आर्किटेक्चर है जो कि बहुत सारे एप्लीकेशंस में इस्तेमाल किया जाता है तो इस मॉड्यूल के लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं हम सी के बारे में पढ़ेंगे सी के अंदर काफ़ी सारे इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट हैं जिनमें कि कर्नल कॉन्ूशन स्ट्राइड पुलिंग डायलेशन फुली कनेक्टेड लेयर एक्सेट्रा हम इन्हीं सब कॉन्सेप्ट को बड़े ध्यान से देखेंगे और ये भी समझेंगे कि एक सी एन एन मॉडल बनाने के बाद हम उसके टोटल नंबर ऑफ़ ट्रेनेबल पैरामीटर्स कैसे निकालें एक्चुअली सी एन एन जो है वो डेंस न्यूरल नेटवर्क के कंपेरिजन में काफ़ी कम ट्रेनेबल पैरामीटर्स की uh, रिक्वायरमेंट रखता है इसलिए ये बहुत ही अच्छा मॉडल समझा जाता है इसमें हम कुछ फेमस आर्किटेक्चर्स देखेंगे जैसे लेनेट फाइव आर्किटेक्चर जो थोड़ा सिंपल है और आराम से समझ में भी आ जाएगा एलेक्सनेट आर्किटेक्चर और कुछ और फेमस आर्किटेक्चर्स के बारे में नाम और उनमें क्या ख़ूबियाँ थी थोड़ा सा ब्रीफली देखेंगे थोड़े से चैलेंजेस के बारे में भी बात करेंगे जो एक तरीके से हम कह सकते हैं सी एन नहीं हर डीप लर्निंग आर्किटेक्चर के चैलेंजेस कहे जा सकते हैं और फिर एक छोटा सा कोड का स्निपेट भी देखेंगे तो आइए अब हम पहले बात करते हैं डेंस न्यूरल नेटवर्क या अगर ट्रेडिशनली डीप न्यूरल नेटवर्क बनाएं उसको देखें इसको हम कई बार कहते हैं डेंस न्यूरल नेटवर्क और फिर हम सी एन एन नेटवर्क की बात करें तो दोनों में क्या डिफरेंस है तो अगर हम एक कन्वेंशनल न्यूरल नेटवर्क देखें तो उसमें क्या है कि हर प्रीसीडिंग लेयर और हर नेक्स्ट लेयर में सारे कनेक्शंस एस्टैब्लिश होते हैं जैसे कि आप देख रहे हैं ये इनपुट लेयर है तो इनपुट में हमारे चार फीचर्स हैं तो जो पहली लेयर आई वो ये वाली पहली लेयर है तो सारे चारों के चारों फीचर्स हर न्यूरॉन से कनेक्टेड हैं जो कि फर्स्ट हिडन लेयर का फर्स्ट हिडन लेयर में लगे हुए हैं तो ये होता है हमारा इसलिए इसको बोलते हैं हम डेंस इसी तरह अगर हम इस लेयर को देखें और फिर नेक्स्ट लेयर को देखें तो जो पिछली लेयर है उससे जो अगली लेयर है उसमें सारे कनेक्शंस होंगे ये बिल्कुल डेंस कनेक्शंस होंगे मतलब कि अगर ये चार या छः हैं तो छः से छः हर एक से हर न्यूरॉन को एक कनेक्शन इस तरीके से जाएगा तो ये इस तरीके से हम इन्हें बोलते हैं डेंस कनेक्शंस तो ये एक ट्रेडिशनल न्यूरल नेटवर्क है लेकिन इसमें क्या होता है नंबर ऑफ ट्रेनेबल पैरामीटर्स बड़ी तेजी से बढ़ने लगते हैं जैसे कि सपोज करिए कि इनपुट पे थे फीचर्स चार उसके बाद हमारी पहली लेयर आई उसमें हमने लगाए चार न्यूरॉन, दूसरी में हमने लगा दिए सपोज करिए छः तीसरी में चार और फिर एंड में हमने सॉफ्ट मैक्स लगाई तीन तो अब ये कितने होंगे फोर इंटू फोर प्लस फोर आपके आ, जो हैं वो बाइस्टम है हर न्यूरॉन की जो इस लेयर में लगे हुए हैं फिर इनके बीच में कितने होंगे फोर इंटू सिक्स प्लस सिक्स फिर इनके बीच में कितने होंगे सिक्स इंटू फोर प्लस फोर और इनके बीच में कितने होंगे फोर इन टू थ्री इतने नंबर ऑफ़ ये हमारे हैं अगर हम इन सबको ऐड कर दें इन सबको हम ऐड कर दें प्लस 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 तो ये है हमारे टोटल ट्रेनेबल पैरामीटर्स अब यहाँ पर तो क्या है कि हमारे नंबर ऑफ़ लेयर आर वेरी लेस हमने जो चूज़ किए हमने चार छः चार इस तरीके से चूज़ किए लेकिन अगर ये नंबर ऑफ़ न्यूरॉन्स जो हैं आपके काफ़ी बढ़ जाएं सपोज़ करिए कि आपकी इनपुट इमेज थी फाइव ट्वेल्व बाई फाइव ट्वेल्व और पहली लेयर में तो फाइव ट्वेल्व बाई फाइव ट्वेल्व तो ये आपके काफ़ी सारे जब आप इसको देखेंगे तो नंबर ऑफ़ इनपुट फीचर्स काफ़ी सारे हो गए अगर आप फ्लैटन करके डालेंगे तो अगर नेक्स्ट लेयर में आपके वन जीरो टू फोर न्यूरोन हैं तो फाइव ट्वेल्व इंटू फाइव ट्वेल्व इंटू वन जीरो टू फोर प्लस बायस के भी होंगे प्लस वन ज़ीरो टू फोर इतने सारे ट्रेनेबल पैरामीटर एक ही लेयर में हो जाएंगे तो बड़ी तेज़ी से अगर आपका डेंस न्यूरल नेटवर्क है फुल्ली कनेक्टेड न्यूरल नेटवर्क भी इसको बोल देते हैं तो अगर ऐसा आ, आपका न्यूरल नेटवर्क है तो उसमें बड़ी तेज़ी से टोटल नंबर ऑफ़ ट्रेनेबल पैरामीटर्स बढ़ने लगते हैं आपके बिलियंस ऑफ पैरामीटर्स हो जाएंगे आपके इतने जो हैं आपके डेटा सैंपल्स थोड़े हैं तो क्या होगा कि मॉडल या तो ट्रेन ही नहीं होगा या ओवर फिट हो जाएगा मतलब कि आप उससे डिजायर रिजल्ट नहीं पा पाएंगे उसका जो एक सोल्यूशन निकला वो निकला कॉन्वल्यूशनल न्यूरल नेटवर्क अब यहाँ पर तो जब हम डेंस या फुल्ली कनेक्टेड नेटवर्क की बात करते हैं तो हम बात करते हैं कंप्लीट कनेक्टिविटी की लेकिन जब हम कॉन्वल्यूशनल न्यूरो नेटवर्क की बात करते हैं तो हम कहते हैं लोकल कनेक्टिविटी की तो यहाँ पर कॉन्सेप्ट आ जाता है कर्नल्स या फिल्टर्स का और ये एक लिमिटेड पैच अगर ये एक इनपुट आर जी बी इमेज है तो हर एट अ टाइम कर्नल जो है वो सिर्फ एक लिमिटेड पैच ऑफ इनपुट के साथ अपना कनेक्शन बनाता है और उसी में वो ट्रेनेबल पैरामीटर्स होते हैं तो वो कम हो जाते हैं अब देखिए इसे हम आराम से कैसे समझेंगे तो सपोज़ करिए कि हमारे पास ग्रे स्केल इमेज थी और उसका साइज़ था सिक्स क्रॉस सिक्स तो ये हमने एक इमेज बना रखी है एक्चुअली बाइनरी इमेज ही है वन ज़ीरो भरा हुआ है अब हमने कहा तो कर्नल क्या होता है कर्नल को हम फिल्टर भी कह सकते हैं तो ये एक तरीके से फिल्टर है और इसका आइडिया जो कॉन्वल्यूशनल न्यूरल नेटवर्क है इसका आइडिया कोर सिग्नल प्रोसेसिंग या इमेज प्रोसेसिंग से डिराइव्ड है आपको पता होगा कि इमेज प्रोसेसिंग में जैसे कि अगर सपोज़ करिए हमें एजेस निकालनी है तो हमारे पास एज डिटेक्शन के फिल्टर्स होते हैं सोबल ऑपरेटर वगैरह होते हैं जो आप थ्री क्रॉस थ्री या फ़ाइव क्रॉस फाइव या सेवन क्रॉस सेवन के साइज़ में सेट करते हैं और उसको अपनी इमेज के साथ जब आप कन्वॉल्व करते हैं तो आपकी आउटपुट जो आता है वो एजेस की तरह की इंफॉर्मेशन आती है अब यहाँ पर भी हम यही करना चाहते हैं लेकिन हम यहाँ ये यह चाहते हैं कि ये जो कर्नल है ये खुद लर्न हो इनके जो पैरामीटर्स हैं वो खुद लर्न हो तो अपने आप ही वो फ़ीचर्स लर्न कर ले और क्योंकि ये कर्नल छोटा होता है आपकी इमेज तो हो सकती है इनपुट इमेज 512 ट्वेल्व बाई फाइव लेकिन कर्नल का साइज़ हो सकता है आप चूज़ करें थ्री क्रॉस थ्री तो इसका मतलब वो कर्नल थ्री क्रॉस थ्री का है और जिस तरीके से जब आप ट्रेडिशनल कॉन्वोल्यूशन करते हैं तो थ्री क्रॉस थ्री का स्पेशल फिल्टर बनाया उसको पूरी इमेज के ऊपर आप मूव करते हुए कॉन्वोल्यूशन करते हो लेकिन जब आप मूव करते हुए कॉन्वोल्यूशन करते हो तो वो फिल्टर के वेट्स जो हैं वो फिक्स रहते हैं आपने एक कोई फिल्टर चूज़ कर रखा है वो वेट्स फिक्स रहते हैं यहाँ पर भी हम कहेंगे कि एट अ टाइम फिल्टर जो है एक लोकल पैच को देख रहा है और फिर धीरे धीरे मूव कर रहा है लेकिन वो सेम ही फिल्टर है जो पूरी इमेज पे मूव करेगा तो इसका मतलब अगर वो थ्री क्रॉस थ्री का कर्नल है तो उसमें पैरामीटर्स कितने हुए और ये जो थ्री क्रॉस थ्री का कर्नल है इनको आपने अगर माना तो इसके टोटल पैरामीटर्स हुए आपके थ्री इंटू थ्री इज इक्वल टू नाइन अगर आप ग्रे स्केल इमेज पे काम कर रहे हैं प्लस क्योंकि ये एक न्यूरॉन में का आउटपुट देगा न्यूरॉन में जा रहा है तो इसका मतलब प्लस वन जो इसकी टर्म है तब तो इसको दोबारा थोड़ा हम इसे बार 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 देखेंगे ताकि ये हमें समझ में आ जाए तो सबसे पहले हम क्या करते हैं हम रैंडमली वेट इनिशलाइज़ हैं ये तो हम न्यूरल नेटवर्क में भी करते हैं तो यहाँ पर क्योंकि कर्नल का कॉन्सेप्ट है और हमने कहा कि भाई हमने तो अपना फिल्टर लिया थ्री क्रॉस थ्री का तो हम इनिशियली उस कर्नल के वेट्स को हम रैंडमली इनिशलाइज कर देंगे तो हे इनिशलाइजेशन जो हमने वेट इनिशलाइजेशन के मेथड पढ़े थे हे कितने भी तरीके के पढ़े थे हम किसी भी मेथड से वेट्स को इनिशलाइज कर देंगे तो सपोज करिए कि ये हमारा एक फिल्टर है जो इनिशलाइज वेट से है अब जब हम ट्रेन कर देंगे हो सकता है वो जो लर्न हो फाइनल लर्नड फिल्टर हो उसकी हो सकता है कैपेबिलिटी हो उसकी कैपेबिलिटी क्या होगी वो एक स्टेबल फिल्टर बन जाएगा उसके बाद अगर और थोड़ी पॉक चलाएंगे तो उसके वेट्स अपडेट नहीं हो रहे हैं तो सपोज करिए कि ये आपका लर्नड कर्नल है तो अब लर्नड कर्नल जो होता है वो फाइनली थ्री क्रॉस थ्री एक पैटर्न को देख के उस पैटर्न को आइडेंटिफाई करने की क्षमता रखता है इसको भी अभी हम थोड़ी देर में फिर समझेंगे अब पहले समझते हैं कि इसमें अब कॉन्वल्यूशन होगा कैसे तो हमने एक सिंपल सा एग्जाम्पल कंस्ट्रक्ट किया कि हमारे पास है सिक्स क्रॉस सिक्स साइज की ग्रे स्केल इमेज हमने कर्नल का साइज़ क्या लिया थ्री क्रॉस थ्री और सपोज करिए कि हमने 50 हिपॉप तक अपना मॉडल चलाया था हर बार हम फॉरवर्ड पास लेके गए डेटा को और फिर हमने एरर कंप्यूट किया और उसको लॉस फंक्शन निकाला और फिर उसको ग्रेडियंट लेके बैक प्रोपेगेट किया और हम अपडेट करते रहे वेट्स को अपडेट करते रहे फाइनली ये जो हमारा कर्नल था ये लर्न हो गया ये फाइनल इपॉक पे हमारा हमें मिल गया तो लेकिन फिर भी हम एक फॉरवर्ड पास अगर करें तो ये कर्नल आखिर हमारी इनपुट इमेज से कनेक्टेड कैसे है और यहाँ पर न्यूरॉन का कॉन्सेप्ट क्या है कंपेयर टू ट्रेडिशनल न्यूरल नेटवर्क तो अब क्या होगा कर्नल को मूव करना है कर्नल को तो कॉन्वल्यूशन करनी है तो कैसे मूव करेगा तो सबसे पहले ये जो कर्नल है ये थ्री क्रॉस थ्री के इनपुट पैच पे इस तरीके से जाके आप बैठाओगे और उसके बाद उसका डॉट प्रोडक्ट लेंओगे यही हम कॉन्वोल्यूशन uh, में करते हैं तो अब हम देखते हैं कि ये क्या आया तो ये क्या हुआ वन अगर मैं इस वन को देखूं और इस वन को देखूं तो वन इंटू वन प्लस माइनस वन इंटू ज़ीरो वो तो ज़ीरो हो गया माइनस वन इंटू ज़ीरो वो भी ज़ीरो हो गया माइनस वन इंटू जीरो वो भी ज़ीरो हो गया वन इंटू वन फिर एक और आ गया वन प्लस वन नॉन ज़ीरो एंट्री आ गई और फिर लास्ट नॉन ज़ीरो एंट्री यहाँ आएगी प्लस वन इंटू वन तो ये कितना हो गया थ्री तो इसका मतलब डॉट प्रोडक्ट का आउटपुट आया थ्री तो अब हम ये कह रहे हैं कि भई अगर हमने इस अपनी पूरी इमेज को वैक्टराइज़ कर लें हम कैसे पहले हम फर्स्ट रो को लिखें फिर हम सेकेंड रो को लिखें और इस तरीके से आप कॉलम वाइज भी वैक्टराइज कर सकते हैं अगर आपने वैक्टराइज़ कर लिया था तो अब आप क्या पाएंगे आप ये पाएंगे कि आपके ये जो वेक्टर है ये जो इनपुट आया ये इनपुट आपका है इसमें हो गए 36 फीचर्स क्योंकि 6 क्रॉस सिक्स इज इक्वल टू 36, सिक्स इज इक्वल टू थर्टी इनपुट फीचर्स क्योंकि हर पिक्सल की इंटेंसिटी को ही इमेज की पिक्सल की इंटेंसिटी को ही आप इनपुट फीचर कह रहे हैं तो ये हो गए 36, और अब इन 36 में अगर ट्रेडिशनल न्यूरल नेटवर्क होता और एक हम यहाँ न्यूरॉन लगाते तो सारे के सारे 36 सिक्स इनपुट इस न्यूरॉन में जाते वेटेड समेशन होता उसके ऊपर वेट्स डले होते हर लिंक के ऊपर और उसके बाद वो एक नॉन लीनियर एक्टिवेशन से पास होता लेकिन यहाँ पर क्या है यहाँ पर हमने कहा कि ये जो पहला न्यूरॉन है ये है हमारा पहला न्यूरॉन, ये कितने से कनेक्टेड है इट इज़ नॉट फुल्ली कनेक्टेड टू ऑल द थर्टी सिक्स फीचर्स ये सिर्फ नौ के साथ कनेक्टेड है और वो नौ कौन सी पोजीशन है ये ये वाली ये वाली तो ये हमारी कहाँ है पहली दूसरी तीसरी फिर चार पाँच छः चली गई बीच में डॉट 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 लगा दिए फिर आ गया ज़ीरो वन जीरो फिर हमने डॉट 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 लगा दिए फिर उसके बाद आ गया ज़ीरो ज़ीरो वन फिर हमने ले लिया ज़ीरो ज़ीरो वन अगर हमने इसको इस तरीके से लिया ठीक है और फिर उसके बाद ज़ीरो ज़ीरो वन और फिर डॉट 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 बाकी के सारे आ गए अब हमने अगर इस तरीके से इसको अरेंज कर दिया अब हमने देखा अब हमने हर एक कनेक्शन के ऊपर तो वन और वन ये वाले वन किस ये वाली पोजीशन किस वेट के साथ है ये वन वेट के साथ है वो वेट हमने यहाँ डाल दिया तो ये जो कर्नल के वेट्स हैं वो हमने कर्नल के वेट्स यहाँ एजेस पे डाल दिए तो इस तरीके से जब हमने इसको डाल दिया तो अब उसके बाद हमने क्या किया अब हमने इसके वेट्स डाले अब ये वेटेड सम हुआ थ्री बन गया अब इसके बाद एक नॉन लीनियर एक्टिवेशन के बाद ये आउटपुट आ जाएगा वो नॉन लीनियर एक्टिवेशन आप रेलू लगा सकते हैं या कुछ भी लगाते हैं जनरली हम सी में रेलू लगाते हैं लेकिन यहाँ पर एक न्यूरॉन जो है वो सिर्फ नाइन इनपुट से कनेक्टेड है वो सारे इनपुट से कनेक्टेड नहीं है अब आप क्या करेंगे अब आप आगे जाएंगे अब आप कहेंगे दूसरी पोजीशन अब हम कहते हैं कॉन्ूशन अगर हम कर रहे हैं स्ट्राइड वन से स्ट्राइड वन का मतलब है कि अब आप कर्नल को एक मूवमेंट देंगे एक कॉलम से एक कॉलम से आगे शिफ्ट करेंगे अब आपने इसको एक कॉलम से आगे शिफ्ट किया अब आप ये येलो वाला बॉक्स देख सकते हैं अब फिर दोबारा कर्नल्स के वही वेट्स हैं कर्नल के अब उसको फिर पॉइंट वाइज मल्टीप्लाई करेंगे डॉट प्रोडक्ट लेंगे ये आपने डॉट प्रोडक्ट लिया आप वेरीफाई कीजिए अब की बार का जो डॉट प्रोडक्ट होगा वो हमें देगा वैल्यू माइनस वन तो हम क्या कर रहे हैं कर्नल को जब हम एक एक स्टेप से मूव करेंगे फिर हम एक और स्टेप से मूव करेंगे हम यहाँ पर आ जाएंगे हम यहाँ पर आ जाएंगे जब एक और स्टेप से मूव करेंगे फिर हम एक और स्टेप से मूव करेंगे तो हम यहाँ पर आ जाएंगे तो इस तरीके से एक तरीके से हमारा एक और एक चार न्यूरॉन इस तरीके से लग जाएंगे जब ये पूरी व्यर्थ कवर कर लेगा अब वो एक स्टेप से नीचे आएगा अब की बार वो क्या करेगा अब वो यहाँ से यहाँ तक आएगा ये एक और न्यूरॉन नीचे लगेगा इस तरीके से अब हम मूव करते जाएंगे लेकिन हर बार ये हर न्यूरॉन, पहला दूसरा तीसरा चौथा कितने न्यूरॉन बनेंगे इस डायरेक्शन में भी आप पाएंगे क्योंकि ये सिक्स क्रॉस सिक्स है तो ये एक्चुअली फोर क्रॉस फोर का बन जाएगा तो आपके पास एक्चुअली नेक्स्ट लेयर में इनपुट में आपके थर्टी सिक्स इनपुट फीचर्स हैं और ये वाली जो लेयर है ये जो फर्स्ट लेयर है फर्स्ट लेयर में आपके 16 न्यूरॉन्स लगे हुए हैं ठीक है थीके? लेकिन हरेक का वेट सेम ही है तो 16 न्यूरॉन्स तो लगे हुए हैं लेकिन आपके टोटल ट्रेनेबल पैरामीटर्स कितने हैं ट्रेनेबल पैरामीटर्स हुए आपके क्योंकि थ्री क्रॉस थ्री का कर्नल था और आपके कितने न्यूर... और हर और हर वो ही एक न्यूरॉन को जा रहा है और थ्री क्रॉस थ्री प्लस वन आपकी बायस्टम है तो टोटल सिर्फ दस पैरामीटर्स हैं लर्नेबल पैरामीटर्स इस कर्नल के लिए ठीक है और अगर आपका ट्रेडिशनल होता तो आपके कितने ट्रेनेबल पैरामीटर्स होते तो आपके होते थर्टी सिक्स इंटू सिक्सटीन प्लस सिक्सटीन क्योंकि आपके सिक्सटीन न्यूरॉन लगे थे तो यहां पर हम इसको बोलते हैं कॉन्सेप्ट ऑफ शेयर्ड वेट्स अब हम आगे चलते हैं तो अब हमने क्या किया ये अब हमने पूरा कॉन्सेप्ट कर लिया तो हमारे ये फोर क्रॉस फोर की आउटपुट इमेज आ गई तो हमारी इनपुट इमेज का साइज़ था सिक्स क्रॉस सिक्स आउटपुट इमेज आ गई फोर क्रॉस फोर लेकिन ये हर जो पोजीशन है ये एक्चुअली एक न्यूरॉन का आउटपुट है लेकिन ये कंप्लीट न्यूरॉन का आउटपुट तब बनेगा जब हम इस न्यूरॉन में एडर के अलावा हम एक समर भी वो एक नॉन लीनियर एक्टिवेशन भी डाल देंगे तो नॉर्मली उसके बाद फिर हम एक नॉन लीनियर एक्टिवेशन भी डालते हैं जिसको कि जब आप टेंसर फ्लो केरास वगैरह में करते हैं तो नॉन लीनियर एक्टिवेशन आप उसके साथ एक सेपरेटली ऐड कर देते हैं मतलब कि पूरे इस फोर क्रॉस फोर के बाद एक नॉन लीनियर एक्टिवेशन भी हर पोजिशन पर लग जाएगी तो अब जब हमने अब इसमें हमने कहा था कि इसमें एक कुछ पैटर्न्स को आइडेंटिफाई करने की क्षमता होती है तो उसको देखते हैं तो हमने फ़िल्टर कर्नल कुछ इस तरीके से लिया था अब देखिए अब अगर ये फ़िल्टर कर्नल इसके ऊपर बैठा इस पोजीशन के ऊपर बैठा तो यहाँ पर जो तीन वन 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 है वो सारे ऐड हो जाएंगे तो यहाँ पर वो थ्री आ गया लेकिन अगर इसी तरह का पैटर्न दोबारा यहाँ पर आ गया कि यहाँ पर देखिए दोबारा थ्री वन वन जीरो ज़ीरो ज़ीरो और इसी तरह का पैटर्न आ गया तो हमारा सेम आउटपुट आया तो जब वो इस तरह का सिमिलर से पैटर्न अगर आपके इमेजेस में आए तो अगर ये वाला है अगर ये वाला पैच आया और अगर इसी तरह का एक और पैच आया तो वो सिमिलर आउटपुट जनरेट करेंगे और अगर आपका फ़िल्टर कर्नल और आपका इनपुट इमेज का बिल्कुल वैल्यूज़ एग्जैक्टली मैच कर गई तो सपोज़ करिए कि आपका जो इमेज का पैच था हम इस इमेज पैच को मॉडिफाई कर देते तो जो पहला पैच था या ये दूसरा पैच कहिए ये वाला जो पैच है सपोज़ करिए कि इस पैच की वैल्यू हो जाती हमारी हम इसको मॉडिफाई कर देते हैं सपोज़ करिए कि इस पैच की भी वैल्यू हो जाती हमारी वन माइनस वन माइनस वन माइनस वन वन माइनस वन माइनस वन माइनस वन वन अब अगर इस पैच को और इस पैच का डॉट प्रोडक्ट लेंगे तो क्या आएगा नाइन आएगा क्योंकि वन इंटू वन इज़ वन प्लस माइनस वन इंटू माइनस वन वो फिर वन हो जाएगा तो इसका पैच का आउटपुट आएगा नाइन और ये मैक्सिमम है इससे ज़्यादा आउटपुट यहाँ आ नहीं सकता क्योंकि ये यह यहाँ पर वन जीरो वन माइनस वन इस तरह की वैल्यू भरी हुई है तो कहने का मतलब ये है कि हम इसमें जो अगर हमारा जो कर्नल का वेट्स है अगर कर्नल की तरह का ही बिल्कुल एग्जैक्टली पैटर्न मैच हो जाता है इनपुट इमेज में तो इसको हम कहते हैं मैच फिल्टर का कॉन्सेप्ट तो आपका मैक्स आउटपुट वो जनरेट करेगा यहाँ पर क्योंकि हमने कहा कि हमारी इनपुट ग्रे स्केल इमेज है और उसमें भी हमने बाइनरी ले रखी है ज़ीरो वन तो या तो उसमें वैल्यू वन होंगी या जीरो होंगी तो सिर्फ वन 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 ही मैच करेंगे माइनस वन तो आपके मैच ही नहीं करेंगे वो इक्वलेंटली ज़ीरो ही है तो इसलिए जब आप उसको मल्टीप्लाई करेंगे तो थ्री ही आपका मैक्स आएगा लेकिन इस तरह का पैटर्न अगर इमेज में लोकली कहीं और भी आया तो वो भी एग्जैक्टली सेम आउटपुट जनरेट करेगा तो इसको हम कहते हैं कि ये मैच फ़िल्टर का कॉन्सेप्ट है जो कि ट्रेडिशनली इमेज प्रोसेसिंग और सिग्नल प्रोसेसिंग में कॉनवोल्यूशन में काफ़ी इस्तेमाल किया जाता है अब हम लर्नेबल पैरामीटर्स एक बार दोबारा कम कम्प्यूट करते हैं हमारी इनपुट इमेज का साइज़ था सिक्स तो और वो क्योंकि ग्रे स्केल इमेज थी तो इसमें आर कोई चैनल नहीं था एक ही चैनल था अब इनपुट लेयर के फीचर्स कितने हो गए थर्टी सिक्स उन थर्टी सिक्स को हमने विक्टराइज किया था जो आपने पीछे देखा भी साइज ऑफ इमेज आफ्टर कॉन्वोल्यूशन कितनी वो हमने देख लिया फोर क्रॉस फोर बनेगी आप शिफ्ट करते जा रहे हैं तो नंबर ऑफ न्यूरॉन्स कितने हुए इस लेयर में कितने नंबर ऑफ न्यूरॉन्स हुए वो हमारे हैं फोर इंटू फोर इज इक्वल टू सिक्सटीन तो टोटल लेकिन क्योंकि कर्नल हर पोजीशन के लिए हर न्यूरॉन के लिए वेट्स वही हैं उसके कनेक्शन अलग हो गए हैं वो अलग पैच देख रहा है ये वाला जो न्यूरॉन है ये हमारा न्यूरॉन जो है वो इस पैच को देख रहा है येलो पैच को ये वाला न्यूरॉन रेड वाला जो न्यूरॉन है ये हमारे इस पैच को देख रहा है तो हर बार वो पैच तो अलग देख रहा है लेकिन उसके वेट्स उसी ऑर्डर में है और वो कर्नल वही है इसलिए आपके टोटल लर्नेबल पैरामीटर्स कितने वे साइज़ ऑफ कर्नल विच इज़ थ्री क्रॉस थ्री प्लस वन जो आपकी बायसम है नाइन प्लस वन इज़ इक्वल टू टेन ये हो गए आपके नंबर ऑफ़ ट्रेनेबल पैरामीटर्स अब इसको कंपेयर करते हैं अगर फुली कनेक्टेड नेटवर्क होता फुली कनेक्टेड होता तो आप क्या करते आप इसको वैक्टराइज़ करते तो आपने सपोज़ करिए इस तरीके से वैक्टराइज कर रखा है तो आपके अब कितने आए ये आपके टोटल थर्टी सिक्स इनपुट्स हो जाते और थर्टी सिक्स इनपुट को अगर नेक्स्ट लेयर में आपने सिक्सटीन न्यूरोन लगा रखे हैं तो आपके हर न्यूरॉन जो है नेक्स्ट लेयर के हर न्यूरॉन से कनेक्टेड है तो आपके इतने सारे पैरामीटर्स हो जाते हैं। तो कंपेयर इसको कंपेयर कीजिए आप जो हमारे टोटल सिर्फ दस नंबर ऑफ़ ट्रेनेबल पैरामीटर्स है साथ में उसमें मैच फिल्टर का कॉन्सेप्ट भी है और वो एक तरीके से पैटर्न लोकल पैटर्न को भी आइडेंटिफाई करने की क्षमता रखता है अब अगर सपोज करिए तो यहाँ पर अब हम कॉन्सेप्ट को थोड़ा बढ़ाते चले जाते हैं अब हम कहते हैं कि पहली हमने इनपुट आया इनपुट के बाद हमने पहली कॉन्वोल्यूशनल लेयर लगाई लेकिन हम कई बार अब कहते हैं कि हमने कॉन्वोल्यूशनल लेयर में सिक्सटीन कर्नल्स लगा दिए या यहाँ पर हमने कहा टू कर्नल्स लगा दिए टू कर्नल्स का क्या मतलब है हमने इस तरह के दो कर्नल लगाए और हर कर्नल फोर क्रॉस फोर का आउटपुट जनरेट करेगा तो इसका मतलब अगर हमने दो कर्नल लगाए तो हमारी आउटपुट क्या होगी दो टू फोर क्रॉस फोर इमेजेस जनरेट होंगी और इन अदर वर्ड्स हम ये कह सकते हैं टू इन फोर क्रॉस फोर का एक टेंसर जनरेट हो गया और वो टेंसर जो है उसको हम फीचर मैप भी कह सकते हैं तो साइज़ ऑफ़ आउटपुट या फीचर मैप आफ्टर कॉन्वल्यूशन कितना हुआ टू इंटू फोर क्रॉस फोर अब नंबर ऑफ़ न्यूरॉन्स इन द नेक्स्ट लेयर कितने हुए टू इंटू फोर क्रॉस फोर तो ये हो गए टोटल थर्टी टू लेकिन टोटल नंबर ऑफ ट्रेनेबल पैरामीटर्स कितने हैं हमने दो कर्नल लगाए और दोनों थ्री क्रॉस थ्री के लगाए तो टू इंटू टेन इज इक्वल टू ट्वेंटी तो हमारे नंबर ऑफ ट्रेनेबल पैरामीटर्स तो कुल बहुत धीरे से बढ़े जबकि हमारे टोटल न्यूरॉन्स नेक्स्ट लेयर में बहुत ज़्यादा हैं अब इसकी यूटिलिटी क्या है हो सकता है आप इमेज रिकॉग्निशन का टास्क कर रहे हैं हो सकता है पहला कर्नल जो आपका कर लर्न हो वो हॉरिजोटल एजेस डिटेक्ट कर रहा हो नेक्स्ट कर्नल आपने ढेर सारे कर्नल लगा रखे हैं पहली कॉन लेयर में हो सकता है जो नेक्स्ट कर्नल हो वो वर्टिकल डायरेक्शंस को वर्टिकल एजेस को निकाल पा रहा हो तो इस तरीके से हो सकता है जो थर्ड कर्नल हो वो एवरेजिंग कर रहा हो लो फ्रीक्वेंसी इन्फॉर्मेशन निकाल रहा हो तो इस तरीके से हर कर्नल कुछ अलग इंफॉर्मेशन लर्न कर जाएगा और इवेंचुअली तो उसको टास्क को एकम्प्लिश करना है तो जब आप बार 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 बैक प्रोपिगेट करके वेट्स को एडजस्ट करते हैं तो कर्नल्स एक दूसरे से आइडेंटिकल ना होकर थोड़े डिफरेंट डिफरेंट अपने आप हो जाएंगे ताकि वो इमेज में से हर पॉसिबल फीचर को एक्सट्रैक्ट कर सकें और फिर उसके बाद उस, उससे उस इमेज को पहचान सकें या क्लासीफाई कर सकें अब हम अभी हमने क्या कहा कि हमने convolution किया तो हमने कर्नल को मूव किया सिर्फ एक स्टेप से उसको हम कहेंगे स्ट्राइड वन अब आप ये भी कह सकते हैं कि नहीं भाई हम तो स्ट्राइड टू से चलना चाहते हैं तो क्या होगा तो स्ट्राइड टू से चलने का मतलब हमने यहाँ पर दिखाया तो पहला तो पहली पोजीशन तो हम टॉप कॉर्नर से चले थ्री क्रॉस थ्री का कर्नल उसके ऊपर रखा डॉट प्रोडक्ट किया और रेड वाले का आउटपुट हमारा थ्री आ गया अब हमने दो जंप मारे और फिर ये आप देख रहे हैं येलो का बॉक्स तो अब हम इमेज के इस पैच पे आ गए इसको कर्नल के साथ हम डॉट प्रोडक्ट लेंगे और फिर वैल्यू हमने निकाली तो आपकी बार हमारी माइनस थ्री वैल्यू आ गई लेकिन अब हम एक और बार उसे टू स्ट्राइट से बाहर करेंगे तो वो एक्चुअली यहाँ कहीं चला जाएगा तो वो तो पॉसिबल नहीं है क्योंकि यहाँ तो इमेज ही नहीं है तो इसका मतलब हम इस डायरेक्शन में सिर्फ दो ही आउटपुट जनरेट कर पाएंगे अब हम नीचे की तरफ कर्नल को शिफ्ट करेंगे वो भी टू स्ट्राइट से करेंगे तो नेक्स्ट हमारी पोजीशन क्या होगी नेक्स्ट पोजीशन होगी हमारी ये वाली ये भी एक आउटपुट जनरेट करेगी नेक्स्ट पोजीशन क्या होगी वो ये वाली होगी वो भी एक आउटपुट जनरेट करेगी मतलब कि वो भी एक न्यूरॉन से कनेक्टेड होगा तो ये पैच भी दोनों एक एक न्यूरॉन से कनेक्टेड होंगे और आउटपुट जनरेट करेंगे तो इसका मतलब अब की बार आउटपुट इमेज का साइज क्या हुआ अब की बार हुआ टू क्रॉस टू आउटपुट का साइज नंबर ऑफ न्यूरॉन्स कितने हुए? नेक्स्ट लेयर में फोर टोटल ट्रेनेबल पैरामीटर्स क्या है वो तो फिर भी फिक्स्ड है वो कितने हैं वो तो कर्नल के साइज पर डिपेंडेंट है थ्री क्रॉस थ्री प्लस वन बायम तो ये इसका मतलब टेन ट्रेनेबल पैरामीटर्स बहुत बढ़िया अब हम समझते हैं हमने अभी तो बड़ा सिंपल केस लिया था हमने सिर्फ ग्रे स्केल इमेज ली थी अब की बार हमने क्या किया हमने आर जी बी इनपुट इमेज ले ली जनरली तो हम आर जी बी कलर्ड इमेज से ही काम करते हैं तो अब क्या है कि हर इमेज में तीन तीन एक्चुअली उसके चैनल्स हैं एक है रेड कलर का चैनल एक है ग्रीन और एक है ब्लू कलर का चैनल तो इसका मतलब है कि अब हमारी इमेज कैसी है सिक्स क्रॉस सिक्स तो है ही इन टू थ्री ये थ्री क्या है नंबर ऑफ इनपुट चैनल्स अब जो कर्नल होगा तो बेसिकली हम लिखेंगे तो साइज जब आप कोडिंग भी करेंगे तो कहेंगे मेरा टू डी कर्नल है साइज है थ्री क्रॉस थ्री लेकिन एक्चुअली वो पूरी डेप्थ पे जाएगा तो इसका मतलब कर्नल भी एक तरीके से थ्री क्रॉस थ्री क्रॉस थ्री का कर्नल है उसमें भी और वो करस्पोंडिंग प्लेन के साथ वो डॉट प्रोडक्ट होगा और फिर आउटपुट जनरेट करेगा तो इसका मतलब अब की बार टोटल लर्नेबल पैरामीटर्स कितने हुए साइज ऑफ कर्नल क्या हुआ थ्री क्रॉस थ्री क्रॉस थ्री प्लस वन तो इसको हम कहते हैं कि वो इनपुट में अगर नाइन चैनल्स आए तो ये कर्नल का साइज़ भी हो जाएगा थ्री क्रॉस थ्री इन टू नाइन वो एग्जैक्ट पूरी डेप्थ के ऊपर तो ये जितनी भी डेप्थ है इनपुट की वो कर्नल जो है वो पूरी डेप्थ के ऊपर जाके बैठेगा और फिर हर एक के साथ डॉट प्रोडक्ट करेगा तो अब हमारे पास थ्री चैनल थे इनपुट के तो इसलिए थ्री क्रॉस थ्री क्रॉस थ्री का कर्नल हुआ प्लस वन एक बायस टर्म तो अब हमारे हो गए ट्वेंटी एट नंबर ऑफ ट्रेनेबल पैरामीटर्स लेकिन हम इसको अभी भी कहेंगे थ्री क्रॉस थ्री कर्नल है तो ये बाय डिफॉल्ट होता है जब आप कोडिंग करते हैं तो वो इसी तरीके से सेटअप है किरा स्टेंसर फ्लो या हर आपके कोडिंग प्लेटफॉर्म पे कि आप उसे कहते हैं थ्री क्रॉस थ्री लेकिन वो बाई डिफ़ॉल्ट लेके चलता है कि जितने भी नंबर ऑफ इनपुट चैनल्स आए हैं मैं उसकी पूरी डेप्थ कर्नल की उसी पे वो उतने पे ही एक्सटेंड अपने आप कर देता है तो आपके ट्रेनेबल पैरामीटर्स हो गए ट्वेंटी एट तो इन जनरल फॉर एन एन चैनल इनपुट इमेज द साइज ऑफ अ थ्री क्रॉस थ्री कर्नल विल एक्चुअली बी एन क्रॉस थ्री क्रॉस थ्री तो ये आपको थोड़ा केयरफुली समझने की बात है कि जब आप टोटल ट्रेनेबल पैरामीटर्स निकालें तो वो इस तरीके से निकलेंगे उसमें हम गड़बड़ नहीं कर सकते अब हम देखते हैं दोबारा फुल्ली कनेक्टेड कनेक्ट फुल कनेक्टिविटी वर्सेस लोकल कनेक्टिविटी तो हमने क्या देखा कि यहाँ पर कर्नल का कॉन्सेप्ट है और वो कर्नल इस तरीके से इनपुट इमेज के एक लोकल पैथ से कनेक्ट होता है और फिर एक आउटपुट जनरेट करेगा जो भी एक इमेज की फॉर्म में ही आएगा हमने देखा सिक्स क्रॉस सिक्स से हम फोर क्रॉस फोर इमेज पे गए या टू क्रॉस टू पे तो डी जो डेंस न्यूरल नेटवर्क है उसमें फुल कनेक्टिविटी होती है हर न्यूरॉन लेक्स के सारे हर जो न्यूरॉन है जो नेक्स्ट लेयर का है वो इनपुट लेयर के सारे न्यूरॉन से या सारे इनपुट से कनेक्टेड होता है सी एन एन में लोकल कनेक्टिविटी होती है और कनेक्टिविटी एक तरीके से लोकल इन स्पेस होती है बट फुल इन डेप्थ पूरे चैनल्स कर, कवर करेगा जितने भी इनपुट के आएंगे अगर तीन आए तो तीन कवर करेगा छ आए तो छः करेगा सोलह आए तो सोलह करेगा एडवांटेज क्या है रिडक्शन इन द नंबर ऑफ पैरामीटर्स तो पैरामीटर्स तो ह्यूजली रिड्यूस हो गए जो हम देख भी पा रहे हैं तो अब हमने कर्नल और फिल्टर का कॉन्सेप्ट समझ लिया है जो कॉन्वल्यूशनल न्यूरल नेटवर्क में इस्तेमाल होता है अब कर्नल क्या है हम ये कहेंगे एक स्मॉल मैट्रिक्स है विच इज़ यूज फॉर फीचर एक्सट्रैक्शन इन सी एन एन अप्लाई टू द इनपुट डेटा थ्रू द कॉन्ल ऑपरेशन कर्नल स्लाइड्स और कन्वॉल्स अक्रॉस द इनपुट कंप्यूट कैसे होता है डॉट प्रोडक्ट निकालता जाता है और फिर आउटपुट निकालता जाता है फीचर डिटेक्शन हमने देखा अगर एक स्पेसिफिक पैटर्न है थ्री क्रॉस थ्री का तो वो उसी अगर वो उस तरह का पैटर्न कहीं और इमेज में आ गया तो सेम ही आउटपुट जनरेट करेगा इसका मतलब सिमिलर पैटर्न सेम तरह के आउटपुट जनरेट करेंगे और अगर वो पैटर्न आपके कर्नल के पैटर्न से मैच कर जाता है तो वहाँ पर मैक्स आउटपुट जनरेट हो जाएगा राइट तो इसका मतलब जहाँ मैक्स आउटपुट जनरेट हुआ आप पहचान सकते हैं वहाँ पर अगर आपको कर्नल पता है तो आपको पता है कि वो क्या इनपुट का क्या पैटर्न था जो कि उसने आइडेंटिफाई किया है तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि आजकल ग्रैड कैंप प्लस प्लस काफ़ी इंटरप्रटिबिलिटी के मेथड हैं तो वो इंटरप्रटिबिलिटी के मेथड देख भी पाते हैं कि कौन से इनपुट इमेजेस के कौन से रीजन्स को देखा जिसको देख के हमारा जो सी एन एन का आर्किटेक्चर या डी एल का आर्किटेक्चर ये कह पा रहा है कि ये ये वाली इमेज है तो वो कौन से इंपॉर्टेंट फीचर्स हैं जिसको वो देख पा रहा है अब आगे चलते हैं तो लर्नड पैरामीटर्स यहाँ पर क्या हैं कर्नल्स आर कर्नल हम लर्न करेंगे ट्रेडिशनल इमेज प्रोसेसिंग में ये कर्नल्स हमारे फिक्स होते हैं नोन होते हैं कुछ एज डिटेक्टर हैं कुछ हाई फ्रीक्वेंसी बूस्ट फिल्टर्स हैं कुछ एवरेजिंग हैं तो बहुत सारे तरह के कर्नल्स हैं वहाँ पर नोन होते हैं यहाँ पर हम लर्न करते हैं तो इसका मतलब अब हमारी कैपेबिलिटी मिनी फोल्ड इंक्रीज हो गई है तो कर्नल्स आर लर्न थ्रू द प्रोसेस तो अब हमें हम तो रॉ इनपुट इमेज दे सकते हैं और हम कहेंगे भाई खुद ही कर्नल लर्न कर लो जो रेलिवेंट इन्फॉर्मेशन है और खुद ही फ़ीचर्स निकाल लो इसीलिए जब आप कन्वोल्व करते हो तो जो आउटपुट जनरेट होता है उसको आप फीचर मैप कहते हैं तो आप एक तरीके से कह रहे हैं भाई ये फ़ीचर्स उसने इनपुट में से एक्सट्रैक्ट किए अब आप सक्सेसिवली भी सी एन एन की लेयर्स लगाते हैं और उसके बाद आप कहते हैं कि सक्सेसिवली जब आप लगा रहे हैं तो पहली जब पहली सी एन एन लगाई तो उसका फुटप्रिंट हो सकता है थ्री क्रॉस है लेकिन नेक्स्ट लगाई तो वो पिछले आउटपुट पे लगी तो अब उसने तीन चार थ्री क्रॉस थ्री का पैच जो है यहाँ पर लिया तो अगर हर हर पोजीशन का न्यूरॉन का फुटप्रिंट आप इधर देखेंगे इनपुट पे तो फुटप्रिंट आपका बढ़ता चला जाएगा तो इसका मतलब धीरे धीरे वो पूरी इमेज को देखता है और सक्सेसिव लेयर्स में वो काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड स्ट्रक्चर्स को या इंफॉर्मेशन को या पैटर्न्स को लर्न कर जाता है तो स्टेकिंग uh, अब हम यहाँ पर मल्टीपल कर्नल्स लगाते हैं जो हमने कॉन्सेप्ट एक तरीके से समझ लिया है स्ट्राइड का भी कॉन्सेप्ट हमने समझा तो स्ट्राइड क्या करती है अगर आपकी स्ट्राइड वन है तो वो एक एक पोजीशन से शिफ्ट मारेगी और फिर आउटपुट जनरेट करेगी लेकिन आपका आउटपुट इमेज का साइज़ स्लाइटली इनपुट से रिड्यूस हो जाता है तो जब हमने सिक्स क्रॉस सिक्स लिया था और हमने थ्री क्रॉस थ्री का कर्नल लिया तो हमने नोट किया कि हमारी आउटपुट इमेज जो है वो फोर क्रॉस फोर की हुई तो उसका हमारा साइज़ रिड्यूस हो गया जब हमने स्ट्राइट टू कर दी तो आउटपुट साइज और रिड्यूस होके हाफ हो गया और वो टू क्रॉस टू हो गया इसका मतलब जैसे जैसे हम स्ट्राइड बढ़ाएंगे अगर हम एन स्ट्राइड ली और एन इज़ ग्रेटर देन वन तो हमारा छोटा इमेज जनरेट होने लगेगी और जो हमारी ओवरलैप है हम इनपुट को कहते हैं जिस इनपुट को हर न्यूरॉन ने देखा उसको कहते हैं उसका रिसेप्टिव फील्ड उस न्यूरॉन का रिसेप्टिव फील्ड क्या है उसने किस फील्ड को देखा है फील्ड ऑफ व्यू उसका क्या है जिसको देख के वो हमारे को आउटपुट दे रहा है तो हम ये कहते हैं नॉन ओवरलैपिंग रिसेप्टिव फील्ड्स भी हम क्रिएट कर सकते हैं स्ट्राइड वन में तो ओवरलैपिंग है और अगर आपने स्ट्राइड थ्री क्रॉस थ्री का था और अगर स्ट्राइड भी थ्री कर देते तो टोटली नॉन ओवरलैपिंग आपका रिसेप्टिव फील्ड हो जाता तो लार्जर स्ट्राइड वैल्यू में हम कहेंगे कि आउटपुट साइज डिक्रीज हो जाएगा तो उसको हम कहेंगे इट विल रिड्यूस स्पेशल डायमेंशन ऑफ द आउटपुट फीचर मैप ट्रेड ऑफ्स क्या हैं कि स्ट्राइड के हिसाब से आपकी इमेजेस काफ़ी छोटी होती जाएंगी तो अगर छोटी होती जाएंगी तो धीरे जो एंड में एक्चुअली थोड़ी देर बाद हम जाके फुल्ली कनेक्टेड लेयर भी लगाते हैं तो आप पाएंगे कि बहुत ज़्यादा आप कौन लेयर नहीं लगा पा रहे हैं क्योंकि थोड़ी देर में आप टू क्रॉस टू का रह गया था हमारा आउटपुट उसके बाद तो आप थ्री क्रॉस थ्री का कर्नल तो हम उस पर लगा नहीं पाएंगे तो इसका मतलब है थोड़ी देर बाद आप पाएंगे कि अगर आपने बहुत बड़ी स्ट्राइड ले ली है तो बहुत जल्दी ही आपका बहुत छोटे आउटपुट में रिड्यूस हो जाएगा और उसके बाद आप फर्दर नहीं लगा पाएंगे लेकिन उससे आपकी लॉस ऑफ इन्फॉर्मेशन हो जाएगी आपकी नेटवर्क तो छोटा हो जाएगा लेकिन बहुत रिच इन्फॉर्मेशन एक्सट्रैक्ट नहीं होगी अब हम यहाँ पर एक और कॉन्सेप्ट देखते हैं जिसे कहते हैं पैडिंग पैडिंग का कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि हमने यहाँ पर अभी क्या देखा कि सी की एक लेयर लगाई तो हमारा आउटपुट साइज़ रिड्यूज़ हो गया लेकिन कई बार हम क्या कहते हैं जैसे रेजिडुअल न्यूरल नेटवर्क जो अब यूज़ हो रहे हैं उनमें हम क्या करते हैं कि हम पीछे से कोई ए, हमने चार लेयर लगा रखी हैं और चौथी लेयर में हम फर्स्ट लेयर का आउटपुट सीधा डायरेक्टली भी फीड कर देते हैं उसके साथ फीड करना चाहते हैं तो उसको उसके फीचर मैप्स को कंकैटिनेट करना चाहते हैं वो हम कर नहीं पाएंगे अगर साइज बराबर ना हो तो पैडिंग क्या करती है आप इनपुट इमेज को पहले ही जीरो से इस तरीके से पैड कर देते हैं कि जब आप, आप कर्नल लगाएं तो आउटपुट इमेज का साइज वही हो जो आपकी ओरिजिनल इनपुट इमेज का साइज होगा तो इसका मतलब यह है कि अब हर स्टेप पे आप साइज को इंटैक्ट भी रख सकते हैं अगर ऐसा किया और आपकी इमेज छोटी थी तो इसका मतलब अब आप बहुत सारी कॉर्न लेयर सक्सेसिव कॉर्न लेयर्स लगा भी पाएंगे और साथ में आप जिनको कहते हैं कि फर्स्ट लेयर से फर्स्ट लेयर के आउटपुट को फोर्थ लेयर के आउटपुट में ऐड भी कर पाएंगे कनकैटिनेट करके फिर आगे फीड कर पाएंगे इसको हम कहते हैं मल्टी स्केल इन्फॉर्मेशन ला के कनकैटिनेट करके आगे डाल देना तो हम वो भी कर पाएंगे तो अब देखिए हमारी इमेज का साइज़ क्या था हमने कंसिडर किया वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन तो ये सपोज करिए सेवन क्रॉस सेवन की आपका ये वाली इनपुट जो थी इमेज थी और आपने वन क्रॉस वन की पैडिंग आपने किया हमने पैडिंग किया इसको हम कहेंगे वन पैड तो हमने वन से पैडिंग किया तो इनपुट इमेज थी सेवन क्रॉस सेवन तो न्यूरॉन्स हमारे कितने थे कर्नल का साइज़ लिया हमने थ्री क्रॉस थ्री जिसको मैंने कह दिया एफ़ क्रॉस एफ सपोज़ करिए स्ट्राइड लिया हमने वन और ज़ीरो पैड किया विद वन पिक्सल बॉर्डर तो अब आउटपुट का साइज़ क्या होगा तो पहला कर्नल तो थ्री क्रॉस थ्री का यहाँ जाके बैठेगा फिर दूसरा यहाँ तक आएगा तीसरा यहाँ तक चौथा यहाँ तक आएगा पाँचवा छठा सातवां। इसका मतलब मेरी इनपुट इमेज में सेवन क्रॉस सेवन थी मेरा आउटपुट में भी इस डायरेक्शन में सेवन न्यूरॉन्स ही लगे हैं और सेवन ही आउटपुट्स आएंगे अब मैं इस डायरेक्शन में चलूँ तो पहला यहाँ आएगा दूसरा तीसरा चौथा पहला तो यही है ना उसके बाद जब वो नीचे शिफ्ट करेगा तो ये होगा दूसरा फिर तीसरा चौथा पांचवा, छठा सातवां इसका मतलब दोनों ही डायरेक्शन में मेरा आउटपुट फीचर मैप का साइज क्या होगा सेवन क्रॉस सेवन तो इन जनरल अगर हमारा स्ट्राइड वन है फिल्टर का एक डायरेक्शन में साइज़ एफ है और ज़ीरो पैडिंग हमें करनी है तो अगर हम जीरो पैडिंग करें एफ माइनस वन बाई टू तो यहाँ पर एफ कितना था थ्री थ्री माइनस वन बाई टू इज इक्वल टू टू बाई टू इज इक्वल टू वन तो अगर हम वन से पैड करें तो इसका मतलब वो हमारा साइज को प्रिजर्व रखेगा अगर आपका एफ़ का साइज होता सपोज आप थ्री क्रॉस थ्री के बजाय फाइव क्रॉस फाइव का कर्नल लेते तो आपको पैडिंग कितने की करनी है फाइव माइनस वन बाई टू इज़ इक्वल टू टू तो इसका मतलब दो ज़ीरो इस तरफ पैड करोगे दो ज़ीरो इस तरफ दो ज़ीरो इस तरफ और दो ज़ीरो की रो इस तरफ तो आप बेसिकली दो ज़ीरो के रोज के से या उससे पूरा का पूरा पैड कर दोगे अब एक और कॉन्सेप्ट है जिसको हम बोलते हैं डायलेशन का कॉन्सेप्ट तो इसमें हम क्या करते हैं कि हमने हो सकता है यहाँ तो जैसे हमने डायलेशन इसको कहेंगे वन ट्रेडिशनल थ्री क्रॉस थ्री का हमने कर्नल लिया और उससे हमने इमेज को कन्वोल्व कर दिया लेकिन डायलेशन में कई बार आप क्या करते हैं अब आप डायलेट कर देंगे अपने कर्नल को तो इन्वॉल्व्स इंट्रोड्यूसिंग गैप्स बिटवीन द एलिमेंट्स ऑफ द कॉन्वोल्यूशनल कर्नल तो अगर डायलेशन आपने टू किया तो थ्री क्रॉस थ्री का कर्नल अब कुछ इस तरीके से दिखेगा और वो फिर इमेज के ऊपर जाके बैठेगा और फिर एक आउटपुट जनरेट करेगा तो ये इमेज के ऊपर बैठा हुआ है अब डायलेशन थ्री किया तो डायलेशन टू किया तो सक्सेसिव जो आपके ये थे नौ पोजीशन थी आपकी कर्नल की राइट वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन अब वन और टू के बीच में आपने एक स्पेस जनरेट कर दिया टू और थ्री के बीच में एक स्पेस छोड़ दिया मतलब कि वहाँ पर कुछ नहीं है ज़ीरो है वो कुछ नहीं लेगा फिर आपने वन और फोर के बीच में एक ज़ीरो क्रिएट कर दिया फिर फ़ोर और फ़ाइव के बीच में एक ज़ीरो क्रिएट कर दिया तो बेसिकली यहाँ पर आपके ज़ीरोज़ हैं कर्नल के तो ज़ीरोज़ हैं ये सारे ज़ीरोज़ हैं कर्नल में ये ज़ीरोज़ हैं और बाकी के जो हैं आपकी वो वैल्यूज़ हैं तो एक तरीके से वो बाकी सब तो ज़ीरोज़ हैं तो जहाँ जहाँ पर ये आप ब्लू कलर देख पा रहे हैं ग्रीनिश ब्लू कलर देख पा रहे हैं सिर्फ वहीं वहीं के करस्पोंडिंग इमेज की पोजीशन से वो डॉट प्रोडक्ट लेगा बाकी सब तो जीरो ही है और फिर एक आउटपुट आपका जनरेट करेगा इसे कहते हैं ये है डायलेशन टू डाइलेशन थ्री में आप दो जीरो बीच में इंसर्ट कर देंगे इससे क्या होता है अब आपने एटलीस्ट एक न्यूरॉन का रिसेप्टिव फील्ड तो बढ़ा दिया क्योंकि पहले वो इतना छोटा पैच देख रहा था अब वो इतने बड़े पैच को देख रहा है लेकिन अब ये इफेक्टिव वो तो बढ़ा दिया है लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा थोड़ा सा आपका वो जो इन्फॉर्मेशन है वो थोड़ी डिफरेंट होगा ये ये कहाँ पर यूजफुल होगा अगर आपकी इनपुट इमेज बहुत ही हाई रेजोल्यूशन की इमेज है और सक्सेसिव पिक्सल्स में आपके ज़्यादा वेरिएशन नहीं है तो आप डायलेट कर लीजिए डायलेट करने के बाद जो आउटपुट जनरेट होगा आउटपुट आपका कंपेयर टू जो ट्रेडिशनल वन है उससे थोड़ा छोटा जनरेट होगा क्योंकि यहाँ पर अब साइज कितना हो गया कर्नल का ये थ्री क्रॉस थ्री का था लेकिन अब देखिए वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स और वन टू थ्री फोर फाइव एक तरीके से फाइव बाई फाइव का कर्नल ये बन चुका है थ्री क्रॉस थ्री का फाइव क्रॉस फाइव का दिख रहा है तो आपका कर्नल का साइज़ बड़ा हो गया है तो एक तरीके से अब आपका आउटपुट जो है वो छोटा जनरेट होगा अब अगर कौन कॉन्वल्यूशनल लेयर का हम आउटपुट का साइज़ कैलकुलेट करें तो कैसे करें तो हम यहाँ पर लेते हैं कि सपोज करिए कि आपकी इनपुट इमेज का साइज़ है हाइट और वेट ये आपके इनपुट इमेज के हैं और हाइट और वेट आउटपुट इमेज में आउट का मतलब है ये आउटपुट इमेज का है हाइट और सॉरी हाइट और वेट्थ यहाँ पर भी हाइट और था आपकी इनपुट की है हाइट और वेट आउटपुट की है अब आपने पैडिंग कितनी है पी अगर वन है तो इसका कला आपने वन जीरो चारों तरफ बॉर्डर पैक कर दिया है पी टू है तो दो से आपने पैक कर दिया है टू जीरो से टू ज़ीरो के रो से आपने पैक कर दिया है डायलेशन आपका डी बताएगा ट्रेडिशनल वन है अदरवाइज़ टू थ्री आप जितना भी लेना चाहें कर्नल का साइज कितना है हाइट है आपने एफ एच से डिनोट करी और विथ आपने एफ डब्ल्यू से डिनोट करी अब आप स्ट्राइड आपने जो भी लिया वन टू थ्री जितना भी लिया आप ये वाला फॉर्मूला लगा सकते हैं और इसको देखते हुए ये आपका फ्लोर है राइट right? मिनिमम वाली वैल्यू आएगी आपका अगर नॉन इंटीजर बना टू पॉइंट थ्री बना तो आप टू होगा साइज ठीक है ना क्योंकि इमेज तो इंटीजर में ये होगा आउटपुट तो ये आपका एच आउट और डब्ल्यू आउट आप इस फार्मूले से इस्तेमाल कर सकते हैं तो जैसे कि अगर हमने सिक्स क्रॉस सिक्स की इमेज ली थी तो ये ले लेते हैं सिक्स क्रॉस सिक्स की हमारी थी कर्नल का साइज़ क्या लिया था हमने थ्री क्रॉस थ्री हमने स्ट्राइड कितनी ली थी वन हमने डायलेशन कितना लिया था वन हमारी पैडिंग कितनी थी पहली बार पैडिंग हमारी ज़ीरो जी, थी जब हमने पैडिंग ज़ीरो ली थी तो आउटपुट हमारा फोर क्रॉस फोर आया था अब वैल्यू सब्सटीट्यूट कर देते हैं तो जब हम इसमें सब्सटीट्यूट करेंगे तो क्या बना ये सिक्स प्लस टू इंटू ज़ीरो ए ज़ीरो राइट फिर उसके बाद होगा ज़ीरो माइनस डी हमारा वन है वन इंटू एफ एच माइनस वन तो वो हमारा थ्री माइनस वन हो गया टू राइट माइनस वन डिवाइडेड बाय एस हमारा वन था प्लस वन तो ये कितना बना सिक्स माइनस टू राइट वन इंटू वन इंटू टू राइट सिक्स माइनस टू माइनस वन और डिवाइड बाय वन तो वन ही रहा प्लस वन तो ये ये कैंसिल हो गया तो ये हो गया फोर और वही क्योंकि सेम डायमेंशन हमारी विथ में है तो हमारा हाइट भी फोर आई और वर्थ भी हमारी फोर आई तो हमारी फोर क्रॉस फोर के आउटपुट में जनरेट होगी अब हमने दूसरी बार क्या किया था दूसरी बार हमने पैडिंग ले ली थी वन से तो हमारा हो गया सिक्स क्रॉस सिक्स वन वन थ्री क्रॉस थ्री और ये हमारा स्ट्राइक था वन अब इसको कंप्यूट कर लेते हैं ये था ये वाली कैलकुलेशन है विदाउट पैडिंग राइट अब विद पैडिंग देख लेते हैं ये क्या आया हमारा एच आउट ये है एच आउट इज़ इक्वल टू डब्लू आउट इज इक्वल टू वो हमारा आया अब पैडिंग अगर हमने कर दी वन ये इसकी कैलकुलेशन है तो अब एच आउट इज इक्वल टू डब्लू आउट वो तो सिमेट्रिक है इसलिए सेम ही आएगा इज इक्वल टू अब हुआ सिक्स प्लस टू इंटू पी कितना हुआ पैडिंग वन है तो प्लस टू हो गया माइनस वो तो हमारा सेम ही आया डायलेशन वन है वन इंटू टू माइनस वन स्ट्राइड भी हमने वन ली प्लस वन तो ये कितना हो गया सिक्स प्लस टू इज एट माइनस टू माइनस वन प्लस वन इज इक्वल टू सिक्स तो अब हमारा आउटपुट कितना आया सिक्स क्रॉस सिक्स तो सिक्स क्रॉस सिक्स की इनपुट थी और सिक्स क्रॉस सिक्स का ये आउटपुट आ गया अब एक जनरिक आर्किटेक्चर कॉन्वल्यूशनल न्यूरो नेटवर्क का क्या होगा तो कॉन होगी विद रेलू एक्टिवेशन और ये मैक्स मैक्सपुल मल्टीपल लेयर्स हो सकते हैं और जरूरी नहीं है आप हर कॉन लेयर के बाद मैक्स पुल लगाएं लेकिन हर कॉन लेयर के बाद रेलू एक्टिवेशन लगेगा या कोई भी नॉन लीनियर एक्टिवेशन लगेगा अदरवाइज वो क्लेप्स करने लगेंगी तो आपके पास कॉन लेयर विद एक्टिवेशन है नॉन लीनियर एक्टिवेशन फिर मैक्स पुल और आप इसकी ढेर सारी इस तरीके से लेयर्स लगा सकते हैं आप ये भी कर सकते हैं कि आपने दो कॉन लेयर लगाई फिर एक मैक्स पुल लगाया मैक्स पुल नहीं लगाया एवरेज पुल लगा दिया फिर आप फ्लैटनिंग करेंगे फीचर्स की फिर एक ट्रेडिशनल न्यूरल नेटवर्क को उसको फीड कर देंगे तो यहाँ पर जो भी आएगा आउटपुट जो फ्लैटनिंग इस मल्टीपल लेयर्स के बाद जब सारी कौन लेयर खत्म हो जाएंगी जो आउटपुट आएगा उसको अब हम फ्लैटन कर देंगे मतलब कि अगर वो आउटपुट आया फोर क्रॉस फोर की इमेज आई तो फोर क्रॉस फोर को अगर हमने फ्लैटन कर दिया तो सिक्सटीन लर्न फीचर्स हो गए तो इनको हम कहेंगे कि हमने लेटेंट स्पेस एम्बिल्डिंग लर्न कर ली है और उसको अब हम न्यूरल नेटवर्क को फीड कर देंगे लेकिन देखते हैं ये मैक्सपूल क्या है और फ्लैटनिंग हम कैसे लगाएंगे अब पुलिंग क्या है पुलिंग को हम कहते हैं सब सैम्पलिंग भी कहते हैं तो पुलिंग सब सैम्पलिंग का क्या मतलब है सपोज़ करिए कि ये आपकी ओरिजिनल इमेज थी अरे अब आप आपने मैक्सपूल किया मतलब कि हर टू क्रॉस टू का पैच लिया और उसमें मैक्सपूल का मतलब है उस टू क्रॉस टू के इनपुट इमेज के पैच में जो मैक्स वैल्यू थी सिर्फ एक आउटपुट रख ली फिर उस पैच को मूव किया स्ट्राइड टू है और टू क्रॉस टू का है तो वो नॉन ओवरलैपिंग स्ट्राइड लेगा इसको भी अभी हम समझते हैं तो हमने देखा था कि हमारा आउटपुट क्या था सिक्स क्रॉस सिक्स की इनपुट इमेज थी ये हमारा कर्नल था और ये हमारा आउटपुट आया था अब सपोज करिए हमने मैक्स पुल लिया इक्वल टू टू क्रॉस टू का साइज़ विद स्ट्राइड इक्वल टू टू तो अब कैसे चलेगा वो पहले टू क्रॉस टू में आप एक बॉक्स देख सकते हैं तो इस टू क्रॉस टू के बॉक्स में जो मैक्स वैल्यू है वो थ्री है उसने थ्री आउटपुट रख लिया फिर वो दो से उसको मूव करेगा और यहाँ पर आ जाएगा बॉक्स अब की बार इसमें जो मैक्स वैल्यू है वो ज़ीरो है उसने ज़ीरो रख ली फिर वो अब ये तो वि ये वाली डायरेक्शन कवर हो गई अब वो नीचे आएगा नीचे भी टू से जंप मारेगा फिर ये वाला बॉक्स बना आपका ये नीचे वाला बॉक्स बना इस बॉक्स में अब कितनी मैक्स वैल्यू क्या है फिर थ्री है तो थ्री को रख लेगा फिर मूव करेगा टू क्रॉस टू टू हाइट से या टू स्ट्राइट से और अब की बार यहाँ पर मैक्स कितना है आपका मैक्स है यहाँ पर वन तो वो वन रख लेगा तो अब इसने क्या किया पूल ने या पुलिंग ने क्या किया आपकी फोर क्रॉस फोर का इनपुट फीचर मैप था और उसको आउटपुट फीचर मैप बना दिया सिर्फ टू क्रॉस टू का उसका साइज आधा कर दिया तो जब तो आपकी इमेज की रेजोल्यूशन बहुत अच्छी होती है तो आप क्या करते हैं और बहुत बड़ी इमेज है और बहुत अच्छी रेजोल्यूशन की इमेज है तो आप इस तरीके से स्ट्राइड का वो मैक्स पूल या एवरेज पूल आप ये भी कर सकते हैं टू क्रॉस टू में एवरेजिंग कर लें या हो सकता है आप कहें कि मेरा मैक्स पूल का साइज़ थ्री क्रॉस थ्री है आप उसका स्ट्राइड वन भी ले सकते हैं तो डिफरेंट तरीके से आप करते हैं लेकिन उसका आइडिया ये है कि अगर बहुत हाई रेजोल्यूशन की इनपुट इमेज है तो आउटपुट में भी बड़े सिमिलर से फ़ीचर्स हैं तो आप उसको उसको डाउन साइज कर देते हैं तो सक्सेसिवली आप डाउन साइज भी कर सकते हैं जिससे कि आपकी जो है वो नंबर ऑफ़ फीचर्स और नंबर ऑफ़ फीचर मैप्स रिड्यूस होते चले जाएं और एंड में जो लास्ट कॉन लेयर का आउटपुट आएगा वो छोटा साइज़ रह जाएगा जो आपके लर्नेबल लर्नड पैरामीटर लर्नड फीचर्स होंगे जिनको आप फुली कनेक्टेड लेयर में आगे डाल देंगे तो अब हमने दो लगाए थे आपको याद होगा हमने दूसरा कर्नल कुछ इस तरीके से लिया था अगर दूसरा कर्नल लें तो वो कुछ इस तरीके से आया था अब इसमें भी टू क्रॉस टू का हमने मैक्स मैक्सपुल लगाया विद स्ट्राइट टू तो अब आपका आउटपुट कुछ ये आया क्योंकि पहले का मैक्स फोर है दूसरे का मैक्स आपका थ्री है तीसरे नीचे वाले का मैक्स आपका जीरो है और लास्ट वाले का मैक्स आपका सिक्स है तो वही आपका आउटपुट यहाँ पर जनरेट हो जाएगा तो अब हमें मैक्सपुल का भी कॉन्सेप्ट समझ में आ गया अब सी एन एन लेयर फॉलोड बाय मैक्सपूल लेयर तो अगर हमने दो कर्नल लगाए थे तो हमारे टू नंबर्स ऑफ कर्नल थे थ्री क्रॉस थ्री के ग्रे स्केल की इमेज थी मैक्स पुलिंग अब हम इन जनरल उसे कह देते हैं मैक्स पुलिंग बाय टू और मान के चलते हैं वो नॉन ओवरलैपिंग भी उतने से ही साइज से मार रहा है तो आप अब इसका न्यू आउटपुट जो आएगा वो टू क्रॉस टू के दो फीचर मैप हुए तो आपका हो गया टू इंटू टू इंटू टू इज़ इक्वल टू एट नंबर ऑफ आपके फीचर्स हैं जो कि नेक्स्ट लेयर पे मिले हैं अब आप हो सकता है कि कहें कि भाई बस काफ़ी हो गया अब हम इसके बाद यही फ़ीचर्स हमारे लिए सफिशेंट हैं तो आप उनको फ्लैटन भी कर सकते हैं तो ये अब हमने एट फीचर्स थे एट्स एट को हमने फ्लैटन कर दिया और फ्लैटन करने के बाद ये हमारा फ्लैटन लेयर है ये फ्लैटन लेयर है तो ये हमारी लेयर ये आउटपुट दे रही है अब इस आउटपुट को अब हम फुल्ली कनेक्टेड नेटवर्क में डाल देंगे सपोज़ करिए कि आपने कहा कि मेरा तो थ्री क्लास क्लासिफिकेशन का टास्क था और इसके बाद हमें कोई एक ही लेयर हम और लगाएंगे तो आपने कहा कि ठीक है मैंने हमने क्या किया हम एक लेयर लगा देते हैं जिसमें हमारे थ्री न्यूरॉन्स हैं और फिर एंड में या फोर न्यूरॉन्स हैं और फिर एंड में हमारी थ्री क्लास class की है तो एक सॉफ्ट मैक्स है तो ये हमारी सॉफ्ट मैक्स है लेयर ये वाली और ये हमारी आ, फर्स्ट हिडन लेयर है डेंस नेटवर्क का और ये हमारी इनपुट फीचर्स हो गए तो जो फीचर्स हम इमेज में से निकालते वो एक तरीके से हमारे कौन लेयर के आउटपुट के जो फीचर्स हैं जब हम उन्हें फ्लैटन कर देंगे वो हमारे अब इनपुट फीचर्स बन जाएंगे और अब इसको हम हर एक लेयर से इस तरीके से कनेक्ट कर देंगे ये भी फुल्ली कनेक्टेड हो गया ये भी फुली कनेक्टेड हो गया अब यहाँ पर हमारे ट्रेनेबल पैरामीटर्स हैं इस तरीके से हर न्यूरॉन जो है वो हमारा हरेक अगली लेयर के न्यूरॉन से कनेक्ट हो जाएगा ठीक है ना तो अगर ये हमारे कितने हैं ये हमारे हैं एट और यहाँ पर कितने हैं फोर इसी तरह फिर आगे ये चले जाएंगे और आपके इस तरीके से आपका नेटवर्क बन जाएगा ठीक तो अब क्या है तो अब यहाँ पर अगर इस लेयर में कितने ट्रेनेबल पैरामीटर्स हैं एट इंटू नेक्स्ट इज फोर और हर एक फोर पे एक बायस्टम होगी प्लस फोर इतने हैं यहाँ पर कितने ट्रेनेबल पैरामीटर्स हैं वो हैं आपके फोर इंटू थ्री तो ये आपके टोटल ट्रेनेबल पैरामीटर्स इन डेंस लेयर्स में आ गए तो अगर इनपुट इमेज सपोज करिए आपकी 512 ट्वेल्व बाई फाइव ट्वेल्व इंटू थ्री थी आर और आपने बहुत सारी कॉन लेयर लगा दी और एंड में उसको रिड्यूस कर दिया सिर्फ टू क्रॉस टू क्रॉस टू एट फीचर्स पे तो आपके जो फुली कनेक्टेड लेयर्स हैं उनमें तो टोटल ट्रेनेबल पैरामीटर्स इतने ही रह गए और हर कॉन लेयर में भी अगर थ्री क्रॉस थ्री के कर्नल लगाए हुए थे तो बड़े छोटे से थोड़े पैरामीटर्स हैं तो नेटवर्क काफ़ी डीप हो गया कॉनवोलूशन का कॉन्सेप्ट इम्प्लीमेंट कर रहा है विच एम्प्लाईज़ कि वो फिल्टरिंग का कॉन्सेप्ट सक्सेसिवली इम्प्लीमेंट करता जा रहा है नॉन लीनियर फंक्शन भी इंप्लीमेंट हो रहे हैं क्योंकि नॉन लीनियर एक्टिवेशन बीच में आ गया है सब सैम्पलिंग भी हो रही है तो वो सब करते हुए वो एक बहुत कॉम्प्लेक्स आर्किटेक्चर लर्न करते हुए यहाँ पर फीचर्स लर्न कर लेगा तो अब आपको हैंडक्राफ्ट फीचर निकालने की जरूरत नहीं है वो हो सकता है खुद ही निकाल निकालने अगर आपकी एजेस में इंफॉर्मेशन है तो वो एजेस ही निकालनी सीख जाएगा लेकिन वो सब्सिक्वेंटली अपने इंपॉर्टेंट फीचर्स निकाल लेगा और फिर उसके बाद वो आपका नेटवर्क को ट्रेन कर पाएगा और जो फुल्ली डेंस कनेक्टेड लेयर्स हैं उनमें बहुत थोड़े फीचर्स होंगे तो ये एक हमारा एग्जाम्पल है यहां पर हमने एक इनपुट लिया उसको फिल्टर से कन्वर्व किया और इस तरीके से हमने एक आउटपुट यहाँ पर जनरेट किया आउटपुट में मैक्स आउटपुट कहाँ है यहाँ पर डायगनल पे वन वन है तो जहाँ पर भी इनपुट इमेज में भी डायगनल में वन वन होगा उसके करस्पॉन्डिंग आउटपुट में मैक्स इंटेंसिटी जनरेट हो जाएगी तो कॉन्वल्यूशनल न्यूरल नेटवर्क एक तरीके से क्या कर रहा है कि एक टाइप का डीप लर्निंग आर्किटेक्चर है जो कि ह्यूमन विजन को भी मिमिक करता है इसमें कॉन्वल्यूशनल लेयर का कॉन्सेप्ट है पूलिंग लेयर्स का कॉन्सेप्ट है और फुल्ली कनेक्टेड लेयर्स का कॉन्सेप्ट है अब हम यहाँ पर रुकेंगे और फिर इसे कंटिन्यू करेंगे धन्यवाद नमस्ते दोस्तों तो हम convolutional न्यूरल नेटवर्क के कॉन्सेप्ट को समझ रहे हैं तो हमने अभी पिछले मॉड्यूल में क्या सीखा हमने कॉन्वोल्यूशनल न्यूरल नेटवर्क के जितने भी कंपोनेंट्स थे पुलिंग लेयर स्ट्राइड पैडिंग कर्नल इन सब कॉन्सेप्ट को हमने अच्छे से समझा और हमने नंबर ऑफ पैरामीटर्स भी देखे कि, कि किस तरीके से एक डेंस या फुली कनेक्टेड लेयर से कम हो जाते हैं तो कॉन्वल्यूशनल न्यूरल नेटवर्क को हमने कैसे समराइज़ किया था ये एक तरीके का डीप लर्निंग आर्किटेक्चर है जो कि इमेज प्रोसेसिंग वीडियो प्रोसेसिंग सब में बहुत इस्तेमाल किया जाता है हम ये कहते हैं कि ये ह्यूमन विजन से इंस्पायर्ड है क्यों क्योंकि जो शुरू की लेयर्स हैं हम ये कहते हैं कि वो हमारी बहुत ही लो लेवल फ़ीचर्स आइडेंटिफाई करती हैं जैसे हॉरिजॉन्टल एज वर्टिकल एज बहुत छोटे छोटे फ़ीचर्स आइडेंटिफाई करती हैं लेकिन जो सक्सेसिव फ्यूचर लेयर्स होती हैं वो कॉम्प्लेक्स पैटर्न सीख पाने में सक्षम हो जाती है और फिर ये कलेक्टिवली जब हमारा जब तक हम फुली कनेक्टेड लेयर तक आते हैं तब तक हमारे बहुत कॉम्प्लेक्स पैटर्न जो है ये हमारा सी एन एन का आर्किटेक्चर जो है वो सीख जाता है इनमें कॉन्वल्यूशनल लेयर्स लगी होती हैं पुलिंग लेयर्स लगी होती हैं और फुली कनेक्टेड लेयर्स भी लगी होती हैं तो एक एग्ज़ाम्पल आर्किटेक्चर कुछ इस तरीके से दिखेगा अगर आप डिजिट रिकॉग्निशन करना चाहते हैं तो आपका सपोज़ करिए कि सेवन डिजिट आया तो पहला क्या होगा कॉन्वल्यूशनल लेयर होगी विद रेलू एक्टिवेशन आपने तो जनरली ट्रेडिशनली हम तकरीबन हमेशा रेलू एक्टिवेशन को यूज़ करते हैं लेकिन रेलू के अलावा भी बहुत सारे एक्टिवेशन फंक्शनज़ हैं आपका लीकी रेलू आया उसके बाद आपका एलू आया फिर आपका लीकी एलो भी है उसके बाद आपका आ, टेलू भी है जिसमें टेन हाइपरबॉलिक यूज़ होता है एलू में एक्सपोनेंशियल यूज़ होता है फिर आपका पी टेलू भी है पैरामीट्रिक टेलू भी है इस तरीके से आपके बहुत सारे एक्टिवेशन फंक्शंस हैं जो आप लिटरेचर में देख सकते हैं और डिफरेंट एक्टिवेशन फंक्शंस के अपने डिफरेंट उनके करेक्टरिस्टिक्स हैं तो एक्चुअली वो कई बार डिफरेंट जो एक्टिवेशन फंक्शन होता है वो आपको फास्टर कन्वर्जेंस दे देता है मतलब कि थोड़े ही पॉक में आपका जो नेटवर्क है वो जल्दी ट्रेन हो जाएगा या जल्दी सेचूरेट हो जाएगा या हायर जो है हायर एक्यूरेसी या हायर उस पर सेचूरेट होगा तो ये आपके इनके कुछ अपने प्लस और माइनस हैं लेकिन ये सारे ही इस्तेमाल किए जाते हैं तो हमारा क्या कॉन्सेप्ट है कि हम कुछ कॉनबोल्यूशनल uh, लेयर लगाएंगे मैक्स पुल लगाएंगे फिर कॉन्वोल्यूशनल लगाएंगे मैक्स पुल लगाएंगे और इस तरीके के प्रोसेस को हम मल्टीपल टाइम्स रिपीट कर सकते हैं और ज़रूरी नहीं है हम कॉन मैक्स पुल कॉन मैक्स पुल ऐसे ही लगाएं हम तीन कॉन लेयर फिर एक मैक्स पुल फिर एक कॉन लेयर एक मैक्स पुल फिर दो कॉन लेयर फिर एक मैक्स पुल कुछ इस तरह की कॉम्बिनेशन भी लगा सकते हैं लेकिन हर कॉन लेयर में उसके साथ एक उसका नॉन लीनियर एक्टिवेशन जरूर आएगा अदरवाइज सक्सेसिव कॉन लेयर जो हैं वो आप आपकी कोलैप्स कर जाएंगी अगर बीच में आपकी मैक्सपूल नहीं है उसके बाद आपने क्या देखा हम उसके बाद फाइनली जो हमारी आएगी उसको हम फ्लैटन करेंगे फीचर्स को फिर फुल्ली कनेक्टेड में करेंगे और फिर हम डिजिट क्लासिफिकेशन अगर ये हमारा डिजिट क्लासिफिकेशन का है तो जीरो टू नाइन हमारे टेन डिजिट्स हैं हम टेन डिजिट्स को क्लासिफाई कर सकते हैं आप एक छोटा सा आर्किटेक्चर बना के एमनेस डाटा सेट जो कि डिजिट्स का डेटा सेट है इस पर इस्तेमाल कर सकते हैं तो ये हमने क्यों कहा कि सी एन एनज आर इंस्पायर्ड बाई ह्यूमन विजन क्योंकि नाइनटीन एटीज़ में पहले भी हमारे एक पेपर छपा था जो नाइनटीन एटीज़ में था जो कि न्यू कॉग्निशन uh, का पेपर है और आप इसमें देखेंगे कि इस पेपर में हमने यहाँ पर एक uh, ही एंड वेसिल टोपोग्राफिक मैपिंग का कॉन्सेप्ट देखा जिसमें बताया गया कि फ़ीचर्स की एक अपनी हरारकी होती है कि सिंपल सेल्स जो होते हैं हमारी आई में सिस्टम में वो कुछ सिंपल से इस तरह के सिर्फ़ इस तरह की इस तरह की लो लेवल इन्फॉर्मेशन लगते हैं जैसे कि हॉरीजोंटल uh, एज या वर्टिकल एज इस तरह की इन्फॉर्मेशन लेते हैं नेक्स्ट लेवल के जो सेल्स होते हैं जब उनके सक्सेसिव कॉम्बिनेशन यूज होते हैं तो वो मिड लेवल इन्फॉर्मेशन लर्न कर लेते रहते हैं जो कि इस तरीके से हॉरिजॉन्टल प्लस वर्टिकल दोनों लर्न होने लगेगी हाई लेवल के फिर हमारे पैटर्न्स आइडेंटिफाई करने लगते हैं तो इसका मतलब सिंपल सिंपल सेल्स इकट्ठे हो हो के हो, हो, के और सक्सेसिव जब उनके ऊपर लर्निंग होती है तो काफ़ी कॉम्प्लेक्स आपके पैटर्न्स जो हैं आइडेंटिफाई करते हैं इसी तरह सी एन एन में भी सिंपल सिंपल फिल्टर जब सक्सेसिवली लगते हैं तो उसके बाद बहुत कॉम्प्लेक्स हमारे पैटर्न उसमें से निकलने लगते हैं तो कॉन्ूशनल न्यूरल नेटवर्क में सबसे पहला पाइनियरिंग काम हम कहते हैं लेनेट फाइव का था जो कि लैन यान लखून का काम है जो कि 1998 में पब्लिश हुआ था तो इसमें उन्होंने तब तक डीप uh, लर्निंग में काफ़ी प्र, प्र, प्रोग्रेस नहीं हुई थी और सी का कोई आर्किटेक्चर नहीं था तो ये फर्स्ट आर्किटेक्चर था जिसमें कि कॉन्वल्यूशन का कॉन्सेप्ट न्यूरल नेटवर्क में फ्यूज़ किया गया और इसके अंदर जो उनका टास्क था वो हैंड रिटर्न डिजिट रिकॉग्निशन का था तो बेसिकली यूएस पोस्टल ऑफिस के उसके ऊपर जो डिजिट्स लिखे होते हैं उसको रिकॉग्नाइज करने का जो पोस्टल कोड होता है उसके लिए था तो इसके बाद लेकिन क्योंकि इसकी परफॉर्मेंस बहुत ही अच्छी थी उसके बाद तो उसके बाद इमेजनेट का जब बहुत बड़ा डेटा सेट आया और काफ़ी आर्किटेक्चर्स को लोगों ने उस स्टैंडर्ड डेटा सेट पर लगाना शुरू किया उसके बाद तो डीप लर्निंग में एकदम बूम सी आ गई तो एक तरीके से सी एन एन जो हैं वो ब्रेक थ्रू आर्किटेक्चर्स थे जिन्होंने डीप लर्निंग को बहुत पॉपुलराइज़ किया तो हम लेनेट फाइव का आर्किटेक्चर देखते हैं इसमें क्या है आपका इनपुट थर्टी टू क्रॉस थर्टी टू की आपकी ब्लैक एंड वाइट ग्रे स्केल इमेज है उसके बाद आपने पहली कॉन लेयर लगाई पहली कॉन लेयर में आपके छः कर्नल्स लगे हुए हैं और आपका आउटपुट साइज है ट्वेंटी एट क्रॉस ट्वेंटी एट नेक्स्ट स्लाइड में हम देखेंगे कि हर कर्नल का साइज़ क्या है यहाँ पर हर कर्नल का साइज़ फाइव क्रॉस फाइव था लेकिन उसके बाद हमने एवरेज पूल इन्होंने लगाया था सबसे पहले मैक्स पूल का कॉन्सेप्ट नहीं यूज़ किया था सब सैम्पलिंग किया और वो 28 एट क्रॉस ट्वेंटी का साइज़ रिड्यूस होके हो गया 14 क्रॉस 14 लेकिन क्योंकि छः कर्नल थे तो छः फीचर मैप्स छः चैनल आउटपुट आए थे मैक्स पूल नंबर ऑफ चैनल्स को नहीं घटाएगी तो आपके छः ही चैनल आउटपुट आ गए उसके बाद नेक्स्ट कॉर्न लेयर लगी नेक्स्ट कॉन लेयर में उन्होंने सिक्सटीन कर्नल्स लगाए लेकिन हर कर्नल जो है वो आपकी इनपुट की जो छः डेप्थ थी पूरी की पूरी डेप्थ पे चलेगा तो जो आउटपुट जनरेट होंगे वो हो जाएगा 16 इंटू टेन क्रॉस टेन का फिर उसके बाद फिर एक और सब सैम्पलिंग लगाया फिर एक कॉन लेयर लगाई जो 1 क्रॉस 1 क्रॉस 120, जो 120 ट्वेंटी जिस आउटपुट जनरेट किए फिर एक फुल्ली कनेक्टेड और फिर एक सॉफ्ट मैक्स जो कि आपकी आपकी आउटपुट टेन क्लास की जनरेट करेगी अब इसको देख के समझते हैं तो यहाँ पर इनपुट इमेज का साइज था 32 क्रॉस पहली कॉन लेयर लगी उसके अंदर सिक्स कर्नल है तो कितने हैं और हर कर्नल का साइज ये है और नंबर ऑफ कर्नल्स कितने हैं सिक्स इन टू एन तो एन आपके हैं सिक्स तो आपका आउटपुट साइज कितना जनरेट होगा क्योंकि हर कर्नल पूरी डेप्थ इनपुट की पूरी डेप्थ को देखेगा इसका डेप्थ तो था वन तो इसका मतलब हर कर्नल एक आउटपुट जनरेट करेगा और वो कितना होगा वो है हमारा ट्वेंटी एट क्रॉस ट्वेंटी एट लेकिन क्योंकि हमने छ कर्नल लगाए तो ये आउटपुट ये हमारा फीचर मैप का आउटपुट आ गया इतना अब अगर हम इस लेयर में टोटल नंबर ऑफ ट्रेनेबल पैरामीटर्स हम ट्रेनेबल पैरामीटर्स भी लिख लेते हैं तो हमारे ट्रेनेबल पैरामीटर्स कितने हुए फाइव क्रॉस फाइव एक कर्नल का साइज कितना है फाइव क्रॉस फाइव फाइव क्रॉस फाइव और कितने कर्नल्स हैं टोटल सिक्स और हर कर्नल का एक बायस टर्म होगा प्लस सिक्स तो ये हमारा कितना हो गया ये हो गए हमारे 156 ये हो गए टोटल ट्रेनेबल पैरामीटर्स इस लेयर के अब उसके बाद हमने एवरेज पूल लगाया इन्होंने और एवरेज पूल तो हर एक सिंगल चैनल पे इनपुट चैनल कितने हैं छः हर चैनल कितने साइज का है ट्वेंटी एट क्रॉस ट्वेंटी एट का लेकिन एवरेज पूल हर चैनल पे लगेगी और वो उसका साइज़ था टू क्रॉस टू का तो अब ये आउटपुट कितना जनरेट होगा इंटू सिक्स का टोटल आउटपुट जनरेट होगा क्योंकि हमारे सिक्स फीचर मैप हैं हर फीचर मैप का साइज़ जो है वो फोर्टीन क्रॉस फोर्टीन है टोटल साइज जो हमारा जनरेट हो रहा है टोटल आउटपुट साइज वो हमारा इतना जनरेट हो रहा है इसमें ट्रेनेबल पैरामीटर्स कितने हैं तो हर फीचर मैप में एवरेज पूल में आप दो ट्रेनेबल पैरामीटर्स लेते हैं तो क्योंकि यहाँ पर छः हैं तो सिक्स इंटू टू इज इक्वल टू ट्वेल्व ट्रेनेबल पैरामीटर्स हैं अब नेक्स्ट लेयर आई नेक्स्ट लेयर में आपने सिक्सटीन कर्नल्स लगाए हैं और हर कर्नल का साइज है फाइव क्रॉस फाइव तो हर कर्नल का लेकिन साइज कितना है उसकी पिछली लेयर से फोर्टीन क्रॉस फोर्टीन के छः फीचर मैप लगे हैं तो इसका मतलब हम कह तो रहे हैं कर्नल का साइज़ फाइव क्रॉस फाइव का है लेकिन वो पूरी छः की डेप्थ तक या तो छः की पूरी डेप्थ तक जाएगा या आप बताएंगे कि कुछ कम डेप्थ तक जाए तो यहाँ पर थोड़ा सा चेंज था उसके बाद तो हम स्टैंडर्ड में अब फुल डेप्थ ले लेते हैं लेकिन यहाँ पर इन्होंने इस लेयर में थोड़ा चेंज किया इन्होंने क्या किया इन्होंने कहा कि सिक्स कर्नल्स जो हैं टोटल इन्होंने सिक्सटीन लगाए सिक्स कर्नल्स जो हैं वो फाइव क्रॉस फाइव के कर्नल्स हैं लेकिन वो डेप्थ सिर्फ तीन सक्सेसिव डेप्थ देख रहे हैं उसके बाद जो उसके नेक्स्ट जो सिक्स कर्नल्स हैं वो हमारी सक्सेसिव चार को देख रहे हैं चार फीचर मैप्स को देख रहे हैं उसके बाद नेक्स्ट थ्री जो कर्नल्स हैं वो फाइव क्रॉस फाइव के ही साइज़ के हैं लेकिन वो चार सक्सेसिव को देख रहे हैं और फिर लास्ट वाला जो कर्नल एक है वो हमारा सारे चैनल्स को देख रहा है ये ये वो हमारा सारे चैनल्स को देख रहा है तो वो हमारा देख रहा है टोटल सिक्स हमारे इनपुट चैनल से तो ये कितने हुए छः छः बारह बारह और चार सोलह लेकिन अब इसका जब हम ऐड करेंगे और हरेक के साथ उसके साथ उसकी बाय टर्म भी हैं तो जब हम टोटल कितने हैं सोलह कर्नल हैं तो दिस दिस प्लस 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 सिक्सटीन जब हम इसको टोटल करेंगे तो ये आ गए हमारे वन फाइव वन सिक्स ये हमारी थर्ड लेयर की कैलकुलेशन है तो ये वन फाइव वन सिक्स ट्रेनेबल पैरामीटर्स हैं लेकिन अब कितना साइज हो गया यहां पर आउटपुट साइज आया आपका इन ये कितना आएगा आउटपुट साइज टेन क्रॉस टेन का साइज रह गया और क्योंकि कोई पैडिंग इस समय यूज नहीं हुई थी तो आपका कितना साइज़ रह गया इंटू टोटल आउटपुट साइज़ हो गया इन सिक्सटीन क्योंकि सिक्सटीन लगे हैं अब एवरेज पूल लगेगी तो एवरेज पूल भी सिक्सटीन फीचर मैप तो उतने ही आउटपुट आएंगे तो टोटल साइज़ कितना होगा इन टू फिफ्टीन टू क्रॉस टू का लगा तो उसने टेन क्रॉस टेन से फाइव क्रॉस फाइव पे रिड्यूस कर दिया उसके बाद आपका थर्ड कॉन लेयर लगी थर्ड कॉर्न लेयर में अब फाइव क्रॉस फाइव का आउटपुट था पिछली लेयर का और सिक्सटीन टोटल चैनल थे तो अब थर्ड कॉन लेयर में फाइव क्रॉस फाइव का ही है कर्नल पूरा तो फाइव क्रॉस फाइव की इनपुट इमेज उसके ऊपर सीधा फाइव क्रॉस फाइव का कर्नल बैठा लेकिन उसने पूरी डेप्थ ले ली तो कितना है फाइव क्रॉस फाइव क्रॉस वन सिक्सटीन की पूरी डेप्थ लेके एक आउटपुट जनरेट करेगा और कितने आपने लगाए इसके 120 कर्नल लगाए तो इसका मतलब इन टू वन ट्वेंटी के आउटपुट जनरेट होंगे लेकिन टोटल आपके कर्नल कितने हैं यहाँ पर आपके टोटल कर्नल थे कर्नल साइज जो हैं वो अलग अलग हैं क्योंकि आपने कभी सिक्स कभी थ्री फीचर मैप देखे कभी चार यहाँ पर आपका टू क्रॉस टू का है जो हर एक पे लग रहा है यहाँ फाइव क्रॉस फाइव लेकिन पूरी डेप्थ है वन ट्वेंटी तो आपके ट्रेनेबल पैरामीटर्स कितने हो गए फाइव क्रॉस फाइव और उसकी डेप्थ हर एक की कितनी है डेप्थ पिछली लेयर से सिक्सटीन आ रही है इन टू क्योंकि टोटल कितने कर्नल लगाए वन प्लस हर कर्नल का एक बायस टर्म है तो प्लस 120 ट्वेंटी इज इक्वल टू आपके टोटल हो गए 48120 इतने आपके इसमें ट्रेनेबल पैरामीटर्स आए अब कितना लेकिन आउटपुट का साइज़ क्या आया वन क्रॉस वन क्रॉस वन ट्वेंटी तो एक तरीके से वन ट्वेंटी आउटपुट है और उसको फुली कनेक्टेड लेयर में डाल दिया वन ट्वेंटी इंटू एटी फोर तो यहाँ पर ट्रेनेबल पैरामीटर्स कितने हो गए वन ट्वेंटी इंटू एटी फोर और क्योंकि एटी फोर बायोस्टम है एटी फोर न्यूरो हैं तो ये हमारा बन गया 10164 जीरो वन सिक्स फोर एज अ ट्रेनेबल पैरामीटर लास्ट हमारी सॉफ्ट मैक्स लेयर लगी क्योंकि 10 डिजिट क्लासिफिकेशन था तो 84 फोर इंटू तो 84 फोर इंटू इज इक्वल टू आपका 840। तो ये आपके टोटल ट्रेनेबल पैरामीटर्स आ गए आप मॉडल की समरी केरा रास्ट फ्लो में देख सकते हैं जो कि आपको इसी तरह की टेबल भी बना देगा और साथ में आपको बता देगा कितने नंबर ऑफ़ ट्रेनेबल पैरामीटर्स हैं ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है जिससे कि हम पता कर सकते हैं अब कुछ लैंडमार्क आर्किटेक्चर्स उसके बाद कौन से आए 2012 में जो इमेजनेट का डेटा सेट था जो कि इमेजनेट चैलेंज जो कि इमेजनेट लार्ज स्केल विजुअल रिकॉग्निशन चैलेंज का था तो उसके ऊपर जब इसको इस चैलेंज पे जब एलेक्सनेट का आर्किटेक्चर आया जिसमें कि बेसिकली एट लेयर्स uh, लगी हुई हैं ये एक तरीके से एट लेयर का आर्किटेक्चर है तो इसकी जो एक्यूरेसी थी इसकी जो टॉप फाइव एरर परफॉर्मेंस थी वो बहुत ही अच्छी आई तो एक तरीके से लेनेट फाइव के बाद जो पहला बूस्ट डीप लर्निंग में सी एन एनज ने दिया वो एलेक्स नेट का आर्किटेक्चर था तो इसको भी हम कहते हैं लैंडमार्क पेपर है और बहुत ही अच्छा आर्किटेक्चर था लेकिन साथ में इसने इन्होंने एक्चुअली दो जी पी यू यूज़ किए तो जी पी यू का कॉन्सेप्ट भी आया कि किस तरीके से आप मल्टीपल तो जी पी यूज़ उस यूज़ करके उसकी परफॉर्मेंस को इलाबरेट कर सकते हैं तो यहाँ पर डेंस लेयर्स भी लगी थी ड्रॉप आउट का भी कॉन्सेप्ट इस्तेमाल हुआ क्योंकि आपका डीपर आर्किटेक्चर था तो इस पेपर ने भी ये लैंडमार्क पेपर है इसने भी काफ़ी सारे अपने कॉन्सेप्ट्स uh, को इस्टेब्लिश किया साथ में इसमें आउटपुट नंबर ऑफ क्लासेस वर थाउजेंड तो थाउजेंड क्लासेस पे ये बहुत ही बढ़िया इसकी परफॉर्मेंस हमें देखने को मिली सी एन एनस को आजकल हम ट्रांसफर लर्निंग से भी देखते हैं कि हम ये करते हैं कि अगर हमने इमेजनेट के डाटा सेट पर जो बहुत ही बड़ा डेटा सेट है अगर हमने उस पर एक डीप लर्निंग का आर्किटेक्चर ट्रेन कर रखा है और अब हम किसी एक अपने डेटा सेट पर लगाना चाहते हैं जिसका डेटा सेट का साइज़ स्मॉल है तो कई बार हम क्या करते हैं कि हम जो ट्रेंड स्टैंडर्ड आर्किटेक्चर है जैसे एलेक्सनेट हुआ लेनेट हुआ या फिर गूगल नेट हुआ जो आगे रेजनेट वगैरह के आर्किटेक्चर हैं तो हम वो ट्रेंड आर्किटेक्चर ले लेते हैं उस लास्ट लेयर जो थाउजेंड लेयर्स या जो फाइनल सॉफ्ट मैक्स उनको हटा के वहां पर एक दो अपनी लेयर लगा के और फिर उस आर्किटेक्चर में सिर्फ वो लास्ट की लेयर्स को फाइन ट्यून करके हम बड़े अच्छे रिजल्ट ले सकते हैं क्योंकि उसकी प्रीवियस लेयर्स ने जहाँ पर फीचर लर्न होने थे वो इमेजनेट के डेटा सेट पर देख के क्योंकि वो ह्यूज डेटा सेट है हो सकता है इमेजेस के पैटर्न उसने सीख लिए हों तो सिर्फ लास्ट की दो तीन लेयर को हम ट्यून कर सकते हैं तो इसको हम कहते हैं ट्रांसफ़र लर्निंग का कॉन्सेप्ट जो कि एक तरीके से हमारे बहुत ही अच्छी इम्प्रूव परफॉर्मेंस देता है कॉन्ल न्यूरल नेटवर्क में उसके बाद स्टेट ऑफ दर्ट आर्किटेक्चर्स में वी जी जी नेट गूगल नेट रेजनेट ये डीपर आर्किटेक्चर्स होते चले गए जो हमारा रेजनेट का आर्किटेक्चर आया ये वाला आर्किटेक्चर जो आया दो हज़ार सोलह में इसने तो बहुत ही अच्छी परफॉर्मेंस पाई लेकिन इसमें अब नंबर ऑफ़ लेयर्स हमारी वन फिफ्टी टू हो गई थी एलेक्सनेट जो कि एट लेयर का आर्किटेक्चर था उसके बाद जब तक ये रेजनेट आया दो हज़ार पंद्रह सोलह में तो इसकी नंबर ऑफ़ लेयर्स हमारी टू था आ, आ, 152 हो गई लेकिन उसकी जो आपकी टॉप फाइव एरर एक्यूरेसी थी वो एलेक्स नेट पर जहाँ पर उसने सिक्सटीन थी उसकी टॉप फाइव टॉप फाइव आपकी आ, एरर परफॉर्मेंस तो वो हमारी घटके इस रेजनेट के आर्किटेक्चर पे रह गई 3.57 पॉइंट फाइव सेवन तो कि जो कि सब्सटैशली रिड्यूस हो गई लेकिन अब डीपर और डीपर आर्किटेक्चर्स ट्रेन करना बड़े आराम से संभव हो पाया बहुत सारे कॉन्सेप्ट अब तक इंट्रोड्यूस हो गए तो लेनेट 5 1998 का है फिर एलेक्स नेट आया 2012 में आया ब्रेक थ्रू क्या था जी का कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस किया फिर वी नेट आया 2014 में बहुत ही बढ़िया आर्किटेक्चर है ये 16 लेयर और 19 लेयर्स दो पे एग्जिस्ट करता है लेकिन शुरू में जैसे फाइव क्रॉस फाइव और हमने डिफरेंट कॉन कर्नल्स का साइज़ देखा लेकिन लेटर आर्किटेक्चर्स में हमने कहा कि थ्री क्रॉस थ्री के एक तरीके से स्टैंडर्ड नॉर्म बनना शुरू हो गया और थ्री क्रॉस 3 के सॉर्ट ऑफ कर्नल सक्सेसिव कर्नल्स आप यूज़ करने लगे गूगल नेट का आर्किटेक्चर आया इंसेप्शन का मॉडल आया वी वन जो कि जिसने इंसेप्शन मॉड्यूल का कॉन्सेप्ट तो बेसिकली मल्टी स्केल कि एक वन क्रॉस वन भी है थ्री क्रॉस थ्री भी है फाइव क्रॉस फाइव भी है फिर उनका किसी तरह कंकैटिनेशन हो के आगे जा रहा है और फिर नेक्स्ट लेयर लग रही है तो जिसने कि एक इंसेप्शन का कॉन्सेप्ट को इंट्रोड्यूस किया वो भी एक आर्किटेक्चर आया और उसके उसने भी उसकी भी परफॉर्मेंस गूगल नेट की आज भी परफॉर्मेंस बहुत अच्छी है बहुत सारे टास्क में आप इन आर्किटेक्चर से ट्रांसफ़र लर्निंग कर सकते हैं रेजनेट 2015 का ये 152 फिफ्टी टू लेयर आर्किटेक्चर था बहुत ही बढ़िया आर्किटेक्चर सेटअप हुआ इनमें रेजनेट 50 रेजनेट 101 जीरो वन रेजनेट वन इस तरह के नंबर ऑफ़ लेयर्स आई लेकिन रेजिडुअल कनेक्शन का कॉन्सेप्ट आया जो कि हमने पैडिंग में डिस्कस किया था कि हम सेम साइज़ रख लेते हैं मोबाइल नेट के कॉन्सेप्ट आए एफिशिएंट नेट के आर्किटेक्चर्स आए ये बहुत ही इंटरेस्टिंग आर्किटेक्चर्स हैं और अब विजन ट्रांसफार्मर और स्विंग ट्रांसफार्मर बहुत ही बढ़िया परफॉर्मेंस दे रहे हैं चैलेंजेस भी हैं डीप लर्निंग आर्किटेक्चर्स के पर्टिकुलरली अगर सी को देखें तो भाई लिमिटेड स्पेशल हिरारकीज़ आप देख पा रहे हैं डीप सी लिमिटेड रिसेप्टिव फील्ड है लेकिन सक्सेसिव जब आप चले जाते हैं तो पूरा देख लेता है ओवर फिटिंग भी हो सकती है अगर आपके बहुत सारे आ, और ओवर फिटिंग एक तरीके से हर डी आर्किटेक्चर की लिमिटेशन हो सकती है तो कई बार जब डेटा छोटा होता है थोड़ा होता है तो हम ट्रांसफर लर्निंग का कॉन्सेप्ट यूज़ कर लेते हैं कॉम्पिटेशनल कॉम्प्लेक्सिटी अगर बहुत डीपर हो जाएगा तो डेफिनेटली बढ़ ही जाएगी और अगर वो बढ़ गई तो रियल टाइम में लेटेंसी के चैलेंजेस आएंगे फिर एडवर्सेरियल अटैक्स आजकल बहुत पॉपुलर हैं जो कि एक तरीके से स्मॉल पर्टर्बेशन में मॉडल जो है वो मिसलीडिंग प्रडिक्शन देने लगता है तो उनके लिए भी अब आपको टेक केयर करनी होती है जब आप अपने आर्किटेक्चर बनाते हैं तो ये एक तरीके से सम, सब सब सैम्पलिंग का भी एक छोटा सा कोड लगा रखा है लेकिन हम अपने ट्यूटोरियल में इसको भी समझेंगे इन समरी इन मॉड्यूल्स में हमने सी का कॉन्सेप्ट देखा कर्नल कॉन्वोल्यूशन स्ट्राइट पुलिंग डायलेशन इन सारे कॉन्सेप्ट्स को देखा हमने ट्रेनेबल पैरामीटर्स कितने हैं उनको एक कैलकुलेट भी किया लेनेट फाइव का आर्किटेक्चर में एलेक्सनेट का आर्किटेक्चर भी ब्रीफली देखा और कुछ फेमस आर्किटेक्चर्स और चैलेंजेस को भी हमने समझा धन्यवाद नमस्ते दोस्तों आइए अब हम ऑटो एनकोडर्स के बारे में पढ़ेंगे तो इस मॉड्यूल के लर्निंग ऑब्जेक्टिव हैं कि सबसे पहले हम ऑटो एनकोडर्स को थोड़ा सा समझेंगे हम बॉटल नेक ऑटो एनकोडर की बात करेंगे ऑटो एनकोडर्स का पी के साथ प्रिंसिपल कॉम्पोनेंट एनालिसिस के साथ कंपैरिजन देखेंगे और साथ में हम दो और वेरिएंट्स की बात करेंगे जिन्हें कहते हैं स्टैक्ड ऑटो एनकोडर और डी बेस्ड ऑटो एनकोडर तो पी का हम पहले थोड़ा सा रीकैप करते हैं तो प्रिंसिपल कंपोनेंट एनालिसिस हमने पढ़ा था जिसको हम कहते हैं कि एक तरीके से अनसुपरवाइज स्टेटिस्टिकल मेथड है किसके लिए हम इसमें लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन लर्न करते हैं किस तरीके से एक तरीके से डेटा स्पेस को ही हम रोटेट कर देते हैं तो जो लीनियर पी है एक तरीके से हम ये कह रहे हैं कि अगर हमारा कोई भी सैंपल है एक्स जी जे, ये जेथ हमारा इनपुट डेटा सैम्पल है तो उसको कुछ हम इस तरीके से रिप्रेजेंट कर देते हैं तो हम ये कहेंगे कि अगर हमने सारे अल्फ़ा आई जे कलेक्ट कर लिए तो ये एक तरीके से हमारे फीचर्स हैं और अगर हम एक्स जे की बात करें तो ये हमारा इनपुट सैम्पल है तो अल्फ़ा आई जे तो अगर हम इसको कहें कि आई कहाँ तक जा रहा आई तु तु तो आई है आई इज़ इक्वल टू वन टू डी तो वी आईज जो हैं ये हमारे क्या हैं ये हमारे जो है आइगन वेक्टर्स हैं और यहाँ पर अब हम कह रहे हैं कि अल्फ़ा आई वेक्टर तो एक्स एक्स जे जो हमारा इनपुट सैम्पल है वो हमारा ट्रांसफॉर्म हो गया अल्फ़ा जे वेक्टर में तो एक तरीके से हर इनपुट सैम्पल एक करस्पॉन्डिंग इसमें ट्रांसफॉर्म हो गया इसको भी हम कहेंगे अगर लीनियर पी है तो हम ये कहेंगे कि लीनियरली मैप हो गया और वो इस तरीके से तो बजाय हम इस पर काम करने के हम इन पर काम कर सकते हैं लेकिन इसमें एडवांटेज क्या था कि हर वी आई वैक्टर के साथ आइगन वैक्टर के साथ एक आइगन वैल्यू जुड़ी है तो वी आई वैक्टर जो है वो स्पेस में एक तरीके से हमारी एक्सेस को रोटेट कर रहा है उस वो एक अलग ही डायरेक्शन है तो फॉर एग्जांपल अगर हम कहें कि हमारे डेटा में दो फीचर्स थे फीचर वन हमने एक्स एक्सेस के अलाइन अलाइन कर रखा था फीचर टू हमारा वाई एक्सेस के अलॉन्ग अलाइन था तो हो सकता है कि जो हमारा वी आए वी की डायरेक्शन ये आए लेकिन अब हमारे ये वी वन डायरेक्शन इस तरीके से कैसे आएगी ये डेटा के ऊपर डिपेंडेंट है क्योंकि हमारे डेटा सैंपल ये रेड वाले डेटा सैंपल्स हैं तो डेटा के पॉइंट्स कुछ इस तरीके से हैं तो हमारा जो वी वन डायरेक्शन जो हमारी निकल के आई प्रिंसिपल कॉम्पोनेंट एनालिसिस करने के बाद तो वो कुछ इस तरह की डायमेंशन डायरेक्शन आई तो हम इसे कहेंगे कि ये पहला प्रिंसिपल कॉम्पोनेंट हो गया दूसरा प्रिंसिपल कॉम्पोनेंट की डायरेक्शन हो सकता है कि ये वाली आ गई लेकिन इसके अलांग हमारी ज़्यादा जो है डिस्ट्रीब्यूशन या हमारा ज़्यादा फीचर जो है उसका डेविएशन नहीं है तो हम हो सकता है कि हम सिर्फ़ v1 के अलोंग जो कि हमारे अल्फ़ा आई हैं हम उनको रख लेंगे और बाकी को हम ड्रॉप कर देंगे तो जो भी अल्फ़ा कंपोनेंट हमारा v1 के अलोंग आया उसको हम रख लेंगे अगर हमने उसको रखा तो एक तरीके से हर डेटा को हमने इस पर इस पॉइंट पर प्रोजेक्ट कर दिया और हम ये कह रहे हैं कि हम बजाय इन पॉइंट्स के डेटा को लेने के हम रेड को लेने के हम इन ऑरेंज से काम करेंगे और उनसे हम अपना डिजायर्ड टास्क परफॉर्म करेंगे तो पी की एक खूबी होती है कि सपोज़ करिए कि आपकी जो डेटा वेक्टर की इसकी जो डिमेंशन है डी आपका सपोज़ करिए कि आपका डी है ट्वेंटी लेकिन हो सकता है कि जब हम करस्पॉन्डिंग आइगन वैल्यूज़ को निकालें तो हमारी आइगन वैल्यूज़ बहुत तेजी से डिक्लाइन कर जाएं और एक तरीके से ये हमारी हो सकता है कि लेमडा वन की वैल्यू है ये हमारी लेमडा टू की वैल्यू है आइगन वैल्यूज़ हैं ये लेमडा थ्री की वैल्यू है और उसके बाद लेमडा फोर लेमडा फाइव ये हमारी बहुत ही छोटी वैल्यू है तो हो सकता है कि हम सिर्फ इन तीन आइगन वैल्यूज़ को रख लें और बाकी को ड्रॉप कर दें इन तीन का रखने का मतलब क्या है हम इनके करस्पोंडिंग वी वन v2, v3 इन तीन प्रिंसिपल डायरेक्शंस को रख लें और फिर हम इनको इस्तेमाल करते हुए अपने डेटा को इन डायरेक्शंस पे प्रोजेक्ट करेंगे और प्रोजेक्ट करने के बाद क्योंकि हमारा क्या होगा अल्फ़ा जे वन जे क्या होगा वो हमारा होगा इनर प्रोडक्ट ऑफ एक्स जे माइनस म्यू विद वी वन ये होगा हमारा अल्फा जे अल्फा वन जे इस तरीके से हम ये सारे कोफिशंट्स निकालेंगे और यही हमारे फिर फीचर्स कहलाएंगे तो बजाय हमारे ट्वेंटी होने के जो हमारा ये वेक्टर था हमारे कुल तीन ही सिग्निफिकेंट फीचर आ गए जिनसे हम नेटवर्क को लर्न करेंगे तो एक तरीके से अगर हम लीनियर पी की बात कर रहे हैं तो वो एक लीनियर मैपिंग है एक्स टू जेड यहाँ पर जेड क्या है ये हमारा करस्पॉन्डिंग अल्फ़ा वक्टर है इसको हम कहेंगे कि ये हमने एनकोडर लर्न किया जब हमने यहाँ पर आए और फिर हमारी दूसरी लीनियर मैपिंग है जिसको हम कह रहे हैं डिकोडर है वो हमारे एफ से लर्न हो रही है जिससे हम दोबारा रिकन्स्ट्रक्टेड आउटपुट देख रहे हैं लेकिन हम क्या चाहते हैं कि आर जो है इट शुड बी एज़ क्लोज एज पॉसिबल टू आवर इनपुट एक्स वो कब होगा अगर आप सारी ही डिमेंशन के सारी ही प्रिंसिपल कॉम्पोनेंट्स रख लें क्योंकि जितनी आपकी डिमेंशन है डेटा की अगर डी इक्वल टू ट्वेंटी है तो आपके 20 ही आपके प्रिंसिपल डेक्शन्स uh, आएंगी अगर आप सबको रख लेंगे तो वो एग्जैक्टली exactly इक्वल हो जाएगा अगर सबको नहीं रखेंगे थोड़ों को रखेंगे तो आप उन थोड़ी डरेक्शन्स को रखेंगे जो कि सिग्नल की मैक्सिमम एनर्जी को एनकैप्सुलेट कर लेती हैं और बहुत ही थोड़ी एरर छोड़ती हैं सो दैट योर रिकन्स्ट्रक्टेड आउटपुट इज एज़ क्लोज एज़ पॉसिबल टू योर इनपुट तो एक तरीके से हमारे पास क्या है इनकोडर है और हमारे पास एक डिकोडर है लेकिन यहाँ पर जब आप लीनियर पी की बात करते हैं तो एक ये लीनियर मैपिंग है तो लॉस फंक्शन क्या होगा अगर आप कह रहे हैं मीन क्योर्ड एरर लॉस फंक्शन है तो हम कुछ लॉस फंक्शन इस तरीके से बनाएंगे क्योंकि हम कहेंगे कि जो रिकन्स्ट्रक्टेड आउटपुट है और जो हमारा इनपुट है उन दोनों के बीच में स्क्वेयर्ड एरर लॉस को आप मिनिमाइज़ कर दीजिए तो इस तरीके से करते हुए हम उसके पैरामीटर्स को जो नेटवर्क के पैरामीटर्स हैं उनको लर्न करेंगे तो ये हमारा ये लॉस फंक्शन हुआ जो कि इन जनरल अगर हम न्यूरल नेटवर्क को इस्तेमाल करके करना चाहते हैं तो हम इस तरीके से करेंगे उसी तरह अगर न्यूरल नेटवर्क का इस्तेमाल कर रहे हैं तो हमारा दूसरा लॉस फंक्शन क्या है हमारा दूसरा लॉस फंक्शन है जो हम ये कह रहे हैं एक तरीके से क्रॉस एंड के टर्म्स में देखते हैं या हम ये कहेंगे मैक्सिमम लाइटलीहुड तो आप कहेंगे कि व्हाट इज द लाइकलीहुड ऑफ ऑब्जर्विंग दिस एक्स गिवन कि ये हमारा रिकन्स्ट्रक्टेड आउटपुट है हम इसको भी मिनिमाइज करने की बात कर सकते हैं तो एक तरीके से जब हम लॉस फंक्शन की बात करेंगे तो हम मीन स्क्यर एरर या बाइनरी क्रॉस एंट्रोपी की बात करेंगे जब हम एक न्यूरल नेटवर्क की बात कर रहे हैं तो ये जो एनकोडर डिकोडर हमने पीसीए में देखा इसी तरह हम एक ऑटो एनकोडर ट्रेन कर सकते हैं जो कि न्यूरल नेटवर्क से बना होगा अब हम क्या चाहेंगे कि जो हमने इनपुट फीड किया वही आउटपुट में रेप्लिकेट हो जाए लेकिन क्या हो दो पाथ हो एक एनकोडर हो और एक डिकोडर हो और एंड में आउटपुट हमारा वही आ जाए तो अब अब हमें इस तरह के लॉस फंक्शन की ज़रूरत पड़ेगी या तो हम एमएसई लॉस फंक्शन यूज़ करेंगे या हम बाइनरी क्रॉस एंट्रोपी लॉस फंक्शन यूज़ करेंगे तो पहले समझते हैं कि हम बॉटल नेट ऑटो एनकोडर किसको कहते हैं तो ये तो हमें समझ में आ गया कि हमारे पास इनपुट होगा और आउटपुट होगा और हम कहेंगे कि इनपुट जो है आउटपुट पे रेप्लिकेट हो जाए तो इसीलिए हम आउटपुट को डिनोट कर रहे हैं एक्स वन कैप से तो कैप क्या है उसका एस्टिमेट है जो कि इट शुड बी एज क्लोज एज पॉसिबल टू एक्स वन इसी तरह एक्स टू क्या शुड बी एज क्लोज एज पॉसिबल टू एक्स टू लेकिन हम क्या कह रहे हैं कि एक पहले डेंस नेटवर्क यहाँ है दूसरा डेंस नेटवर्क यहाँ है यहाँ पर हमारा इनकोडर है यहाँ पर हमारा डिकोडर है अब हम क्या चाहते हैं कि हम लॉस बनाएंगे अगर हमने मीन स् एरर टोटल स्क्योडर लॉस देख के उसका मीन लेके उसको रखा तो हम कहेंगे कि हर आउटपुट हमारा बराबर आउटपुट आना चाहिए तो हम जो हमारा लॉस होगा वो हम इससे इनिशलाइज करेंगे आर एक्स माइनस एक्स और इसका एल टू नॉर्म ले लेंगे और इसके L2 नॉम का स्क्वेयर तो उसको हम टोटल अपना ऑब्जेक्टिव फंक्शन बनाएंगे उसका हम ग्रेडियंट कम्प्यूट करेंगे और उससे हम बैक प्रोपिगेट करते हुए यहाँ पर हमारे थीटा पैरामीटर्स होंगे और ये हमारे लेट से थीटा वन थीटा टू ये हमारे पैरामीटर्स हैं जो हम लर्न करेंगे सच दैट कि आवर आउटपुट बिकम्स एज क्लोज एज पॉसिबल टू इनपुट लेकिन क्योंकि यहाँ पर नंबर ऑफ़ फीचर्स हमने कम लिए एज़ कम्पेयर टू इनपुट तो हम इसे कहेंगे अंडर कम्प्लीट रिप्रेजेंटेशन तो ये अगर हम ये कह रहे हैं जेड है क्योंकि हमने कहा कि हम एक्स से शुरू हुए और हम जेड पे पहुँचे जो हमारा ये इनकोडर था और फिर हमने जेड से गए फिर हम एक्स कैप पे पहुँचे ये हमारा डिकोडर है तो अगर आपकी z की डिमेंशन डमेंशन ऑफ z अगर आपकी लेजन है डिमेंशन ऑफ एक्स तो आप ये कहेंगे कि ये हमारा अंडर कंप्लीट रिप्रेजेंटेशन है इसी को हम बॉटल नेक ऑटो इनकोडर भी कहते हैं ऑटो इनकोडर अपने आप को रिकन्स्ट्रक्ट कर लाए इसलिए ऑटो और इनकोडर एक इनकोडिंग पार्ट है और फिर एक डिकोडिंग पार्ट है और तो जो ये हमारा जो इनपुट ये जो हमारा बीच में जो आउटपुट आया ये Z इसको हम कह सकते हैं ये हमारे रेलीवेंट फीचर्स हैं अगर हमने इनको यहाँ पर काट लिया नेटवर्क को पूरा ट्रेन किया सपोज़ करिए कि आपके पास थाउजेंड सैम्पल्स थे आपने उसे इसको परफेक्ट रिकन्स्ट्रक्शन की तरह ट्रेन कर लिया परफेक्ट रिकन्स्ट्रक्शन क्यों कह रहे हैं क्योंकि जो इनपुट पे है वही परफेक्टली रिकन्स्ट्रक्ट होकर आउटपुट पे आ जाए तो आपने जब उसको पूरा ट्रेन कर लिया मिनिमम एरर के लिए उसके बाद आपने क्या किया आपने डिकोडर पार्ट को अलग कर दिया और एनकोडर को ही रख लिया तो ये जो आउटपुट आए आपके ए वन ए टू ए थ्री अब ये आपके फीचर्स बन गए अब आप इसको किसी भी एक लॉजिस्टिक क्लासीफायर में डाल दीजिए और अब आप क्लासीफिकेशन का टास्क कर लीजिए तो सपोज करिए कि आपका पेटल लेंथ पेटल्स विर्थ और सेपल लेंथ सेपल वर्थ वाला आयरिस का डेटा सेट था तो आप ये भी कह सकते हैं कि भाई हम क्या करेंगे सबके फीचर्स को सब इनपुट लेंगे एक ऑटो एनकोडर में डालेंगे और फीचर्स को थोड़ा छोटा कर देंगे और दो ही सिग्निफिकेंट फ़ीचर रखेंगे और फिर जब हमारा ऑटो एनकोडर ट्रेन हो जाएगा और सिर्फ चार से दो फीचर रह जाएंगे तब हम इन दो फीचर्स को यूज़ करते हुए हम एक लॉजिस्टिक क्लासीफायर में डालेंगे तो जिस समय हम ट्रेन कर रहे होंगे तो हम सारा ट्रेनिंग का डेटा यूज कर लेंगे वो किस क्लास का है चाहे वो क्लास वन का है या क्लास जीरो का है उस उसको आप ध्यान नहीं रखेंगे ऑटो एनकोडर अनसुपरवाइज मैनर में ट्रेन होगा सारे डेटा को इस्तेमाल करेंगे और उसको एक तरीके से आउटपुट पे इनपुट रेप्लिकेट हो जाए इस तरीके से उसको ट्रेन कर देंगे जब वो फाइनली ट्रेन हो जाएगा तब आप डिकोडर को अलग कर देंगे एनकोडर के आउटपुट को रखेंगे अब आप क्या कहेंगे कि कोई भी मेरे पास इनपुट सैम्पल आया किसी भी क्लास का है मैंने उसको इस एनकोडर के थ्रू पास करना है मेरे सिग्निफिकेंट फीचर आ जाएंगे अब इन सिग्निफिकेंट फीचर को हम फर्दर ऑन एक न्यूरल नेटवर्क सपोर्ट वेक्टर मशीन लॉजिस्टिक क्लासिफायर डिसीजन ट्री किसी में भी डालेंगे और फिर अब हम सुपरवाइज लर्निंग का टास्क करेंगे तो यहाँ पर हमारा सुपरवाइज लर्निंग का टास्क परफॉर्म होगा जो कि एक न्यूरल नेटवर्क भी हो सकता है एक लॉजिस्टिक क्लासीफायर भी हो सकता है आपका एक एस भी हो सकता है आपका एक डिसीजन ट्री भी हो सकता है ये हमारा कोई भी सुपरवाइज क्लासिफिकेशन का टास्क के हमारा मॉडल हो सकता है। तो एक तरीके से जो हम पी में डिमेंशनलिटी रिडक्शन करते हैं या सिग्निफिकेंट फीचर निकालते हैं उसी तरह हम न्यूरल नेटवर्क्स का इस्तेमाल करते हुए ऑटो एनकोडर्स का भी से भी कर सकते हैं ये पर्टिकुलरली कब हेल्पफुल होगा जब अगर आपको आपके इनपुट में फीचर्स बहुत ही ज्यादा बढ़ जाएं, तो बजाय आप पी करने के उस समय ऑटो एनकोडर्स का इस्तेमाल कर सकते हैं तो सपोज़ करिए कि आपके पास इमेज क्लासिफिकेशन का टास्क था आपकी हर इमेज जो है वो 256 फिफ्टी सिक्स बाई टू की थी तो एक तरीका ये है कि आप ऑटो एनकोडर बना लें और ऑटो एनकोडर उसको उसके 256 फिफ्टी सिक्स फिफ्टी सिक्स पूरी इनपुट इमेज के हर इंटेंसिटी पॉइंट को आप एक कहें हर पोजीशन को आप एक फ़ीचर मान लें तो अब आपके पास 256 फिफ़्टी सिक्स इंटू टू आपकी टोटल डिमेंशन हो गई तो एक तरीके से जब आप इसको विक्टराइज कर देंगे तो इतने आपके पास फीचर्स हैं अब आप एक ऑटो इनकोडर ट्रेन कर लीजिए और हो सकता है कि इनकोडर की आउटपुट आप सक्सेसिव लेयर्स लगाते चले गए और उसके बाद फाइनली एनकोडर की जो आउट है वो आपके रह गए सपोज लेटेस्ट से 20 फीचर्स तो आप अब इन 20 फीचर्स जो आपने एक्सट्रैक्ट किए डेटा में से इनको अब आप किसी भी क्लासिफायर को फीड करके और आप अपना क्लासिफिकेशन का टास्क कर लें तो इस सिनेरियो में पी इतना इफेक्टिव नहीं रहेगा जितना इफेक्टिव की हो सकता है आपका ऑटो एनकोडर आपको प्रूव हो क्योंकि यहाँ पर हम आइट्रेटिवली उसको ट्रेन कर रहे हैं बट इंस्टेड ऑफ़ कि पी में जिसमें हम आइगन वेक्टर्स निकालेंगे आइगन वैल्यूज निकालेंगे उसको करने की बजाय यहाँ से कर रहे हैं तो एक तरीके से ऑटो एनकोडर में ओरिजिनल इनपुट गया और यहाँ पर एक कॉम्पैक्ट रिप्रेजेंटेशन है और फिर आपका आउटपुट रिकन्स्ट्रक्ट हुआ तो हो सकता है आपका आउटपुट यहाँ देख पा रहे हैं आप कि आउटपुट एग्जैक्टली इनपुट का रेप्लिका नहीं है लेकिन काफ़ी हद तक है कि हम पहचान पा रहे हैं कि हमारा ये क्या है स्लाइटली हो सकता है क्योंकि वो अगर आप क्या कह रहे हैं कि आप थोड़े से फ़ीचर्स में उसको कॉम्पैक्ट कर रहे हैं तो जैसे कि पी में भी अगर मैं ट्वेंटी के बजाय तीन ही प्रिंसिपल कॉम्पोनेंट को रख लूँ तो मेरा एग्जैक्टली exactly तो रि नहीं होगा इनपुट आउटपुट पर लेकिन स्लाइटली उसमें थोड़ी सी एरर रह जाएगी जो कि बहुत थोड़ी होगी कि आपके अपने पर्टिकुलर टास्क के लिए वो हेल्पफुल होगी इसी तरह आप फैशन एमनेस्ट के डेटा पे भी ऑटो एनकोडर को अगर लगाएं तो यहाँ पर इस ट्यूटोरियल में टेंसर फ्लो के ट्यूटोरियल में गिवन भी है कि ये आपकी ओरिजिनल इमेज है टॉप रो में और बॉटम रो में जो भी हैं उनके करस्पॉन्डिंग रिकन्स्ट्रक्टेड इमेजेस हैं तो हम देख रहे हैं कि रिकन्स्ट्रक्टेड इमेजेस कुछ सिनेरियो में तो थोड़ी सी ज़्यादा नॉइजी हैं जैसे इसके अंदर और कुछ सिनेरियोज़ में हमें उनमें से डिफरेंस देख पाना थोड़ा सा कठिन है और वो एक तरीके से दूर से ही हम पहचान पा रहे हैं कि वो कौन सी इमेज है तो इसी तरह एमनेस्ट के हैंड रिटन डिजिट्स पे भी हम डिफरेंट लॉस फंक्शन को यूज करते हुए भी लोगों ने लगाया है जैसे कि ये ओरिजिनल इमेजेस थी ये रिकन्स्ट्रक्टेड इमेजेज़ हैं विद बाइनरी क्रॉस एंट्रोपी और ये रिकन्स्ट्रक्टेड इमेज़ हैं विद मीन एरर लेकिन तीनों में ही हम हर डिजिट को आराम से पहचान सकते हैं तो इसका मतलब है अगर हमारे एनकोडर के आउटपुट के फीचर्स बहुत थोड़े हो गए तो वो सिग्निफिकेंट फीचर्स हैं जो कि हमारी हेल्प कर सकते हैं इन द क्लासिफिकेशन या सब्सिक्वेंट जो भी टास्क है उसके अंदर तो ऑटो एनकोडर और पी को देखें तो अगर पी में हमने क्या किया तो हम क्या कह रहे हैं एक हमारा एनकोडर है और एक डिकोडर है तो अगर हमने मैथमेटिकली एक लीनियर ऑटो एनकोडर जो कि वन हिडन लेयर से ही बनाया अगर उसको देखा तो हम ये कह सकते हैं जेड इज इक्वल टू थीटा वन एक्स है और इसी तरह एक्स कैप क्या होगा वो थीटा टू जेड है तो अगर हम दोनों को कम्बाइन कर दें तो एक्स कैप क्या बना थीटा टू कॉम्पोजिशन विद थीटा वन देन विद एक्स तो फिर ये थीटा एक्स हो गया तो अब थीटा वन क्या है हमारा एल क्रॉस डी मैट्रिक्स होगा थीटा टू क्या होगा डी क्रॉस एल होगा और यहाँ पर क्या है एल इज़ लेस देन डी क्योंकि डी हमारी टोटल इनपुट डिमेंशन थी और आ, जो है हमारी ये एल क्रॉस डी है तो ये अगर एल क्रॉस डी है ये डी क्रॉस वन है तो ये हमारा एल क्रॉस वन हो जाएगा अगर बॉटल नेक ऑटो एनकोडर है तो एल हैज़ टू बी लेस देन डी इस तरीके से और फिर जब हम वापस रिकन्स्ट्रक्ट करेंगे क्योंकि ये फिर डी क्रॉस एल हो जाएगा ये एल क्रॉस डी था और ये डी क्रॉस वन था तो ये हमारा जो होगा ये डी क्रॉस डी मैट्रिक्स हो जाएगा और ये डी क्रॉस वन है तो हमारा एक्स कैप की भी डिमेंशन आ जाएगी डी क्रॉस वन और यहाँ पर हम इस तरीके से स्क्र्ड एरर लॉस फंक्शन हम कंसिडर कर सकते हैं तो ये अगर हम देखेंगे तो ये पीपल हैव शोन दैट अगर हम लीनियर ऑटो एनकोडर की बात करें जिसमें कि हमने नॉन लीनियरिटी इंट्रोड्यूस नहीं किया है तो देन एक्स कैप इज एन थॉगनल प्रोजेक्शन इट लुक्स लाइक ऑन टू द फर्स्ट एल आइगन वेक्टर्स ऑफ द कोवेरियंस मेट्रिक्स तो एक तरीके से पी सी ए के ही इक्वलेंट है अब ये तो था कि जिसमें हमने एक ही हिडन लेयर लगाई वॉट अगर हम मल्टीपल हिडन लेयर्स लगाना चाहते हैं तो हम कैसे करेंगे पहले हम सिंगल एक लेयर के साथ इस ऑटो एनकोडर को इनपुट uh, आउटपुट के बीच में ट्रेन करेंगे ताकि हमारे ये लर्न हो जाए और हमारा ये लर्न हो जाए तो थीटा वन और थीटा टू हमने लर्न कर दिए अब जब हम इनको हम कहेंगे कि फीचर सेट वन जो कि इस लेयर में लर्न हुए अब हमारा ये लर्न हो गया अब हम क्या करेंगे इन दोनों लेयर्स को तो हम फ्रीज़ कर देंगे जो हमने लर्न कर लिया है अब हम यहाँ से शुरू करेंगे ये हमारा इनपुट बन जाएगा इनपुट बन गया ये हमारे क्या हैं फीचर सेट वन जो थे ये हमारी आउटपुट बन जाएंगी तो ये हमारे को एग्जैक्टली exactly इसका रेप्लिका चाहिए तो आप देख रहे हैं एच वन वन और ये एच वन वन हैट है तो इसका हम अब रेप्लिका करेंगे और बीच में हमारे ये होंगे ये जो होंगे ये हमारे सेकेंड लेवल के फीचर्स होंगे तो अब हम सिर्फ इससे इसके बीच में हम रिकन्स्ट्रक्शन के लिए ट्रेन करेंगे तो यहाँ से यहाँ तक सिर्फ हम ट्रेन करेंगे तो अब हमारा ये थीटा वन तो फिक्स्ड है ये फिक्स्ड है इसका हम कुछ नहीं करेंगे यहाँ पर हमारा थीटा टू था वो भी फिक्स्ड है क्योंकि इसके बाद ये जाएगा और हमारे ये इस तरीके से जो नेटवर्क है उसके अंदर ये थीटा टू था और ये हमारी कितनी है वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स ये हमारे हैं एक्स वन कैप एक्स टू कैप ये हमारे जो आउटपुट आ रहे हैं ये हमारे फिक्स हैं ठीक है ना एक्स सिक्स कैप ये तो हमारा फिक्स है थीटा टू भी हमारा फिक्स्ड है ये है हमारा थीटा थ्री और ये है हमारा थीटा फोर अब हम क्या करेंगे लर्न थीटा थ्री एंड थीटा फोर इन द नेक्स्ट गो तो इसका मतलब क्या है कि हम एक एक करके लेयर्स को स्टैक करते जा रहे हैं और उनको फिर हम सक्सेसिवली ग्रीडी मैनर में लेयर वाइज हम उनकी ट्रेनिंग कर रहे हैं तो इस तरीके से स्टैक डॉटो एनकोडर ट्रेन होने लगता है और हम क्या करते हैं अक्सर तो हम यही चाहते हैं कि अगर मैंने कहा कि मेरी 256 फिफ्टी सिक्स बाई टू की इनपुट इमेज थी और हम उसे सब्सिक्वेंटली 20 फ़ीचर्स पे ही करना चाहते हैं तो हम क्या करेंगे पहली लेयर में कितने हैं 256 फिफ़्टी इतने सारे हमारे पास फ़ीचर्स हैं नेक्स्ट लेयर में और कम हो जाएंगे नेक्स्ट लेयर में और कम हो जाएंगे करते करते हम उसे सब्सिक्वेंटली हो सकता है 20 फ़ीचर्स पे ले आएँ अब स्टैक्ट ऑटो एनकोडर में जैसे कि हमने कहा एक बार जब लर्न हो गया सपोज करिए आपने दो ही लगाई थी तो एनकोडर में फाइनली कितनी लेयर हुई दो लेयर हुई डिकोडर में भी दो लेयर हुई अब आप क्या करेंगे एनकोड डिकोडर को हटा देंगे और एनकोडर का जो आउटपुट है एनकोडर के आउटपुट को एक सॉफ्ट मैक्स में डालेंगे और सॉफ्ट मैक्स में डालने के बाद फिर आप उससे क्लासिफिकेशन ले लेंगे यहाँ पर हमने ये किए प्लस वन जो है ये बायस टर्म की तरह दिखाया है हमने पीछे नहीं दिखाया था तो आप इसको ड्रॉप भी कर सकते हैं तो एक तरीके से हम इस तरीके से नेटवर्क की लेयर्स के साथ तो यहाँ पर हमारे तीन फ़ीचर्स थे यहाँ पर भी तीन ही फीचर्स हैं और उसको हम डालेंगे एक सॉफ्ट मैक्स क्लासीफायर में और उससे हम अगर थ्री क्लास क्लासिफिकेशन कर रहे थे तो अब हम उससे आउट ले लेंगे हो सकता है कि आउटपुट हमारा फोर क्लास हो या टू क्लास हो तो हम इस तरीके से आउटपुट लेंगे तो स्टैक्ट ऑटो एनकोडर या ऑटो एनकोडर इन जनरल इनका इनका इस्तेमाल कैसे किया जाता है बहुत ज़्यादा इस्तेमाल तो हम क्लासिफिकेशन के ही टास्क में करते हैं कि हम एनकोडर डिकोडर लर्न कर लेते हैं एनकोडर के आउटपुट पर सिग्निफिकेंट फीचर्स आ जाते हैं हमारे इंपॉर्टेंट फ़ीचर्स हैं क्योंकि हो सकता है अब वो बीस ही फीचर्स है अगर पूरी इमेज रिकन्स्ट्रक्शन रिकन्स्ट्रक्ट करने की ताकत है उन ट्वेंटी फ़ीचर्स में सो दैट मीन्स दैट दे आर रियली इंपॉर्टेंट और सिग्निफिकेंट फीचर्स तो फिर हम उन फ़ीचर्स को रखते हैं और फिर उनको आगे हम एक क्लासीफायर को डाल के इस क्लासिफायर की अब हम ट्रेनिंग करते हैं तो ऑटो एनकोडर एनकोडर डिकोडर तो अनसुपरवाइज मेथड में ट्रेन होगा सारे डेटा पे ट्रेन होगा इर ऑफ लेवल आप सारा डेटा इस्तेमाल करेंगे लेकिन जब एक बार लर्न हो जाएगा तो ये वाला पाथ तो हमारा होगा फिक्स्ड इसमें कोई ट्रेनिंग नहीं हो रही है ये वाला पाथ जो होगा वो होगा हमारा ट्रेनेबल जिसको हम ट्रेन करेंगे और फिर हम जब टास्क पूरा हो जाएगा जब हमारा पूरा लर्निंग इसकी भी हो जाएगी तब हमारा इनपुट आउटपुट की मैपिंग आ जाएगी जिससे हम इन्फ्रेंस लेंगे ऑटो एनकोडर के कुछ और वेरिएंट्स भी होते हैं एक है स्पार्स ऑटो एनकोडर अब इसमें हो सकता है कि आप यह कहें कि हिडन लेयर में हमने थोड़े से न्यूरॉन उल्टा बढ़ा दिए नंबर ऑफ इनपुट्स नंबर ऑफ न्यूरॉन्स बढ़ा दिए एज कंपेयर टू जो हमारे को इनपुट नंबर ऑफ इनपुट फीचर्स आ रहे थे और इसी तरह हो सकता है सेकेंड हिडन लेयर में भी आपने नंबर ऑफ फीचर्स बढ़ा दिए एज कंपेयर टू फर्स्ट तो कई बार हम इस तरीके से भी बढ़ाते हैं लेकिन हम ये तब इस्तेमाल करते हैं जब हम ये कहते हैं कि हो सकता है कि हमारे कुछ कुछ ही नोट्स जो हैं हमारे डिफरेंट डिफरेंट हमारे पैटर्न्स हैं डेटा के अंदर जो कि कुछ नोट्स जो होंगी वो उनको पैटर्न्स को पकड़ेंगी तो एक तरीके से हम ये कहेंगे कि अब हम हर लेयर पे एक रेगुलराइजर भी लगाएंगे जिसको हो सकता है कि हम L1 रेगुलराइजर लगा दें तो वो क्या करेगा वो स्पार्सिटी प्रमोट करेगा हर लेयर पर तो जब वो स्पार्सिटी प्रमोट करेगा तो हो सकता है एक पैटर्न कुछ नोड्स ने कैप्चर कर लिया तो इसको हम बोलते हैं स्पार्स ऑटो एनकोडर और इसी तरह एक डीनोइजिंग ऑटो एनकोडर होता है जिसमें आप कहेंगे कि अब हम क्या करेंगे कि इनपुट को ही नॉइजी बनाते रहेंगे तो एक तरीके से अभी हम क्या कर रहे थे कि हमने एक्स इनपुट लिया और हमने आर एक्स आउटपुट आया और हम कह रहे हैं आर एक्स शुड भी इक्वल टू एक्स अब हम क्या करेंगे कि हम एक्स प्लस एक रैंडम नॉइज़ भी इनपुट डाल देंगे और अब हम कहेंगे कि आर एक्स जो हमारा आए आर जो आउटपुट आए जो कि इस एक्स प्लस एन पे आ रहा है ये अभी भी हमारा अप्रॉक्सीमेटली एक्स हो जाए इसका बेनिफिट क्या है तो इस तरीके से जब हम बार बार स्लाइटली इनपुट को पर्टर्ब करके देते रहेंगे और कहेंगे लेकिन फिर भी ओरिजिनल एक्स के बराबर हो जाए तो एक तरीके इसमें इसमें नॉइज़ रिमूवल की कैपेबिलिटी भी इंट्रोड्यूस हो जाएगी तो अब हम ये कहेंगे कि अगर मेरा डेटा थोड़ा नॉइजी भी आएगा तो इसके अंदर इनहेरेंट कैपेबिलिटी है नॉइज़ को रिमूव करने की तो अब क्या होगा वो तब भी उसमें से ओरिजिनल इमेज जो है वो हमारी ले लेगा ले और उसी के सिग्निफिकेंट फीचर वो लर्न कर रहा होगा एनकोडर के आउटपुट पर तो यहां पर कई बार हम स्टोकेस्टिकली करप्ट करते हैं तो हो सकता है हम ये जो है इसको गोशन नॉइज से लाएं पिक करें और ग्वशन नॉइज से उसको करप्ट करें और फिर हम आउटपुट पे फिर भी कहें कि जो हमारा अप्रॉक्सीमेटली आउटपुट आया दैट शुड बी एज क्लोज एज पॉसिबल टू हमारा क्लीन डेटा के बराबर ही होना चाहिए तो एक तरीके से इसमें डेटा भी ऑगमेंट हो जाएगा क्योंकि आपने हो सकता है एक इनपुट में जाइए उसमें आ, बीस बार आपने डिफरेंट डिफरेंट नॉइज डाली और फिर उसको पास किया लेकिन उसका ग्राउंड ट्रुथ जो इन इमेज है वो तो फिर भी एक्सी रही तो हर बार अब आपका डेटा ट्वेंटी टाइम्स लेकिन ऑगमेंट हो गया तो डेटा भी काफ़ी ज़्यादा हो गया और साथ में उसमें कैपेबिलिटी भी आ गई कि वो नॉइज़ को भी हटाते हुए ओरिजिनल इमेज को देख पा रहा है तो ये आपको रोबस्ट परफॉर्मेंस देगा नॉइजी सैरणियों में जब आपकी नॉइजी इमेजेस इन्फ्रेंस के टाइम पे आएंगी इट कैन आल्सो हैंडल मिसिंग वैल्यूज़ क्योंकि हो सकता है कभी नॉइज़ इस तरह की ऐड हो गई कि वो वाला पर्टिकुलर इनपुट फीचर को ये एक इनपुट फीचर ज़ीरो भी हो गया तो अब अगर आपका डेटा ऐसा आता है जिसमें कुछ इनपुट कुछ वैल्यूज़ मिसिंग होती है तो उसको ये मान सकता है कि हो सकता है नॉइज़ के कारण वो मेरी वैल्यू दिख नहीं रही है तो ये एक तरीके से इट कैन ऑल्सो हैंडल मिसिंग वैल्यूज तो डी नॉइजिंग ऑटो एनकोडर कैसे काम करेगा अब आपकी ओरिजिनल इमेज है उसी के अंदर आपने रैंडम नॉइज ऐड कर दी तो हो सकता है ये आपका नॉइज का सेटअप है जिसको आपने इसमें ऐड किया अब आपने जब इसको इनपुट दिया और यहाँ से डिकोडर का आउटपुट आया लेकिन डिकोडर का आउटपुट अभी भी यही इमेज आनी चाहिए नॉइज का इम्पैक्ट उस पर से चला जाना चाहिए तो अब देखिए सपोज आपने ये नॉइज़ी इमेज डाली लेकिन किसकी प्योर इमेज आपकी फ़ोर थी इस पे आपने नॉइज़ ऐड करी तो इस तरह की इमेज बन गई लेकिन जब आप डी करेंगे जब आउटपुट देखेंगे ऑटो एनकोडर का तो वो दोबारा आपको फ़ोर काफ़ी हद तक रिकवर हो जाएगा तो डी नॉइजिंग ऑटो एनकोडर आपको फिर आपकी आउटपुट इमेज जो है वो फिर काफ़ी अच्छे से डी नॉइज़ हो जाएगी और उसमें से वो रिकवर हो जाएगा इन समरी इस मॉड्यूल में हमने ऑटो एनकोडर के कॉन्सेप्ट को देखा हमने बॉटल ऑटो एनकोडर की बात किया हमने ऑटो एनकोडर को एक सिंपल लीनियर ऑटो एनकोडर को लीनियर पी के साथ कंपेयर करके भी बताया हमने स्टैक्ड ऑटो एनकोडर की बात करी जिसमें कि मल्टीपल लेयर स्टैक होके आपका एक डीपर ऑटो एनकोडर बन जाएगा और साथ में हमने डी ऑटो एनकोडर की भी बात किया धन्यवाद नमस्ते दोस्तों आइए अब हम इस मॉड्यूल में कुछ एम के एप्लीकेशंस को देखेंगे और वो भी हम हेल्थ केयर के डोमेन के रियल डेटा पे हम उसको समझेंगे तो सबसे पहले हम कैंसर सर्वाइवल एनालिसिस पे आपको एक दो रिजल्ट्स प्रेजेंट करेंगे तो ये जो एग्ज़ाम्पल है ये हमने मशीन लर्निंग का मॉडल बनाया था एक ब्लड कैंसर के कॉन्टेक्स्ट में तो मल्टीपल माइलोमा एक ब्लड कैंसर का टाइप है तो कैंसर में क्या होता है कि हमें आ, हर पेशेंट के जब हम एट्रीब्यूट कलेक्ट कर, करते हैं उसके बाद हमें उसकी रिस्क स्टेजिंग करनी पड़ती है या उसका रिस्क आइडेंटिफाई करना पड़ता है कि वो लो रिस्क में है मीडियम रिस्क में है या हाई रिस्क में है जितना उसका कैंसर का पेशेंट को रिस्क है उसके हिसाब से डॉक्टर्स उसको थेरेपी या ट्रीटमेंट देते हैं तो अब इसमें हमें क्या करना था कि हमारे पास काफ़ी पेशेंट्स का डेटा था जिसमें उनका हमें उनके लैब के पैरामीटर्स उनकी एज उनके डिफरेंट एट्रीब्यूट्स हमें गिवन थे और अब हमें उनकी रिस्क स्टेजिंग करनी थी तो अब आपसे सबसे पहले पूछा जाएगा कि भई रिस्क स्टेजिंग करनी है या रिस्क आइडेंटिफाई करना है लेकिन सिर्फ लैब के पैरामीटर्स हैं यहाँ पर जो कि हम कहते हैं मशीन लर्निंग में ग्राउंड ट्रूथ कि वो लो रिस्क का है या मीडियम रिस्क का है हाई रिस्क का है वो हमें पता नहीं है लेकिन हाँ हमें एक बार अगर रिस्क टेजिंग बना लें या कुछ आइडेंटिफाई करें कि भाई इन सारे सब्जेक्ट्स को हम रिस्क ग्रुप लो कह सकते हैं इनको हाई कह सकते हैं तो जो ऑन्कोलॉजिस्ट है या कैंसर स्पेशलिस्ट है वो उसके पैरामीटर्स को देख के शायद बता पाए कि हाँ जो आपने लेबल दिया है वो ठीक है लेकिन इस समय ये प्रॉब्लम हुई अनसुपरवाइज्ड लर्निंग की तो यहाँ पर देखिए ये हमने कैसे किया ये हमने 2021 में काम किया तो इसमें हमने हमें कुछ लैब के क्लिनिकल पैरामीटर्स गिवन थे तो हर पेशेंट की हमारे पास एज थी हीमोग्लोबिन वैल्यू थी कैल्शियम था बीटा टू एम भी एक पैरामीटर होता है लैब पैरामीटर अल्बोमेन एक तरह का प्रोटीन है उसकी वैल्यू थी ई जी एफ आर रेशो था जो कि आपका किडनी की फंक्शनिंग को बताता है तो इस तरह के ये हमारे पास पैरामीटर्स थे नॉर्मली कैंसर में कई बार आप जीनोमिक टेस्ट भी करते हैं लेकिन वो काफ़ी एक्सपेंसिव होते हैं तो ये जो पर्टिकुलर हमने रिस्क कैलकुलेटर बनाया तो इसमें हमने इकोनॉमिक्स देखते हुए हमने कहा कि जीनोमिक का हम प्रोफाइल नहीं लेंगे तो हमने सिर्फ ये यहाँ पर जो हमारे पास वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स ये सिक्स फीचर्स हमने लिए अब जो है जब भी आप कोई नया काम करते हैं मशीन लर्निंग को यूज़ करते हुए तो सबसे पहले आप कहते हैं कि क्या कोई एग्जिस्टिंग मॉडल है तो हमारे पास एग्जिस्टिंग मॉडल थे एक था आई और दूसरा था रिवाइज आई आई दो पैरामीटर यूज़ करता है और रिवाइज्ड आई एक्चुअली उन दो पैरामीटर के अलावा आपका जीनोमिक फीचर्स को भी यूज़ करता है तो ये दो पैरा दो हमारे पास रिस्टेजिंग जिसको हम कहेंगे बेसलाइन मेथड्स हमारे पास अवेलेबल थे अब हमने क्या किया हमने दो डेटा सेट यूज़ किए एक तो हमने ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज का डेटा लिया और दूसरा हमने एक पब्लिकली अवेलेबल डेटा लिया जो मल्टीपल माइलोमा रिसर्च फाउंडेशन ने अवेलेबल करा रखा है ये जो कैलकुलेटर है ये ऑनलाइन इस वेब पेज पे भी अवेलेबल है और ये उसका पब्लिकेशन है पर देखिए कि हमने इसे बनाया कैसे तो ये बड़ा इंटरेस्टिंग सा काम है जिसमें पहले हमने अनसुपरवाइज लर्निंग को यूज़ करते हुए कैलकुलेटर बनाया उसके बाद हमने उसको उसका एक डिसीजन ट्री भी बनाया जिससे कि हम उसका सुपरवाइज मैनर में फिर एक डिसीजन ट्री बनाया जिससे जब एक फ्यूचर सैम्पल आए तो हम उसकी इन्फ्लुसिंग कैसे लें दूसरा हम अगर ये मॉडल को कहीं डिप्लॉय करते हैं तो इमिडेटली डॉक्टर ये कहेंगे कि भाई हम कैसे जाने कि जो भी आपने कैलकुलेटर बनाया वो ठीक चल रहा है उसकी इंटरप्रिटेशन क्या है इसीलिए हमने सुपरवाइज मैनर में फिर एक डिसीजन ट्री बनाया जिसके जो रूल्स थे वो हमने मेडिकल डॉक्टर से वैलिडेट कराए तो सबसे पहले देखिए कि इसमें जब हम आप रिस्क कैलकुलेटर या हमने ये काम करना शुरू किया तो क्या चैलेंजेस आए तो पहला तो हमने कहा कि हम एक डेटा सेट पर बनाएंगे और दूसरे डेटा सेट पर उसको वेलीडेट करेंगे तो हमने कहा हम एम्स के डेटा सेट पर बनाते हैं और एम एम आर एफ के डेटा पर हम वेलीडेट करेंगे मतलब कि उसको टेस्ट करेंगे उस डेटा को अब हमने अनसीन डेटा की तरह बना लिया तो सबसे पहले हमारे पास ये जो हमारे फीचर्स थे वो यहाँ पर अवेलेबल हैं और हमारे पास पेशेंट्स थे जो कि सैंपल वन सैंपल टू अप टू वन जीरो सेवन जीरो तो इतने पेशेंट का हमारे पास डेटा था लेकिन आपका जब भी रियल लाइफ डेटा होता है तो उसमें कुछ पैरामीटर्स कुछ पेशेंट्स के लिए मिसिंग हो जाते हैं तो जैसे कि हम यहाँ दिखा रहे हैं कि भाई सब्जेक्ट वन के लिए एल्बोमिन मिसिंग था तो अलग अलग पेशेंट्स के लिए अलग अलग पैरामीटर्स हमारे कुछ कुछ मिसिंग भी थे इसको कहते हैं हम मिसिंग वैल्यू प्रॉब्लम तो सबसे पहले जब आप रियल लाइफ डेटा देखते हो तो आपको इम्प्यूट करनी पड़ती है मिसिंग वैल्यूज़ तो अब आप सबसे पहले क्या करेंगे हमने सबसे पहले मिसिंग वैल्यू इम्प्यूटेशन किया लेकिन ये अब प्रीप्रोसिंग का पार्ट आ गया लेकिन आप उसके बाद उसको चेक भी करेंगे कि वो ठीक से इम्प्यूट हुआ है या नहीं हुआ कहीं ऐसा ना हो कि जो आप इम्प्यूटेशन का मेथड यूज़ करके इम्प्यूट करें उसके बाद जो वैल्यूज़ हैं वो थोड़ी सी रैंडम हो जाए तो अब हमने क्या किया अब उसके बाद जब हमने इम्प्यूट कर लिया डेटा तो अब हमने टेस्ट और ट्रेन में स्प्लिट किया तो हमने यहाँ पर जो किया था तो नॉर्मली डॉक्टर्स क्या कहते हैं आप टेस्ट डेटा में इम्प्यूटेशन नहीं कर सकते आप ट्रेनिंग डेटा में इम्प्यूटेशन करेंगे तो हमने एक्चुअली यहाँ पर क्या किया कि जितना भी डेटा ऐसा था जो कि फुल्ली अवेलेबल था उसको तो हमने 33 परसेंट ऑफ टोटल डेटा जिसमें सारे पैरामीटर्स थे उसको तो हमने सेपरेट करके टेस्ट डेटा बना लिया और जिस डेटा में थोड़ी सी वैल्यूज मिसिंग थी उसको हमने ट्रेनिंग डेटा का पार्ट बना दिया अब हमने ट्रेन डेटा पे इम्प्यूटेशन किया और उसके बाद अब हम आगे बढ़े अब हमें क्या करना है कि हमें डॉक्टर ने बताया कि हमें तीन रिस्क ग्रुप बनाने हैं लो रिस्क मीडियम रिस्क हाई रिस्क इसका मतलब हमें तीन क्लस्टर्स बनाने हैं डेटा के तो अब हम नॉर्मली क्या करेंगे तो सबसे पहले हमने क्या किया कि हमने यहाँ पर एक के मीन क्लस्टरिंग लगाई और ये क्लस्टरिंग किस लिए थी क्योंकि ये हेल्थ केयर का डेटा था तो हेल्थ केयर के डेटा में आप ये जानना चाहते हैं कि कौन सा फीचर आपका एबनॉर्मल रेंज में चला गया और कौन सा नॉर्मल रेंज में है तो अब हमने यहाँ पर के अडेप्टिव पार्टिशनिंग जो कि के मीन्स पे आधारित है उसको इस्तेमाल किया और वो क्या करेगी उसको हमने कहा कि के इज़ इक्ल टू टू है हमें दो क्लस्टर बनाने हैं और क्लस्टर का थ्रेशोर्ड ऐसा आए जो कि उसको सेपरेट करे एबनॉर्मल रेंज से और नॉर्मल रेंज से तो जैसे कि अगर आप हीमोग्लोबिन को देख रहे हैं तो एग्जिस्टिंग थ्रेशोड जो हमारा था वो हमारा था टेन तो नॉर्मली आप कहेंगे कि अगर दस से नीचे हीमोग्लोबिन हो गया है तो वो एबनॉर्मल रेंज है दस से ऊपर है वो ओके है लेकिन क्योंकि यहाँ पर हम कैंसर रेस्टेजिंग करना चाहते थे और ये हमारा इंडियन पॉपुलेशन का इंडियन कोहोड का डेटा था तो हो सकता है कि 10 उसमें नॉर्मल सा ना दिखे तो हमने के अडाप्टिव पार्टीशनिंग किया और वो कैसे किया कि वो हर एक फीचर को लेगा उस फीचर को देखते हुए डेटा को दो पार्ट में तोड़ेगा इस तरीके से कि उसका हम उसको देखेंगे कि आ, वो एबनॉर्मल रेंज और नॉर्मल रेंज में कैसे अलग होता है लेकिन अब इसको आप पर्टिशनिंग कैसे करेंगे अगर खाली आप हीमोग्लोबिन को लेंगे तो आपके पास कोई और पैरामीटर भी होना चाहिए जिसको देख के आप कहेंगे कि भाई ये अब एबनॉर्मल रेंज है और ये नॉर्मल रेंज है तो कैंसर में वो क्या होगा कैंसर में उसे हम कहते हैं ओवरऑल सर्वाइवल तो कैंसर में क्या होता है कि जिस दिन से डिजीज डिटेक्ट हुआ वहाँ से जब तक कि पेशेंट अलाइव था उस तक के टाइम को हम कहते हैं ओवरऑल सर्वाइवल तो कुछ पेशेंट होंगे जो हमारे कोहोट में अभी भी अलाइव होंगे तो उनको हम कहते हैं कि उनका इवेंट नहीं हुआ है इवेंट को कहते हैं कि अगर डेथ हुआ तो इवेंट हुआ और डेथ नहीं हुआ तो इवेंट नहीं हुआ तो लेकिन उनका हमारे पास ओवरऑल सर्वाइवल का टाइम है तो अगर कैंसर हाई रिस्क में था या कैंसर के कारण प्रॉब्लम था तो इसका मतलब है कि उसका ओवरऑल सर्वाइवल कम रहा होगा तो वो क्या करेगा कि यहाँ पर हमने के अडाप्टि पार्टिशनिंग कुछ इस तरीके से करी कि उसने सर्वाइवल टाइम को भी देखा ओवरऑल सर्वाइवल टाइम को भी देखा और उसको यूज़ करते हुए उसने हीमोग्लोबिन को यूज़ करते हुए उसको दो पार्ट में स्प्लिट कर दिया एक पार्ट वो जिसमें उसने कहा कि हीमोग्लोबिन नॉर्मल रेंज में है इसका मतलब ये है कि उन सभी पेशेंट्स का सर्वाइवल टाइम काफ़ी ज़्यादा था और जो बाकी के थे जिनका सर्वाइवल टाइम कम था वो थोड़े दूसरे कोहट में मूव कर गए तो इस तरीके से हमने पहले उसके पार्टिशनिंग किया कि ओल्ड थ्रेश और न्यू थ्रेश को किया और ये हम क्यों करना चाहते हैं ताकि जब हम बाद में जाएं तो हम उनको पैरामीटर्स को डिस्क्रिटाइज भी कर सकें कि भाई वो अगर हमने कहा कि अगर वो लेस देन टेन है तो हमने उसको पैरामीटर को सेट कर देंगे वन और अगर मोर देन टेन है तो उसको कर देंगे जीरो अब अगर हमारे पास न्यू थ्रेश आ गया तो हमने उसके हिसाब से हम कर सकते हैं तो अब हमने क्या किया कि हमने हर एक पैरामीटर के करस्पॉन्डिंग थ्रेशोल्ड्स निकाले तो हमने पाया कि हमारे थ्रेशोल्ड स्लाइटली डिफरेंट थे एज़ कम्पेयर टू जो एग्जिस्टिंग नॉर्म के थ्रेशोल्ड कहे जाते हैं ये करने के बाद हमने क्या किया हमने लगाया यूनिवेरिएट कॉक्स प्रोपोर्शनल हेजार्ड एनालिसिस अब ये क्या है ये एक तरीके से रिग्रेशन मॉडल है जो कि एक्सपोनेंशिएटेड रिग्रेशन मॉडल है मतलब कि जैसे हम रिग्रेशन मॉडल बनाते हैं तो हम कहते हैं वाई इज इक्वल टू अल्फ़ा वन एक्स वन प्लस अल्फ़ा टू एक्स टू अगर दो ही पैरामीटर होते हैं प्लस नॉइस या एप्सिलॉन ये हमारी इस तरह का मॉडल बनता है लेकिन यहाँ पर मॉडल क्या होगा अगर कॉक्स प्रोपोर्शनल हज़ार मॉडल है तो वो होगा वाई इज इक्वल टू एच जीरो ई रेस टू दी पार यहाँ पर आएगा आपका अल्फ़ा वन एक्स वन प्लस सू ऑन तो इस तरीके से ये मॉडल यूनिवेरिएट तो यूनिवेरिएट का मतलब है आप एक बार में एक ही फीचर को कंसिडर कर रहे हैं तो ये कंसिडर करते हुए हमने यहाँ पर एक यूनिवेरिएट कॉक्स प्रोपोर्शनल हजार लगाया और ये मॉडल जो है ये सर्वाइवल एनालिसिस में काफ़ी कॉमन है वो करते हुए अब यहाँ पर आप देख रहे हैं कि जो हमारे एल्बुमिन बीटा टू एम कैल्शियम ई और हीमोग्लोबिन पे जब ये लगाया तो ये हमारे 95 परसेंट कॉन्फिडेंस इंटरवल का वैल्यू है जिसमें कि वो हेज़ार्ड बता रहा है तो अगर हेज़ार्ड आपका ज़्यादा है इसका मतलब वो जो पैरामीटर है वो जो फीचर है वो एक कोफिशन के साथ एसोसिएटेड है उसकी वैल्यू ज़्यादा है हेज़ार्ड ज़्यादा का मतलब है कि ये वाला जो पैरामीटर है ये काफ़ी ज़्यादा उसको इम्पैक्ट कर रहा है तो अगर हम यहाँ पर देखें तो हमारा हीमोग्लोबिन का हज़ार काफ़ी ज़्यादा हमें दिखाई दे रहा है इसका मतलब हीमोग्लोबिन एबनॉर्मल रेंज में ब्लड कैंसर के पेशेंट को काफ़ी ज़्यादा इम्पैक्ट करता है तो इस तरीके से अब हमने ये अपने यूनिवेरिएट कॉक्स प्रोपोर्शनल हेज़ार्ड निकाल के देखा और ये देखा कि क्या सारे ही पैरामीटर्स जो हैं उनकी हेज़ार्ड रेशो काफ़ी ज़्यादा है इसका मतलब है दे आर इम्पैक्टिंग द कैंसर सर्वाइवल तो ये अगर ग्रेटर देन वन है तो इसका मतलब वो हज़ार ज़्यादा है लेस देन वन है तो उसका इम्पैक्ट नहीं है तो इस तरीके से हमने देखा कि सभी का जो हमारा 95 परसेंट कॉन्फिडेंस इंटरवल है वो हमारा ग्रेटर देन वन है तो सारे पैरामीटर्स हमने ठीक चूज़ किए उसके बाद अब हमने क्या किया कि हमने इन हजार रेशो को देख के डिफरेंट पैरामीटर्स को डिफरेंट वेट्स असाइन किए और डिफरेंट वेट्स असाइन करने के बाद अब हमने पेशेंट टू पेशेंट एक एडजेसेंसी मैट्रिक्स बनाई जिसको हम कहेंगे सिमिलैरिटी मैट्रिक्स। तो देखिए यहाँ पर ग्राफ का कॉन्सेप्ट भी आ गया हमने केमीन्स भी यूज़ कर लिया हमने रिग्रेशन भी यूज़ कर लिया लेकिन रिग्रेशन का भी एक एडवांस मॉडल यूज़ कर लिया उसके बाद हमने ग्राफ भी बनाया ग्राफ किन का बनाया पेशेंट टू पेशेंट का ग्राफ बनाया तो इसका मतलब हर पेशेंट के फीचर्स देखे और उसकी नियरनेस देखी टू एवरी अदर पेशेंट ये करते हुए क्योंकि हमारे ट्रेनिंग डेटा में 716 सब्जेक्ट थे तो हमने सेवन सिक्सटीन बाई सेवन सिक्सटीन सात सौ सात का हमने एक एडजेंसी मैट्रिक्स बनाया अब हमने ये क्यों किया क्योंकि नॉर्मली होना क्या चाहिए कि जो पेशेंट क्योंकि जब आप क्लस्टरिंग करेंगे तो सिमिलर पेशेंट एक ग्रुप में चले जाने चाहिए तो जब हमने ये एडजेसेंसी बना लिया उसके बाद हमने क्या किया लेकिन यहाँ पर एडजेसेंसी कैसे बनाई हमने हर फीचर को एक वेट भी असाइन किया और वो वेट क्या था वो वेट हमने देखा कि यूनिवेरिएट कॉक्स प्रोपोर्शनल हजार के बाद उसकी हजार कितनी आई तो जिसमें हजार रेशो ज्यादा आई उस फीचर को हमने ज्यादा वेट दे दिया जिसकी हजार रेशो कम आई उसको रिलेटिवली कम वेट दिया इस तरीके से अब हमने जो हमारे नए फीचर्स बन गए वेट्स के साथ उनको देखते हुए अब हमने उनकी एडजेसेंसी बनाई अब एडजेसेंसी बनाने के बाद एक सिमिलैरिटी मैट्रिक्स कंस्ट्रक्ट हो गया उस सिमिलैरिटी मैट्रिक्स पे अब हमने बर्च क्लस्टिंग को यूज़ किया ये एक एडवांस क्लस्टिंग मेथड है जिसको हमने इस्तेमाल किया और ये इस्तेमाल करते हुए हमने उन्हें डेटा को तीन क्लस्टर्स में बांट दिया अब ये तीन क्लस्टर्स बड़े अच्छे से बन गए हमारे पास लेकिन अब हमें इसके अब ये क्लस्टरिंग तो हो गई ये तो एग्जिस्टिंग डेटा की हो गई अब आप क्या चाहते हैं पहली बात तो भई आपके रूल्स क्या हैं हर फीचर पे छह फीचर्स थे तो आपने ये कहा कि भई अगर एज इतने से ज़्यादा है एल्बोमिन इससे कम है या हीमोग्लोबिन इससे कम है तब हम उसे कहेंगे लो रिस्क में है या अगर ये वाले फ़ीचर्स हैं तो हम कहेंगे हाई रिस्क में है ताकि जब एक नए पेशेंट का डेटा आए तो आप उस पर इंफोरेंस ले सकें पहली बात दूसरी बात अगर आपके रूल ठीक निकल के आते हैं तो डॉक्टर उस मॉडल को एडॉप्ट करेंगे और फिर उसको इस्तेमाल करेंगे तो अब हमने क्या किया हमने हर ग्रुप को एक नंबर असाइन कर दिया कि जैसे मतलब कि ग्रुप क्लास ज़ीरो क्लास वन और क्लास टू अब हमने एक थ्री क्लास क्लासिफायर बनाया उसमें हर एक पेशेंट के हमने फीचर्स डाले और फीचर्स डालने के बाद ग्राउंड ट्रुथ लेबल जो हमने माना जो ये हमने क्लास लेबल असाइन किए इनको ग्राउंड ट्रुथ लेबल मान लिया और इनको मानते हुए सुपरवाइज ट्रेनिंग करते हुए एक डिसीजन ट्री बनाया डिसीजन ट्री में भी कुछ हाइपर पैरामीटर होते हैं आप कितनी डेप्थ तक जाएंगे कितने लीफ पे कहाँ पर रुकेंगे तो हमने डिसीजन ट्री भी डिफरेंट हाइपर पैरामीटर्स यूज़ करते हुए दो तीन बार या चार बार बनाया और हर बार हमने डॉक्टर्स को दिखाया और उनसे पूछा कि किस डिसीज़न ट्री में हर ब्रांच जो निकल के आ रही है वो उनके क्लिनिकल अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से या उनकी नॉलेज के हिसाब से बिल्कुल सही है अगर वो सही है तो जो जिस डिसीजन ट्री पे उन्होंने कहा कि हाँ ये बिल्कुल करेक्ट फाइंडिंग है हर ब्रांच जो ट्री की निकल के आ रही है वो बिल्कुल ठीक इन्फ्रेंस ड्रॉ कर रही है उसके बाद हमने उस डिसीजन ट्री को लैच किया ये करने के बाद अब हमारे पास एक डिसीजन ट्री का मॉडल भी आ गया तो अब हम कहेंगे कि एक नया सब्जेक्ट आया उसके कुछ फीचर्स आए उस फीचर्स को हमने इस डिसीजन ट्री में डाला और वो इन्फ्रेंस दे देगा कि वो लो रिस्क है या हाई रिस्क है या मीडियम रिस्क है उसके आधार पर अब डॉक्टर अपनी थेरेपी डिसाइड करके उसको कीमोथेरेपी पर डालना है या जिस पर भी डालना है उसका ट्रीटमेंट कर पाएंगे अब जब हमने ये कर दिया उसके बाद अब हमें क्या करना था कि भाई यहाँ तो हमने ट्रेन टेस्ट वैलिडेट भी किया तो जब हमने सुपरवाइज ट्रेनिंग किया यहाँ पर तो हमने टेस्ट के भी डेटा को सबको यूज करते हुए और देखा कि भाई अब हमारी रिस्टेजिंग क्या आ रही है ये करने के बाद अब हमने क्या किया अब हमने टोटल एक अनसीन डेटा भी उठाया जो एम का था तो इसका मतलब है अब ये डेटा बिल्कुल डिफरेंट डेटा है जो कि डिफरेंट सेंटर्स पे कलेक्टेड है ये ट्रेनिंग डेटा से कहीं भी रिलेटेड नहीं है तो ये एक बहुत ही अच्छा तरीका होता है कि आप बिल्कुल डिफरेंट डेटा सेट पर अपने मॉडल को टेस्ट करें और फिर देखें क्या अभी भी इन्फ्रेंस अच्छी आ रही है तो जब आप एक मॉडल बना लेते हैं तो कई चीज़ें आपको देखनी होती हैं आप तो ये देखेंगे कि आपके बेसलाइन मेथड्स कौन से हैं क्या उनसे बेटर काम कर रहा है क्या आप अनसीन डेटा पे भी अच्छा काम कर रहा है तो ये सारी चीज़ें अब हमें ध्यान में रखनी होती हैं तो अब हमने एमएमआरएफ का डेटा यूज़ किया उससे J48 जो हमने डिसीजन ट्री बनाया था उसे इन्फ्लुसिंग ली इन्फ्लुसिंग लेने के बाद इस डोमेन में सर्वाइवल एनालिसिस में हम कैप्लन मेयर एनालिसिस करते हैं तो कैप्लन मेयर और कॉक्स प्रोपोर्शनल हेजार्ड और हमने आर और आई सबसे कंपेयर किया तो जब हमने सारा एनालिसिस किए और सारे कम्पेरिजन्स किए तो हमने पाया कि हमारा मेथड जो है हमारा मॉडल जो है वो कहीं बेहतर काम कर रहा है कंपेयर टू इवन आई और आर तो आपको पता होगा कि क्लस्टिंग में हम किस तरीके से हम उसको सिलहोटे स्कोर लेते हैं और एक और इंडेक्स होता है जिसको हम कहते हैं कंकॉडेंस इंडेक्स तो कंकॉडेंस इंडेक्स ये बताता है कि जो सब्जेक्ट एक ही क्लस्टर में गए हैं वो कितने इनअकॉर्डेंस विद ईच अदर हैं और वो कितने दूर हैं बाकी क्लस्टर के उनसे से सैम्पल से तो हमने यहाँ पर कंकॉर्डेंस इंडेक्स भी निकाला और सारा जब हमने कंपैरिजन किया तो हमने पाया कि ये प्रपोज्ड मेथड काफ़ी अच्छा चल रहा था दोनों पर तो अब चलिए इसके बाद हमने एक और नया काम किया अब की बार हमने एक और रिस्क कैलकुलेटर बनाया लेकिन इस बार हमने जीनोमिक फीचर्स भी यूज़ किए साथ में हमने एक और इम्पॉर्टेंट काम किया नॉर्मली ये कहा जाता है कि आपके जो भी नॉर्मल uh, एबनॉर्मल की रेंज है वो आइडियली तो डिफरेंट जियोग्राफिक लोकेशन के हिसाब से डिफरेंट होनी चाहिए तो हमने इसमें क्या किया कि हमने एम एम आर एफ़ के डेटा को जिस जो कि एक तरीके से यूरोपियन और अमेरिकन पॉपुलेशन का डेटा था उसको हमने सेपरेट ट्रीट किया और जो हमारा एम्स का डेटा था उसको हमने इंडियन पॉपुलेशन करते हुए सेपरेट ट्रीट किया तो अब ये देखिए आपकी बार टाइटल क्या बना कि डज एथनिसिटी मैटर इन मल्टीपल माइलोमा रिस्क प्रडिक्शन इन द एरा ऑफ जीनोमिक्स मतलब कि अगर आप जीनोमिक फीचर को भी इस्तेमाल करें अब क्योंकि जीनोमिक टेस्ट कॉस्टली होता है तो दोनों ही डेटा सेट में जिन सब्जेक्ट्स का हमारे पास जीनोमिक फीचर भी अवेलेबल थे वो थोड़े कम थे तो इसका मतलब हमारा सब्जेक्ट कोहूर थोड़ा सा कम हो गया लेकिन पैरामीटर्स हमारे वही रहे हमारे क्या थे एज हीमोग्लोबिन कैल्शियम बीटा टू एम एल्गोविन ई साथ में हमने हाई रिस्क साइटोजेनेटिक एबनॉर्मेलिटीज़ जो कि एक जीनोमिक फीचर है उसको भी इस्तेमाल किया अब हमारे पास तीन स्टेजिंग हो गई बेस के लिए एम आर एस्क एम आर एस रिस्टेजिंग आई एस एस और रिवाइज्ड आई एस एस तो ये तीन हो गई ये भी हमारा कैलकुलेटर हमारी लैब के पेज पे ऑनलाइन है अब ये देखिए कि ये कैलकुलेटर कैसे चला यहाँ पर हमने थोड़ा सा मशीन लर्निंग को भी डिफरेंट तरीके से इस्तेमाल किया जो आपको आइडिया देगा आप अलग अलग तरीके से भी मशीन लर्निंग को लगा सकते हैं तो पहला तो हमने अब हमने यहाँ पर एम एम आर एफ को डेटा को माना कि उसमें हमारे पास अब सिर्फ 800 हंड्रेड पेशेंट्स थे जिनमें जीनोमिक फीचर भी था दूसरा हमारा जो एम्स का डेटा था उसको हमने कहा मल्टीपल माइलोमा इंडियन डेटा तो ये एम एम आई एन डेटा हमने कहा इसमें सिर्फ 384 एटी पेशेंट्स में हमारे पास डेटा था तो पहला तो वही हुआ कि हमारे पास मिसिंग डेटा है उसको हम हैंडल करेंगे फिर हमने कट ऑफ देखे तो आप देखिए एम एम आर एफ के डेटा के कट ऑफ और इंडियन डेटा के कट ऑफ थोड़े से डिफरेंट रहे जो हमारा अमेरिकन पॉपुलेशन का डेटा था उस पर एज का कट ऑफ थोड़ा हायर हो गया सिक्सटी नाइन ईयर्स हो गया जिसके बाद आप कहेंगे अबव सिक्सटी नाइन वो थोड़ा सा अब नॉर्मल रेंज में कैंसर का प्रोग्रेशन उसमें या कैंसर उसमें ज़्यादा दिख रहा है और 69 से नीचे में कम है जबकि हमारा इंडियन डेटा का दो साल उसकी जो एज है वो कम है 67 पर ही हो गया इसी तरह आप देख सकते हैं बीटा टू एम में काफ़ी डिफरेंस है कैल्शियम में भी डिफरेंस है और अगर हीमोग्लोबिन देखें तो उसमें तो काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस आ गया तो इस तरीके से अब हमने डिफरेंट कटऑफ्स यूज़ करे जो कि हमने अगेन कैप्स पार्टिशनिंग के अडाप्टिव मीन्स पार्टिशनिंग को यूज़ करते हुए हमने यूज़ किया फिर हमने क्या किया अब की बार हमने तीन डिफरेंट तरीके से एडजसेंसी बनाई और आपको याद होगा एडजसेंसी बनाने के लिए हमने कहा था पिछली बार हमने क्या किया कि हमने पहले कॉक्स प्रोपोर्शनल हजार टेस्ट किया करने के बाद हज़ार रेशो देखी जिनकी हजार रेशो जितनी ज़्यादा थी उस, उसी उसी हिसाब से उसको वेट दे दिया तो अब की बार हमने यूनिवेरिएट कॉक्स प्रोपोर्शनल हज़ार्ड से भी वेट्स दिए फिर हमने एक मल्टीवेरिएट कॉक्स प्रोपोर्शनल हेज़ार्ड भी किया जिसमें सारी फीचर डाल देते हो और वो हर एक फीचर का बताएगा कि कितना उसका हज़ार्ड है रिलेटिवली तो उसके बेस पर भी रैंकिंग किया आ, हर एक फीचर का और फिर उसके हिसाब से वेट असाइन किए और फिर हमने कैप्लन मेयर टेस्ट भी लगाया और उसमें जो पी वैल्यू सिग्निफिकेंस वैल्यू आई डिफरेंट एक फीचर के लिए सेपरेटली कैप्लन मेयर लगाया और उन पी वैल्यूज को देखते हुए फिर हमने उनको वेट्स दिया तो अब हमने तीन तरीके से वेट्स दिया वेटेड स्कोर निकाले उससे हमने तीन एडजेसेंसी मैट्रिक्स निकाली तीन एडजेसेंसी मैट्रिक्स निकालने के लिए बाद हर एक एडजेसेंसी मैट्रिक्स में हमने जी एम एम बेस्ड क्लस्टरिंग कर दी क्लस्टरिंग करने के बाद अब हमारे पास तीन तरीके से हमारे पास ग्राफ आ गए जो कि क्लस्टर्ड ग्राफ, ग्राफ थे उसके बाद हमने एक कंसेंसस मैट्रिक्स बनाया जिससे कि हमारे पास कंसेंसस लेबल आए उसको यूज़ कर उसको हमने अब उसके बाद कंसेंसस ग्राफ के बाद हमने एग्लॉमरेटिव क्लस्टरिंग लगाई एग्लॉमरेटिव क्लस्टरिंग लगाने के बाद फिर हमने दोबारा एक डिसीजन ट्री क्लासीफायर बनाया जिससे कि अब हमारे पास एक सुपरवाइज्ड uh, मॉडल आ जाए और अब कोई नया पेशेंट आए हम उसमें डाल के उसको यूज़ कर लें और फिर हमने रिस्क असाइन किए तो देखिए यहाँ पर हमने एक जीनोमिक फीचर भी ऐड किया हमने डिफरेंट तरीके से क्लस्टरिंग भी किया हमने मल्टीपल एडजेसेंसी बनाई मल्टीपल क्लस्टरिंग करी फिर कंसेंसस मैट्रिक्स भी बनाया और उसके बाद हमने एक और एग्लॉमरेटिव क्लस्टरिंग करते हुए फिर एक सुपरवाइज्ड मॉडल बनाया तो ये अन सुपरवाइज्ड मॉडल का कॉम्बिनेशन है इसमें रिग्रेशन भी यूज़ हुआ इसमें ग्राफ क्लस्टरिंग भी यूज़ हुआ उसके भी कई मेथड यूज़ हो गए इसमें सुपरवाइज्ड मॉडल भी यूज़ हो गया तो इसमें काफ़ी सारे कॉन्सेप्ट्स हमने के मीन्स भी यूज़ हो गया काफ़ी सारे कॉन्सेप्ट्स हमने इसमें, इसमें, इसमें इस्तेमाल किए ये मॉडल भी हमारा यहाँ पर डिप्लॉयड है जो कि हमारे एम आर एस आई एस एस और आई एस एस से तीनों से बेहतर रिजल्ट दिए रीज़न क्या है क्योंकि अब इसके अंदर एक तो हमने और एडवांस तरीके से उसे किया और दूसरा ये है कि इसमें हमने जीनोमिक फीचर का भी इस्तेमाल किया अब हम देखते हैं कि हमने कुछ अलग काम किया जो कि हमने कार्डियल डिसऑर्डर पे किया तो यहाँ पर हमने क्या किया था कि यहाँ पर कोविड के बाद आपने सुना होगा कि हमने कहा कि पेशेंट्स में एटलीस्ट जो कोविड से सफ़र किए थे उनका थोड़ा सा हार्ट में चेंजेस थोड़े से रिपोर्ट हुए थे कि उनकी हार्ट रेट कभी कभी बढ़ी हुई महसूस हो रही है या उनमें चेंजेस हैं तो यहाँ पर हमने क्या किया कि जो कोविड से रिकवर्ड पेशेंट्स थे उनका हमने ई डेटा कलेक्ट किया और वो ई डेटा टेन सेकेंड्स का था और ट्वेल्व चैनल्स पर जो कि स्टैंडर्ड ट्वेल्व चैनल ई होता है उसको हमने कलेक्ट किया करने के बाद अब हमने एक मॉडल बनाया जिसमें कि हमने कहा कि हेल्दी वर्सेस पोस्ट कोविड का क्या हम पेशेंट का डिटेक्शन उसके ईसीजी को देख के कर पा रहे हैं अगर हम पेशेंट का डिटेक्शन ये बता पा रहे हैं कि ये पेशेंट हेल्दी है या ये पेशेंट कोविड रिकवर्ड है तो इसका मतलब है उसके हार्ट में चेंजेस हुए हैं हार्ट वेवफॉर्म में चेंजेस हुए हैं तभी हम ई को देख के ये बता पा रहे हैं तो ये भी एक तरीके से एक इंडिकेशन है कि ई चेंज हो गया है और ओवर टाइम इन पेशेंट्स को थोड़ा सा केयर की जरूरत है या एटलीस्ट फॉलोअप या रेगुलर चेकअप की जरूरत है तो अब इसमें हमने क्या किया कि हमने रॉ ईसीजी डेटा लिया नॉर्मली क्या होता है कि जनरली अभी तक जो है दो आप ये कहिए कि आठ दस साल पहले तक हम जब भी मशीन लर्निंग मॉडल बनाते थे ईसीजी पे तो हम क्या करते थे कि हम कहते थे कि हम हार्ट रेट वेरिएबिलिटी के फीचर्स निकाल लेंगे हार्ट रेट वेरिएबिलिटी फीचर का मतलब क्या है कि हमें पता है हार्ट की रिदम होती है जिसमें कि नॉर्मल रिदम कहते हैं हम 72 बीट्स पर मिनट तो अब क्या है जब आप थोड़े एक्सरसाइज करते हैं तो कभी नोट कीजिए आपका हार्ट ज़्यादा जल्दी जल्दी बीट करने लगता है तो इसका ना आपका हार्ट रेट बढ़ता है नॉर्मल पर्सन में हार्ट रेट जो है वो स्टैटिक नहीं होता वो आपका उसका हार्ट रेट में वेरिएबिलिटी होती है तो अगर आप हार्ट रेट का फीचर निकाल लें हर थोड़ी थोड़ी देर में हार्ट रेट को नोट करें और उसके बाद मेन और उसका वेरिएंस निकाल लें तो आप पाएंगे एक हेल्दी सब्जेक्ट में भी हार्ट रेट वेरिएबिलिटी होती है तो नॉर्मली क्या होता था कि आप फ्रीक्वेंसी डोमेन टाइम डोमेन एच इन शॉर्ट बोलते हैं उसके फीचर्स को कलेक्ट करके और उनको यूज़ करके ट्रेडिशनल मशीन लर्निंग क्लासीफायर बना लेते हैं यहाँ पर हमने क्या किया हमने कहा हम एच फीचर भी यूज़ करेंगे और हम रॉ ई का डेटा भी यूज़ करेंगे क्योंकि ये टेन सेकेंड का डेटा था और फाइव हंड्रेड हर्ट्स भी कलेक्टेड था तो जो हमें सैम्पल मिले वो फाइव थाउजेंड सिक्स सैम्पल्स मिले और ये ट्वेल्व लीड का था तो इन टू ट्वेल्व का डेटा मिला हर सब्जेक्ट का उसके बाद आप देखिए हमने ये कॉनवोल्यूशनल न्यूरोल नेटवर्क का आर्किटेक्चर सेट किया जिसमें कि हमने शुरू के कॉम लेयर्स में सिर्फ अपना ये ई का डेटा डाला ई की वेब डाला जो कि एक तरीके से फाइव थाउजेंड सिक्स सैम्पल्स जो कि टाइम की थी ये टाइम की एक्सेस है और आपके चैनल्स हो गए वन टू थ्री फोर ये हमारे कॉलम हैं इस तरीके से एक मैट्रिक्स फॉर्म में डेटा था तो ये एक तरीके से इमेज की तरह ही डेटा लग रहा है लेकिन सिंगल चैनल इमेज की तरह लग रहा है इसको अब हमने अपनी पहली कॉन लेयर में फीड किया फिर एक रेलू लेयर लगाई फिर हमने बैच नॉम लगाया फिर ड्रॉप आउट लगाया फिर दूसरी कॉन लेयर लगाई फिर रेलू बैच नॉम इस तरीके से करते हुए और एंड में हमने मैक्सपूल यहीं पे लगाई और उसके बाद हमने फ्लैटन लेयर लगाई फ्लैटन के बाद अब हमारे फ्लैटन हो गए अब इनको हमने एच आर वी फ़ीचर्स के साथ यहाँ पर कंकैटिनेट कर दिया तो इस तरीके से जब हम एच आर वी फीचर्स डालते हैं तो हम कहते हैं कि हमने लेट फ्यूजन कर दिया फ़ीचर्स का किन फीचर्स का फ्यूजन हुआ कुछ तो जो सी एन एन के आर्किटेक्चर से बाहर आए जो कि ई सी जी से खुद एक्सट्रैक्ट किए मॉडल ने और कुछ फीचर्स जो हमने एच आर वी के पहले से ही खुद हैंडक्राफ्टेड फ़ीचर बनाए थे इन सबका फ्यूजन किया और फ्यूजन करने के बाद हमने एक डेंस यूनिट लगाई फिर सिग्मोइड लगाई क्योंकि बाइनरी क्लासिफिकेशन था और इस तरीके से हमने क्लासिफिकेशन किया ये मॉडल यहाँ पर है तो इसके भी रिजल्ट्स बहुत अच्छे आए तो ये ये दिखा रहा है कि किस तरीके से आप ट्रेडिशनल कॉन्शनल न्यूरल नेटवर्क कुछ हैंडक्राफ्टेड फीचर्स कुछ आप सी एन एन से एक्सट्रैक्टेड फ़ीचर्स सभी तरह के फ़ीचर्स को इस्तेमाल करते हुए भी एक मॉडल बना सकते हैं जो कि आपका बहुत अच्छा चलेगा उसके बाद हमने इंटरप्रटेशन भी देखी जो कि हमने एक बार कहा था कि आजकल शेप लाइन तरह के इंटरप्रटेबिलिटी मेथड्स भी हैं तो जब आप कहते हैं कि हम डॉक्टर को जैसे कि हमने पिछले काम में कहा कि हमने डिसीजन ट्री बनाया और डिसीजन ट्री को डॉक्टर से वैलिडेट कराया कि उनकी अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से क्या वो ठीक चल रहा है क्या वो रूल्स करेक्ट हैं इसी तरह यहाँ पर अगर आप किसी कार्डियोलॉजिस्ट को बात करें तो कहेगा मैं तो ई की वेब फॉर्म पर देखूँगा कि वेब फॉर्म कितनी चेंज हो गई है तो हमने कहा कि ठीक है इसका मतलब हमें इंटरप्रटेशन इस बार ईसीजी की वेब फॉर्म पर चाहिए इसीलिए हमने ईसीजी की वेवफॉर्म फॉर्म का रॉ डेटा इसमें इस्तेमाल किया तो अब हमने इंटरप्रटेशन कैसे देखी यहाँ पर हमने शैप का एक जो लिटरेचर में एग्जिस्टिंग मेथड है उसको इस्तेमाल किया और इस शैप के मेथड को अप्लाई किया जाता है जब आप अपना एक मॉडल बना लेते हैं जब आपका मशीन लर्निंग मॉडल बन जाता है अब आप इन्फ्रेंस के लिए एक सैम्पल डालेंगे वो इन्फ्रेंस देगा कि वो किस क्लास को बिलोंग करता है साथ में ये मेथड क्या करेगा ये एल्गोरिथम उसको वापस बैक प्रोपिगेट करेगी और ये बताएगी कि ओरिजिनल डेटा में इसने कौन सा पोर्शन देखा था या क्या देखा था जिसको देख के इसने कहा कि ये इस क्लास को बिलोंग करता है तो अब हमने यहाँ पर ये वाला इंटरप्रिटेशन का मेथड लगाया तो देखिए ये एक सब्जेक्ट था जो कि इस पर्टिकुलर प्रॉब्लम से जूझ रहा था जिसको कहते हैं इजेक्शन फ्रैक्शन लेस देन फोर्टी परसेंट तो ये इसकी प्रॉब्लम थी तो इसमें क्या होता है आपकी जो लीड वन का डेटा है वो आपका थोड़ा सा चेंज हो जाता है ये एक हेल्दी पेशेंट का लीड वन का डेटा है लेकिन आपकी इसमें ये पी क्यू आर एस टी वेव होती है लेकिन वो स्लाइटली आप यहाँ पर देख रहे हैं ये जो सर्कल देख रहे हैं ब्लू इस तरह के से मॉडिफाई हो जाती है इसको कहते हैं पी वेव नॉचिंग ये हमारा डेटा था जो आप नीचे यहाँ पर देख रहे हैं और इसमें अब जब हमने उसको इंटरप्रटेबिलिटी का मेथड लगाया तो हमने कहा जो फीचर बहुत इंपॉर्टेंट है हाई रैंक्ड है उधर रेड कलर कर दो और जो इतना इम्पोर्टेंट नहीं है उसे ब्लू कलर कर दो तो उसने रेड और ब्लू थोड़ी सी कर दी और अब जब हम उसको जूम करके देख रहे हैं तो आप ये देखिए जूम देखिए तो उसने रेड कहाँ पर हाइलाइटर डाले हैं वो एग्जैक्टली exactly ये जो पी वेव नॉचिंग हो रही है उन्हीं रीजन्स में उसने हाइलाइटर डाला है उसने ऊपर कहीं भी इन पीक्स पर हाईलाइटर नहीं डाला है वो हाईलाइटर रेड कलर के यहाँ पड़े हुए हैं तो इसका मतलब उसने एग्जैक्टली exactly वो पी वेव नॉचिंग ही देखी उस पी वेव नॉचिंग को देखते हुए उसने कहा कि ये अब नॉर्मल है और इस तरीके से वो पोस्ट कोविड को एक तरीके से आइडेंटिफाई किया तो इसका मतलब है कि अब डॉक्टर इस मॉडल से कनेक्ट कर सकते हैं और उसको पहचान सकते हैं कि हाँ ये मॉडल ठीक है हम इसको डिप्लॉय करके इस्तेमाल कर सकते हैं इसी तरह हमने एक और काम किया जिसमें हमने कहा कि हेल्थ केयर वर्कर्स जो हैं जब कोविड 19 स्ट्राइक किया उस समय हेल्थ केयर वर्कर्स पे बहुत लोड था तो काफ़ी ज़्यादा लोड होने के कारण ऐसा भी होता है कि हम एक प्रोलॉन्ग स्ट्रेस के अंडर आ जाते हैं और ये रिसर्च में प्रूवन है कि जब अगर कोई पर्सन बहुत लंबे टाइम के लिए एक स्ट्रेस में जीने लगता है तो हो सकता है उसके हार्ट में चेंजेस होने लगें जो कि ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम किसी कार्डियोवास्कुलर डिसऑर्डर का कारण बन जाए तो आप क्या चाहेंगे कि अगर कोई पर्सन स्ट्रेस में आ रहा है तो क्या हम उसको स्ट्रेस को आइडेंटिफाई कर पा रहे हैं क्या हम एक प्रिडिक्टेड मॉडल बना पा रहे हैं जो कह रहा है कि वाकई ये पेशेंट या ये पर्सन जो है वो बर्न आउट है या स्ट्रेस्ड है तो यहाँ पर हमने क्या किया जो कोविड 19 जिन हेल्थ केयर वर्कर्स ने कोविड 19 में अपनी सर्विसेज दी थी उनका हमने कुछ हॉस्पिटल से डेटा कलेक्ट किया क्या डेटा कलेक्ट किया हमने ई का डेटा कलेक्ट किया और फिर हमने उनके ई डेटा को एनालाइज़ किया तो यहाँ पर हमने एक कोविड वर्कर्स का डेटा कलेक्ट किया उन उसके बाद कि वो स्ट्रेस्ड हैं वो बर्नआउट हैं या नहीं है ये हमने एक मिनी जी स्कोर का क्वेश्चनर होता है उनसे भरवाया जिसमें एक क्वेश्चन में सीधा पूछा जाता है क्या आप स्ट्रेस्ड फील कर रहे हैं तो जो उन्होंने कहा कि हाँ हम स्ट्रेस फील कर रहे हैं उसी को हमने ग्राउंड रुथ लेवल माना और हमने एक वन मिनट का सिक्सटी सेकेंड का ई सी जी इसमें कलेक्ट किया और उनसे हमने फीचर्स एक्सट्रैक्ट किए अब हमने ट्रेडिशनल फ़ीचर्स ही एक्सट्रैक्ट किए हमने एच आर वी और डिफरेंट फीचर्स एक्सट्रैक्ट किए और उसके बाद हमने एम एल मॉडल बनाया तो यहां पर हमने जो हमारा डेटा था जिसमें अब ये देखिए इस डेटा में एक अलग ही तरह का चैलेंज था यहाँ पर हमारी एक पॉपुलेशन जो हेल्दी पॉपुलेशन है उसका डेटा था ऑलमोस्ट 84 परसेंट और सिर्फ 16 परसेंट डेटा जो था वो था हमारा उन पेशेंट्स का सब्जेक्ट्स का जो कि जिन्होंने कहा कि वो बंट आउट है तो इसका मतलब आप क्या पा रहे हैं इसका मतलब ये है कि बहुत ज़्यादा क्लास इम्बेलेंस है तो जब आप मॉडल बनाएंगे अब बार आपको क्लास इम्बेलेंस भी डील करना पड़ेगा लेकिन इस तरीके से कि मॉडल कहीं भी किसी एक क्लास की तरफ टिल्ट ना कर जाए अब इसको मैं दोबारा एग्जांपल से बताती हूँ तो सपोज करो कि मैंने एक मॉडल बनाया और वो हर इनकमिंग सब्जेक्ट को कह दे कि ये हेल्दी है तो भी उसकी एक्यूरेसी 84% हो जाएगी क्योंकि 84% डेटा तो हेल्दी क्लास का ही है तो अगर उसने हर पेशेंट को हेल्दी कहना शुरू कर दिया तब भी एक्यूरेसी 84% हो जाएगी तो इससे हमने क्या सीखा पहला तो ये कि इम्बैलेंस डेटा सेट के लिए एक तो एक्यूरेसी करेक्ट मीट्रिक नहीं है आप एफ वन स्कोर या कई बार कहते हैं ए यू पी आर सी एरिया अंडर द प्रिसीजन रिकॉल कर इसको भी हम इस्तेमाल करते हैं तो डिफरेंट डिफरेंट हम पैरामीटर्स और या मीट्रिक्स को यूज़ करेंगे जिससे हम आइडेंटिफाई करेंगे दूसरा अगर हम उसको ट्रेन और टेस्ट में स्प्रिट करेंगे तो हम जो भी अंडर सैंपलिंग ओवर सैंपलिंग करेंगे वो सिर्फ ट्रेन के डेटा पे करेंगे टेस्ट को अनटच रखेंगे उसके बाद जब हम मॉडल बनाएंगे तो देखेंगे कि ट्रेन और टेस्ट में कितनी ज्यादा क्लोजनेस है कि वो बहुत ज्यादा वेरी ना कर जाए तो यहां पर हमने डिफरेंट मशीन लर्निंग मॉडल बनाए हमने रैंडम फॉरिक्स एक्स्ट्रा ट्री ये सब सब तरह के मॉडल्स बनाए लेकिन एंड में हमने पाया कि जो हमारा एक्स्ट्रा ट्री क्लासिफायर है वो मोर लेस बहुत अच्छे रिजल्ट दे रहा है और जो कि सॉर्ट ऑफ कंसिस्टेंट भी थे जो कि आपके ट्रेन और टेस्ट में कंसिस्टेंट भी थे इसको यूज़ करते हुए फिर हमने शेप्ले एनालिसिस किया और उससे हमने उसके फीचर्स की रैंकिंग भी की कि मेंटल वेलबींग जिसमें उसने कहा कि मोस्ट इंपॉर्टेंट फीचर है जो कि बर्नआउट को डिटेक्ट करने में हेल्प कर रहा है इसका मतलब है कि ये फीचर अगर वाकई ऑल्टर्ड है तो वाकई उसको पर्सन को वो फील कर रहा है कि वो बंट आउट है तो इस तरीके से इसमें फ़ीचर्स की रैंकिंग की गई कुछ इसमें एच के फीचर्स हैं जै, जैसे कि सी वी एन एन आई एस टी डी एच आर ये सारे आपके कुछ एच के फीचर्स हैं और बाकी कुछ फीचर्स हैं मैरिड है एज क्या है जॉइंट फैमिली में रहता है कितने आवर्स पर वीक का उसका ड्यूटी का चार्ट है इस तरीके से हमने ये डिफरेंट फीचर्स फीड किए नमस्ते दोस्तों अब हम एक और एप्लीकेशन देखेंगे जो कि इमेजिंग से रिलेटेड एप्लीकेशन है क्योंकि इमेजिंग में खासा इंटरेस्ट होता है सभी बच्चों का तो यहाँ पर हम अब एक इमेजिंग का एप्लीकेशन भी देखेंगे लेकिन अगेन ये कैंसर माइक्रोस्कोपिक इमेजिंग का एप्लीकेशन है तो यहाँ पर हम ब्लड कैंसर इमेजिंग की बात करेंगे जिसमें हमारा गोल था कि हम एक डायग्नोस्टिक ब्लड कैंसर इमेजेस को यूज़ करते हुए डायग्नोस्टिक टूल बनाए तो यहाँ पर क्या करना चाहते थे हम एक डिटेक्शन टूल बनाना चाहते हैं क्यों ताकि क्योंकि उसकी हो सकता है कॉस्ट कम हो और वो ईजिली डिप्लोएबल हो तो यहाँ पर सबसे पहले हमने उसकी जो ब्लड कैंसर है उसके लिए हम माइक्रोस्कोपिक इमेजेस मतलब कि हम एक स्लाइड बनाते हैं ब्लड uh, की और स्लाइड को एक माइक्रोस्कोप के नीचे रखते हैं माइक्रोस्कोप के ऊपर एक कैमरा फिटेड होता है जिससे कैमरा से फ़ोटो खींची जाती हैं तो इन कैमरे क्योंकि माइक्रोस्कोप uh, के अंदर ही देख के डॉक्टर ये पहचानता है कि भाई इस तरह के सेल जो हैं वो काफ़ी सारे नंबर में बढ़ गए हैं या ये कोई इस तरह का ब्लड कैंसर हो गया तो यहाँ पर आइडिया क्या था कि हम Uh, उन इमेजेस को इस्तेमाल करेंगे और फिर एक डायग्नोस्टिक टूल बना लेंगे जिसको सिर्फ आपने स्लाइड का डेटा देना है और जिसने बता देना है कि इसमें uh, ब्लड कैंसर है या नहीं है तो अब क्या है कि डेटा के इस डेटा के कुछ अपने अलग ही चैलेंजेस थे किस तरह के चैलेंजेस तो पहले चैलेंजेस देखते हैं तो सबसे पहले जब स्लाइड बनाई जाती है तो उस पर क्या किया जाता है कि आप ब्लड डालते हैं ब्लड की ड्रॉप्स डालते हैं ग्लास की स्लाइड पे और फिर उसके ऊपर कुछ आप स्टेनिंग केमिकल भी डालते हैं स्टेनिंग केमिकल से जो आपका सेल ऑफ़ इंटरेस्ट है वो स्टेन होके के कलर्ड हो जाता है जो कि अब क्लियरली विजिबल होता है आपके माइक्रोस्कोप के नीचे तो अब यहाँ पर क्या है क्योंकि हर अगर आप आज एक केमिकल की बोतल लिया और दो साल बाद एक केमिकल की बोतल लिया तो हो सकता है उसमें स्लाइडली चेंज हो जाए या आपका एक केमिकल जो आपने केमिकल ले रखा है वो थोड़ा सा दिन रखने के बाद वो कई बार उसमें थोड़ी सी उसकी केमिकल की प्रॉपर्टी ऑल्टर हो जाती है तो अब क्या है कि जब हमने ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम इस डेटा को कलेक्ट किया तो हमने पाया कि एक बैच जब हम कुछ पेशेंट्स का डेटा कलेक्ट किया उनकी इमेजेस के कलर कुछ अलग थे और जो नेक्स्ट टाइम किया तो उनकी इमेजेस के कलर अलग थे तो इसको हम बोलते हैं स्टेन कलर वेरिएशन अब स्टेन कलर वेरिएशन क्यों इम्पॉर्टेंट है क्योंकि जब हम यहाँ पर कैंसर डिटेक्शन करना चाहते हैं तो देखिए ये हमारी सेल इमेजेस हैं जिसमें कि ये जो बहुत डार्क पोर्शन है इसको हम कहते हैं न्यूक्लियस और जो पेरिफ्री है उसको कहते हैं साइटोप्लाज्म अब यहाँ पर हमें क्या करना था कि हमें पहले सेल को सेगमेंट करना है और सेगमेंट करने के बाद उसे क्लासिफाई करना है कि ये हेल्दी है या कैंसर सेल है अब अगर हमें ये टास्क करना है तो आप समझ सकते हैं कि यहाँ पर अब जब वो सेगमेंटेशन करेगा तो कलर देख के कर रहा होगा और जब वो क्लासिफिकेशन करेगा तो भी उसका टेक्सचर वगैरह कुछ चेंज होगा तो उसको देख के करेगा तो इसका मतलब इसका स्टेन stain, स्टेनिंग का कलर का अगर वेरिएशन आता है तो वो एक अपने आप में चैलेंज है तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये एक पेशेंट की इमेज थी जो कभी ली और ये दूसरे पेशेंट की इमेज है जो कभी किसी और टाइम लिया और ये थर्ड पेशेंट की इमेज है जो किसी और टाइम लिया तीनों में हम देख रहे हैं कि बेस कलर जो हैं वो चेंज हो गए हैं साथ में जो हमारे सेल्स हैं उनके भी कलर स्लाइटली डिफरेंट हो गए हैं तो इसका मतलब पहला चैलेंज हुआ कि स्टेन कलर वेरिएशन आता है तो उसको या तो हम नॉर्मलाइज करें या जब हम मॉडल बनाएं तो वो स्टेन कलर के लिए एग्नोस्टिक हो जाए इस तरीके से कि हम उसमें ऑगमेंटेशन कुछ उस तरह की करें तो पहला था स्टेन कलर वेरिएशन दूसरा चैलेंजेस थे कि सेगमेंटेशन कैसे करें अब हो सकता है कि यहाँ पर देख रहे हैं आप दो सेल चिपक गए हैं हो सकता है एक हेल्दी सेल हो और दूसरा नॉर्मल सेल हो तो आपको सेल्स की काउंट भी देखनी है क्योंकि कैंसर में क्या होता है अनरिस्ट्रिक्टेड ग्रोथ हो जाती है तो इसका मतलब एक सेल टाइप हो सकता है बहुत ज़्यादा तेजी से बढ़ जाए तो इसलिए आपको काउंट भी चाहिए और दूसरा क्या चाहिए हो सकता है एक हेल्दी सेल एक कैंसर uh, सेल के साथ जुड़ा हुआ है तो आपको दोनों सेल्स को क्लस्टर आउट करके सेपरेट भी करना पड़ेगा उसकी काउंट में मिलानी पड़ेगी और फिर उसको पहचानना भी पड़ेगा कौन सा हेल्दी है कौन सा वो है तो यहाँ पर सेगमेंटेशन के अपने आप में चैलेंजेस थे कि जैसे कि जब दो सेल जुड़ रहे हैं तो हो सकता है वो दोनों के साइटोप्लाज्मे जुड़ रहे हैं वो इस तरह से फ्यूज़ हो जाए कि वो एक ही सेल दिखे ये बड़ा चैलेंज है दूसरा ये हो सकता है कि आपका जो साइटोप्लाज्म है वो डिफ्यूज़ कर जाए आपके नीचे के बैकग्राउंड से तो भी दिक्कत होगी कि वो सेल कायदे से निकल के नहीं आएगा कई बार हो सकता है कि उसके दो के जो वो है न्यूक्लियस है न्यूक्लियस का कलर और साइटोप्लाज्म का कलर एक जैसा सा दिखने लगे तब भी समस्या हो जाएगी तो इस तरीके से सेगमेंटेशन के भी चैलेंजेस थे तो उसके अलावा क्लासिफिकेशन के कुछ अपने अलग चैलेंजेस थे तो यहाँ पर हमने दो मेडिकल इमेज चैलेंजेस भी रन किए एक हमने इस V2019 में रन किया जो कि क्लासिफिकेशन का चैलेंज था और एक I triple E V2021 में रन किया जो कि हमारा सेगमेंटेशन का चैलेंज था इसके डेटा सेट फ्रीली पब्लिकली अवेलेबल हैं जो हमने क्यूरेट करके डाले हुए हैं तो कोई भी स्टूडेंट इनको यूज कर करके अपने मॉडल भी बना सकता है तो ये लिंक्स हैं जहां पर ये डेटा सेट अवेलेबल है अभी तक हमने पाँच डेटा सेट पब्लिकली रिलीज़ किए हुए हैं जिनमें कि एक ई का भी डेटा सेट है तो इनमें से एक जो डेटा सेट है जो कि हम ये कहेंगे ये वाला एस एन एम ये हमारा स्टेन कलर वेरिएशन का डेटा सेट है जो दो डिफरेंट कैंसर टाइप्स का है जो एम आई एम एम और जो हमारा सेक पी सी ये सेगमेंटेशन के लिए डेटा सेट है और सी एन एम सी हमारा क्लासिफिकेशन की प्रॉब्लम के लिए डेटा सेट है तो यहाँ पर हमने हमने कुछ कोड्स भी रिलीज़ किए हैं आप इन कोड्स को भी गिटअप पे यूज़ कर सकते हैं तो अब देखते हैं हम एक क्लासिफिकेशन का बाइनरी क्लासिफिकेशन का इस कॉन्टेक्स्ट में सेल बाइनरी क्लासिफिकेशन का मॉडल देखते हैं और समझते हैं कि क्या कि, मतलब कि कितनी एक्साइटमेंट के साथ हम इस तरह के मॉडल बना सकते हैं तो पहले उसके चैलेंजेस समझेंगे अब चैलेंजेस क्या हैं कि जब माइक्रोस्कोप के नीचे देख रहे हैं तो दोनों क्लासेस के सेल्स जो हैं वो एक तरीके से विजुअली तो एक ही तरह के दिखाई दे रहे हैं तो ये बड़ा डिफ़िकल्ट था कि किस सेल को कहें कि ये कैंसर सेल है और किस सेल को कहें कि ये नॉर्मल सेल है क्योंकि ए तो क्या किया हमने कि जब हमने डेटा बनाया तो वो हमने थोड़ा इंटेलिजेंटली बनाया जो सब्जेक्ट्स ऐसे थे जिनको फुल ब्लोन कैंसर था और जिनकी ट्रीटमेंट अभी शुरू नहीं हुई थी तो उनके ब्लड में बहुत ज़्यादा काउंट जिनकी थी एक पर्टिकुलर सेल टाइप की कैंसर टाइप की तो हमने उनके सारे ही सेल्स को लेबल कर दिया कि वो कैंसर सेल हैं और कुछ डेटा जो हेल्दी सब्जेक्ट का डेटा था मतलब कि जिनको कोई कैंसर नहीं था उनके डेटा को हमने लेबल कर दिया कि हर सेल उसमें हेल्दी सेल है तो इसका मतलब क्या है कि एक डेटा में जो कि कैंसर क्लास का डेटा है उसमें स्लाइट लेबल नॉइज भी हो सकती है हो सकता है आपने 100 सेल उसके उठाए 100 में से हो सकता है एक हेल्दी सेल रहा हो और 99 तो कैंसर सेल रहे हो क्योंकि फुल ब्लोन कैंसर था इसका मतलब मेजॉरिटी ऑफ द सेल जो है वो तो आपके कैंसर सेल ही थे लेकिन इसको हम कहते हैं लेबल नॉइज क्या मतलब है कि आपने लेबल तो किया लेकिन हो सकता है इक्के दुक्के कुछ लेवल जो हैं वो नॉइजी हो गए हैं हो सकता है कुछ हेल्दी सेल जो हैं वो भी कैंसर सेल लेबल हो गए हैं तो ये हुआ एक चैलेंज दूसरा चैलेंज इसमें क्या था कि सब्जेक्ट की भी सब्जेक्ट टू सब्जेक्ट भी वेरिएबिलिटी होती है तो एक तरीका तो ये है आपने कहा मैंने 100 पेशेंट का डेटा इकट्ठा किया अब मैंने कैंसर सेल को एक क्लास बना दूं और हेल्दी सेल को एक क्लास बना दूं अब उनको ट्रेन टेस्ट में स्प्लिट कर लेंगे और अब मॉडल बना लेंगे लेकिन ये बड़ी समस्या हो जाएगी जब आप उस मॉडल को डिप्लॉय करेंगे तो सबसे पहला मॉडल हमने ऐसा ही बनाया लेकिन जब उसे डिप्लॉय किया तो हमने कहा वो तो फेल हो गया क्योंकि किसी सब्जेक्ट पर तो वो अच्छा चल रहा था और किसी सब्जेक्ट पर बिल्कुल ही नहीं चला तब हमने रियलाइज किया कि इस मॉडल को हमें सब्जेक्ट लेवल पे सेपरेट करके बनाना है तो जो हमने ये सी एन एम सी का डेटा रिलीज किया इसको भी हमने सब्जेक्ट लेवल पे बनाया सब्जेक्ट लेवल पे बनाने का मतलब क्या है कि जब आप ट्रेन टेस्ट में स्प्लिट मारेंगे तो कुछ सब्जेक्ट्स के डेटा को टोटली totally आप ट्रेन में रखेंगे और कुछ सब्जेक्ट्स डेटा को आप टोटली totally टेस्ट में रखेंगे आप सब्जेक्ट्स को सब्जेक्ट्स के डेटा को मिक्स नहीं करेंगे तो इस तरीके से करते हुए हमने इस मॉडल को बनाया तो इसका मतलब ट्रेन में भी कुछ हेल्दी सब्जेक्ट्स होंगे और कुछ कैंसर के सब्जेक्ट्स होंगे टेस्ट में भी कुछ हेल्दी सब्जेक्ट्स होंगे और कुछ कैंसर के सब्जेक्ट्स होंगे अब डेटा यहाँ पर इम्बेलेंस भी था क्योंकि कैंसर के पेशेंट में तो बहुत सारे सेल इमेजेस मिल गई लेकिन हेल्दी सब्जेक्ट में तो सेल cell... की काउंट जो होगी वो नॉर्मल होगी तो बहुत थोड़े सेल थे उस तरह के उस टाइप के तो इसका मतलब उस डेटा जो हमारा हेल्दी का डाटा था वो कम था और जो कैंसर का डाटा था वो हमारा ज़्यादा था तो ये हमारे हुए क्लासिफिकेशन के चैलेंजेस अब इसमें अगर फुल्ली ऑटोमेटेड आपको मॉडल बनाना है तो उसमें तो क्या कहेंगे पहले आप डेटा कलेक्ट करेंगे फिर स्टेन कलर नॉर्मलाइजेशन करेंगे फिर सेगमेंटेशन करेंगे और एंड में आप क्लासीफायर बिल्ड करेंगे तो हमने एक अपना स्टेन नॉर्मलाइजेशन का अपना इन हाउस काम भी किया जो कि यहाँ पर आ, इसका पूरा अवेलेबल है तो इसमें हमने ये रेफरेंस इमेज ली ये हमारी क्वेरी इमेजेस हैं आप देख सकते हैं कि क्वेरी वन और क्वेरी टू के स्टेन में काफ़ी डिफरेंस है लेकिन जब हमने नॉर्मलाइज़ करी तो ये हमारी दोनों इमेजेस जो हैं वो इस इमेज के काफ़ी कलर में पास आ गई पर्टिकुलरली आपके सेल्स का कलर उनके पास आ गया तो हमने सबसे पहले अपनी पाइपलाइन से स्टेन कलर नॉर्मलाइज किया फिर सेगमेंट किया सेगमेंट करने के बाद डेटा बनाया और डेटा बनाने के बाद अब हमने क्लासिफिकेशन का आर्किटेक्चर बनाया तो ये एक काम है जिसमें कि हमने इस आर्किटेक्चर को बनाया है तो देखिए अब हमने यहाँ क्या किया तो जैसा मैंने कहा था कि अब हमने सब्जेक्ट लेवल पर डेटा को बनाया तो हमने क्या किया कि हमने सेवन फोल्ड्स बनाए हर फोल्ड में हमने नंबर ऑफ सब्जेक्ट स्पेसिफाई किए कैंसर क्लास के कितने गए और नॉर्मल क्लास के कितने गए लेकिन किस तरीके से हो सकता है कि किसी सब्जेक्ट के इमेजेस में से हमें 200 सेल मिले हों और किसी एक दूसरे सब्जेक्ट के इमेजेस में से हमें कुल आ, 50 सेल मिले हों तो हमें लेकिन हर फोल्ड में टोटल नंबर ऑफ कैंसर सेल इमेजेस, इंडिविजुअल सेल इमेजेस और वो जो है हमारे पास दूसरी सेल इमेजेस वो तकरीबन बराबर रखनी थी तो ये देखिए हमने यहाँ पर पहले फोर्ड में थर्टीन कैंसर सब्जेक्ट्स डाले दूसरे में नौ नौ छः नौ इस तरीके से डिवाइड किया सच दैट कि जब आप टोटल कैंसर इमेजेस देख रहे हैं तो तकरीबन तकरीबन बराबर सी हैं आप एग्जैक्टली exactly बराबर तो कर नहीं सकते क्योंकि सब्जेक्ट लेवल पे आप सेपरेट कर रहे हैं इसी तरह हमने नॉर्मल क्लास के जो हेल्दी सब्जेक्ट्स हैं उनको भी डाला और उनकी भी कुछ इमेजेस डाली और टोटल हमारे पास इमेज आ गईं एट फोर नाइन वन हमारे पास कैंसर की हैं और फोर ज़ीरो थ्री सेवन हमारे पास हेल्दी की हैं तो हम देख सकते हैं क्लास इम्बैलेंस है जो टेस्ट डाटा था वो हमारा बिल्कुल सेपरेट था उसमें नौ कैंसर सब्जेक्ट्स थे और आठ हेल्दी सब्जेक्ट्स थे और जो टोटल हमारे पास इमेजेस थी वो हमारे पास टू फाइव एट सिक्स आ गई अब हमने क्या किया अब हमने एक आर्किटेक्चर बनाया नॉर्मली आप आर्किटेक्चर खुद अपना कस्टम डिज़ाइन कर सकते हैं और उसको आप अपने एप्लीकेशन डोमेन से इंस्पायर होके बना सकते हैं तो यहाँ हमने एक आर्किटेक्चर बनाया जिसमें हमने सबसे पहला जो आर्किटेक्चर बनाया उसको हमने कहा स्टेन डी नेट आर्किटेक्चर तो इसमें हमने क्या किया तो आप देख रहे हैं तो एस डी नेट आर्किटेक्चर में जो है ये हमारे पास इसमें कॉन्शनल लेयर्स हैं तो ये कॉन्वोल्यूशनल दूसरी मैक्स पूल फिर एक फिर ये कॉन्वल्यूशनल फिर मैक्स इस तरीके से करते हुए एंड में एक बाईलियर पुलिंग है और फिर हमने एक फुली कनेक्टेड नेटवर्क में रेलू के बाद डाल दिया और ये सॉफ्ट मैक्स लग गया एंड में क्योंकि ये बाइनरी क्लासिफिकेशन है तो इसका मतलब आपका sigmoid से भी ये हो जाएगा अब हमने क्या किया इस आर्किटेक्चर की ये आर्किटेक्चर थोड़ा सा डिफरेंट था और इस आर्किटेक्चर के हमने नॉन सीएनएन के जो बड़े बड़े आर्किटेक्चर हैं उनसे हमने इसके पैरामीटर्स कंपेयर किए तो हमने पाया हमारे नेटवर्क के इसको हमने कॉल किया बेस नेटवर्क इस बेस नेटवर्क के हमारे पैरामीटर्स जो हैं वो काफ़ी कम थे और इसमें क्या था कि सबसे पहली लेयर जो थी वो हमने स्टेन नॉर्मलाइजेशन से इंस्पायर होते हुए स्टेन डी कॉन्वल्यूशनल लेयर बनाई थी उसके बाद हमने क्या किया हमने कहा कि अब हम और स्टडी करते हैं कि भाई क्या पैटर्न डिफरेंट होता है तो हमने देखा कि अगर हम जो स्टेन डी लेयर के बाद का जो डेटा इमेजेस आती हैं अगर हम उस पर डी सी टी लगाएँ डिस्क्रीट को साइन ट्रांसफॉर्म लगाएँ तो हमने देखा कि ये तो हमारा कैंसर क्लास का और नॉर्मल क्लास का ये नॉर्मल सेल है हेल्दी सेल है और ये हमारा कैंसर सेल है अगर हमने इनके ऊपर डीसीटी लगाया तो देखिए तकरीबन एक तरह की इमेजेस आई लेकिन अगर हमने स्टेन डी लेयर लगाने के बाद हमने हेल्दी क्लास के सेल को देखा और कैंसर क्लास के सेल का डीसीटी लगाया तो हमने देखा पैटर्न थोड़ा सा डिफरेंट है तो हमने कहा इसका मतलब हम एक स्टेन डी कॉन्वल्यूशनल लेयर भी के बाद हम एक डीसीटी लेयर भी लगा सकते हैं तो अब हमने इसको कहा एस डी सी टी नेट कि इसके अंदर स्टेन डिकॉन्वल्यूशनल लेयर भी लगी है डी सी टी लेर भी लगी है और इस तरीके से करते हुए और यहाँ पर पहले हमारी ऑप्टिकल डेंसिटी लेयर भी लगी हुई है अगर आप इस पेपर को पढ़ें तो इसमें इनके पूरे डिटेल्स मिल जाएंगे उसके बाद हमने इस तरह का आर्किटेक्चर बनाया और इसमें हम सारे लेयर्स के बारे में बता रहे हैं उनके इनपुट आउटपुट साइज़ के बारे में भी बता रहे हैं उसके बाद हमने एक और चेंज किया हमने कहा कि यहाँ पर जो हमारे यहाँ पर ये यह जो हमारा यहाँ पर बाईलियर पुल या यहाँ पर जो हमारे आ रहे हैं ये जो लास्ट कॉन लेयर के बाद फ़ीचर्स आ रहे हैं इसको हम कहते हैं कई बार लेटेंट स्पेस फीचर्स या हम इसको कहते हैं कि ये हमारे लेटेंट स्पेस फीचर्स या फाइनली फ़ीचर्स हैं जो हमारे निकल के आए हैं तो अब हमने क्या किया हमने यहाँ तक के नेटवर्क को कहा कि यहाँ तक का नेटवर्क जो है ये ये नेटवर्क जो हमारा था इसको हमने कहा कि फीचर एक्सट्रैक्शन नेटवर्क है ये हमारा ठीक है फीचर एक्सट्रैक्शन नेटवर्क ये अलग हो गया तो अब हमने क्या किया हमने फीचर लर्निंग या फीचर लर्निंग सब नेटवर्क कहा उसके बाद हमने दो तरह से अपनी पूल लगाया एक हमने बाईलिनियर पूलिंग लगाया और एक हमने स्पेक्ट्रल एवरेज पूल लगाया तो बाई एक तो हमने क्या किया कि मेरे पास अगर 10 फीचर मैप आए आउटपुट पे तो मैंने इन अ फीचर मैप या विद इन अ इमेज जो अगर 10 मेरे पास इमेजेस आ गई आउटपुट में इस तरह की तो हम क्या किया या तो हम फ्लैटन कर सकते हैं या हम क्या कर सकते हैं कि हर एक का हम एवरेज ले लेंगे हर एक इमेज का एवरेज ले लेंगे और फिर उनको फ़्लैटन कर देंगे तो एक में तो हमने इस तरीके से एवरेजिंग किया और दूसरे में हमने एक पिक्सल ये सबका एक पिक्सल का अलग एवरेज किया दूसरे का अलग किया तीसरे का अलग किया और सिंगल इमेज बनाई जिसको हमने कहा स्पेक्ट्रल एवरेजिंग तो हमने दो तरीके से उसको पूल किया बाइलिनियर पुलिंग किया स्पेक्ट्रल एवरेजिंग पूलिंग किया और दोनों को अलग अलग क्लासीफायर में एक न्यूरल नेटवर्क था और दूसरा हमारा एस था दोनों से हमने प्रडिक्शंस लिया और उन प्रडिक्शंस को हमने इंटेलिजेंटली अपने आ, आर्किटेक्चर में इस्तेमाल किया ताकि हम फाइनल इन्फ्रेंस एक रोबस्ट निकाल सकें तो उसके लिए देखिए हमने क्या किया अब हमने क्या किया कि हमारा यहाँ पर जो फीचर्स आए हमने एक तो बाइलिनियर पुल लगा के यहाँ पर ट्रेडिशनल मॉडल बनाया और दूसरा हमने क्या किया कि इन्हीं फ़ीचर्स को हमने नीचे प्रोपिगेट किया और जो हमारे सैम्पल्स बिल्कुल करेक्टली प्रिडिक्ट हुए थे ट्रेनिंग के समय सिर्फ उन्हीं सैंपल्स को हमने इस वाले क्लासिफायर को फीड किया और उससे हमने ये एस का एक क्लासिफायर बनाया तो एक तरीके से हम ये कह रहे हैं यहाँ पर हमने बहुत ही क्लीन डाटा इस क्लासिफायर को दिया क्योंकि जिनके हमारा प्रिडिक्शन बिल्कुल करेक्ट आई बहुत हाई कॉन्फिडेंस से उन्हीं पे हमने ये वाला नीचे वाला मॉडल ट्रेन किया तो एक तरीके से ये हमने एक बहुत ही आ, हो सकता है कि इसमें इस वाले डेटा में बिल्कुल लेबल नॉइज ना रही हो और ये बहुत अच्छा डेटा हो जिस पे हमने ये वाला मॉडल ट्रेन किया अब हमने दो अपने क्लासीफाई ट्रेन कर लिए एक ये न्यूरल नेटवर्क वाला है और एक ये दूसरा है पहले में हमने बाइलिनियर पुलिंग किया दूसरे में हमने स्पेक्ट्रल एवरेजिंग किया ताकि वो स्लाइटली डिफरेंट तरीके से भी उस डेटा को प्रोसेस कर रहा है अब ये बनाते हुए अब हमने टेस्टिंग या इन्फ्रेंस टाइम पे क्या किया तो इन्फ्रेंस टाइम पे हम इसी नेटवर्क ट्रेन नेटवर्क के थ्रू गए यहाँ से यहाँ मूव किया अब जब उससे पहले हमने बाइलिनियर पुलिंग न्यूरल नेटवर्क से हमने इन्फ्रेंस लिया तो हमने उसका देखा कि उसने हमारा कितने कॉन्फिडेंस से हायर क्ला किस एक क्लास को किस जो मैक्स आपकी कॉन्फिडेंस आया किसी क्लास का कितनी प्रोबेबिलिटी से उसने क्लास वन कहा और कितनी प्रोबेबिलिटी से उसने क्लास जीरो कहा तो सपोज़ करो उसने क्लास वन को कहा पॉइंट एट प्रोबेबिलिटी से और क्लास ज़ीरो को कहा पॉइंट टू प्रोबिलिटी से अब हमने एक थीटा अपना सेट किया यहाँ पर हमने थीटा तकरीबन पॉइंट नाइन सेट किया तो अगर मेरी मैक्स प्रोबेबिलिटी जो है वो इससे ग्रेटर आई तब तो मैंने इसकी इन्फ्रेंस ली कि भाई ये बहुत हाई कॉन्फिडेंस से बोल रहा है लेकिन अगर मेरी मैक्स प्रोबेबिलिटी यहाँ पर कम है पॉइंट एट इज़ लेस देन पॉइंट नाइन अगर वो नहीं आई तो हमने जो नीचे वाला क्लासिफायर ट्रेन किया था हमने उस क्लासिफायर से इन्फ्रेंस ली हमने कहा कि यहाँ पर ये वाला जो क्लासिफायर है बहुत श्योर नहीं है क्योंकि नीचे वाला क्लासिफायर हमने बहुत अच्छे से स्ट्रॉन्ग सैम्पल्स बनाया तो अब की बार हम इससे इन्फ्रेंस लेंगे इसको हमने कहा एच डी सी टी ऑक्सनेट क्योंकि एक ऑक्सिलरी क्लासीफायर भी यूज़ हो रहा है और थीटा की हमने डिफरेंट वैल्यू ली जब थीटा ज़ीरो है तो वो हमारा न्यूरल नेटवर्क वाला ट्रेडिशनल आर्किटेक्चर है जब थीटा वन है तो वो सारी की सारी इन्फ्लेंस सिर्फ ऑगजिलरी क्लासिफायर से ले रहा है और जब थीटा ज़ीरो टू वन के बीच में है तो वो दोनों को देखते हुए उनकी इन्फ्रेंस ले रहा है इस डेटा सेट पे हमने एक चैलेंज भी रन किया था जो कि हमने इस भी 2019 में किया था उस लीडर बोर्ड पर मैक्सिमम स्कोर हमारा 0.910 था ये हमारा वेटेड एफ स्कोर है जबकि जब हमने अपना मॉडल बनाया तो उसका स्कोर इस स्कोर को बीट कर गया जो कि ये दर्शाता है कि एक बहुत ही अच्छा मॉडल बना टेस्ट के सैंपल्स में हमने इंडिविजुअली भी एरर और एक्यूरेसी देखी थी तो इन कंक्लूजन यहाँ पर हमने एक मेडिकल इमेज डोमेन इंस्पायर्ड आर्किटेक्चर बनाया जिसमें हमने एक स्टेन डिकॉन्वल्यूशनल लेयर लगाई थी डीसीटी की लगाई थी और उसके बाद हमने एक ऑगजिलरी क्लासिफायर को यूज़ करते हुए एक इनोवेटिव आर्किटेक्चर बनाया जो कि लाइट वेट था जिसमें नंबर ऑफ ट्रेनेबल पैरामीटर्स कम थे और उसके साथ हमने क्लासीफिकेशन किया इस काम के लिए इन सभी हेल्थ केयर के कामों के लिए हम मैं अपने अंडर ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट स्टूडेंट्स के लिए हम थैंकफुल हैं कोलैबोरेटर्स जिनके साथ हमने काम किया जो भी हमें रिसर्च फंडिंग मिली जो हमारे सेंटर्स हैं जो हमारे साथ एसोसिएटेड हैं जिन्होंने हमें सपोर्ट किया उन सभी को हम थैंक्स कहते हैं उसके अलावा हम अपने स्टाफ की भी बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं क्योंकि हमारा स्टाफ ही हमारी हेल्प करता है जिससे कि हम अपने गोल्स ऑब्जेक्टिव्स को अचीव कर पाते हैं तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं मशीन लर्निंग के हेल्थ केयर के कामों में रिसर्च में हमारे साथ काम करने के लिए तो आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं आप हमें इस ई मेल पर लिख सकते हैं धन्यवाद नमस्कार कोर्स के अंतिम चरण में हम मशीन लर्निंग की असली ताकत का एक अच्छा उदाहरण देखेंगे आज हम सी एन एन कैसे यूज़ किया जाता है ये जानेंगे उसके अलावा डी नोजिंग ऑटो इनकोडर कैसे यूज़ किया जाता है ये भी सीखेंगे तो चलिए आरंभ करते हैं आज का जो हमारा ट्यूटोरियल है उसे थोड़ा ज़्यादा समय लगेगा 20 से 30 मिनट भी लग सकते हैं क्योंकि आज हम सी एन एन का प्रयोग करने वाले हैं जिसमें थोड़ी ज़्यादा कॉम्पिटिशन्स लगती हैं जो हमारा टास्क है वो एक नॉइजी इमेज को सी एन एन मदद से ऑटो एनकोडर का यूज़ करते हुए कैसे डी किया जाए ये जानना है आज हम पैंडास नम पाए मैट लिप के अलावा टेंसर फ्लो और केरास का भी इस्तेमाल करेंगे जैसा कि आप जानते हैं केरास एक रैपर है टेंसर फ्लो के ऊपर जिसका इस्तेमाल हम मशीन लर्निंग पर्टिकुलरली डीप लर्निंग के जो न्यूरल नेटवर्क्स होते हैं उसके इस्तेमाल में किया करते हैं यहाँ पे हमने नम और टेंसर फ्लो के रैंडम सीट को भी सेट कर लिया है ध्यान में रखते हुए अब हम डेटा को प्रिपेयर कर लेते हैं और लोड कर लेते हैं यहाँ पर हम सिफार टेन डेटा सेट का प्रयोग करेंगे यहाँ पे हमें केवल इमेजेस चाहिए उनके लेबल्स से अभी हमें कोई मतलब नहीं है तो इस पर्टिकुलर ट्यूटोरियल के लिए हम लेबल्स को उठाएंगे ही नहीं हमारा सारा फोकस जो होगा वो सिफार टेन की जो इमेजेस हैं हमारे पास उन इमेजेस पे होगा उस इमेज को कैसे नॉइजी बनाकर उन्हें डी नॉइज करके ये चेक कर सकते हैं कि हमारा मॉडल कितना अच्छा परफॉर्म कर रहा है हम यहाँ पे देख लेते हैं कि जो हमारा ट्रेनिंग डेटा है उसमें लगभग 50,000 इमेजेस में 32 क्रॉस 32 हमारे पास पिक्सल्स की एक इमेज है जिसमें थ्री चैनल्स हैं वैसे ही टेस्टिंग डेटा की बात करें तो वहाँ पे भी कुछ ऐसी ही इमेजेस हैं पर जो नंबर है वो दस हजार है एक्सप्लोरेटरी डेटा एनालिसिस में जो हमारा मेन चीज है इमेजेस दिखती कैसी हैं जो थ्री चैनल्स हैं क्या उसके बेसिस पे हमारे पास जो इमेजेस आई हैं क्या वो कलर्ड है जैसे ही हमें रियल वर्ल्ड में इमेजेस दिखती हैं वैसी है तो हम देख पा रहे हैं कि हमने कुछ यहाँ पे प्रिंट कर ली हैं हमारी इमेजेस और कुछ लो रेजोल्यूशन इमेजेस हमारे को समझ में आ रही हैं जैसे कि यहाँ पे आप एक फ्रॉक देख सकते हैं एक ट्रक दिख रहा है यहाँ पे एक बर्ड दिख रही है ये शायद कोई हॉर्स है यहाँ पे हॉर्स राइडिंग हो रही है ऐसे करके हमारे पास सिफार टेन में जो डेटा सेट होता है उसकी क्लासेस की इमेजेस हमारे पास हैं अब हम मॉडल की बिल्डिंग से पहले इन इमेजेस को डिनोइज कर लेते हैं प्रिपेयर कर लेते हैं तो हमने सबसे पहले तो प्रिपरेशन के तौर पे इमेजेस को नॉर्मलाइज कर लिया है इमेज पिक्सल वैल्यूज़ को जो ज़ीरो से वन के बीच में आ जाएंगी तो जितने में हमारी फ्लोट वैल्यूज थी फ्लोट थर्टी टू उसको टू फिफ्टी फाइव से डिवाइड कर लिया तो हमारा एक्सट्रेन और एक्सटेस्ट दोनों ही हमारी इमेजेस जो हैं उसमें पिक्सल की वैल्यूज को नॉर्मलाइज कर दिया गया है उसके अलावा अब हम नॉइज ऐड करते हैं पहले इमेजेस में नॉइज ऐड करने के लिए ये जो हमारा डेटा प्रिपरेशन है वही चल रहा है अभी भी हमने नॉइज फैक्टर जो है पॉइंट फाइव का रखा अब हमने जो ट्रेन डेटा है उसकी नॉइजी इमेजेस को एक्सट्रेन नॉइजी में डाल दिया है इसमें है क्या इसमें एक्सट्रेन प्लस नॉइस फैक्टर मल्टीप्लाइड बाय हम हमने रैंडम नॉर्मल से एक सैम्पल या एक पॉइंट उठा लिया है और वो ऐड कर दिया है अब इससे होगा क्या कि हमारी इमेजेस में जितनी भी वैल्यूज हैं सब में थोड़ी थोड़ी नॉइज ऐड हो जाएगी ऐसे ही यही काम हम एक्स टेस्ट के लिए भी कर देंगे तो हमने वही कर दिया यहाँ पे एक चीज़ ये ध्यान रखने वाली ये है कि हमने इमेजेस को नॉर्मलाइज़ किया था नॉर्मलाइज का मतलब ये हुआ कि अब इसकी सारी पिक्सल वैल्यू ज़ीरो से वन के बीच में होगी लेकिन जब हमने नॉइज़ ऐड कर दी तो उसके बाद पिक्सल वैल्यूज़ दोबारा से वन से बाहर और ज़ीरो से कम भी चली गई होगी तो उसको भी बैलेंस करने के लिए हमने दोबारा से क्लिपिंग परफॉर्म करी अब उस क्लिपिंग में क्या हुआ जो वन से ऊपर वाली वैल्यूज है वो वन पे क्लिप हो गई और जो जीरो से नीचे वाली वैल्यूज हैं वो जीरो पे क्लिप हो गई वो पे रुक गई हमने यहाँ पे यही काम कर लिया है अब आ जाते हैं मॉडल बिल्डिंग में मॉडल का स्ट्रक्चर हमने कुछ इस प्रकार डिफाइन किया है अब यहाँ पे जो भी हम हाइपर पैरामीटर्स ले रहे हैं जैसे कि कर्नल की डिमेंशन का साइज या एक्टिवेशन क्या यूज कर रहे हैं तो ये आप अपने हिसाब से भी सेलेक्ट कर सकते हैं डिफरेंट परम्यूटेशंस और कॉम्बिनेशंस का यूज़ करके जो भी आपको लगे कि आपके मॉडल के लिए सूटेबल है वही इस्तेमाल करें अब बॉटल नेक जो जनरली हम यूज़ करते हैं या हम नॉर्मल आटो एनकोडर्स की भी बात करें तो हम जनरली ये रखते हैं कि हमारा जो इंकोडर है वो डिकोडर के साथ मिलता जुलता हो, यानी जो डिकोडर है एक तरीके से मिरर इमेज हो एनकोडर की एक बार हमने लेट स्पेस ले ली उसके बाद हमारा जो डिकोडर निकल के आएगा वो फाइनली वही इमेज देना चाहिए जो हमारी ओरिजिनल इमेज है तो जितनी भी हमने कंप्यूटेशन इनपुट में करी जब में हम लेटिन स्पेस में आ गए वो रिवर्सिबल मानी जा सकती है मान के जाया जाता है कि वो जो लेटेंट स्पेस निकल के आई है उसमें जो भी हमें काम किया था अभी तक ओरिजिनल इमेज से लाने में वही काम अगर हम रिवर्स कर दें तो हमारे को ओरिजिनल इमेज हमारी लेटेंट स्पेस से मिल जाएगी यहाँ पे हमने वही करने की कोशिश करी है हमने क्या किया कॉन टू लगा दिया वही 64 फोर क्रॉस सिक्सटी और कर्नल 3 क्रॉस 3 रेलू एक्टिवेशन हाँ यहाँ पे ध्यान रखने वाली बात यह है कि ऐसा जरूरी नहीं है यहाँ पे हम जो मिरर इमेज है वो करें ही करें ऐसा हमारे को कोई भी बंदिश नहीं है हम चाहें तो अपने तरीके से मॉडल को डिफरेंट एनकोडर और डिकोडर के साथ रख सकते हैं फिर हमने एक अप सैम्पलिंग लगा दी टू में फिर हमने एक कॉर्न टू डी फिल लगा दी अब सैम्पलिंग लगाने के बाद फाइनली एक कॉर्न टू डी फिल लगा दी जिससे हमारी जो फाइनल डायमेंशन निकल के आएगी वो थर्टी टू क्रॉस थर्टी टू की होगी तो यहाँ पे जो हमने हाइपर पैरामीटर्स यूज किए हैं ऑप्टिमाइजर के तौर पे हमने एडम ऑप्टिमाइजर यूज़ किया है उसके अलावा लॉस फंक्शन हमने मीन स्क्वा एरर बैच साइज हमने थर्टी टू रखा है और टोटल नंबर ऑफ एपॉक्स हमने पाँच रखे हैं यहाँ पे एक चीज़ और देखने वाली है जब आप कोड में जाएंगे तो आपको यहाँ पे पैडिंग इज इक्वल टू सेम दिख रहा है अब इसका क्या मतलब है पैडिंग इक्वल टू सेम का मतलब ये होता है कि हमने जो इनपुट डिमेंशन दी है वो वही डिमेंशन निकल के आनी चाहिए आउटपुट में भी ये चीज़ हम इंश्योर कर सकते हैं पैडिंग के थ्रू तो वही चीज़ हमने यहाँ पे रखी है कि हमारी जो इनपुट इमेज का साइज होगा पैडिंग इक्वल टू सेम में हमारी आउटपुट इमेज को भी उसी साइज का होने के लिए जितनी पैडिंग की रिक्वायरमेंट है उतनी पैडिंग आप लगा दो वो कंपटीशन आपने मशीन पर छोड़ दी फिर हमने यहां पे एक एनकोडर और डिकोडर बना दिया उसके बाद हमने ऑटो एनकोडर करके एक मॉडल डिफाइन कर दिया जिसमें हमने इनपुट्स और डिकोडेड आउटपुट्स डाल दिए और हमने ऑटो इनकोडेड डॉट कंपाइल करके उसमें optimizer और लॉस फंक्शन भी डाल के उसको कंपाइल कर दिया एपॉक्स हम देख लेते हैं यहाँ पे हमने पांच पॉक्स रखी हैं आप चाहें तो ज़्यादा भी रख सकते हैं ध्यान रखें अभी आप यहाँ पे हायर ऑर्डर कॉम्पिटिशन्स यानी एक बड़ा रैम वाला सी या फिर कोई जी पी यूज़ नहीं कर रहे हैं तो आपके इस पूरे प्रोसेस को करने में बहुत समय लग सकता है जैसा कि मैंने शुरुआत में आपको बताया कि 20 से 30 मिनट का समय भी लग सकता है तो आप उसी हिसाब से अपनी ईपॉक्स पर अगर आप सिर्फ टेस्टिंग कर रहे हैं तो ईपॉक्स को कम ही रखें जब आप ओरिजिनली किसी बड़े मॉडल को ट्रेन करना चाहते हैं और आपके पास रिसोर्सेस पे नहीं हैं तो आपने एक बार डिफाइन कर लिया कि हाँ भी मेरा जो मॉडल है वो ठीक से परफॉर्म कर रहा है अब सिर्फ मेरे मॉडल को ऑप्टिमाइजेशन की ज़रूरत है तो आप उसमें एपॉक्स बढ़ा भी सकते हैं और अपने हिसाब से उसमें हाइपर पैरामीटर्स को ट्यून कर सकते हैं तो यहाँ पे हमने ऑटो इंकोडर यानी हमारा जो मॉडल है उसको फिट कर लिया तो हमारा मॉडल ट्रेन हो गया है अब रिजल्ट्स पे चलते हैं रिजल्ट्स हम देखेंगे कैसे तो हम विजुअली एनालाइज करेंगे कि हमारा जो मॉडल अभी इनपुट इमेज ले रहा है फिर जो नॉइजी इमेज आई है उसके अलावा जो फाइनली डी नॉइज इमेज निकल के आई है ऑटो इनकोडर से उन तीनों में कितना डिफरेंस है वो हम विजुअलाइज करेंगे हमने कुछ रैंडम इमेजेस को यहाँ पे सैम्पल कर लिया है उसको हम नॉइजी इमेज बनाएंगे और उसके बाद उसको डी नॉइज करेंगे तो यहाँ पे हम देख पा रहे हैं कि सी एन एन या डी ऑटो ऑटोइंग की असली ताकत का नमूना क्या है कि ओरिजिनल इमेज हमारे को कुछ कार जैसी दिख रही थी उसके बाद नॉइजी इमेज बनाने के बाद हमारी इमेज कुछ ऐसी दिख रही है जिसमें हम कुछ समझ ही नहीं पाएंगे कि एक्चुअली हमारी इमेज के अंदर था क्या तब भी हमारी जो मॉडल है वो उस पूरी इमेज को डी और कुछ फैक्टर्स जो हैं यहां पे हमारे को ओरिजिनल इमेज के फिर भी दिख रहे हैं अभी एक और एग्जांपल लीजिए यहाँ पे हॉर्स जैसा कोई एनिमल हमारे को दिख रहा है नॉइजी इमेज हमें कुछ पता नहीं चल पा रहा है मतलब अगर ह्यूमन भी देखना चाहे तो ह्यूमनली ये लगभग नामुमकिन है कि हम इस नॉइजी इमेज को देखकर बता सके कि ओरिजिनल इमेज क्या रही होगी लेकिन वहीं जब हम डी करते हैं तो हमारे को कुछ ऐसी इमेज नजर आ रही हैं यहाँ पे ये ध्यान रखने वाली बात है कि अभी हमने टेस्टिंग के तौर पे हमने सिर्फ पाँच एपॉक्स तक चलाया अगर हम एपॉक्स बढ़ा देते तो हमारे को डी नोज इमेज जो है वो और ज़्यादा हमारे ओरिजिनल इमेज के करीब मिलती ऐसा हमारा मानना है तो ये है हमारे जो डेटा निकल के आया है कि भाई शिप है या डॉग है तो उससे डी करने के बाद भी हमारे को कुछ उसमें से निकल के आ रहा है आप ओरिजिनल इमेज की रेजोल्यूशन से ये जान सकते हैं कि कितनी परेशानी होगी एक ह्यूमन के लिए भी ये कॉरेस्पॉन्डेंस निकालना पारना कि ओरिजिनल इमेज कैसी है और नॉइजी इमेज कैसी है तो फाइनली हम कंक्लूड ये करते हैं कि हमने आज एक सी का मॉडल ट्रेन करा जो कि एक डीनोइजिंग ऑटो एनकोडर था जिसमें हमने इमेजेस को डीनोइज करा अब यहाँ पे एक ट्राई इट योरसेल्फ एक्सरसाइज भी है आपने फैशन एमनिस्ट स्टेटस सेट को देखा है आपने उसको काफी बार ट्रेन भी किया है डिफरेंस यहाँ पे सिफार्टन से ये रहेगा कि जो फैशन एमनिस्ट है वो इमेजेस हमारी ब्लैक एंड वाइट होती हैं उन्हीं को यूज करके आप एक डीनोइिंग ऑटो एंकोडर को सी एन एन बेस्ड बनाकर उनको ट्रेन करें कुछ ऐसी इमेज हमारी दिखती हैं और देखते हैं कि आप ये कर पाते हैं और कितना अच्छा आपका रिजल्ट आ रहा है तो अंत में आज हमने कॉन्वलेशनल न्यूरल नेटवर्क्स को कैसे अप्लाई करते हैं ये जाना हमने नॉइजी इमेज को ऑटो एनकोडर की मदद से कैसे डिनोइस किया जाता है ये भी जाना और हमने केरास और टेंसर फ्लो का प्रयोग करके कैसे मशीन लर्निंग के डीपर आर्किटेक्चर्स को बनाया जाता है यह भी सीखा यहाँ पे हमारा ट्यूटोरियल समाप्त होता है धन्यवाद